सर गुड मॉर्निंग ये वही ना बात सर माहौल जब होता शानदार सरकार so, इनडायरेक्ट टैक्स वन डे मैराथन शुरू करे क्या सर ओके सर टारगेट ऑफ दिस लेक्चर ये जो बेच हम ले रहे हैं ये जो आप लोग यहां पे आए हो ये वन डे लेक्चर जो सर वीडियो में देख रहे है. सरकार टारगेट क्या है सर एग्जामिनेशन सर वी हैव टू कवर सिंगल डे स भाई सबसे बड़ा चैलेंज आता है आप लोगों के लिए ड्यूरिंग एंड बिफोर द एग्जाम वो आता है कि सर सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया पूरा हमने हर चैप्टर रिवाइज भी कर लिया सर इनफेक्ट आपने देख भी लिये होंगे हमको आता है पर सर हर एक चैप्टर कनेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है सर कई बार <coughs> सिलेबस एज ए होल को कंट्रोल में लाना आपने मतलब सर पूरा इतने में आ रहा है सर वो थोड़ा सा टफ होता है तो आज हमारा टारगेट क्या है सर पूरा एज एज होल होल जीएसटी आपके कंट्रोल में आ जाए वो हमारा टारगेट सर हा है ना भाई yes, अरे शुरू करेगा क्या yes, ओके तो सर करते हैं शुरू हमारा प्रोग्राम लेके प्रभु का नाम शुरू करें क्या सर yes, ओके तो सर सबसे पहली बात सर एग्जाम्स के अंदर अगर हम बात करें तो जब डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मार्क का आधा आधा टेंशन तो वही चालू है 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 सर हाँ है ना भाई और एक वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू जो आता है अपना उसमें भी क्या होता है सर अब ये जो बड़े क्वेश्चन दो होते हैं बड़ा सर इनमें मेजरली क्या होता है ये किसी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं होता है ये किसी टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है दिस इज ऑफ एंटायर इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर समझा मेरी बात ये पूरे जीएसटी एज ए होल का क्वेश्चन आता है तो सर हम बात करते हैं इन क्वेश्चन में क्या होता है क्या आखिर सर शुरुआत करते हैं हम बात करते हैं सर ध्यान देना बच्चों <coughs> सर अगर आपको प्रोविजन कनेक्ट हो गए तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे सर क्लियर ध्यान देना बच्चो और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये सेशन मैंने प्लान किया है उस अकॉर्डिंग ही मैं आपको समझाऊंगा कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है सर मतलब हम पढ़ेंगे सर ओके सरकार सबसे पहली बात जब क्वेश्चन आपका बनता है बड़ा वाला क्वेश्चन दे कि साहब सबसे सप्लायर ऑफ गुड्स है कुछ टैक्सेबल है, है सर हा है ना सर क्लियर कुछ इन्वर्स सप्लाई देंगे जो कुछ एक्जेंट होगी कुछ टैक्सेबल होगी कुछ रिवर्स चार्ज मैक्सिम लाइब्रे होगी सर इसकी हा है ना अब सर क्या होता है सबसे पहले दो तीन पॉइंट डाल देंगे कहा से सप्लाई की डेफिनेशन से सर सप्लाई का कॉन्सेप्ट कहा से मालिक ओके सर ध्यान देना ये दस से छह के अंदर गला केवल मेरा खराब नहीं होना चाहिए आपका भी खराब करके भेजूंगा मैं क्लियर सर आवाज आपकी भी आनी चाहिए ओके सर इन केस अगर मान लो सर अच्छा मैंने बोला है मान लो आपको क्या बोला है मान लिया सर आपको आप आप यार जानते तो हो मेरे को यार हा है ना भाई देखा तो होगा मेरे को भी आपने अरे हा है ना भाई क्लियर सर मेरे को मौका आपको देखने का आज मिला है सर पर सर ध्यान देना सरकार सबसे पहला पॉइंट मान लो

कंसिडरेशन इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दवाई बाटी भाई इसमें नहीं आ रहा है क्लोज नंबर डबल बोलता है क्या एओपी बीवाई ने अपने मेंबर्स कोई को गुड्स सर्विस सप्लाई करिए या मेंबर्स ने एओपी बीआई को सप्लाई करी है फॉर कंसिडरेशन सप्लाई के स्कोप में आएगा सर कोई खास बात नहीं सर क्लोज नंबर बी बोलता है क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन स नेटफ्लिक्स डॉट कॉम का सब्सक्रिप्शन बेटा हाँ है ना भाई ये इम्पोर्ट सर्विस का कोई केस तो है नहीं सर फिर क्लोज करना मंगल अगर कोई भी ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडेशन है अगर कोई भी ट्रांजेक्शन और वो अगर शेड्यूल नंबर वन में कवर है कहां कवर है बेटा शेड्यूल नंबर वन में कवर है तो वो भी सप्लाई होगा और सप्लाई है तो क्या लगेगा भाई जीएसटी लगेगा एंड एट पर फर्स्ट क्या है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ दी एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी इज बीन सुनना बच्चे सर वो क्या है सप्लाई के स्कोप में आएगा ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन हम वो चार ट्रांजेक्शन की बात करें जहां पे विदाउट विदाउटेशन और यहां पे मैंने दवाई क्या करी है फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करी है सर डॉक्टर्स को बेटा हां है ना भाई तो दैट ट्रांजेक्शन इज विदाउट कंसड्रेशन अब देखते हैं शेड्यूल 1 में कवर है क्या अगर शेड्यूल 1 में कवर हो गया तो सप्लाई होगा नहीं तो सप्लाई नहीं होगा अच्छा सर अगर मान लो आपके पास कोई बुक हो सर या आप कोई बुक तो लाया होंगे ना बेटा बंद कर दो फटावट सर ध्यान सर आप मस्त तो के सुनो सर सर मैं आपको बता रहा हूं आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो कॉन्फिडेंस की आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो कनेक्टिविटी की है पढ़ावा सब आपने सर ओके ध्यान देना बच्चों सरकार जब मैं फुल कोर्स पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं क्या फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट टाइम कि आप मैंने एक्समेशन लिया आपको कुछ भी नहीं आता सर

वो चार ट्रांजेक्शन कौन कौन से फर्स्ट क्या परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ ऑफ बिजनेस वेयर दिजनेस टी सीड एक मिनट यह आपने दवाई बना के बेची ना बेटा दवाई बना के फिर डिस्ट्रीब्यूट करी ना भाई आपने ऐसा तो नहीं कि आपने दवाई परचेज करी परचेज पे जीएसटी पे किया उसका आपने आईटीसी लिया और फिर उसको डिस्पोज ऑफ किया ऐसा तो नहीं ना मालिक नहीं क्लियर सर आपने दवाई बनाई है हाँ ना इसलिए वो पैरा नंबर वन में कवर नहीं हो रहा है अगर आपने दवाई परचेज किया होता परचेज पे जीएसटी पे किया होगा होता और उसका आपने क्रेडिट लिया होता 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 और फिर उसको डिस्पोज ऑफ किया तो वो पैरा नंबर में कवर बेटा हाँ ना भाई क्लियर जैसे आपने कोई एसी परचेज किया परचेज पे जीएसटी पे किया उसका आपने आईटीसी लिया और उसको फिर आपने क्या कर दिया किसी को सर डोनेट कर दिया विदाउट कंसरेशन वो भी सप्लाई के स्कोप में आता है बच्चों हा है ना मालिक क्लियर सर पर यहाँ पे दिस इज नॉट द केस यहाँ पे आपने दवाई मैन्युफैक्चर करी है क्चर द मेडिसिन परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल तो नहीं हो रहा फिर सप्लाई ऑफ गुड्स बायर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस दिस इज नॉट द केस डॉक्टर्स हमारे को रिलेटेड नहीं है हां है ना भाई क्लियर और इसमें बोला क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दिया पर एनम 50000 पर, पर एम्प्लॉय याद आ गया बच्चा वो सप्लाई किसको गिफ्ट याद आए बच्चे सर फिर प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल पे एजेंट अपने खुद के नाम का बिल इशू करता है डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बेटा हाँ वो भी सप्लाई किसको में आएगा हा या ना यस yes या नो बच्चा क्लियर डन तो सर अगेन इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला की मैटर नहीं है, आपने दवाई डिस्ट्रीब्यूट कर दी डॉक्टर हाँ या ना सर और शेड्यूल वन के चारों पैराग्राफ खत्म हो गए हैं और यहां पे भी कवर नहीं है मतलब सेक्शन नंबर सेवन में कहीं कवर नहीं है मतलब सप्लाई नहीं है फिफ्टी no मतलब लेकर जो दवाई दिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा अब सर समझना बात को ध्यान से सर हमने एट द सेम टाइम सेक्शन नंबर सेवनटीन सबसे क्लॉज नंबर एच ब्लॉक सर गुड्स लॉस्ट स्टोलन

क्लियर समझे उसके लिए आप आए भी नहीं बच्चा हा है ना भाई स्पीड मैच कर पा रहे हो आप जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया बच्चा आपको देखो अल्टीमेटली आप लोग जो आए हो सर आपको समझ आना चाहिए लाइक ले, दिस लेक्चर इज फॉर फॉर यू नॉट मी बेटा हाँ ना भाई क्लियर पक्का नहीं समझ में बोलिएगा मेरे को आप ओके सरकार यहां तक पॉइंट समझ में आया क्या सर आवाज नहीं आ रही हुई? ओके सर सेक्शन नंबर सेवन आपका समझ में आया सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन ओके सर सेकंड एग्जांपल मान लो वो फोर्टीन मार्क के क्वेश्चन में या कैस्टेड बेस एमसीक्यू में सेकंड पॉइंट आया एग्जाम में कि मान लो ये हुई ना बात सर मैं कौन हूं आगे जो बेटा आगे सीट्स प्लीज सर मैं कौन हूं अरे मैं मैं मेरे को या, आप याद है नहीं बेटा मैं कौन हूं भाई सर कौन अरे दवाई मैन्युफैक्चरर यशवंत तो हूं सर <laughs> फार्मासिटिकल मैन्युफैक्चरर क्या बनाता हूं बेटा हाँ ड्रग्स बेटा वेरी गुड सर मेडिसिन मैन्युफैक्चरर अब सुनना बच्चों मैंने दीपावली के ओकेजन पर पंद्रह लाख रुपए के मोबाइल फोन परचेज किए सर कितने के फिफ्टीन लाख रुपीस के और मेरे फिफ्टी कुछ अच्छे एम्प्लॉय थे उनको मैंने गिफ्ट कर दिए और पंद्रह लाख रुपए के जो मोबाइल फोन परचेज किए थे वो फिफ्टी मोबाइल थे बेटा और वो सब इक्वल वैल्यू के थे मैंने पचास एम्प्लॉय को दीपावली के ओकेजन पर फ्री गिफ्ट बांट दिया हाँ जी बहुत बढ़िया सरकार पॉइंट सर अच्छा ये वाली बोटल ग्री बेटा सर सर <laughs> ओके ओके मालिक सर सर सुना सर मेरा पॉइंट आप सही है कि सर मैंने फिफ्टीन लेख के मोबाइल फोन परचेज किए थर्टी थर्टी सॉरी सर 50 को वो इक्वल मोबाइल थे उनको मैंने मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सर हाँ जी पहली बात तो ये बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा सर अच्छा, आवाज तो नहीं आ रही हुए? क्यों नहीं लगेगा क्योंकि पहली बात तो यह फिफ्टी लेके मोबाइल्स फिफ्टी एम्प्लॉज देखो एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन बनते बच्चों क्लियर फिफ्टीन ले के मोबाइल कितने कितने एम्प्लॉई मोबाइल मोबाइल मतलब पर 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 का हो गया थर्टी थाउजेंड का मोबाइल हो गया बेटा और अगर आपने थर्टी थाउजेंड रुपये तक के गिफ्ट दिए एम्प्लॉई को बेटा है हाँ ना वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा क्योंकि फिफ्टी थाउजेंड रुपये पर एनम पर एम्प्लॉई अगर आपने दिया है भले वो रिलेटेड पर्सन है पर सप्लाई के स्कोप में नहीं आता उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा हाँ ना सर क्लियर मतलब ये पंद्रह लाख की मोबाइल फोन जो मैंने फ्री गिफ्ट दिए कोई जीएसटी नहीं लगेगा और उस पर जीएसटी तो फोन जो परचेज किए जीएसटी पे किया वो जीएसटी का मेरे को आईटीसी भी नहीं मिलेगा <coughs> हो रहा है कनेक्ट हो रहा है क्लियर पक्का वीडियो क्लास में जो लोग देख रहे हैं सर हर कमेंट आपको हर टॉपिक समझ में माहौल आना चाहिए सर सर ध्यान देना सरकार पॉइंट समझ में आया आपको मेरा ये क्लियर अच्छा थर्ड बात इधर ध्यान अगला पॉइंट अब सर क्या करेंगे लोग क्वेश्चन <coughs> जब बनाएंगे क्वेश्चन जब बनाएंगे दो तीन पॉइंट इस तरह के सप्लाई की डेफिनेशन में से निकाल कर डाल देंगे सर है हाँ ना कोई भी सिंपल बेस बच्चों क्लियर सर ओ भाई मैंने मान लो सर कॉपरेट अपनी बुक का कॉपरेट है सर करो सर मैं तो अपने लेक्चर का भी कॉपरेट करता हूँ क्लास में सर लिटरली सरकार क्योंकि छोड़ो उसको अब मेरा <laughs> सर, मेरा पॉइंट पॉइंट आपसे आपसे ये ये सर जो कॉपीराइट कॉपीराइट मैंने करा है। मैंने कराया कराया है है बुक का कॉपी करने का राइट मैंने पब्लिशर को ट्रांसफर किया बेटा सर उसने क्या किया मेरे को रॉयल्टी दिया मैंने टेम्परी ट्रांसफर किया उन्होंने क्या दिया मेरे को रॉयल्टी दैट रॉयल्टी इज सप्लाई ऑफ सर्विस उस पर क्या लग जाएगा मालिक जीएसटी हा ना सर चलिए सर अब सर दो तीन पॉइंट तो डालेंगे सप्लाई की डेफिनेशन में क्लियर अब दो तीन पॉइंट लाएंगे कहां से मेगा एग्जीबिशन में से सर क्लियर अब सर आपको क्या किया फोर्टीन मार्क का जब क्वेश्चन बनाया है इन्होंने तो दो तीन पॉइंट तो डाल दिया सप्लाई की डेफिनेशन से दो तीन पॉइंट डाल देंगे कहां से मेगा एग्जिबिशन से जैसे फॉर एग्जांपल सर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हाँ बहुत अच्छा बेटा सर मैं एक हॉस्पिटल बेटा या मान लो मैं एक यू नो हेल्थ केयर सर्विसेज देता हूँ सर और बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है मैंने क्या लगा रखा सर बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सर हॉस्पिटल जाता हूं डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करता हूं और वहां पर मॉर्निंग और इवनिंग में जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है बेटा वो कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके डिस्पोज ऑफ करता हूं और हर महीने मैं हॉस्पिटल से फिफ्टी थाउजेंडिया या पंद्रह हजार पचास हजार अलग डिपेंड क्वांटम टू क्वांटम कलेक्ट करता हूँ बताओ उस पर जीएसटी है कि नहीं सर आवाज नहीं आ रही हुई ये पहले एग्जाम था इसको क्या कर दिया टैक्सेबल कर दिया एग्जाम विड्रो कर दिया बच्चों हा है ना भाई क्लियर मान लो सर सर मैं जो क्वेश्चन आपको दिया है वो क्वेश्चन क्या है सर एक मैं फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेटा जैसे आपने कभी कुरकुरे खाया बेटा आप खाना मत बेटा ठीक है खराब होता है वो सर कुरकुरे मैन्युफैक्चर करता हूं बेटा मैं क्या करता हूं मैं कभी खाए ही नहीं खाए तो सर कुरकुरे बनाने के लिए सर सिंस मैं, में फूड इंडस्ट्री में हूं गांव में सर फूड इंडस्ट्री में मेरे को लाइसेंस चाहिए किसका FSSAI का हां है ना भाई सर मैंने लाइसेंस फी याद करो मैगी याद रहा बेटा बीच में कुछ सालों के लिए बैन हो गई थी बेटा बहुत याद आई थी बेटा उस टाइम हाँ है ना और बीच में आगे बाबा रामदेव जी की मैगी सर याद आया सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि सर FSSAI का लाइसेंस मुझे चाहिए मैंने लाइसेंस फी उनको पे किया ₹50000 कैश पे जीएसटी लगेगा कैश पे जीएसटी लगेगा सर एफ एस एस ए आई के लाइसेंस फी एप्लीकेशन फी पे पहले जीएसटी एग्जी था एग्जीबिशन विड्रो हो गया अब क्या हो गया भाई टैक्सेबल हो गया और टैक्सेबल हो गया वो भी पता है खास बात यहां तक तो ठीक है एग्जीबिशन विद्रो हो गया टैक्स लग गया पर दीज आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट दीज आर दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दी गवर्नमेंट टू द बिजनेस एंटिटी याद करो याद करो सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी टैक्स लगता है वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा हाँ है ना भाई तो एफएसएसएआई की सर्विस पे टैक्स तो लगेगा खास बात रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए और वो बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा हां ना भाई मतलब आपको चीजें कनेक्ट हो रही बेटा अच्छा अभी जो टैक्स पे किया आपने गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज में ये टैक्स पे करने के लिए सर आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा बेटा सर टैक्स पे करने के लिए आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा क्लियर सर एक मिनट पर जो टैक्स पे अच्छा क्योंकि रिवर्स चार्ज का जो आपको पे करना होता है सर दैट इज योर सप्लाई दैट इज योर इनवर्स्लायवर्ट सप्लाई और सप्लाई पे टैक्स तो आपको हमेशा पे... पूरा करना पड़ेगा कैश में बेटा हाँ भाई अरे भाई आप गवर्नमेंट को नहीं पे करते आप सप्लायर को ही पे करते मान लो टैक्स

लिए टैक्स पे करने के लिए क्या करने का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज होगा और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही आपको पे करना पड़ेगा बेटा है हाँ ना भाई अच्छा ये पे तो कर दिया आपने पर इसका आपको आईटीसी आई टी सी बेटा आगे, आगे, आगे हे। सर, आ जाओ बेटा अच्छा पीछे से जो भी कंफर्टेबल नहीं आगे आ जाइए कोई दिक्कत नहीं है सर आइए बेटा सुनना बात भाई इधर जन सरकार रिवर्स चार्ज में जो टैक्स पे किया है क्या बोला सर रिवर्स चार्ज में जो टैक्स पे किया है वो दैट हैज टू बी पेड इन कैश पर सर वो जो टैक्स पे कर दिया उसका आपको आईटीसी जरूर मिल जाएगा क्लियर क्योंकि वो आपका इनवर्ट सप्लाई था बेटा तो सर एफ एस एस ए आई वाला एग्जाम्पल वहां पर एक्शन विड्रो गया टैक्स लग गया टैक्स लग गया वो भी रिवर्स लगा रिवर्स लगा वो भी सर टैक्स हैज टू बी पेड इन कैश ओनली और वो पे करके उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि वो आपके बिजनेस के लिए सर्विस थी बैठा हाँ है ना सर क्लियर सर सेबी की सर्विसेज टैक्सेबल हो गई याद आएगा बेटा आई की सर्विस टैक्सेबल हो गई बच्चों सर जीएसटी नेटवर्क की सर जीएसटीएन की सर्विसेज टैक्सेबल हो गई ये सब सर्विसेज बाय गवर्नमेंट है बेटा हाँ ना सर क्लियर समझे मेरी बात पक्का डन तो आईआरडीए सेबी एफ एस एस ए आई बेटा ये तीनों सर्विसेज सर टैक्सेबल तो ही है सर खास बात यहाँ पर ध्यान रखना आपको क्या रिवर्स चार्ज लगेगा बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा की एग्जीशन विड्रो गया तो पढ़ लिया हमने सर अमेंडमेंट देख लिया पढ़ लिया पर सर ये कनेक्ट नहीं हो पाया और भाई ये तो गवर्नमेंट सर्विसेज थी और सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी टैक्स लगता है वही आर सेम लगता है बच्चों क्लियर अभी गलती नहीं होगी बेटा आपसे है हाँ ना भाई चले सरकार अगली बात करते हैं हम सर तो सर क्या करा इन्होंने दो तीन तो डाल दिए सप्लाई के डेफिनेशन से दो तीन पॉइंट तो उठाएंगे कहां से मेगा एग्जिशन से हा है ना सर कि ये एग्जाम नहीं मान लो आवाज नहीं आ रही हो चलो मैं एक टू रो बटर बेटा क्या करता हूँ बेटा चार की यात्रा करता हूँ लोगों को बेटा चार धाम कौन कौन से बेटा बॉम्बे गोवा मनाली बेटा हाँ है ना भाई सर अब यार धाम डिपेंड्स ऑन एज टू एज यार सर धाम डिपेंड्स ऑन एज टू एज सुन आइए ना आगे बेटा एक बार गेट खोलना बेटा गेट काका है क्या बार काका काका अभी जो भी आया ना उनको अंदर ही बाहर ही बोलते ना कि आगे आ जाएगा हाँ? सर, <coughs> सरकार पॉइंट ये मेरा आपसे कि इनकेस जीएसटी क्या बोला सर इन केस ऑफ जीएसटी सर इन केस ऑफ जीएसटी सर अब इन्होंने क्या किया एक दो पॉइंट और मेगा एग्जीबिशन के उठाए जैसे सर हमने पढ़ाया क्या मैं एक टूर ऑपरेटर बेटा बैठा कौन सर मैं टूर ऑपरेटर सर मैंने एक फॉरेन टूरिस्ट सिंगापुर का टूरिस्ट था उसका मैंने दुबई का टूर बुक किया सर फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस इन रेस्पेक्ट इज कनेक्टेड होली साहब तो तो मेरा हिंदुस्तान कोई कम है क्या नहीं सर सबसे भारी है सर ओके सर मेरा पॉइंट आप ये, क्यों इंडिया के टूर ने सिंगापुर के टूरिस्ट के लिए किसके लिए सर फॉरिन टूरिस्ट के लिए टूर बुक किया उसमें चार दिन दुबई रहा तीन दिन रहा हां बेटा हाँ जी अब क्या एग्जी मिलेगा उसको सर, इस बार हुआ नया किया और बोल दिया क्या अगर फॉरेन टूरिस्ट को दी दिए होली कंट्री आउटसाइड इंडिया वो तो था ही था बेटा पार्टली इन इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया तो प्रपोस्टेड एग्जीबिशन मिलेगा नंबर ऑफ डेज के हिसाब से मिलेगा सर तो फोर डिवाइड बाई सेवन ना भाई सर नंबर ऑफ डेज

अमाउंट आएगा बच्चों हाँ yes, 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 तो सर इस तरह से दो तीन पॉइंट डाल देंगे, देंगे सर ये क्लियर दो तीन पॉइंट आएंगे रिवर्स चार्ज मैं के भारी वाले सर हूँ करो सर yes, अब आरसीएम के दो तीन पॉइंट बताता था मैं आपको सर जैसे मैंने वाला बताया आपको एग्जाम्पल दिया मैंने आपको आइए सरकार और बात कर लेते हैं मान लो सर कार किराए पर ली सर कार कभी देखिए अपने कार बेटा जस्ट इमेजिन बेटा सर ये आपकी कार लाने की तैयारी चल रही है सर हा है ना सर <clears throat> सुनना कार कार किराए पे ली है सर हूँ करो सर तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स जहां पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज आल्सो इंक्लूडेड इन द कॉस्ट चार्ज फ्रॉम द कस्टमर बेटा हा है ना सर

ऑर्गेनाइज सेक्टर सर वो कंपनी है उसका खुद का इंटरनल कंट्रोल होगा उसका खुद का ऑडिट होगा उसका खुद का है बेटा। हाँ ना वो टैक्स चोरी नहीं करता है वहां पे, पे क्या लगाएंगे रिवर्स चार्ज नहीं लगाएंगे पर अगर सप्लायर ऑफ सर्विस क्या बोला बेटा इज नॉन बॉडी कॉर्पोरेट जैसे इंडिविजुअल बेटा मेरी कार है बेटा मैंने कार आपको रेंट भी दी मैं ड्राइवर था बेटा मैं खुद आ गया बेटा

और पता है वो बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी थी मान लो क्या थी बेटा कंपनी और वो बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी थी बेटा, बेटा? बेटा वो बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी थी ना बेटा रेसिपेंट अरे रेसिपेंट जो कंपनी थी ना बेटा वो ऐसी सप्लाई में एंगेज है जो जो होली एक्सम फ्रॉम जीएसटी बेटा विच इज होली एक्सम फ्रॉम जीएसटी मतलब वो ऐसे सप्लाइज करा जो एक्जेंट अंडर जीएसटी मतलब उसको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी तो दैट पर्सन वॉज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एट ऑल

सर आईपीएल इवेंट ऑर्गेनाइजर बेटा भाई, मान लो हम एक बचो हम एक बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप में बेटा किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिपेटेड इन टैक्स बेटा अच्छा रिवर्स जितने रिवर्स हाँ रिवर्स जितने वहां पर रेसिपेंट शुड भी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरेटरी रेसिपेंट शुड भी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरेटरी हाँ है ना भाई और रेसीपेन्ट अगर टैक्स वालेटरी है तो ही तो रिवर्सल लगेगा वो आउट ऑफ इंडिया बेटा इंडिया वालों से टैक्स नहीं ले पा पाई गवर्नमेंट बाहर वालों से क्या ले भाई। इसलिए हर जगह क्या लिखा है रेसीपी शुड बी लोकेटेड इन टैक्सीबल टेरेटरी ठीक है सर वो बात यही है अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर टाटा आई पी एल ना भाई स्पॉन्सर इस इसने किया है टाटा ने सर अब सुनना सर्विस सप्लायर कौन है आई क्लियर मतलब बीसीसीआई जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है बच्चों हाँ ना भाई जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है क्लियर वो सर्विस सप्लायर है एंड सर टाटा क्या है सर्विस रेसिपियट है उसने मान लो टेन करोड़ दिए दिए मान लो कितने बेटा करोड़ अब सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के लिए अगर किसने पेमेंट किया और वो रेसिपेंट कौन है बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म और जहां पार्टनरशिप फर्म वहां एल एपी भी आता है बेटा याद है बेटा क्लियर वो अगर रेसिपेंट लोकेट इन टैक्सल ट्रेड है तो ऐसे केस में क्या लगेगा आरसेम लगेगा और सर उस रेसिपेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा भाई ना मालिक सुन 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 बताए मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी था बेटा कौन था बेटा मैं या चलो ये आईपीएल चलो सर हम एक ये वाला इवेंट कर रहे थे बेटा और मैं सर्विस मैं सर्विस सप्लायर हूँ बेटा और आईपीएल में टाटा ने क्या किया स्पॉन्सर किया टाटा क्या है सर्विस रेसिपेंट अरे टाटा क्या है भाई यार रिवर्सल लग रहा है क्या हमने स्पॉन्सरशिप सर्विस दी बेटा क्लियर टाटा ने स्पॉन्सर किया बच्चों है बच्चों हा भाई क्लियर अब टाटा ने स्पॉन्सर किया वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप में इन पार्टनर पे, पे करेगा भाई हाँ ना भाई ना मेरे को टैक्स पे करना है क्या मेरे को टैक्स पे करना है क्या किसको पे करना है रेसिपेंट को टैक्स पे करना है बेटा हा है ना भाई जब मुझे टैक्स पे करना ही नहीं है तो मेरे को आईटीसी भी नहीं मिलेगा इसलिए फॉर दी दर्पज ऑफ रूल फोर्टी टू और 43

अब जब सप्लायर लाइवल ही नहीं भाई तो क्रेडिट किस बात का जब तक वो टैक्स पे करना ही नहीं है इसलिए फॉर दी ऑफ एंड थ्री सेक्शन नंबर सेवनटी सब सेक्शन फोर में लिखा हुआ है कि उसको में इंक्लूड करेंगे बच्चा हाँ ना भाई तो ऐसे केस में दैट सप्लाई विल बी इंक्लूडेड इन एग्जाम टर्न और बेटा हा अरे ऐसे नो सर अरे कुछ समझ में आ रहा है कि जा रहा है आके जा रहा है या रुक रहा है पक्का ना हाँ जी ओके सर केस ऑफ ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको सर मतलब मैं एक, -एक लेके आपको समझा कहाँ पे क्या ये आ, लिंक होता है और पे यूज़ होता है बेटा क्लियर ये सारे पॉइंट ऐसे जो हम भूल जाते हैं एग्जाम में सर ये वो पॉइंट है जहाँ फोर्टीन मार्क का क्वेश्चन चार मार्क का क्वेश्चन हमको याद ही नहीं था बटाइट कई बार लिंक न हो पाता नर, है क्योंकि वो एग्जामेशन प्रेशर के अंदर इतना कनेक्ट करना इज वेरी डिफिकल बेटा वो इतना याद आ गया कि रिवर्स इतना ही बहुत बेटा बेहतर क्लियर सर सर For the of rule of 42, 43, इसको में इंक्लूड करते ये तो अभी मैं बोल रहा हूँ ना इसलिए बहुत लोग मान रहे बोल दो सही होगा, सर सो <laughs> so, मैंने बोला अच्छा क्लियर तो सर ये सेशन का पर्पज ये बेटा अच्छा एक बात और अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा और मैंने बोला वो ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या है अब आ गया बेटा आपको भाई समझो मेरी बात को सर हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं ताकि जो चीज हमको नहीं आती या जहां मिस करे वो अब नहीं होगी बेटे मिस क्लियर तो वहां पे आपको क्या होना है खुश होना है और मजा आ गया भाई क्लियर सर हमारा जो टाइम यहां आप इन्वेस्ट करो ये लोग आप जो अपना टाइम यहाँ इन्वेस्ट करो वो वर्थ निकलेगा सर उसका सर वहां पर यह नहीं सोचना और शूट याद ही नहीं आया आपको डिमोटिवेट नहीं होना है सर क्लियर आपको मोटिवेट होना है मजा आ गया भाई जो नहीं आता तो आ गया सर योर अप्रोच शुड बी पॉजिटिव यार क्लियर देखो मैं आपको ये बताने नहीं आया कि देखो मेरे को कितना कितना आता आता है है मैं आपको आपको बताना कि देखो आपको कितना आता है बेटा और जो नहीं आता हुआ, आ गया सर और क्या है हाँ है ना मालिक क्लियर तो वापस बोलता था बेटा मैं अब आपकी आवाज आनी चाहिए ढंग से बेटा सर कि अगर मैं ऐसा कोई आउटवर्ड सप्लाई दे रहा हूं जिसमें रिवर्स चार्ज में बेटा कौन लाए बोले भाई तो उस टर्न ओवर क्या करेंगे सर हम सर एग्जाम टर्म में इंक्लूड करेंगे फॉर दी दर्पज ऑफ रूल फोर्टी टू फोर्टी थ्री सर क्योंकि सिंस रिवर्स में है सप्लायर पे लाइबिटी आती ही नहीं है सप्लायर जब लाइबल नहीं है तो उसको क्रेडिट किस बात का बेटा जब उसको टैक्स पे करना नहीं तो आई डी सी मिला नहीं सर उसको हाई ना भाई क्लियर डन सर ये हो गया क्या एक और पॉइंट आपका आइए सरकार अगली बात करते हैं मान लो मैं सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करता हूं बेटा क्या करता हूं मैं सर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करता हूं बेटा इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल और आपने देखेंगे बॉडी बॉडीगार्ड वगैरह बेटा या आपने सोसाइटीज मॉल वगैरह होंगे सिक्योरिटी खड़े रहते बेटा हाँ ना भाई वो में करता हूं वो मैं सप्लाई सप्लाई करता करता क्लियर सर्विसेज में क्लियर अब यहां पर भी रिवर्स आज आपको याद होता है क्लियर पर रेसिपेंट रेसिपेंट एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी वहां रिवर्स चार्ज लगेगा और, हाँ और हाँ? हाँ? तो रिवर्स चार्ज नहीं लगाएंगे सर सेकंड रेसीपेंट वो गर्वमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट स्टेब्लिशमेंट या गवर्मेंट एजेंसी जो जीएसटी में रजिस्टर है वहां पर भी रिवर्स चार्ज नहीं लगाएंगे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा बच्चों हा है ना भाई डन सर समझा मेरी बात ओके okay. सर घर किराए पर लिया रहने के लिए सर घर किराए पर लिया है अच्छा घर किराए पर रहने के लिए कौन लेता बेटा जिसके पास खुद का घर नहीं है सर जिसके पास खुद का घर नहीं मतलब गरीब आदमी बेटा हूं तो करो कम से कम सर सर <laughs> अब सर घर किराए पर लिया रहने के लिए जिसके पास खुद का घर नहीं है वो रेंट पे कर रहा है रोटी कपड़ा मकान दीज आर बेसिक नीड्स क्लियर घर लिया रहने के लिए तो रेंट पे जीएसटी क्या किया है एग्जाम किया है उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है पर रेंट पे किया किसने किसी रजिस्टर्ड अच्छा, है, है वो अपने बिजनेस का एक्सपेंस क्लेम कर रहा है बेटा कौन सा गरीब है बेटा आदमी वो वो जीएसटी रजिस्टर्ड है ट्वेंटी लेकिन बेटा उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रहा है सब काम कर रहा है किस बात कर जीएसटी माफ करो उसके लिए बेटा क्लियर अब उसने घर किराया लिया रहने के लिए किसने रजिस्टर्ड पर्सन ने तो वहां टैक्स लगा दिया वो भी आरसी में लगा दिया वहां सप्लायर भले रजिस्टर्ड हो ना हो उसे कंसर्न नहीं है रेसिपेंट अगर रजिस्टर्ड जीएसटी में वो टैक्स पे करेगा भारत माता की जय अच्छा सुन अगर उसने अपने बिजनेस का वो एक्सपेंस क्लेम किया है तो बेटा अब सुन थोड़ा समझने समझ कोशिश करना प्रैक्टिकली मान लो सर मैं कौन हूं बेटा मैं बेटा वो नाम दिखाओ मेरा मैं कौन इधर दिखाओ आप सर कौन मैं यशवंत मंगल भाई अरे भाई सर क्या करता हूं मैं ये देखो नाम आया वीडियो के अंदर सर सर्विस सप्लायर आई एम रजिस्टर्ड इन जीएसटी बेटा हूं करो सर अब मैंने घर किराए पे लिया रहने के लिए पर मैंने अपने बिजनेस का एक्सपेंस क्लेम नहीं किया है मैंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में खर्चा किया है साहब हाँ ना? क्या मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा दिया मतलब वो जिंदगी में कुछ भी होता लगेगा ऐसा नहीं इंटेंट ऑफ लॉ क्या है ले रहे हो तो मतलब साहब अब भले उसके अंदर आपके एम्प्लॉय रहे आप रहो डायरेक्टर रहे कोई भी रहे सर जीएसटी पे करना पड़ेगा पर अगर आपने बिजनेस का एक्सपेंस क्लेम किया ही नहीं है यशवंत मंगल ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई खर्चा किया है यशवंत मंगल ने कोई इंडिविजुअल में कोई खर्चा गया, गया बेटा, घर लिए रहने के लिए, सर, तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा अच्छा वैसे भी मान लो आप ऑडिट आए बेटा में वो खर्चा था ही, नहीं, सर। रेंटिंग खर्चा था ही नहीं तो क्या रिवर्स चार्जोगे आप अब मैं पर्सनल कुछ भी काम करूं करना आपको यार लॉजिकल सोचो और मस्त हो गए पढ़ो सर खुश हो गए पढ़ो सर कितना लगा आपको सर अभी हाँ है ना क्लियर आप इंटरन ऑफ द लो समझिए तो सर घर किराए ले रहने के लिए क्या बोला सर घर किराए पे रहने के लिए तो जीएसटी एक्समट पर रेसिमेंट अगर जीएसटी में, में, में रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में टैक्स लग जाएगा और ऐसे केस में रिवर्स में रेसिमेंट टैक्स पे करेगा अगर उसने अपने बिजनेस के लिए खर्चा किया तो बेटा हा है ना भाई भले उसमें वो खुद रहे अपने अपने ऑफिसर रहे उसके डायरेक्टर रहे उसके एम्प्लॉय रहे पर रेंट पे क्या है बिजनेस एंटिटी ने बेटा सॉरी रजिस्टर्ड पर्सन है बेटा तो ऐसे केस में टैक्स लग जाएगा बच्चों हा ना भाई ठीक सर ओ भाई मैंने घर किराए पे लिया है दो फ्लोर का घर था बेटा फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर भाई सर <laughs> दो फ्लोर का घर था फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर सर अब घर जो किराए पे लिया है उसका रेंट पे क्या दो लाख रुपए बेटा पर नीचे फूलों की दुकान ऊपर घोड़े का मकान सर अब जो घर किराए पे लिया है सरकार उसको मैं पार्टली यूज कर रहा हूँ तो जीएसटी बेटा घर किराया कमर्शियल तो टैक्स लगता है बच्चे प्लेयर दोनों के लिए मैंने क्या किया है सिंगल रेंट पे क्या दो लाख रुपए बेटा हाँ ना भाई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सप्लाई नहीं होता इट इज सप्लाई इन वंस एनी सप्लाई मिक्स सप्लाई

हा है ना सर बबीता ना मिल पा रही उसको सर पॉइंट है सरकार मान लो आप आए कस्टमर हो बेटा आपने मेरी शॉप से मेरे शोरूम से एसी सी परचेज किया टीवी वी हा है ना वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव लैपटॉप आईपैड कैमरा ये सब परचेज किया तो कर लो कम से कम अच्छा एक बात और सर कई बार क्या होता है आपको हाँ बोलने में दिक्कत आएगी बेटा वह हाँ ना बोल पाओ आप तो कोई बात नहीं हूं भी चलेगा बेटा पर होना चाहिए कुछ ना कुछ ओके सर सर यस नीचे बेटा मेरे को यस जबरदस्ती नहीं है हूं भी चल जाएगा सर सर ओके सर आप मेरे शोरूम पे आए अब मैंने जो एसी दी आपको उसका बिल लिखा एक ही बिल बनाया सिंगल बिल बनाया मैंने उसमें लिखा एसी सेवेंटी फाइव थाउजेंड टीवी ट्वेंटी टू थाउजेंड सर वॉशिंग मशीन थर्टी टू थाउजेंड फ्रीज फोर्टी टू थाउजेंड सर ब्ला का इतने का बेटा क्लियर सब मिला के अमाउंट रहा था टू लेख सेवेंटी टू थाउजेंड बेटा क्लियर हूं करो सर जी मैंने बिल बना के आपको दिया आपने मेरे को दो लाख पचास हजार रुपए दिए बोला मंगल टू फिफ्टी रख बस बहुत है हो गया ना इससे ज्यादा ना हो पाएगा क्योंकि किस्मत से ज्यादा और वक्त ज़्यादा वक्त से पहले किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता मैंने कहा बकवास मत कर दो पचास मैंने आपसे ले लिया बेटा टू फिफ्टी मैंने आपसे ले लिया हाँ जी बताइए जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा लगेगा तो किस रेट पर लगेगा सर हाईएस्ट रेट जो होगा बेटा है ना रेस्पेक्टिव रेट रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव गुड्स बात करोट अप्लाई मिक्स अप्लाई कब होता है जब मैंने सिंगल प्राइस चार्ज किया मैंने अगर सिंगल देखो बिल एक ही बनाओ कोई दिक्कत नहीं बेटा पर हर गुड्स की अलग अलग वैल्यू मैंने वैल्यू लिखी थी बेटा बोले बोली थी आपको मैंने क्लियर सर मिक्स कब होता जब सबका मैंने सिंगल प्राइस दिया होता बेटा आपको सबका कोम्बो बना के मैंने बोला था दो लाख पचास हजार लगेंगे आपके जो समझना समझ लो उसको आप तो होता है मिक्स सप्लाई बच्चों दिस इज नॉट अ मिक्स सप्लाई जब सिंगल प्राइस चार्ज करता हूं तो वो मिक्स सप्लाई होता है यहां पे क्या होगा बेटा रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स बात खत्म बच्चों क्लियर पक्का डन इट इज नॉट अ मिक्स सप्लाई अलिये सरकार सर ये मिक्स सप्लाई का एक पॉइंट बीच में ध्यान है तो बता दिया मैंने आपको आइए सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात कर रहा था मैं मान लो एक का नोट दे रखा सर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अच्छा समझ मारा बच्चों अच्छा अगर कोई पॉइंट गलत हो रहा है तो गलत भी ध्यान देन देना है। क्या हो गया अभी वो सही सही हो गया उस पर देन बच्चों मजा आ गया भाई सर पॉइंट मेरा आपसे ये इनके समझिए क्या बोला सर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाय रोड पे नोट होता है उसको बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज, जीटी ने दी अब कंसाइनर कंसाइनी कंसाइनर और कंसाइनी दोनों में जो फ्रेड पे करेगा जो फ्रेड पे करने के लिए लायबल है क्या बोला सर उसको बोलते हैं रेसिपेंट और सप्लाई बेटा क्या बोलते हैं सर उसको वो रेसिपेंट अगर इन सेवन कैटेगरी ऑफ पर्सन में से कोई एक पर्सन है तो ऐसे केस में जीएसटी लगेगा एक मिनट एक मिनट सर अगर जो पर्सन फ्रेड पे कर रहा है फ्रेड पे करने के लिए लाइबल है वो घर इन सेवन स्पेसिफाइड कैटेगरी पर्सन में से कोई एक है तो जीएसटी लगेगा वरना जीएसटी क्या है एग्जाम और जीएसटी लगेगा तो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपेंट लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए टू दी गवर्नमेंट हाई ना भाई

फाइव परसेंट रेट ऑफ टैक्स और पांच परसेंट रेट से क्या लगेगा भाई जी एस टी पर सर जी चाहे तो जीटीए अगर उसकी चाहत है तो वो चाहे तो अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए और डिपार्टमेंट को डिक्लेरेशन दे कि आई वांट टू ऑप्ट फॉर पेंग दी जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर और सर उसने अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन लिया है तो ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए टैक्स पे करेगा बेटा हा ना भाई क्लियर अब जीटीए टैक्स पे करेगा तो रेट ऑफ टैक्स क्या होगा बेटा नहीं नहीं इस बार अमेंडमेंट हुआ है वो चाहे तो दो ऑप्शन दे रखे उसको अगेन फाइव परसेंट और ट्वेल्व परसेंट अगर उसने फाइव परसेंट टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो पांच परसेंट बिल भी पर लगाएगा नहीं मिलेगा ट्वेल्व टैक्स आपसे लेगा गवर्नमेंट को पे करते वक्त इनपुट इनपुट को जो भी परचेज किया ट्रक परचेज किया मिलेगा मालिक डन माहौल एकदम जबरदस्त सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर सर रिवर्स चार्ज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर है ना क्लियर अब जीटी ए केस में ध्यान बेटा एक और पॉइंट बोल दिया क्या रेसिमेंट अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट है बेटा या गवर्नमेंट एजेंसी है लोकल अथॉरिटी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है बट ओनली फॉर दी पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टी डी एस अंडर सेक्शन फिफ्टी वन में जीएसटी एक्जिमट है कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं कोई फॉरवर्ड चार्ज कोई रिवर्स चार्ज नहीं है चलो जीटी की बात नहीं तो एक बात और कह देता बेटा वो याद है क्या पूरी ट्रक में जितना भी जितना भी गुड्स का फ्रेट मिला के हो गया बेटा क्लियर इंडिविजुअल कंसाइनी वाइज अगर पूरा ट्रक में जितना भी गुड्ड का फ्रेट पंद्रह सौ कम है अगर ज्यादा है तो इंडिविजुअल कंसाइनी देखते थे भाई इंडिजुअल सेवन फिफ्टी से कम फ्रेट था तो जीएसटी एक्जाम था अब लगेगा क्लियर मतलब सेवन फिफ्टी और फिफ्टीन हंड्रेड वाला दिमाग लगाने की जरूरत है आपको नहीं है सौ रुपये क्यों ना हो भाई लगेगा जीएसटी क्लियर ठीक सर हाँ ना सर ओके okay. सरकार तो जब आपको 14 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे या कैस एमसी बड़ा वाला जब बनता है उसमें दो तीन पॉइंट अच्छा उसमें लिख दिया क्या सब सर्विस सप्लायर जो ना बेटा ऐसे लिख दिया सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स अवेल्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीटीए क्या बोल दिया बेटा रजिस्टर्ड जीटी मतलब क्या है बेटा सर वो जेसीएम रजिस्टर्ड नहीं है फॉरवर्ड चार्ज का उसने ऑप्शन लिया ही नहीं होगा बेटा क्लियर क्या लगेगा बेटा आरसीएम क्लियर ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ओके सर 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 आया मजा मान लो वो याद है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस सप्लायर देन बॉडी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट रिवर्स लगेगा भाई हाँ ना सर और वहां पे भी बोल देता था रेट ऑफ टैक्स का ऑप्शन अगर 12% परसेंट लिया बेटा कितना लिया बेटा ये मेरा था बोलना सर रेंटिंग डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट द कस्टमर बेटा देन बॉडी कॉर्पोरेट इज बॉडी कॉर्पोरेट वहां रिवर्स चार्ज लगेगा बॉडी टैक्स पे करेगा पर अगर सर्विस सप्लायर ने 12 परसेंट पे करने वाला ऑप्शन लिया कौन सा ट्वेल्व परसेंट टैक्स पे करने वाला लिया तो पे हमेशा क्या है फॉरवर्ड चार्ज वहां रिवर्स चार्ज नहीं लगता हा मालिक अच्छा. भली सर्विस अपलायर इंडिविजुलसेंट एक्सपे करने लिया दिमाग सप्लायर बॉडी है दिमाग लगाना लगा ही मत क्या अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है दिमाग लगाना ही मत क्या है भाई फॉरवर्ड चार्ज क्लियर अच्छा एक मिनट एक मिनट अब सर यहां पर एक बात हो रहा है मान लो, यार कोई कार या कोई बस किराए पर लेना और एक ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस लेना दोनों फर्क है कि नहीं सर मान लो कोई बस है सर जो अंदर ही से कहा जा रही बेटा चर्च गेट क्लियर हूँ करो सर उसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बेटा मैंने वहाँ टिकट परचेज किया क्लियर और टिकट का अमाउंट पे किया वो क्या रेंटिंग मोटरबाइक ले क्या? क्या क्या मैंने बस किराया ले ली क्या वो ड्राइवर बोल रहा रहे ऐसे नहीं ऐसे चला अब बोले तू नीचे उतर भाई हाँ ना मैंने सर ट्रांसफर ऑफ पैसेंजर की सर्विस ली क्या ली सर मैंने पर यही अगर मैं बस किराया पर लेता तो क्या होता सर मैं अपने हिसाब से चलाता था सरकार बस को या कार को मैं अपने रूट के हिसाब से मैं बोलता नहीं इधर से नहीं इधर चले चल क्लियर ऐसे नहीं ऐसे चला हाँ ना भाई रोक रोक इसको बैठा बेटा हा है ना भाई मैं बोल सकता था उसको बेटा क्लियर पर अगर मैंने ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर की सर्विस ली तो वो अपने हिसाब से चलाएगा सर उसके प्री डिटरमाइंड रूट के हिसाब से चलाएगा उसके प्री डिटरमाइंड टाइमिंग के हिसाब से चलाएगा बेटा हा है ना भाई क्लियर तो सर ये फर्क है रेंटिंग में और ट्रांसपोर्ट पैसेंजर में बेटा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में ये कौन है सर एक बस ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर बेटा ये क्लियर ये सर ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की सर्विस देते बेटा इनकी बस है बेटा जो अंदर ही से चर्च गेट जाती बेटा क्लियर अब सर मेरे जो फैक्ट्री के लेबर है एम्प्लॉई है वो सब रहते हैं कहा बेटा चर्च गेट मरीन ड्राइव के पास सर <laughs> सर सुना। अब मेरा ये, कि सर एम्प्लॉ को मैंने बोला ठीक है तुम्हारे को बस की सर्विसेज मैं प्रोवाइड करा दूंगा बेटा क्लियर अब मैंने अगर इसका बस का बस किराया ले लिया होता है सर रेंट पे ले लिया होता है सर मॉर्निंग में टू आवर्स इवनिंग में टू आवर्स लाने के लिए और ले जाने के लिए क्लियर तो वहां पे वो रेंटी को में आता बेटा हा ना भाई क्लियर डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर पे कॉस्ट ऑफ फील इंक्लूड बेटा ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है मैं बॉडी कॉर्पोट बेटा ये ट्वेल परसेंट वाला टैक्स का ऑप्शन नहीं लिया वहां रिवर्स में टैक्स पे करता है हाँ ना सर पर सर ऐसा नहीं था इसकी बस में टोटल सेवेंटी सीट्स से है बेटा उसमें से मेरे लेबर को थर्टी सीट्स चाहिए बेटा तीस लेबर है बेटा क्लियर मैंने लेबर को बोला कि अपन बस क्यों किराया पे ले यार तुम्हारा जो पैसेंजर का टिकट है अंदर ही चार्ज सीट जा रही बस बेटा भेट जाओ तुम्हारे टिकट का पेमेंट मैं कर दूंगा बेटा

या किसी क्लाइंट क्या भेजूंगा भाई मैं कस्टमर क्या क्लियर तो उसको बोलते क्या बेनिफिशन प्लांट क्या भेज रहा हूँ बेटा मैं या फिर हो सकता है क्लाइंट के दूर है तो मैं रेलवे के थ्रू भेजता हूँ मिनरल्स को बेटा तो रेलवे साइडिंग तक तो भेजना पड़ेगा ना सर मेरे को तो उसके लिए मैंने क्या किया सर क्या नाम अनुभव सर इसको जबरदस्त अनुभव था बेटा और मैंने इसके दस ट्रक थी बेटा इनके पास क्या थी सर दस ट्रक सर दस ट्रक ट्रेलर वगैरह जो भी थे बेटा इनसे मैंने हायर कर लिया अलोंग द ड्राइवर बेटा मैं खुद तो चलाऊंगा नहीं ट्रक बेटा ऑपरेटर बेटा सुनो बात से।, अब सर, मैंने से बोला कि जब माँग से माँग, निकलेगा, आपको यहां से उठा के रेलवे साइडिंग तक लेना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विस बाई रोड और वो जीटीए नहीं है इसलिए जीएसटी एग्जाम पर आप मुझे बताओ वो मेरे हिसाब से चला रहा है मेरे रूट के साथ इसलिए

कि कुछ सप्लाई आपकी एक्सम डे गुड सप्लाई क्या है टैक्सीबल है सर क्लियर अब कुछ सप्लाई टैक्सेबल गुड सप्लाई क्या है भाई है। उसके लिए मैंने कॉमन इनपुट लिए कॉमन इनपुट सर्विस लिए कॉमन कैपिटल गुड लिया क्या करेंगे आईटी से लेंगे प्रोपोर्शनल क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा बेटा हा ना भाई क्लियर सर मान लो इनपुट और इनपुट सर्विस परचेज किया बेटा मैंने तो जितना भी कॉमन क्रेडिट था क्या था सर अच्छा जो इनपुट और इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली टैक्स में काम आया उसका क्रेडिट तो मिलेगा ही मिलेगा सर जो इनपुट इनपुट सर्विसीन फाइव में कवर है ब्लॉक में तो मिलेगा ही नहीं जो इनपुट इनपुट सर्विस कॉमन काम करूंगा एक बार क्रेडिट लूंगा फिर उस महीने का जो एक्सम टर्न ओवर डिवाइड टर्न ओवर बाय कॉमन क्रेडिट जो होगा उतना प्रपोशन आईटीसी रिवर्स कर दूंगा हा ना सर और वो एग्जाम टर्न मेरा अगर ऐसा कोई आउटडोर सप्लाई जिसमें रिवर्स में रेसिपी लाइव याद है, है बच्चों वो एग्जाम टर्न में इंक्लूड होगा क्लियर

सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन टू बोलता है क्या जहां जहां फॉरवर्ड चार्ज लगता है है वहां वहां सप्लायर टैक्स सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या of of क्या होगा डेट ऑफ ऑफ बोला सर और अगर आपने इनवोर्स टाइम पे इश्यू नहीं किया तो वो टाइम जब इनवोर्स इश्यू हो जाना चाहिए था जब इन्वोर्स इश्यू हो जाना चाहिए था इस पर सेक्शन थर्टी वन वही क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई पर अगर गुड्स के केस में दिल थाम के सुनिएगा मैं जो बात कर रहा हूं ध्यान देना बेटा गुड्स के केस में अगर एडवांस पेमेंट रिसीव हुआ है क्या रिसीव हुआ सर तो ध्यान देना सप्लाई में आ गया है पर एक नोटिफिकेशन सिक्सटी सिक्स ऑफ टू थाउजेंड से जो 15 अक्टूबर को इशू हुआ था बेटा सर 15 नवंबर को इशू हुआ था 2017 के अंदर उसने बोला था क्या कि गुड्स केस में क्या बोला सर जहां फॉरवर्ड चार्ज मैक्रेज सप्लायर की लाइब्री थी सेक्शन ट्वेल टू में वहां पर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट को कोसिडर नहीं करेंगे मतलब एडवांस कब आ रहा है एडवांस कब आया उसके बेस पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है पर पता है बच्चों वो तो आपको एक फैसिलिटी दी गवर्नमेंट ने ध्यान देना मेरी बात को बेटा सर गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया एक फैसिलिटी दिया कि उस एडवांस अमाउंट पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है पर टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया है क्योंकि सर सप्लाई की डेफिनेशन कहता क्या सप्लाई इज मेड और अग्री टू बी मेड

तो टर्न ओवर निकालते वक्त या सर रूल नंबर फोर्टी टू फोर्टी थ्री कोई भी आप देख रहे हो बेटा जहां टर्न ओवर की बात आ रही एडवांस इंडस्टमेंट गुड्स टर्न ओवर का पार्ट बनेगा बच्चों हाँ ठीक सर।, सर सर आइए सरकार सेक्शन ट्वेल्व सेक्शन नंबर थ्री जहां जहां रिवर्स है वहां वहां कौन लाइन बोलता सर टाइम सप्लाई क्या होगा डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स गुड्स की बात करूं बैठा डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर या थर्ट फर्स्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफ इनवॉइस और एनी डॉक्यूमेंट इन लियो इनवॉइस बेटा दॉक्यूमेंट एवर इज अर्लिएस्ट इज द टाइम ऑफ सप्लाई एक मिनट पर अगर इन तीनों इवेंट से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा तो जब रेसिपेंट ने अपने बुक्स में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया वही क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई क्लियर ओके सेक्शन नंबर 12 4, बोलता है कि वाउचर्स और कूपन के केस में इफ एट द टाइम ऑफ वाउचर सर जब पता है कि मैं ज्वेलरी शोरूम ज्वेलरी शोरूम का मैंने आपको वाउचर दिया तो उसके अगेंस्ट ज्वेलरी ही सप्लाई होगी बेटा है हाँ ना भाई तो सर ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा डेट ऑफ इश्यू वाउचर पर बिग बाजार का वाउचर मिला है सर जहां पे वैल्यू जहां पे डिफाइन नहीं है कि क्या आप परचेज करने वाले हो सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई ना मालिक ठीक सर सर सेक्शन ट्वेल्व 5 बोलता है प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है तो supply, नहीं तो? सर, supply, बेटा, हाँ ना भाई क्लियर ट्वेल्व फाइव बोलता है अगर आपने कस्टमर से ओवर कोई इंटरेस्ट डिले पेमेंट चार्जेस अगर रिकवर किया है तो जिस दिन वो इंटरेस्ट डिलेट पेमेंट चार्ज रिसीव होता है टाइम ऑफ सप्लाई अच्छा मान लो दस लाख का सप्लाई था बेटा टू मंथ का क्रेडिट था बेटा दो महीने का उधार दिया था मैंने आपको आप लेट हो गए पेमेंट करने में आपने लेट पे किया और मेरे को कितना पे किया बेटा बेटा इंटरेस्ट दस लाख प्लस पचास हजार आपने मेरे को और पे किया तो ऐसे किस में दस लाख के लिए टाइम सप्लाई क्या बेटा ट्वेल्व टू बेटा इनवॉइस के हिसाब से, से बेटा हाँ ना भाई और फिफ्टी के लिए जब वो रिसीव होगा अच्छा रिसीव नहीं हुआ तो

तो रहा बेटा नहीं नहीं पूछ रहा मैं आपसे पक्का हंड्रेड परसेंट okay. ओके सर ध्यान पूरा इधर रखो सर आप बुक्स में टॉपिक देखो तब तक तो, 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 तो खत्म हो जाएगा बेटा सर <laughs> सर सेक्शन नंबर थर्टीन अच्छा समझ मारा ना बच्चों पक्का ना सर जिस पर्पज लिए आप आए थे जो सोच के थे वो पूरा हो रहा बेटा आपके आप लिए माहौल सरकार सेक्शन नंबर थर्टीन सब सेक्शन नंबर टू सर फॉरवर्ड चार्ज में जहां होता है वहां टाइम सप्लाई क्या होगा मालिक डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन्वॉइस और रिस पेमेंट जबर इज अर्लियर पर अगर सर्विस कम्पलीस के डेट ऑफ प्रोविजन सर्विस के थर्टी डेज के अंदर अगर आपने इन्वॉइस इश्यू नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कम्पली सर्विस और रिस ऑफ पेमेंट भी जब इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूश इन एन एफ फोर्टी फाइव डेज हा ना मालिक क्लियर डन सर पर अगर इन तीनों इवेंट से टाइम ऑफ प्लाई नहीं आ रहा है तो जिस दिन रेसिपीट ने अपने बुक्स में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया वही क्या 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 हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई

वहां पे अगर ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स है बेटा तो वो ड्यू डेट या उससे पहले पहले आपको इनवर्स इशू करना पड़ेगा बेटा अगर कोई इवेंट फिक्स है जिसके होने पे पे थी फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर तो जब वो इवेंट हुआ है जितना अमाउंट ड्यू हुआ है उतना अमाउंट उस दिन उससे पहले इशू करना पड़ेगा बेटा जैसे परसेंटेज के बिल्डिंग केस में बेटा है हाँ ना भाई क्लियर कंस्ट्रक्शन सर्विस वगैरह केस में एंड सर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है तो जब जब रेसिपेंट पेमेंट करेगा सप्लायर को तब तब उतने अमाउंट का उस दिन उससे पहले बिल इशू करना पड़ेगा बेटा है ना भाई तीस दिन का वक्त नहीं मिलता ध्यान रखिएगा बेटा सर सेक्शन थर्टीन सब सेक्शन थ्री बोलता है कि जहां जहां रिवर्स लगता है जहां वहां वहा कहा जहा जहां रिवर्स एज मैकेनिज्म लगता है वहां वहां रेसिपिएंट के लिए टाइम सप्लाई देखना पड़ेगा बेटा तो वहां क्या होगा सिक्सटी फर्स्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ली ऑफ इनवॉइस बेटा या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर इज अर्लियर और इन दोनों इवेंट से time of supply नहीं आ रहा था तो जब ने अपने बुक्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है, वही क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई अच्छा डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू दी सप्लाई कम मानते बेटा आपने मुझे पे कर दिया कब मानेंगे या तो आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर दी वो दिन या एक्चुअल डेबिट इन योर बैंक अकाउंट विचवर इज अर्लियर हम हुँ, हुँ। और हां जहां डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट आ रहा था वहां क्या मानेंगे बेटा डेट ऑफ एंट्री इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट इज अर्लियर हा मालिक क्लियर ठीक है ठीक है सर जहां रिवर्स लग रहा है वहां पे सेक्शन थर्टी सब सेक्शन थ्री हमने बात करी पर वहां पर प्रोवाइज हो है बेटा अगर सर्विस सप्लायर और सर्विस रेसिपेंट अगर सर्विस सप्लायर और सर्विस रेसिपेंट दोनों को ने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस में हमसे सिक्सटी डेज का इंतजार ना हो पाएगा इस केस में और यहां पे जिस दिन रेसिमेंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया या जिस दिन उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया वही क्या हो जाएगा मालिक टाइम ऑफ सप्लाई क्लियर सरकार डन

और हां देश कौन सा बेटा अपना हिंदुस्तान बेटा लोग ऐसे से होशियार बेटा सर अगर मान लो रेट ऑफ टैक्स अभी कितना है किसी सर्विस पे पांच परसेंट बेटा और मान लो फर्स्ट अप्रैल से मान लो सर चेंज हो रहा है कितना हो रहा है सर एटीन हो रहा है सब क्लियर तो सर आपको पता है सर्विस कंप्लीशन बाद में होगा बेटा कब रेट चेंज होने के बाद तो अगर आपको पांच वाला गेम जमाना है तो क्या ऑप्शन बेटा इन्वॉइस भी पहले इशू कर दो और पेमेंट भी पहले ले लो तो वो उस दिन इन्वॉइस और पेमेंट लिया तो कोई भी ले लो बेटा पांच परसेंट टैक्स लगेगा बेटा हाँ ना भाई अब सर क्लाइंट को आपने बोला क्लाइंट बोलता साहब टैक्स तो पांच परसेंट नहीं दूंगा मैं अठारह नहीं दूंगा क्लियर तो मैंने कहा एक काम कर मैं बिल भी थे वो मार्च में इशू कर देता हूँ तो पेमेंट भी मुझे मार्च में कर दे नहीं पेमेंट तो मैं पंद्रह अप्रैल को करूंगा साहब मैंने कहा एक काम कर लूट ले बोला ये भी नहीं करूंगा मंगल तू तो देख जीएसटी पढ़ा था कोई तो आइडिया तेरे दिमाग में होगा साहब क्लियर मैंने कहा सुन फिर से सर वो मेरे को चेक दे रहा है पंद्रह अप्रैल को मैंने बैंक में डिपॉजिट किया पंद्रह अप्रैल को चेक क्लियर हुआ कब सेवेंटी तो ऑफ अप्रैल को बेटा पर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कब पास कर दी बेटा थर्टी फर्स्ट मार्च को कि मेरे को पेमेंट आ गया है साहब अब कौन सा ऑडिटर चेक करने जा रहा है कि मेरे को चेक सही में आया था नहीं आता थर्टी फर्स्ट मार्च को बेटा क्लियर अब मैंने एंट्री कर दी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब र्टी फर्स्ट मार्च को एक्चुअल क्रेडिट इन माय बैंक अकाउंट कब है सेवेंटीन अप्रैल को और आपको पता डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होता है बेटा एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट इज अर्लियर थर्टी फर्स्ट मार्च क्या हो गया पेमेंट हो गया बेटा क्लियर थर्टी फर्स्ट मार्च के नाम का मैंने बिल इशू कर दिया बेटा क्लियर अब इनवर्स और पेमेंट ले लग गया पाँच पर्स बेटा भली कंप्लीशन बात में बेटा हा है ना भाई तो गवर्नमेंट ने क्या बोला तुम हिंदुस्तानी लोग हम हिंदुस्तानी सरकार वट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नेवर डू इनडायरेक्टली क्लियर और गवर्नमेंट ने बोल दिया दिमाग खरा मत करना मंगल अगर कभी भी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग पेमेंट और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट इन दोनों के बीच में अगर रेट चेंज हुआ है तो जिस दिन रेट चेंज हुआ उसके चार वर्किंग डे का टाइम दे रहे तेरे को चेक जमा करा देना बेटा क्योंकि वर्किंग डेज चार मिले आपको उसमें वो चेक क्लियर हो जाते सर आराम से कोई भी चेक हो बेटा क्लियर उसके बाद में अगर बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है तो जिस दिन बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है वही क्या होगा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और वही अगर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट है और सर बसंती साथ में बेटा उसके

पांच मिनट लगेंगे दिमाग खराब ध्यान देना पहले दुख दर्द समझना थोड़ा सा सर मजा आ जाएगा सर आपको मान लो आ, बहुत अच्छा बेटा मैं एक बिल्डर हूं बेटा अब मान ही रहे बेटा देखो यार कभी तो अमीर बने का मौका दिया करो मेरे को भी सर मान लो मैं कह सर क्या बनाता हूँ बेटा मैं बिल्डिंग बहुत अच्छा बेटा बहुत 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 भारी बेटा भयंकर सर आप जिस बिल्डिंग में रहते हो वो मान लो हो गई पुरानी बेटा मान लिया बेटा बहुत बढ़िया और सर सुनना बात से आप जहां रहते हो वहां थोड़े दिन और रह गए तो वही रह जाओगे सर <laughs> आपने सर बिल्डर से कांटेक्ट किया बिल्डर ने आपसे कांटेक्ट किया अल्टीमेटली रीडेवलपमेंट का पॉइंट है बेटा किसका है सर रीडेवलपमेंट का वहां जिस एरिया के अंदर अभी फ्लैट बने वो पचास बने हुए सर फिफ्टी फ्लैट से सर बिल्डर से कॉन्टेक्ट किया बिल्डर को आपने बोला कि मंगल बिल्डिंग बना सर आपने अगर मेरे को ध्यान से सुनना बच्चों ध्यान से आपने मेरे को बोला होता मंगल बिल्डिंग बना मटेरियल भी तेरा लेबर भी तेरा पैसा बोल मैंने कहा सौ करोड़ बोला डन सर अब आपने मेरे को क्या बोला है सर बिल्डिंग बना पैसा बोल मैंने कहा सौ करोड़ सर यहां पे मैं आपके लिए पुरानी बिल्डिंग तोड़ के नई बिल्डिंग बनाने के पैसे ले रहा हूं सौ करोड़ बेटा मटेरियल भी मेरा लेबर भी मेरी लैंड आपकी बेटा यहाँ पे क्लियर यहाँ पे आपने कोई टीडीआर ट्रांसफर नहीं किया है यहां पे आपने मुझे ठेके पे काम दिया आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया दिस इज कॉल्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मैंने कहा सौ करोड़ आपने बोला रहे थे हम तो ये दब जाएंगे कोई बात नहीं क्लियर मिलना है अल्टीमेटली जाना सबको एक जगह ये बेटा ऊपर हम थोड़ा जल्दी चले जाएंगे पर हम सौ करोड़ ना दे पाएंगे बिल्डर ना चिंता मत करो हमें ना आपके पास आप वो इसलिए चिंता है सर <laughs> सर सुनना पॉइंट ये बिल्डर ने बोला कि एक काम करो आप सौ करोड़ मत दो मेरे को इस एरिया के मुझे डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर दो अब डेवलपमेंट राइट आपने ट्रांसफर करने का मतलब क्या है सर ये एरिया जो है जहां बिल्डिंग बनी हुई वहां मैं बिल्डिंग तोड़ूंगा अभी जहां पचास फ्लेट बने वहां में एक बना दूंगा साहब बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा स्पेस को अच्छे से यूज करूंगा सर नई टेक्नोलॉजी यूज करूंगा सर अभी छोटी बिल्डिंग बनी हुई सर वहाँ पे हाँ है ना सर और मैं उस एरिया में वन फिफ्टी फ्लैट बना दूंगा आपके जो पचास फ्लैट है उसके अगेंस्ट आपको आपके पचास नए फ्लैट बड़े फ्लैट अच्छे फ्लैट मिल जाएंगे सर क्लियर आपको एक रुपया देने की जरूरत नहीं है बस कुछ साल के लिए आपको बाहर रहना पड़ेगा सर जो टाइम हम फिक्स कर लेंगे सर और हो सकता है कुछ मनी भी मैंने आपको दिया एक्स्ट्रा ले भाई बस पाँच पाँच हजार लाख रुपये तुमको और दे दूंगा मैं क्योंकि मेरे को क्या मिल रहा है बेटा मेरे को वो एरिया मिल रहा है फ्री में जहां पे मैं सो फ्लैट बना के बिल्डिंग बेचूंगा सर है हाँ ना भाई क्लियर तो आपने क्या किया कोई लैंड बेची क्या मेरे को बेटा लैंड बेचा होता अगर आपने तो वो सेल ऑफ लैंड होता बेटा सेल ऑफ प्रॉपर्टीज सप्लाई ऑफ ऑफ गुड्स सप्लाई सर्विस आपने मुझे डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किए आपने मुझे राइट्स ट्रांसफर किए कि मंगल बिल्डिंग बना सर अब सुनना बच्चों ध्यान से उसके अगेंस्ट मैं क्या कर रहा हूं बेटा पहले ट्रांजैक्शन सीख लीजिए दो मिनट लगेंगे प्रोविजन पढ़ाने में सर मेरे को दो मिनट लगेंगे लिटरली आपसे सर आपने मेरे को डेवलपमेंट राइट दिया मैंने आपको उसके अगेंस्ट क्या दिया बेटा पचास फ्लैट आपके लिए बुक कर दी मैंने आपके लिए हा है ना तो एक तरह से पचास फ्लैट मैं आपके लिए बना रहा हूं बेटा और सर 50 फ्लैट बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट एवर इज है ना मालिक yes. क्लियर तो इसका मतलब क्या हो गया 50 फ्लैट सप्लायर सर्विस के स्कोप में आ गए मालिक बाकी सो को छोड़ो अभी आप सो की बात करेंगे बाद में हम पचास तो सप्लाई सर्विस में आ गए बच्चे अच्छा आप हो सोसाइटी बेटा आपने मुझे डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया अच्छा भली सोसाइटी हो सकता है इंडिविजुअल पर्सन बेटा अमीर आदमी बेटा इसका पूरी बिल्डिंग थी बेटा इसने मेरे को राइट ट्रांसफर कर दिया बेटा हाँ है ना भाई तो आप हो सोसाइटी बोल देता तो हूं मैं अभी चलेगा सर आपको क्लियर सोसाइटी ने मुझे डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया तो आप सर्विस सप्लायर हो इन रेस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट राइट हूँ हूं करना पड़ेगा सर आपको अच्छा आपने उस एरिया का मेरे को डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया या फिर थर्टी और मोर देन थर्टी इयर्स के लिए मेरे को लॉन्ग टर्म लीज़ पे वो प्लॉट दिया बेटा आपने लैंड दी बेटा मेरे को या फिर यू आर अ सर्विस सप्लायर बेटा हूं करो सर आई एम द सविस और उसके अगेंस्ट में क्या दे रहा हूं बेटा आपके पचास प्लेट बनाने की सर्विस मैं आपको दे रहा हूँ ना भाई तो बार बेटा इट्स इट्स एक्चुअली बार बेटा क्लियर अब सर मैंने आपको सर्विस दी आपने मुझे सर्विस दी बात करता हूं हाँ अच्छा। तो मैं सोसाइटी के लिए बेटा समझना बच्चों आज, आज आज आपको क्या मिल रहा है बेटा कुछ नहीं मिल रहा जो था वो भी छूट रहा है बेटा आपसे हा है ना आज सोसाइटी के एंगल से बात करो वहां के मेंबर्स के एंगल से बात करो वहां वो क्या कर रहे हैं बेटा अपना घर छोड़ के जा रहे है बेटा कहीं और इस उम्मीद में कि बिल्डर नया फ्लैट बना के देगा अच्छा फ्लैट बना के देगा बड़ा फ्लैट बना के देगा और टाइम पे दे देगा सर क्लियर सर बचपन से जो आपने सपने वहां बुने थे वो सब फ्लैट क्या हो रहे टूट रहे हैं मिट्टी में खाक होने वाले सर आस पड़ोस में जहां आपने यू you नो know, सर जहां आप साथ में खेल के बड़े हुए बेटा सर वो सपने कहीं बिखरने वाले हैं सर Claire, और आज आपको बोले कि जीएसटी पे कर दो क्योंकि आपने डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया है मेरे को और डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर सप्लाई सर्विस और उसकी वैल्यू पता है कितनी है आपको क्या मिल रहा है पचास फ्लैट की जो ओपन मार्केट वैल्यू है वो वैल्यू है सर मान लो हर फ्लैट कितने का था दो करोड़ का था बेटा सौ so, करोड़ के डेवलपमेंट राइट right पे पांच परसेंट टैक्स मान लो पांच करोड़ पचास फ्लैट बेटा दस दस लाख रुपए घर छोड़ के जा रहे दस लाख रुपए जीएसटी पे करेंगे वो बोलेंगे हम तो मर जाएंगे कोई बात नहीं चलेगा आ बिल्डिंग टूट पर जीएसटी ना हो पाएगा हाँ है ना भाई नेचुरली सोचो आप क्लियर सर ना हो पाएगा इसलिए वहां क्या लगा दिया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया और बिल्डर लाइवों का टैक्स पे करने के लिए प्रोटर लाइवलो का टैक्स पे करने के लिए आपने जो डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया या लॉन्ग टर्म लीज थर्ट ईयर और मोर देन दे के लिए मेरे को लेन ट्रांसफर कर बेटा है हाँ ना भाई कौन लाइवलो का बेटा बिल्डर प्रोमोटर बेटा चलो ठीक है अब प्रोमोटर के एंगल से बात कर करते बेटा वो भी तो इंसान है आज प्रमोटर को क्या मिल रहा है बेटा राइट क्या है मिल तो कुछ नहीं रहा ना बेटा उसको पुरानी खंडर जैसी बिल्डिंग मिल रही बेटा जिसको उसको तोड़ना है अभी तो बेटा तोड़ के सर उसको प्लिंथ बनाने के लिए डिगिंग करनी सर बेसमेंट बेसमेंट टू सब बनाने बेटा उसको हाँ है ना बेटा अच्छा बिल्डिंग तोड़ना भी कोई आसान काम नहीं बेटा ऐसा नहीं नीचे वाला फ्लोर तोड़ा अपना ऊपर वाली टूट जाएगी सर पता बड़ा आसपास वाले भी डेवलपमेंट राइट ट्रांसपोर्ट सर हाँ ना ये और इस सारा मलबा निकलेगा सर वहां से उसको सर आप सोचिए ट्रक भर भर के शिफ्ट करना कहीं और कितना खर्चा लगता है सर पूरी बिल्डिंग तोड़ना फिर बिल्डिंग टूट जाए फिर एरिया खाली हो जाएगा फिर उसको डिगिंग करना बेटा हाँ ना फिर डेप्थ में जाके उसका सर प्रिंट बनाना बेटा हा है ना भाई फिर बेसमेंट टू बेसमेंट वन फिर ग्राउंड फ्लोर फिर बिल्डिंग बनेगी सर उसमें से पचास मिनट बना के तो फ्री में देने बेटा उसको आप सोच रहे देखो उसको मिल क्या रहा है बेटा अभी अभी क्या मिल रहा है सर हां जब मिलेगा कब मिलेगा बेटा वो सो फ्लैट जब बुक होंगे ना बेटा वहां से उसका पैसा आना चालू होगा वहां से सर उसका थोड़ा बहुत कैश फ्लो चालू होगा और वहां से उसका बिल्डिंग का बनाने का खर्चा निकल जाएगा बेटा है हाँ ना और वहां से उसका प्रॉफिट निकलेगा बेटा यस या नो और आज सर आज तो बिल्डर कुछ नहीं मिल रहा बेटा अब बिल्डर के एंगल से सोचेगा बेटा सर आपने डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया हूँ हूं करो सर उसमें रिवर्सल लगा दिया बेटा कौन लाएवल बिल्डर लाएवल बेटा अच्छा सेकंड थिंग पचास फ्लेट पचास फ्लेट मैंने आपके लिए बुक कर दिया बेटा अच्छा रिमेनिंग हंड्रेड तो जब बुक होंगे तब तो देखेंगे बेटा पचास तो आज बुक हो गए बेटा और जितने फ्लेट बुक बुक हो गए वो, सर्विस के, वो सर्विस के स्कोप में आ जाते बच्चे अब अगर वो सप्लाई सर्विस के स्कोप में आ गए हैं तो जेस लग जाएगा बच्चों कब लगेगा सर डेट ऑफ ऑफ इनवॉइस और रेसिलो पेमेंट एवर इज अच्छा पेमेंट तो एडवांस पूरा आ चुका है बेटा मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ टी जिस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ है उस दिन मेरे को आपने डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर दिया मतलब उस दिन मेरे को एंटायर कंसेडेशन एडवांस में रिसीव हो गया बेटा अब सौ फ्लैट बुक हो गए एंटायर कंसेड्रेशन एडवांस में आ गया तो लग गया बेटा जीएसटी अच्छा एक्चुअली रिसीव कुछ भी नहीं हुआ बेटा और सौ फ्लैट सॉरी पचास फ्लैट दो करोड़ का एक फ्लैट बेटा सौ करोड़ जीएसटी बिल्डर आज पे कर दे बेटा कहा समझ ना बेटा बात को क्लियर क्या बिल्डर ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में लेगा बेटा वो लेगा दबो मरो कोई बात नहीं बेटा हमसे ना हो पाएगा क्लियर अच्छा ये तो ठीक है सर फिर आपका जो डेवलपमेंट राइट था बेटा उसकी वैल्यू पे भी रिवर्स टैक्स कौन पे कर बेटा बिल्डर कब पे कर बेटा अब उसका टाइम अपना देखना बेटा रिवर्स में रेसमिन लेबल और जब रिवर्स चार्ज में लगता तब डे फ्रॉम द डेट ऑफ विश ऑफ इन

कभी बिल्डर हाथ में लेगा काम इस तरह का बेटा कभी नहीं इसलिए अच्छा गवर्नमेंट तो चाहेगी ना बिल्डर एंगेज हो इस तरह के काम है बेटा वरना बिल्डिंग बनाएगा कौन क्लियर समझे मेरी बात इसलिए गवर्नमेंट ने के पे बेटा और टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया पर सर टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में एक नोटिफिकेशन इशू किया और बोल दिया क्या ऐसे केस में प्रमोटर पर टैक्स पे करने की लाइबी आएगी कब जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच अर्लियर उस महीने में उससे पहले कभी भी टैक्स पे कर दे हमें को जल्दी नहीं है याद है Clear? ये का जो जो मैंने में दे में में आपको समझ शायद आ गया होगा बेटा बेटा हाँ ना भाई तो reverse charge due, उसके लिए लिए भी plus, जो उसकी भी उसकी खुद की की वो सर दोनों के लिए time supply शिफ्ट कर दिया और कर दिया बेटा जिस महीने में जिस टैक्स पीरियड में completion certificate या कम्पटिशन सर्टिफिकेटेशन इज अर्लियर आएगा क्लियर या फर्स्ट ऑक्युपेशन ऑक्युपेशन अर्लियर उस महीने में उससे पहले कभी भी टैक्स पे बेटा हाँ पक्का चलिए सर एक लास्ट बात और करता मैं इसके रिगार्डिंग सर रिवर्स आज मैंने बढ़ा दिया टाइम सप्लाई का एक पॉइंट बढ़ा दिया एक मेगा एक में एक पॉइंट और दे देगा सर वो भी बता बताऊंगा सर आपको सर वो बता दिया था तो सर मजा आ जाएगा जीवन में बस वही पॉइंट बचा रहा है सर अब पता है क्या लिखा है वहां पे मैं बताता हूं सर आपको पता है हाँ सर कुछ तो लिखा है तो ध्यान है सर क्या लिखा है तीन चार बार पढ़ा भी है सर बस फिर पढ़ के सोचते क्या सब मोह माया है आगे हैं सर <laughs> सर मैं समझाता हूं डेवलपमेंट राइट की वैल्यू के बेटा किसको टैक्स पे करना भाई देख एग्जिस्टिंग ने तो बोल दिया बेटा ये हमारे पुराना फ्लैट है तोड़ नए फ्लैट बना के दे, दिमाग खराब मत कर बेटा जो टैक्स पे करना तेरे को पे करना हमको कुछ भी नहीं देना बेटा हमारी सर्विस, सर्विस करना करना देखना गवर्नमेंट ने क्या किया जब जीएसटी नया नया आया था, तब ने पर, पर, रेट लगा था 12 बेटा। कितना लगा था बेटा 12 परसेंट बिल्डर जब फ्लैट बुक करेगा तो टैक्स पे करना पड़ेगा पर उसको कंडीशन क्या थी सारा आईटीसी मिलेगा बेटा क्या मिलेगा सर सीमेंट स्टील जो भी परचेस करेगा सबका आईटीसी मिलेगा पर सर जनता ने हंगामा कर दिया कि फ्लैट बुकिंग पे ट्वेल्व परसेंट टैक्स हम किराए पे रह जाएंगे किराए पे जीएसटी बेटा <laughs> पर घर नहीं लेंगे जिसको कम करके वापस कितना किया 5 किया बेटा पहले भी फाइव था बेटा बिफोर जीएसटी क्लियर कितना कर दिया बेटा फाइव अब सुनना अब सर सिंस रेट ऑफ टैक्स ट्वेल्व से कम करके कितना कर दिया फाइव कर दिया तो गवर्नमेंट ने तो सर गवर्नमेंट क्या बोला ए बिल्डर

फ्लैट बनाया बेटा हूं करो सर कितने उसी एरिया में सर 150 फिफ्टी आ 150 रहे क्या सर 50 तो आपके लिए 100 बेचने के लिए बेटा अच्छा उस 100 में से 70 फ्लैट बुक हो गए बिफोर ग्रैंड ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्युपेशन इज अर्ट पर अच्छा थर्टी फ्लैट सेल हुए सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्युपेशन तो ऐसे केस में थर्टी फ्लेट इज सेल ऑफ बेटा उस जीएसटी नहीं लगेगा ओके okay, तो मतलब आउट ऑफ यहां तक पहुंच गए बेटा आप देखो थोड़ा आराम से धीरे धीरे -दिर, हो लोलो पूरा ध्यान इधर होगा तो पूरा पिक्चर क्लियर होगा हंड्रेड परसेंट गारंटी मेरी आपसे सर विजन होगा तो रिविजन हो जाएगा सर क्लियर विजन नहीं होगा तो रिविजन की बात तो आती ही नहीं सर री Re रीडिंग और रिविजन में फर्क होता है सर रीडिंग इज इज फ्रॉम फ्रॉम आईज विजन माइंड क्लियर और आपको वार एंड हाफ डे जो मिलता है दैट इज फॉर तो विजन होना चाहिए रिविजन गारंटी होगा सर क्लियर सुनना बात का ध्यान से सर आउट ऑफ वन फिफ्टी फ्लैट वन ट्वेंटी फ्लैट क्या होगा बेटा बुक हो गए बिफोर ग्रांड ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट पचास फ्लैट तो बुक हो गए थे बेटा और बुक हो गए बेटा फ्लैट पे जीएसटी फ्लैट पे जीएसटी लगेगा थर्टी फ्लैट पे जीएसटी नहीं लगेगा अच्छा फ्लैट पे जीएसटी किस रेट से रेटेटा फाइव परसेंट से अभी वन फिफ्टी फ्लैट बनाने के लिए मैंने सोसाइटी मेंबर से डेवलपमेंट राइट की वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट राइट की सर्विस इनवर्स ली मैंने बेटा हा भाई अब डेवलपमेंट राइट right जो मैंने आपसे लिए वो मेरी इनवर्ट सप्लाई बेटा करो सर उस पर जीएसटी लगेगा बेटा रिवर्स आज को टैक्स पे करना है बेटा और उस पर भी रेट ऑफ टैक्स मान लो पांच परसेंट कितना बेटा पांच परसेंट अब सर सौ करोड़ की वैल्यू थी याद आएगा सर सौ करोड़ रुपए क्या लगेगा बेटा फाइव परसेंट जीएसटी बेटा किसको पे करना है बिल्डर को रिवर्स आज टैक्स पे करना है पर उसका एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा

इधर तो नहीं या है यार क्लियर इसीलिए क्या बोला सर इसीलिए जितने फ्लैट बुक हो गए हैं बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले लिया बेटा है ना अब मैं बोलूंगा जितने फ्लैट बुक हो गए बेटा समझ जाना बेटा उसका मतलब मतलब 120 फ्लैट्स जो बुक हो गए थे बेटा हूं करना पड़ेगा सर 120 फ्लैट पे जीएसटी लगेगा बेटा तो उसके लिए जो डेवलपमेंट राइट right की वैल्यू प्रोपोर्शन आएगी उस पर जीएसटी क्योंकि अगर जीएसटी लगता तो उसका क्रेडिट तो नहीं मिलता बेटा क्रेडिट नहीं मिलता मतलब बन जाता बनता मतलब, बेटा मतलब अल्टीमेटली फ्लैट और महंगे मल्टीपल बेटा आपको क्लियर डन इसलिए गवर्नमेंट क्या बोला बेटा डेवलपमेंट राइट की वैल्यू जीएसटी क्या कर दिया एक मिनट एक मिनट पर उस पर जीएसटी लग रहा है क्या बेटा अगर उसके डेवलपमेंट राइट right की वैल्यू पे जीएसटी लग भी जाए तो कोई मल्टीपल टैक्स होगा क्या बेटा कोई कैश हो रहा है वहां पर क्या कोस्ट बढ़ रही है सर इसलिए गवर्नमेंट क्या बोल दिया बेटा वो तीस फ्लैट के प्रपोशनल डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे तो जीएसटी लगाओ और एक सौ बीस फ्लैट के प्रोपोशनल डेवलपमेंट जीएसटी क्या कर दो एग्जाम कर दो उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है बोलो यस सर लॉजिक समझ में आया बेटा मतलब जितने फ्लैट पे जीएसटी लग रहा है जितने

शॉपिंग मॉल होता ना बेटा कभी गए बेटा नहीं बेटा अच्छे से पढ़ाई करो बेटा जिंदगी मौका देती है बेटा सर और जिसके साथ आप जाना चाहते हो जरूरी नहीं हुआ है सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि मान लो सरकार यहाँ तक बात समझ मारे क्या मान लो वो शॉपिंग मॉल होता बेटा कमर्शियल दुकानें होती है बेटा पे शोरूम होते बेटा पता है वहां पे तो अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन बुकिंग कराते हो यही अगर 150 फ्लैट की जगह 150 ऑफिस होते बेटा अच्छा नहीं आया मैं नहीं पढ़ा रहा अब आपस आपस। चलो यही अगर 150 फ्लैट की जगह 150 ऑफिस होते तो 120 ऑफिस बुक हो गए बेटा तीस ऑफिस बुक नहीं हुए तीस ऑफिस में जीएसटी नहीं लगेगा तो तीस ऑफिस के प्रोपोषल डेवलपमेंट की वजह में जीएसटी लगता है वैसे भी बेटा क्लियर सर 120 ऑफिस जो बुक हो चुके हैं सर उसको पता रेट ऑफ टैक्स कितना है उसमें तो अभी भी ट्वेल्व है बेटा कितना मालिक अब ट्वेल्व परसेंट वहां रेट ऑफ टैक्स है तो वहां पे वैसे भी क्या मिलता है बेटा आईटीसी मिलता है तो वहां अगर डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे अगर बिल्डर ने टैक्स पे कर भी दिया तो उसका क्या मिल जाएगा उसको बेटा आईटीसी तो वहां को तकलीफ है क्या बेटा इसलिए कमर्शियल अपार्टमेंट अगर है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अगर है उसके लिए डेवलपमेंट राइट right अगर आपने लिया है फ्लोर स्पेस इंडेक्स एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंडेक्स या लॉन्ग टर्म लीज लिया है तो उसके वैल्यू पे जीएसटी लगता है वहां पे सर नहीं दिया दिया बेटा बेटा हाँ है ना भाई किसके लिए लॉजिक उसके पीछे का रेट ऑफ टैक्स कितना है बेटा फाइव वहां आईटीसी नहीं मिलता है इसलिए एक के प्रोपोर्शन वैल्यू पे जीएसटी एग्जाम किया बेटा है हाँ ना बेटा तीस लीट के प्रमोशन पे जीएसटी एग्जाम नहीं किया क्यों क्योंकि तीस लीट पर जीएसटी नहीं लग रहा ना भाई तो एक दोनों को मिक्स करो बेटा लास्ट पॉइंट बस मान लो वो जो मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया था सौ पचास फ्लेट का बेटा उसमें दस दुकान भी थी बेटा नीचे आपने देखा होगा कई बार बेटा होता है ना सर <coughs> तो सर सर एक सौ पचास तो फ्लेट दस शॉप तो दस शॉप कमर्शियल प्लेस है बेटा कमर्शियल प्लेस में प्ले जी ट्व परसेंट लगेगा लगे बेटा तो सर आप मुझे बताओ वो ट्वेल्व तो सॉरी दस जो कमर्शियल प्लेस है बेटा क्या उसके

क्लियर तो ये जो आया है जो एलोकेट कमर्शियल के लिए, लिए। कमर्शियल जो बुक होगा बेटा तो 120 सौ बीस प्लेट का जो कारपेट एरिया था बेटा डिवाइड बाय 150 का जो कारपेट एरिया है मल्टीप्लाई जो प्रोपोर्शन आया था बेटा हाँ ना भाई क्लियर उतना एग्जिम हो जाएगा बाकी टैक्स हो जाएगा बेटा बोले समझ में आया बच्चों आपको टैक्स लगेगा कौन पे करेगा रिवर्स बिल्डर पे करेगा भारत माता की जय पूरी कहानी लेके जेड तक खत्म होती है अब शायद समझ में आया बच्चों आपको आवाज नहीं आ रही हुई पका हटा इनके सब जी ठीक है सर कुछ समझ में आ रहा है कि चल रहा है जिंदगी बस काट रहे वक्त पक्का चलिए सर सरकार ये टीडीआर की पूरी कहानी खत्म होती है अब ये मैंने टाइम सप्लाई पढ़ाया उसमें एक नोटिफिकेशन था मैंने उस नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ाया पूरा टीडीआर का सिस्टम पूरा समझा दे बेटा आपको हाँ ना भाई क्लियर सर आइए वैल्यूएशन बेटा सेक्शन नंबर सेक्शन फिफ्टीन सब सेक्शन बोलता है क्या योर एक्चुअल ट्रांजेक्शन मालिक शेल बी एक्सेप्टेड फॉर दर्पज ऑफ असेसमेंट इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड इन प्राइस इज दी सोल कंसिडरेशन भले लॉस पे काम करो या प्रॉफिट पे करो इसे कोई कंसर्न नहीं है क्लियर भले प्रॉफिट पे काम किया है लॉस पे क्या कोई कंसर्न नहीं है जैसे हमने आपको इस लेक्चर के लिए आज मान लो वन चार्ज किया बेटा भले लॉस पे काम हो रहा है बेटा क्लियर पर व्हाट इज द वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू वन नाइनटी नाइन बात कदम तो बेटा हा है ना भाई क्लियर समझा मेरी बात तो सर जो हमने प्राइस चार्ज किया दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू अच्छा हमने आपसे अलग से जीएसटी लिया क्या बेटा आप अलग से जीएसटी लिया गया बेटा? नहीं लिया वन हंड्रेड लिया हाँ इतना भी देखा बेटा आपने ना बेटा वेरी गुड सर दैट इज वॉट इज कॉल्ड वैल्यू बेटा हाँ या ना, सर क्लियर डन सर ओके 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 सरकार यहां तक तो पॉइंट समझ मारा आपको मेरा पक्का ठीक है

वो टैक्स है ही नहीं इनकम टैक्स का जो होता है वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता बेटा हाँ ना मालिक ठीक सर एक मिनट एक मिनट <coughs> जैसे अच्छा, आपने ये, खाते ना बैठा ये, 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 बैठा सिगरेट तंबाकू खाते होंगे बेटा आप लोग नहीं दा, दूर, दूर में तो बेटा क्लियर <laughs> सर बॉन बेटा हाँ हाँ बेटा वेरी गुड तन की शक्ति मन की शक्ति सर तंबाकू का सर इधर ध्यान ओ भाई मान लो टोबेको पता है आपने देखा हो तो टोबेको पे एक्सरसाइज लगता है बेटा अभी भी मैं कह रहा हूं न? पता तो ही लोगों को सर <laughs> सर टोबेको पे क्या लगता है सेंट्रल एक्साइज से ड्यूटी पर टोबेको पे जीएसटी भी लगता है बेटा और टोबेको पे जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगता है तो फॉर दी पर्पस ऑफ वैल्यूएशन अंडर जीएसटी सर टोबेको में जो वैल्यू होगी बेटा टोबेको की सर

आपसे अलग से और रिकवरी तो का पार्ट बनेंगे हा है ना भाई क्लियर एग्जाम्पल चलो एग्जाम्पल देता हूं ठंड लग रही है ठंड लग रही है ये। आई से ही सबकी ठंड उड़ा देता बेटा सर सुना, बोला बोला मैंने बार बोल दिया इधर सर काका वो एसी थोड़ा कम करो ना ठंड लग रही है क्या अरे टेंपरेचर बढ़ाना है भाई एसी तो कम कराना है आप समझो भावना है समझा करो सर लो है लो देखना पड़ेगा आपको ओके सर साथ में बोला ठंड लग रही है ओके सरकार सुनना बात की से इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर केस ऑफ जीएसटी ओके सर वैल्यू मान लो मैंने कोई गुड अप्लाई किया मैं क्या बनाता हूं मान लो मार्कर्स काका आगे भी काका ओके सर सर मतलब मैं यहां पे कोट सूट पहन के बैठा हूं बेटा <laughs> मेरे को तो देख नहीं रहे आप लोग <laughs> सर बड़ी होती मेरे को उस टाइम पे सर <laughs> पॉइंट ये मेरा आपसे कि सर मैंने मान लो क्या बनाया मार्कर्स मान लो ये मार्कर पेंसिल बेटा सर मैंने कोई गुड्स आपको सप्लाई करना है आपने मुझे बोला मंगल गुड्स भेज दे कितने का पड़ेगा मैंने कहा वन थाउजेंड रुपये पर पीस पड़ेगा बोला ठीक है भेज दो घर पे मैंने कहा भेज दो नहीं यहां के ले जाओ भाई साहब क्लियर उन्होंने बोला नहीं मेरे को तो घर पे चाहिए अगर आपको घर पे चाहिए तो मैंने कहा शिपिंग चार्ज अलग चलेगा टू हंड्रेड बेटा चार्ज डिलीवरी चार्ज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी मान लो टू हंड्रेड अलग अलग लगेगा आपने बोला क्या मंगल पर मैं दो दूंगा पर गुड्स सही सलामत पहुंचना चाहिए मैंने कहा कहास्ड डिलीवरी कैसे सर एफओ आर बेस्ड डिलीवरी मतलब आपके रिस्क मेरा बेटा मैंने आपसे कितना लिया है प्लस टू हंड्रेड रुप मैंने ट्रांसपोर्ट को रिकवर किया मैंने बताओ वॉट सप्लाई बेटा ट्वेल्व हंड्रेड क्यू भले मैंने बिल में अलग से लिखा टू हंड्रेड रुपी री ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्लियर बट दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई उसको भी वैल्यू में इंक्लूड करेंगे क्योंकि एनी एक्सपेंस विच इज इंकर्ड टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ वो एक्सपेंस इंकर बिना मैं वो गुड्स और सर्विस सप्लाई नहीं कर सकता था तो ऐसे केस में दैट एक्सपेंस विल वो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई और वो भी वैल्यू में इंक्लूड करेंगे उसको भी वैल्यू में इंक्लूड करके पूरे अमाउंट पे ट्वेल्व हंड्रेड जीट लगेगा बेटा बोलो बोला सर हाँ है ना भाई अच्छा अब सुन वो टू हंड्रेड रुपी फ्रेड पे करने के लिए लाइवल कौन था बेटा बोलता बेटा आवाज यही हो दो सौ रुपये तो ऐसे के तो सर मैं अगर उनपेल कैटेगरी ऑफ लोगों में कवर हुआ है बेटा आपको तो ऐसे के इसमें टैक्स लगेगा और रिवर्स चार्ज में 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 पड़ेगा और जो टैक्स मैंने पे किया उसका मेरे को क्या मिल जाएगा आई मिल जाएगा सर हा ना सर क्लियर पक्का हंड्रेड डन याद है समझ में आया कि नहीं आया सर अच्छा सुन मान लो तो नहीं मारने में गलत पड़ा बेटा मान लो, लो तो चाय पे बेटा <laughs> अच्छा आपको ब्रेक देवी ना बेटा सर सुना <laughs> अच्छा जो वीडियो क्लास में ना बेटा ये क्या बोलते हमको ब्रेक चाहिए मंगल चुप ये चुप कर दे एक मिनट में सर <laughs> पोज दबाया मंगल चुप हाँ चलो मंगल चालू बढ़ाव ओके सर सुनना बात को ध्यान से बात को से सर डिलीवरी अगर है अच्छा एक बार और क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं मिला कि एफओआर आर बेस कि एक्स फैक्ट्री बेस पे बेटा तो आपको हमेशा एफओआर आर ही मानना बेटा क्लियर मतलब कस्टमर का डिलीवरी होगी वाता का कॉस्ट मेरा बेटा एकदम मन मत करना बेटा ना। हाँ ठीक है चलेगा सर मान लो एफोर बेस डिलीवरी है आप क्या तक गुड्स मेरे को भेजना है साहब अनुभव भाई क्या गुड्स भेजना है डिलीवरी वहां करना है बेटा थाउजेंड भी प्लस टू हंड्रेड मैंने इनसे लिया है ट्वेल्व हंड्रेड्यू सप्ला सप्लाई पर सर ये ट्रांसपोर्टर इतना बदमाश है कि इसको अगर मैं फ्रेट पहले पे कर दू ना बेटा तो रास्ते में ट्रक रोक के परसी पर पर्दिस। ढाबे में बेटा पार्टी वार्टी कर लेता बेटा ये क्लियर तो मैंने जो मेरे कस्टमर है उसको बोला क्या

एंटायर ट्वेल, ट्वेल बेटा। बोलो या सर अच्छा या फ्रेट पे करने के लिए में बेटा तो हमेशा ही और अगर में तो ऐसे केस में, सर, वो मैं सात लोगों में अगर मैं कवर हूं तो जीएसटी लगेगा और रिवर्स में 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 मेरे को पे करना पड़ेगा अगर उसने का नहीं लिया तो याद आया बच्चों आपको पॉइंट डन सर और है मान लो गुड्स पर जो मार्केट मैंने बेचा आपको उस पर रेट थी कितनी एटीन और ट्रांसपोर्टर पर रेट कितनी है पांच बेटा तो भी पूरे ट्वेल हंड्रेड में क्या बेटा

क्लियर डन अच्छा मान लो यही कॉन्ट्रैक्ट चेंज सर मैंने इसको बोला था कि भाई साहब मैं आपके यहां डिलीवरी नहीं कर सकता आप आके ले जाओ कॉन्ट्रैक्ट एक्स फैक्ट्री बेस पे है एक्स वर्क बेस पे कॉन्ट्रैक्ट है रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप मेरे फैक्ट्री गेट पे ही ट्रांसफर हाँ जी अगर रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप मेरे फैक्ट्री गेट पे ही ट्रांसफर हो जाएगा क्लियर तो ऐसे केस में क्या होगा सर वो एक्स फैक्ट्री बेस पे बेटा अब आपने ट्रांसपोर्टर अपॉइंट किया आपने उसको पे किया किया क्या वी डोंट केयर आप खुद ले जाओ कैसे भी ले जाओ मेरे को, को मतलब नहीं है, इस उस पे संतोष भैया मुझे बोला था क्या कि मंगल प्लीज ट्रांसपोर्ट अरेंज करवा देना यार क्या बोला होता सर ट्रांसपोर्ट अरेंज करवा दो मैंने ट्रांसपोर्ट अरेंज करवाया पर मैंने बोला कि सर उस ट्रांसपोर्टर को फ्रेट एडवांस में चाहिए मैं दूंगा उसको बेटा पर इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑन एक्स बेस पे, पे होगा सर? सर आपके बिहाफ में ट्रांसपोर्ट को पे किया बेटा और मैंने बोला जो उसको पे पे आपको मैं को अलग से देना पड़ेगा बोला हाँ लेना मंगल कर क्लियर मैंने क्या किया सर आपसे सर टू हंड्रेड रुपी अलग से ले लिया बेटा तो मैंने क्या किया थाउजेंड रुपीज द वैल्यू गुड्स और टू हंड्रेड रुपीज द री इमर्मेंट रिमर्समेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट पेट टू ट्रांसपोर्ट बेटा हा ना भाई क्लियर अब सर यहाँ पे क्या क्या हुआ सर थाउजेंड भी तो वैल्यू सप्लाई था टू हंड्रेड ने, ने आपसे और लिया वो एक्सपेंस में नहीं कर किया है उसके लिए मैं अलाइबल नहीं था वो सर्विस मैंने यूज नहीं करी वो सर्विस आपने यूज करी कर सर्विस का बेनिफिट आपको हुआ है मेरे को नहीं हुआ है सर उस सप्लाई सर्विस सप्लायर को पे करने के लिए आप लाइबल थे मैं लाइबल नहीं था आपने मुझे ऑथोराइज किया टू मेक द पेमेंट टू दैट थर्ड पर्सन मैंने आपके बिहाफ पे पे किया है और मैंने बिल में अलग से अमाउंट लिखा और एक्सैक्टली exactly वही अमाउंट लिखा जो मैंने उसको पे किया है तो दिस इज कॉल्ड अमाउंट पेड एज अ प्योर एजेंट ऑफ द बेटा ना भाई दिस विल बी एक्सक्लूडेड कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई और वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा और पे जीएसटी लगेगा भारत माता की जय ना भाई क्लियर डन सरकार पॉइंट समझ में आ रहा है था रूल थर्टी थ्री सर आइए सर नेक्स्ट सर अगर मैंने कस्टमर से ओवर एंड न द प्राइस कोई इंटरेस्ट डिलेट पेमेंट चार्जेस लेट पेमेंट फी एक्ट्रा रिकवरी किया तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा अच्छा क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमेशा मान लो क्वेश्चन लिखा कि हमें को वन लाख रुपये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और कुछ नहीं बोला है तो उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानेंगे पर अगर क्वेश्चन ने इनफॉर्मेशन दे दी कि ये जो फिगर्स है वो विदाउट टैक्सेस है तो ऐसे केस में एक्सक्लूसिव होगा बात अलग होगी बेटा हाँ है ना बेटा क्लियर चलिए सरकार सर लास्ट पॉइंट क्या है एनी सब्सिडी क्या बोला सर एनी सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू तो दी प्राइस अदर दिन सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा उसको भी वैल्यू में इंक्लूड करेंगे सर एग्जाम्पल मान लो अच्छा पता है यहाँ बच्चे एक जगह कंफ्यूज जरूर होते हैं बेटा बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं बेटा इसमें मान लो

अब समझ में आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी का मतलब क्या है बेटा अरे करने के बाद ही तो है क्या है मैंने क्लियर सब्सिडी कंसिडर नहीं करता तो वैल्यू कितनी बेटा <laughs> तो आफ्टर कंसिडरिंग नाइन वैल्यू कितना होना चाहिए दस एड कर दे बेटा और क्या है पर यही सब्सिडी दी थी किसने सेंट्रल गवर्नमेंट तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता भारत माता की जय आई फॉलिंग शलबूड फॉल्पूटिंग 15 सब सेक्शन 3 बोलता है फर्स्ट क्या डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई सर आपने इनवर्स डिस्काउंट लिखा नेट वैल्यू जो चार्ज करी उस पर जीएसट लगे बेटा है हाँ ना भाई सेकंड क्या है डिस्काउंट डिस्काउंट सर पोस्ट सप्लाई अगर आपने बाद में सप्लाई के बाद आपने कभी डिस्काउंट दिया है तो वो भी वैल्यू से एक्सक्लूड हो जाएगा वो भी क्रेडिट नोट इशू हो जाएगा वैल्यू से कम हो जाएगा और जीएसटी कम हो जाएगी पर कंडीशन है बेटा क्या फर्स्ट तीन कंडीशन बेटा वेरी गुड देयर शुड बी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन एग्रीमेंट की ऐसा होने पर डिस्काउंट मिलेगा मतलब एट द टाइम ऑफ सप्लाई सेल्फ पता होना चाहिए कि अगर यह हुआ तो डिस्काउंट देना पड़ेगा जैसे टर्न डिस्काउंट बटा साल भर में दस करोड़ का परचेज किया तो दस परसेंट डिस्काउंट साल भर में पंद्रह करोड़ का परचे किया तो पंद्रह परसेंट डिस्काउंट में बीस करोड़ का परचेज किया बीस परसेंट डिस्काउंट साल भर में सो करोड़ का परच किया तो नहीं नहीं कुछ भी नहीं हो भाई सर मैक्सिमम बीस परसेंट सर <laughs> अब साल भर में कितना परचेज किया कब पता पड़ेगा सर में बेटा पर एट द टाइम सप्लाई पता है कि ऐसा कैसा उन्होंने डिस्काउंट मिलेगा सर

मनी जाता है बेटा पुराना मोबाइल दिया नया मोबाइल दिया बेटा है ना भाई Exchange. तो ऐसे केस में ओपन मार्केट वैल्यू उससे वैल्यू नहीं आ रहा तो मनी प्लस काइंड का एफएमवी उससे उससे वैल्यू नहीं आ रहा तो गुड्स ऑफ लाइक और लाइक क्वालिटी रूल नंब थर्टी क्या बोलता है बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस टेन परसेंट अगर आप ट्रेडर हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस टेन परसेंट अगर आप सर्विस सप्लायर हो तो कॉस्ट ऑफ

काइंड में तो ऑप्शन तो? like like हाँ, है ये तीनों फॉलो ना करे और अगर रेसिपेंट अगर सेम गुड्स को आगे सेम कंडीशन में बेचता है तो सर उसके यहां पर गुड्स ऑफ लाइक एंड लाइक क्वालिटी की वैल्यू क्या थी उसका नाइनटी परसेंट वैल्यू ले बेटा पर हां सुनना इन सब की बात आएगी ही नहीं इन सब की बात अगर इन सब की बात आएगी नहीं अगर रेसिपेंट जो आपका डिस्टिंग पर्सन या रिलेटेड पर्सन है उसको फुल आई टी अगर मिलता है क्या मिलता है बेटा तो जो आपने बिल में चार्ज किया है वही क्या हो जाएगा साहब ओपन मार्केट वैल्यू मतलब 10 लाख की गुड्स थी आपने एक लाख का बिल बनाया तो एक लाख इज द वैल्यू बेटा हाँ या ना भाई अरे क्लियर वन लेक शेल विद वैल्यू बेटा हाँ या ना गवर्नमेंट विल नेवर चैलेंज द प्राइस अगर कस्टमर को फुल आईटीसी मिलता है तो बेटा हाँ या ना सर अब पता है ये तो आपने पढ़ लिया बेटा बहुत अच्छे से पढ़ लिया बेटा पर एग्जाम ऐसा नहीं लिखा है कि बताओ मेरे रिलेटेड को फुल आई मिलता सी तो बताओ वैल्यू क्या होगा ले ले बच्चा लड्डू खा तो तो अच्छा, ले आकर ऐसा दौड़ होगा बेटा क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों ध्यान देना बेटा मान लो मैं क्या बेचता हूँ बेटा मार्कर्स अच्छा गुड्स ले गया कोई सर मार्क अच्छा नहीं है क्या ओए सर क्या बनाता हूं साहब मार्कर्स थोड़ा सा टेम्परेचर कम करो ना खून पसीने की कमाई है बेटा सर <laughs> सुना सुना हो भाई सर मान लो मोबाइल फोन बेचता हूँ बेटा क्या बेचता हूँ बेटा में मोबाइल फोन या कोई भी गुड्स जो सप्लाई बेटा मेरा एक ब्रांच है मुंबई महाराष्ट्र में बेटा दूसरा ब्रांच का है गोवा सर वहां क्या बेचता हूँ बेटा में मोबाइल बेटा मोबाइल सर ये बोल रहे टिकट बेचता है सर <laughs> ये मत पूछना किसके अब सर सर पॉइंट मेरा एक फैक्ट्री या एक शोरूम का है मुंबई में एक का है गोवा में बेटा क्या बेचता हूं मोबाइल फोन विज इज गुड्स बेटा हाँ है ना भाई मैंने कुछ मोबाइल फोन अपने डिस्टिंग पर्सन जो गोवा में था बेटा उसको बेचे कितने में सर जिसकी ओपन मार्केट थी करोड़ मैंने बिल बनाया कितने का वन लेक का बेटा मैं भी मोबाइल की ट्रेडिंग करता हूं, वो भी मोबाइल की ट्रेडिंग करता है बेटा है हाँ ना बेटा क्लियर बताओ वैल्यू क्या होगा बेटा अब बता यहां आपको दिमाग लगाना बेटा ज्यादा इसने कुछ बोला नहीं वो भी ट्रेडर है ये भी ट्रेडर है बेटा ट्रेडिंग करने में के लगता है बेटा जीएसटी और साहब वो जब गोवा ब्रांच वाला मेरे यहाँ से मोबाइल किया ट्रेडिंग करेगा तो आगे बेचेगा बेटा आगे बेचेगा तो जीएसटी लगेगा जीएसटी लगेगा तो आईटीसी मिलेगा बेटा उसको

सर सॉरी उसने फ्री सैंपल और आपको पता है फ्री सैंपल अगर देता है तो आईटीसी नहीं मिलता या मैं कह देता हूं कि वो ऐसा कोई आउटवर्ड सप्लाई बना रहा है या ऐसा कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करता है जो एग्जाम उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा तो जो मैंने बिल लिखा है ओपन मार्केट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी बेटा ऐसे केस में रूल नंबर ट्वेंटी एट के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा बेटा हाई ना भाई तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम टाइम में बच्चों एग्जामिनेशन के अंदर बेटा क्लियर तो आपको लॉ तो पढ़ना ही पड़ना है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेगी वो अपने दिमाग में समझ में आया रूल नंबर याद है बच्चा तो ऐसे केस में ओपन मार्केट वैल्यू या फिर रेसिपी गुड्स सेम गुड्स को आगे सेम कंडीशन बेचता है तो उसके यहाँ पे गुड्स ऑफ लाइक एंड लाइक क्वालिटी उसका नाइनटी परसेंट बेटा ना भाई उसमें से कोई भी वैल्यू जो ऑप्शन है जो बेनिफिट होगा वो लूंगा बेटा पर अगर इससे वैल्यू नहीं है तो रुलों 30 हो, 31 है ना। खेर आप तो मास्टर उसके भी क्लियर बैटिंग लोटरी लॉटरी है आईपीएल चल रहा है आईपीएल सट्टा नहीं खेलते बेटा आप लोग जुआ खेलते बेटा आप तो है ना सर हमने जुआ लगाया ऐसे बेटा सर सुनना सरकार जुआ रेस कोर्स हॉर्स रेसिंग है बेटा कौन सा है क्या नाम है उसका ये 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 देखो बेटा, ये देखो आप। सर, महालक्ष्मी सरकार, वहाँ बेटिंग किया बेटा आप तो जो बैट वैल्यू लगे ना वही वैल्यू सप्लाई होता है लॉटरी टिकट केस में ये देखो बेटा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बेटा सर उसमें क्या होता है फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट सौ रुपए थी बेटा या फिर प्राइस नोटिफाइड बाई ऑफिशियल गजेट सर वो दोनों प्राइस को डिवाइड बाय वन ट्वेंटी हंड्रेड करना जो लोअर वैल्यू आएगी वैल्यू आएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई लॉटरी टिकट्स क्लियर मालिक डन सरकार लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस केस में सर अगर इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है तो फर्स्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट सेकंड में ट्वेल्ल पॉइंट फाइव परसेंट सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के टेन परसेंट दी है ना बेटा एजेंट रोल थर्टी टू सबल थ्री बोलता है क्या सर

डॉलर दिया पाउंड लिया दोनों आर 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 यूज करके आई में कन्वर्ट करो दोनों में जो कम आएगा उसका वन परसेंट वैल्यू सप्लाई बेटा क्लियर अच्छा इसको एक ऑप्शन और देख रहा है क्लोज में बी के अंदर और बोला क्या कि सर आप चाहे तो ये स्कीम ले सकते बेटा क्या और अगर ये 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 अगर वाला क्लोज में बी वाला ऑप्शन लिया तो पूरे साल में यही ऑप्शन होगा बीच में आप चेंज नहीं कर पाएंगे बेटा हाँ ना भाई क्लियर जब आपने ऑप्शन लिया वहां से पूरे साल तक यही चलेगा बेटा क्लियर में, में क्या बोला बेटा अगर टू तो रूप वन तक का ग्रोस अमाउंट एक्सचेंज है तो 1 वन परसेंट जो वैल्यू सप्लाई उससे भी दस लाख दस लाख से ऊपर किया दस लाख में फाइव थाउजेंड फाइव उससे ऊपर जितना पॉइंट जीरो पॉइंट वन परसेंट बेटा हा है, है 0, uh, 0, हाँ ना बेटा क्लियर मेंिक्सटी थाउजेंड रुपी पर ट्रांजेक्शन हा है ना सर सर yes, ये रूल नंबर थर्टी टू टू थ्री फोर फाइव सर सेकंड गुड्स के डीलर हो बेटा आप क्या हो सर मोबाइल देखो कॉम, कार देखो कॉम, सर, देखो बेटा देखी बेटा आपने आपने कभी नहीं देखी बेटा जब आपने ब्रेक होकर बेटा तब नीचे जाना बेटा गेट से बाहर निकलोगे आप बेटा रोड पर थोड़ी देर लेटना बेटा क्लियर बाइक कार ट्रक सब देखेगी थोड़ी देर तक देखेगी बेटा उसके बाद आप उसमें समझ आएंगे बेटा सर पॉइंट आपसे ये कि सर कार कार देखो डॉट कॉम सर इंडिया कि सरकार कार सुनो 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 बेटा मैं सेकंड हैंड कार का डीलर हूं बेटा सेकंड हैंड गुड्स बेचता बेटा मैं तो मेरे को बोला या तो नॉर्मल परचेज पे टैक्स पे कर नॉर्मल क्रेडिट ले नॉर्मल सेल पे टैक्स पे कर नॉर्मल ले यूज कर मस्त रहे बेटा या फिर एक ऑप्शनल स्कीम दी मार्जिनल स्कीम दी बोला क्या सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस जो आपका है केवल उस पर टैक्स पे कर दो पर कंडीशन क्या है उस गुड्स के परचेज में जो जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा पर हाँ ना उसी गुड्स के परचेज में जो जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट मना किया है अदर इनपुट काम है जिसमें कार परचेस करी है बेटा आपसे उस पर जीएसटी पे, पे किया उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा पर कार का मैंने सर्विसिंग किया रिपेयर उसमें कुछ पार्ट कंपोनेंट्स चेंज किया आईटीसी मेरे को मिलेगा मार्केटिंग किया कंसल्टेंसी लिया सर कैपिटल गुड्स का इन सबका आईटीसी मिलता है वहां मना नहीं किया बेटा हाई ना भाई और सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस अगर कभी कर रहे हो और उसमें कभी लॉस तो पे फोन, फोन पे कार लोन पे लिया या मोबाइल लोन पे लिया कुछ ई पे करी फिर बाउंस तो फाइनेंस कंपनी ने क्या किया बेटा वो गुड्स आपसे रिपर्जेस कर लिया अगर गुड्स अगर रिपर्जेस कर लिया तो सर ऐसे केस में रिपर्जेस करके क्या करेंगे आगे बेटा जब वो बेच रहे हैं

अपना टैक्स इन्वेस्ट बनाएगा बेटा ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से और वही आपका परचेज प्राइस हो जाएगा बच्चों क्लियर थर्टी टू फाइव थर्टी टू सिक्स बोलता है वाउचर कूपन के केस में जीएसटी लगता है हमने पढ़ा था बेटा किस वैल्यू पे लगेगा हजार रुपए के गुड्स या सर्विस रिडीम हो सकते हैं बेटा वाउचर आपने सौ रुपए में खरीदा बेटा या फ्री में वाउचर मिला तो जिस वैल्यू की गुड या रिडीम होने वाली बेटा थाउजेंड रुपये की वैल्यू थी बेटा इज द वैल्यू सप्लाई इन रेस्पेक्ट है ना बेटा क्लियर अभी नोटिफाई नहीं हुआ सर क्लियर ये थर्टी टू थर्टी थ्री था प्योर थर्टी फोर था क्या रेट ऑफ एक्सचेंज सर अगर मैंने कभी फॉरन करेंसी में इंपोर्ट कोई भी गुड्स या सर्विस मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है सर आपको पता है इंटरसेट सप्लाई होता है सलास लगता है ना बेटा तो वैल्यू तो आपको आन आर निकाली पड़ेगी ना भाई आन में व्यलू निकाली तो वैल्यू क्या रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेंगे सीबीआईसी वाला रेट ऑफ एक्सचेंज गुड से बेटा और सर्विस से जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का जिस दिन टाइम सप्लाई था का बेटा और 35 बोलता है कि अगर कभी वैल्यू इंक्लूसिव जीएसटी जैसे मैंने रिवर्स कल्कुलेशन करके हटा के जो वो हो भारत माता की अब ये पूरा वैल्युएशन खत्म होता है अब आइए इनपुट टैक्स क्रेडिट दस का क्रेडिट क्यों मिला कुछ याद है कि नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर

बात करें सर। अच्छा सेक्शन सिक्सटी ने क्या बताया बेटा एलिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट बेटा सेक्शन सिक्सटीन सबसे बताया क्या एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक द क्रेडिट अनस्टर्ड क्रेडिट की बात करना ही मत बेटा दिमाग मत करना एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक द इनपुट टैक्स रेट ऑफ जीएसटी पेड ऑन गुड्स और और बोथ विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कोई मशीन आपने एक्स्ट्रा परचेज करी हुई है कि कल को ये वाली मशीन खराब हो जाती है इनकम टैक्स में डेप्रिश मिलता है पुट टू यूज पे यहाँ पे गुड्स इंटेंडेड टू बी यूज यू कैन क्रेडिट बेटा हाई ना भाई सिक्सटीन टू बोलता है क्या दिमाग खराब मत करना मंगल क्या बोलता है बेटा दिमाग खराब मत करना मंगल क्रेडिट मिलेगा

फॉर बायर डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्ट फॉरसेल तो ओरिजिनल फोटोकॉपी चाल सकते क्लियर इसलिए ओरिजिनल कॉपी चाल से बेटा तो हाँ हाँ अच्छा कि लिखा नहीं किसी जजमेंट में अब तक आया नहीं जीएसटी के अंदर बेटा जीएसटी में डिस्प्यूट अब तक हुआ नहीं बेटा केस अभी जाएंगे बेटा तब, तब डिसाइड होगा पर मेरी ओपिनियन ओरिजिनल कॉपी चाल से बेटा है हाँ ना भाई फोटो कॉपी नहीं चाल से यह मेरा ओपिनियन है बेटा केवल ओके सरकार सेक्शन नंबर सिक्सटीन सेक्शन टू क्लोज नंबर अच्छा वो क्लोज नंबर कौन सा है क्लोज नंबर ए डबल ए बी ए बी सी और डी ए मेरे को क्लोज नंबर वाइज भी आया पर मेरे को क्लोज नंबर वाइज नहीं पढ़ाना आपको चलेगा सर चलिए सर एक बात मैं बताता दू आपको बेटा मान लो बहुत अच्छा किया बेटा आपने मान के सर ध्यान देना बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जो भी पूरे दिन पढ़ाऊंगा ना बेटा वो सब सर <laughs> अब कौन सा आएगा यार नोबडी कैन डिसाइड सर ये ध्यान ना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वो सारे बच्चे बोलते है, सर क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन आप मार्क करा तो हम वो पढ़ के चले जाए जिंदगी में मजा आ जाएगा मैंने कहा अगर केवल वो पढ़ के चले गए कुछ और आ गया तो जिंदगी में सही में मजा आ जाएगा बेटा सर <laughs> अरे यार नो बडी की डिसाइड कि आएगा या नहीं आएगा यार आप तो अच्छे से पढ़ो हर चीज पढ़ो अच्छा हमने जो जितने भी टॉपिक पढ़े बेटा क्या थोड़ी पढ़ा गया आपने बेटा हर एक पॉइंट क्वेश्चन के एंगल से पढ़ा ना बेटा ये सब कंपेल हो गया तो क्वेश्चन बनेंगे सर आपके तो आप क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई मत करिए सर कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करिए हमेशा हाँ क्वेश्चन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिस नो डाउट क्लियर पर आपका फोकस हमेशा क्या होना चाहिए concept होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जरूर करना चाहिए बेटा अपने को सुनना बच्चों ध्यान से सरकार तो अभी हम जिस तरह से पढ़े ना उस एंगल से हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी एक तरह से माइंड में करते जा रहे बेटा क्लियर टॉपिक होता जा रहा है एग्जाम में कहा गलती होती है कहा नहीं हो सकती सर आप ध्यान रखो बच्चा उसका क्लियर ध्यान देना बेटा मान लो सर पता है जीएसटी के अंदर एवरी सप्लायर इज सपोज टू फर्निश जीएसटीआर वन जो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बेटा ऑन मंथली बेसिस बच्चा पर जिसने क्यूआरएमपी स्कीम लिया हुआ है सर वो क्वार्टरली जीएसटीआर वन फाइल करेंगे पर पर अगर उनके कस्टमर रजिस्टर्ड है तो उनको क्वार्टरली अगर जीएसटर वन के थ्रू क्वार्टरली अगर जीएसटर टू बी में क्रेडिट जाएगी तो वो तो सर क्वार्टरली क्रेडिट ले पाएंगे सर उसको तो महीने में में किया और क्वार्टर के एंड में क्रेडिट मिलेगा में सही हो रहा है क्या बेटा ये नहीं इसलिए इनवर्सिंग फैसिलिटी दिया गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट ने बोला क्या फर्स्ट टू मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए आप इनवर्स फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके जो आपके बी टू बी सप्लाई है सर पचास लाख तक की सप्लाई हर महीने की आप बी टू सप्लाई जो है वो उसमें इन्वर्स फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके फर्निश कर चुके कर सकते हो बेटा हा मालिक अब आपने इन्वर्स फर्निशिंग फैसिलिटी यूज किया या

यू आर सपोज टू फर्निश आपने फर्निश किया बेटा टूबी टू क्रेडिट आ गई मैंने ले लिया बेटा। कोई खास बात नहीं पर सर आपने जीएसटर वन फाइल ही नहीं किया ही नहीं किया जीएसटर वन मेरे टू में क्रेडिट आई ही नहीं मैंने इंतजार किया <laughs> कि आएगी, मेरे आएंगे कब तक आएंगे रे बाल सफेद हो गए बेटा सर कब तक तो गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन लगा दी सर हमने सेक्शन नंबर सिक्सटीन सबसेक्शन फोर हुआ बेटा सेक्शन नंबर सिक्सटीन सबसे लिमिट दे रखी है सर कब तक आप क्रेडिट ले सकते हो किसी भी इनवॉइस या डेबिट नोट जब वो इशू हुआ है सर जिस फाइनेंशियल में वो टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट इशू हुआ है उस फाइनेंशियल में तो आप क्रेडिट ले सकते हो उसके बाद भी कब तक

जनवरी 24 में जीएसर वन फाइल किया अब मेरे में क्रेडिट आ गई तो मैं उसको देख के खुश हो सकता हूं बेटा बस क्लियर पर मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा पर लोग पहले क्रेडिट ले रहे थे बेटा लोग क्या करते हैं इतने होशियार क्रेडिट ले रहे थे क्यों वो बोले कौन सी गवर्नमेंट को पता पड़ रही है कहा वो चेक करने आएंगे कि सर वो जनवरी तेईस का क्रेडिट मैं जनवरी चौबीस में ले रहा हूं उनको कैसे पता पड़ेगा तो गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऐसा यूटिलिटी बना दिया कब उनको पता पड़ जाएगा और उन्होंने जीएसटार टू बी के अंदर एक कॉलम बना दिया और इस तरह का लिंकिंग कर दिया कि वो इनवॉइस वो अगर सिक्सटीन फोर की टाइम लिमिट के बाद अगर सप्लायर जीएसटर वन फाइल कर रहा है तो भाई साहब वो ऑटोमेटिक रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी कॉलम में चला जाएगा और मेरे को क्रेडिट अब लेके देख लो बेटा एक बार फिर वो आएंगे बैंड बाजा हाथ लेके बेटा बैंड मतलब आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा बाजा मतलब इंटरेस्ट बारह मतलब पेनल्टी बेटा हा है ना भाई क्लियर है डन बात समझे तो सर रेस्ट्रिक्टेड आई कॉलम में कौन सा है एक एग्जाम्पल समझ में एक और एग्जाम्पल बेटा मान मान लो मांग लो मैं जीएसटी में कहा बेटा मुंबई महाराष्ट्र अभी क्या मैं मुंबई महाराष्ट्र बेटा अच्छा कोई डाउट है बेटा आपको अच्छा वीडियो क्लास में है तो उनको भी डाउट होगा चलेगा सर पर आपको डाउट मैं कहा हूं बेटा अभी कोई डाउट अंधेरी हा है ना जेकेश क्लासेस थर्ड फ्लोर याद आया बेटा आपको क्लियर यहां में चेयर में बैठा हुआ बेटा हा है कोई डाउट है क्या yes. तो मैं कहूं मुंबई महाराष्ट्र मान लो आई एम रईडिन मुंबई महाराष्ट्र इंडिया टूर पे गए बेटा कोलकाता कोलकाता में मान लो किसी होटल में स्टे किया अच्छा कोलकाता का है बेटा yes. बहुत सारा बोला सर कोलकाता कोलकाता में होगा ना सर आपके <laughs> सर वेस्ट बंगाल हाँ ना भाई अब सर होटल अकोमोडेशन सर्विसेज ली और आपको पता है होटल अकोमोडेशन सर्विस केस में प्लेस और सप्लाई क्या होता है जहां पे होटल लोकेटेड हो बेटा तो सर वेस्ट बंगाल सर मान लो कोई होटल था सर होटल डिसेंट सर उसने मान लो सर सर्विसेज दी बिल पे क्या लगाया होगा बेटा सी जी और वेस्ट बंगाल का एस जी प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल क्लियर आम रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र बेटा क्या मेरे को उसका आई टी मिलेगा सर एक रुपए का भी नहीं मिलेगा एस जी एस टी छोड़ सी का भी नहीं मिलेगा बेटा क्रेडिट पर लोग किसको पता पड़ रहा है लो क्रेडिट दबा के लो और पीपल वर अवेलिंग द क्रेडिट अच्छा कुछ लोगों में तो शर्म थी बेटा इसलिए उन्होंने एटलीस्ट एस से क्रेडिट नहीं लिया बेटा सी का तो ले लिया <laughs>

सर इनसे मैंने कोई इनपुट परचेज किया बेटा वो तो कभी कभी होता ना वक्त गलत होता है बेटा इंसान का क्लियर इनका तो अच्छा था बेटा पेमेंट ले लेने उनमें से वन लेख यूनिट्स इसके यहाँ से निकली इसने एक लाख का बिल बनाया मैंने पेमेंट भी कर दिया बेटा इसने जीएसटी वन भी सबमिट कर दिया वन लेख का उसमें उस पर जीओ जीएसटी तो पे कर दिया मेरे टू बी में क्रेडिट आ भी रहा है पर मेरे को यूनिट्स जो रिसीव हुई केवल सेवेंटी थाउजेंड नहीं रिसीव हुई बेटा तीसरा रास्ते में जल गई बेटा खराब हो गई चोरी हो गई जो भी हो गया बेटा मेरे को कितना रिसीव हुआ बेटा कितना क्रेडिट मिलेगा बेटा मेरे को बात कर दूँ बेटा भले में पूरा क्रेड आ रहा है यूनिट मेरे को क्रेडिट कितना मिलेगा बेटा सेवेंटी थाउजेंड यूनिट का मिलेगा और अच्छा खास बात मैंने कहा ना वक्त खराब होता तो कुछ भी हो सकता बेटा वो सेवेंटी जल गई बेटा आग लग गई बेटा क्लियर वो सेवनटी फाइव एच याद है बेटा ब्लॉक क्रेडिट बेटा क्लियर गुड्स लॉस डेस्टोर है ना बेटा तो उसका भी क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा शशांक भाई बेटा हाय है ना भाई मेरे को तेरे को कोई लोड नहीं बेटा क्लियर सर गुड्स रिसीव हो जाने पर हाँ बिल टू शिफ्ट अगर है बेटा मेरे भी आप पे आपको भेज दिया बेटा क्लियर आपको रिसीव हो मान लेंगे गवर्नमेंट को, को टैक्स हाँ पे हो जाना चाहिए गवर्नमेंट को कौन पे करेगा रिवर्स चार्ज है तो मैं पे करूंगा फॉरवर्ड चार्ज तो आप पे करेंगे अब सुनना यार एक चीज बता मुझे आप सप्लायर

विश्वास पे दुनिया कायम है मैं। और मैं आंख बंद करके क्रेडिट ले ले सेक्शन 41 में लिखा बेटा ये बात सेक्शन 41 में लिखा कि एक बार क्रेडिट ले ले ऑन दिस सेल्फ असेसमेंट बेसिस और वो जो क्रेडिट लिया उसको क्या बोलेंगे बेटा फाइनल क्रेडिट बेटा प्रोविजनल क्रेडिट नाम का वर्ड हट चुका है पूरा जीएसटी से बेटा ध्यान रखना प्रोविजनल आईटीसी कहीं यूज मत करना बेटा अब आप क्लियर यूज़ किया तो आई से भी प्रोविजन लिख देगा ध्यान देना प्रोविजनल आईटीसी वर्ड हट चुका है बेटा। सर, ये पूरा जो आपने लिया, वो मतलब टैक्स पे नहीं किया बेटा तो केस में, वो जो टैक्स तूने क्रेडिट लिया था बेटा क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा लाइब्रेटी में ऐड करना पड़ेगा वो भी अलोंग विद इंटरेस्ट अगर उस आईटीसी को यूज किया बेटा हा ना भाई क्लियर पक्का बचा और बाद में अगर वो फ्यूचर में गवर्नमेंट को टैक्स वापस पे कर देता है तो केस में यू कैन रीअवेल द क्रेडिट और रीअवेलमेंट ऑफ क्रेडिट के लिए सिक्सटीन फोर की टाइम अप्लाई नहीं होती है तीन साल बाद उसने पे किया तीन साल बाद क्रेडिट लेना कोई दिक्कत नहीं बेटा बोलो सर क्लियर इंट लास्ट कंडीशन सर रेसिपी ने हमें रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए तो क्रेडिट मिल जाएगा क्रेडिट नहीं मिलेगा क्लियर ये सेक्शन नंबर सिक्सटीन सब सेक्शन टू की छह कंडीशन खत्म होती है अब सर अब दो प्रोवाइज हो रहा बेटा फर्स्ट अगर कभी भी गुड्स लोड से इंस्टॉलमेंट में आ रहा है बेटा तो जब लास्ट लोड या लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा तब आपको क्रेडिट मिलेगी क्रेडिट नहीं मिलेगी अच्छा होशियारी पता है गवर्नमेंट इतनी होशियार बेटा सप्लायर को क्या बोला जब फर्स्ट लोड निकलेगा आप क्या से बेटा तब आपको पूरी वैल्यू का टैक्स इन्वेस्ट इश्यू करना पड़ेगा बेटा और हर लोड के साथ में आपको डिलीवरी चालन के साथ में फोटोकॉपी ऑफ द इवर्स भेजना पड़ेगा बेटा और आपको पता है फोटोकॉपी नदी चाल से बेटा जा है

वो फिफ्टी काट के जीरो कर देता बेटा है हाँ ना भाई क्लियर ध्यान रखना बच्चों आप बहुत मेहनत करते हो देर इज नो डाउट ऑन दैट क्लियर बस वहां पे क्या होता है थोड़ा जल्दबाजी के केस में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है बेटा वहां एग्जामिनेशन प्रेशर में हम छोटी छोटी गलती कर देते हैं उसका भी अगर हम ध्यान रखें ना सर तो पंद्रह बीस मार्क्स तो आपके इंक्रीज हो जाएंगे सर हर सब्जेक्ट में बच्चों क्लियर तो सर बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है आंसर लिखने से पहले थोड़ा सा सोचना है सर हम क्या करते हैं पांच मिनट में अगर आंसर लिखना है अपने को तो सर दस या बीस सेकंड सोचते है बेटा और डायरेक्ट आंसर लिखना चालू मैं कहता सर एक मिनट सोचने में क्या हमने हुआ है? कैसे अप्लाई करना है वहां पांच मिनट आपने लिख दिया फिर बताओ पड़ा और, और ये नहीं वो था फिर गए बेटा आपने तो क्लियर पहले सोचो फिर आप आंसर लिखो मैं कह रहा हूं मैक्सिमम गलती वहां से सुधर जाएगी बच्चों ओके सरकार

Within 180 days from the 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 date of issue of issue invoice, payment 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 recipient fail to to make supplier क्या करना पड़ेगा आई टीसी में एड करना पड़ेगा और वो भी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एसपर सेक्शन में फिफ्टी बेटा हा भाई और future में अगर वो रेसिपेंट सप्लायर को पे कर देता है आई टीसी बचा क्लियर पर हा पर इसका एक एक्सेप्शन है अगर अगर रिवर्स चार्ज मैक्रेजो खुद टैक्स पे करने के लिए तो सर वहां गवर्नमेंट ने बोला ये प्रोविजन अपीलिकबल नहीं होगा मतलब सप्लायर का पैसा खा जाओ कोई दिक्कत नहीं बेटा गवर्नमेंट को टैक्स पे करो क्रेडिट लो मस्त रहो क्लियर बाकी केसेस में अगर सप्लायर का पैसा खा गए तो आपका भी क्रेडिट हम रिवर्स करवा देंगे बेटा हाँ ना भाई अच्छा पता है इस प्रोविजन से देख के पता पड़ता है कि दोनों की लड़ाई में मुझे गवर्नमेंट ले गया बेटा क्योंकि सप्लायर को ही नहीं बोला बेटा कि तेरा पैसा अगर सप्लायर खा गया तेरा पैसा अगर रेसिपेंट खा गया बेड डेट कर दिया तो तेरे को हम टैक्स का रिफंड दे देंगे ऐसा नहीं बोला बेटा उससे तो जब इन्वर्स इश्यू कराना बेटा तभी टैक्स ले लिया बेटा सप्लायर पेमेंट करे या ना करे और पेमेंट चल याद है बेटा आपको पर रेसपेंट को क्रेडिट देने से मना कर दिया अगर उसने में पे नहीं किया तो बेटा हाँ ना भाई क्लियर तो सर उसे टैक्स ले भी लिया इससे क्रेडिट रिवर्स भी करा दिया दोनों की लड़ाई मजे कौन ली बेटा गवर्नमेंट उसको क्या करना बेटा मैं बेटअप कर तो बेटा देखो तो तेरा टैक्स मिल गया ना बेटा पर फिर भी दुख है दर्द है रखो दिल में बेटा कोई दिक्कत नहीं बहुत सारा दर्द होते बेटा दिल में आगे बढ़ते जाओ सर सर ये था आपका सेक्शन सब सेक्शन टू से ना भाई

जीएसटीआर वन फाइल कर अच्छा पांच जगह चेंज हुआ बेटा कितनी जगह पांच जगह ये तीस नवंबर वाला बेटा सेम पॉइंट हुआ है मैं पांचों यहां बोल रहा हूं बेटा ध्यान रह आपको सर फर्स्ट हो गया सिक्सटीन फोर सेकंड हो गया क्या, क्या? क्रेडिट नोट वाला थर्ड जीएसटीआर वन सबमिट करने में कोई गलती हो गई बेटा कोई इन्वॉइस रह गया या गलत हो गया बेटा तो फांसी बेटा है ना सीधा तो रेक्टिफिकेशन कर सकते हो क्या बेटा क्लियर सर गलती को रेक्टिफाई कर सकते हो कब तक बेटा पीरियड के जीएसटीआर वन फाइल करते वक्त आप गलती को रेक्टिफाई कर सकते हो पर कब तक

पहले ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफिंग मंथ लिखा था क्या लिख दिया बेटा अभी थर्टीएस नवंबर अच्छा एक जगह बच्चे गलती करते बेटा सर आपकी बुक में गलती हो गई रूल नंबर में तो अभी भी लिखा है सर आपने तीस नवंबर नहीं लिखा मैं क्यों लिखूंगा बेटा लॉ में जो लिखा हुआ वही मैं लिखूंगा ना भाई क्लियर तो वहां अभी भी सितंबर है पहले भी सितंबर था बेटा कहां पे वापस बोल रहा बेटा मैं रूल नंबर इधर इधर मैं तुम्हें बता रहा हूं देखो बेटा रूल नंबर फोर्टी टू भाई 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 याद आया

बोलो 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 थर्टी एथ नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न इज अर्लियर तीस नवंबर का मतलब क्या बता आपको तीस नवंबर मतलब सर एक मिनट मैं तीस नवंबर की बात कर हूं एनुअल रिटर्न मान लो आपने थर्टी फिथ दिसंबर ड्यूटी थी बेटा उसी दिन फाइल किया सर क्लियर तो तीस नवंबर तीस नवंबर का मतलब क्या है सेप्टेबर का रिटर्न ऑगस्ट का रिटर्न सर अक्टूबर का रिटर्न जो भी रिटर्न है वो तीस नवंबर या उससे पहले पहले फाइल कर दिया क्लियर सर तो बस क्रेडिट मिल जाएगा उसके बाद क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा इसका बहुत सारी जगह मीनिंग क्या निकला जो इंटरप्रिटेशन निकला सर बहुत सारे लोगों ने इंटरप्रेट किया बेटा मैंने भी शुरुआत तो में बताया था बेटा पर अभी वो सही नहीं है बता रहा हूं आपको करेक्ट इंटरप्रिटेशन यही जो मैंने बताया आपको क्लियर कुछ लोगों ने इंटरप्रिटेशन क्या बताया था बेटा जो मैंने भी बोला था पहले बीच में सर नवंबर महीने का रिटर्न नवंबर महीने का रिटर्न आपने मान लो अठारह दिसंबर को फाइल किया तो वो नहीं मिलेगा सर तो नवंबर महीने में आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे एक तरह से एक तरह से आपने क्रेडिट कब लिया बेटा वो अठारह दिसंबर को लिए माना जाएगा बेटा और सर तीस नवंबर तक तो क्रेडिट लेना लेने बेटा अब मान लो आपने अक्टूबर महीने का रिटर्न कब फाइल किया बेटा नवंबर में कब बीस बीस नवंबर ड्यू डेट है बेटा आपने पच्चीस नवंबर फाइल किया कोई बात नहीं सर चलेगा नवंबर तक फाइल किया चलेगा बेटा क्लियर सर आप क्रेडिट ले पाएंगे बच्चों हा है ना भाई क्लियर सेप्टेम्बर महीने का रिटर्न था कब फाइल किया आपने जरूर नहीं तीस नवंबर तक फाइल किया तब क्रेडिट लेना हमें कोई दिक्कत नहीं है क्लियर मतलब कौन से महीने का रिटर्न अब फाइल करो कंसर्न सकता किस दिन फाइल करो सकता कंसर्न बेटा हा है ना भाई क्लियर तो तीस नवंबर या उससे पहले, पहले पहले आपने क्रेडिट ले ली तो ले ली वरना बाद में ना हो पाएगी बोलो या सर

क्लियर सर वो ईसीओ को स्टेटमेंट टीसी स्टेटमेंट में चेंजेस करने बेटा हा है ना भाई क्रेडिट नोट इशू करना था बेटा था इन चारों जगह भी तीस नवंबर का मतलब यही है बेटा कि नवंबर का जो आपने रिटर्न फाइल किया स्टेटमेंट फाइल किया उससे पहले पहले जो अमेंडमेंट कर कर दिया कर दिया उसके बाद ना हो पाएगा बेटा भारत माता की जय ओके ओके बोलो ओके आइए सर सर ये था क्या सेक्शन नंबर सिक्सटीन सब सेक्शन फोर सर ये सेक्शन सेक्शन सिक्सटीन प्लस उससे रिलेटेड जो बातें थी वो खत्म होती है अब आइए बेटा 175 शानदार पॉइंट ब्लॉक क्रेडिट बेटा फॉलोइंग के रेस्पेक्ट में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा कह दिया ना बस कह दिया हैशटैग वाइफ <laughs> सर <laughs> सर नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग 161 और 181 मतलब 161 ने लिखा कि ऑल द गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच आर यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस बिजनेस या इंटेंडेड टू बी यूज्ड क्रेडिट मिलता है बेटा दिमाग खराब करना इनके फॉलोइंग के रेस्पेक्ट में क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा भले ही बिजनेस में काम आए या दिमाग मत लगाना कह कह दिया दिया ना बस क्लियर आवाज नहीं आ रही होशियारी क्लोज नंबर ए बोलता है क्या सर मोटर व्हीकल्स दिल थाम के देखना ये एग्जाम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जहां गलती होती है बच्चों से माइन्यूट पॉइंट में गलती होती है बेटा पॉइंट तो आपको याद है पर हल्का सा थोड़ा गलत गलती है सर अच्छा मेरा टारगेट बताया आज का क्या बेटा जहां जहां टॉपिक्स टेक्निकल है जहां जहां पॉइंट्स में गलती आपसे होती है एग्जाम्स के अंदर सर जिनके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं यहाँ कवर करा दू तो मेरा भी दिल राजी आपका भी दिल राजी बेटा बेटा हाँ है ना भाई क्लियर तो सर सक्सेसफुल डे मानेंगे हम इसको ओके और पॉइंट कनेक्ट कर दू बेटा मैं क्लियर मेरा मेन एम यही है बेटा कि सर जहां जहां गलती होती है टेक्निकल पॉइंट है टफ पॉइंट है और जहां कनेक्टिविटी है वो सब मैं आपके लिए कनेक्ट करके एक साथ यहाँ बता दू सर काम अपना हो जाए बेटा क्लियर फिर दुनिया की कोई ताकत आपसे क्वेश्चन पूछ ले आपको आंसर आएगा बेटा सुना बच्चों मान लो सर 17.5 सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5, 5 बोलता है ब्लॉक क्रेडिट फॉलोइंग के रिस्पेक्ट में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा क्लोज नंबर ए बोलता है कि मोटर व्हीकल्स हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पैसेंजर्स अच्छा मोटर व्हीकल कौन से पैसेंजर वाले बेटा ट्रक खरीदी अपने मिलेगा बेटा लोडिंग व्हीकल परचेज किया है क्रेडिट मिलेगा मनानी क्या बेटा अच्छा सर मोटर व्हीकल्स अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू थर्टीन पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर क्लियर क्रेडिट नहीं मिलेगा क्लियर एक्सेप्ट है सर्विस थर्ड कार चला सिखा रहे हो बेटा क्लियर इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग द मोटर व्हीकल्स तो ऐसे कैसे क्रेडिट मिल जाएगा क्रेडिट तो मिल नहीं मिलेगा चलिए क्वेश्चन नंबर वन मेरा आपके लिए बेटा ध्यान बेटा एक क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आपने कोई मोटरसाइकिल परचेज किया जिसकी अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी कितनी बेटा थर्टीन परसेंट की थी एक्सक्लूडिंग ड्राइवर क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा सर हाँ गलती क्या होगी बेटा ये ड्राइवर इंक्लूडिंग था कि एक्सक्लूडिंग था यू ड्राइवर पर ध्यान ही नहीं किया थर्टीन तो याद है सर थर्टीन तो याद है अब वो इंक्लूडिंग ड्राइवर की एक्सक्लूडिंग ड्राइवर वो ड्राइवर पे कौन ध्यान देता है साहब सर दिस इज दी एफ आने एग्जाम क्वेश्चन बेटा यस एक्चुअली क्वेश्चन है सर दो टाइम पे आया हुआ है सर समझे सर ड्राइवर को घर छोड़ के मत आना बेटा इंक्लूडिंग ड्राइवर तो सर अगर एक्सक्लूडिंग ड्राइवर थर्टीन पैसेंजर मतलब फोर्टीन सीटिंग कैपेसिटी वाला व्हीकल हो गया क्रेडिट मिल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्लियर एक गलती तो यह होती है अब नहीं होगी सर सेकेंड सर 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 बाइक परचेस किया सर हुँ, 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 बताओ एक्टिवा परचेज किया हीरो बताओ <laughs> बताओ बाइक परचेज किया साहब क्रेडिट मिलेगा कि मिलेगा बहुत बार डाउट आता है सर ये बाइक ये एक्टिवा ये मोटरसाइकिल की डेफिनेशन में है कि नहीं आते सर हाँ है ना भाई ये मोटरसाइकिल की डेफिनेशन में तो देखा ही नहीं सर हमने कभी सर आते हैं बच्चों वहां पे मोटरसाइकिल इंक्लूड्स टू व्हीलर बेटा जिसमें मिनट एक मिनट एक मिन, जिसकी इंजन कैपेसिटी एक्सीडिंग ट्वेंटी फाइव सीसी बेटा कितना ट्वेंटी फाइव सीसी अगर इंजन कैपेसिटी है कितनी कितनी बेटा अगर इंजन कैपेसिटी है क्लियर

नहीं मिलेगा कह देना बस कह दिया अब भले वो बिजनेस के लिए रहा है सर मान लो क्वेश्चन इमोशनल करेगा आपको कैसा मैं एक कुरियर कंपनी बेटा कौन बेटा मैं कुरियर कंपनी और आज आप देखते हो ई e कॉमर्स इतना चल रहा है साहब कुरियर कंपनीज क्या करती है बेटा सर ऑनलाइन जो पार्सल की डिलीवरी करती है वहाँ डिलीवरी बॉय क्या करता है बेटा पीछे बड़ा बहुत बड़ा बेग लगाता है बेटा और बाइक पर ही पार्सल का डिलीवरी करता है बेटा अब मैं कुरियर कंपनी बेटा नया बिजनेस चालू किया पचास बाइक मैंने परचेज करी किसके लिए सर पार्सल की डिलीवरी करने के लिए मेरे बिजनेस के लिए काम आएगा और उसके अलावा सबसे सब ज्यादा काम भी हो तो। जाता क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा सर नहीं मिलेगा कह दिया ना बस कह दिया क्लियर दिमाग खराब करना ही मत बचो आप नॉट विन सिक्सटीन वन और एन वन मतलब दिल दुख भी रहो ना बेटा तो पत्थर के बोलना नहीं मिलेगा क्रेडिट बेटा बात खत्म बेटा क्लियर समझे मेरी बात आवाज नहीं आ रही हो क्लियर अब सर ट्वेंटी बहुत सारे बच्चों ने दिखाई नहीं सर दिस वॉज द एग्जाम क्वेश्चन ऑफ लास्ट अटेम्प्ट बेटा सी ए फाइनल एग्जाम में आया हुआ है क्लियर बी सी का बाइक था बेटा ट्वेंटी सीसी मान लो क्रेडिट मिलेगा ना मिलेगा मिलेगा क्योंकि वो की डेफिनेशन में नहीं आ रहा दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फाइनल बेटा नवंबर क्लियर समझाए मेरी बात अच्छा सर ये था हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं सीसी तो हमने देखा ही नहीं क्लियर ध्यान दीजिएगा बच्चे ओके ओके सरकार सरकार एक बात लास्ट क्वेश्चन और पूछ ली सर आपसे मान लो सर गोवा मैं कह रहा तो कहू बेटा गोवा माहौल जबरदस्त शानदार सरकार गोवा मेरा बिजनेस बेटा किसका किसका ड्रग्स का जो आदमी जैसा होता है ना वैसे सोचता बेटा आदमी सर <laughs> मतलब इंस्टेंट जवाब ड्रग्स का बिजनेस मतलब आप मेरे को देख के लगता है कि आपको बेटा सर हाँ कौन बोला ओए सर <laughs> सरकार मेरा पॉइंट आपसे ये है कि मान लो मान लो सर मैं रेंटिंग ऑफ मोटरसाइकिल का बिजनेस करता हूं वहाँ पे मतलब बाइक रेंट पे देता हूं बेटा कार रेंट पे प्रोवाइड करता हूं सर उसके लिए मैंने बाइक परचेस करी कार परचेस करी बताओ क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा सर मिलेगा क्योंकि फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर एंड सप्लाई इंक्लूड्स सेल एक्सचेंज वाटर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल इसलिए रेंटिंग मोटर वाइकल के लिए बाइक परचेज करी क्रेडिट मिल जाएगा कार करी क्रेडिट मिल जाएगा हा ना भाई अच्छा मैंने अपने एम्प्लॉज के लाने लेने के लिए 35 फाइव सीटिंग कैपेसिटी वाली बस परचेस करी क्रेडिट मिलेगा कोई दिक्कत नहीं कोई ट्रक परचेज करी क्रेडिट मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं बच्चों हाई ना भाई चलिए सर क्लोज मोटर बोलता है क्या वेसल और एयरक्राफ्ट वेसल और इसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा पर अगर सर फॉलोइंग टेक्सटाइल सप्लाई काम है तो क्रेडिट मिल जाएगा फर्स्ट क्या है सर फर्दर सप्लाई मोटर या एयरक्राफ्ट बेटा सेकंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस थर्ड इंपॉर्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट और इम्पोर्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग द वेसल क्लियर और एक और अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स लेकर आपने परचेज किया वेसलिया एयरक्राफ्ट तो क्रेडिट मिल जाएगा बच्चों ना बेटा अपने इनपुट आउटपुट लाने लेने के लिए आपने कोई एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्टचेज किया क्रेडिट मिल जाएगा बच्चों हा मालिक डन अच्छा सुन अगर कार का क्रेडिट नहीं मिलता मतलब मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलता है एयरक्राफ्ट का क्रेडिट नहीं मिलता तो उसको अगर आपने रेंट पे लिया है तो रेंट का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा सर मोटर व्हीकल वैसल एयरक्राफ्ट का क्रेडिट अगर आपको नहीं मिलता तो वही मोटर व्हीकल वैसल एयरक्राफ्ट ने रेंट पे लिया लीज पे लिया लाइसेंस पे लिया सर हायरिंग पे लिया उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा सेकेंड थिंग जब कार का ही क्रेडिट नहीं मिलता है अब कार का आपने सर्विसिंग कराया उसका इंश्योरेंस कराया उस पर जो जीएसटी पे गया उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा तो मोटर व्हीकल वैसल एयरक्राफ्ट

सर जनरल इंश्योरेंस इंश्य बेटा आप देखना कार खरीदे तो इंश्योर हो क्या बेटा आजकल क्लियर तो ऐसे में आपको क्रेडिट मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं बेटा सेकंड थिंग सर अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो बेटा साहब अब इंश्योरेंस कंपनी को मेन काम क्या बेटा सर कोई कार का एक्सीडेंट हो गया तो इसका इंश्योरेंस क्लेम बेटा क्लियर तो सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस या जनरल इंश्योरेंस सर्विस मतलब री इंश्योरेंस की सर्विस उन्होंने तो वरना किसी को भी क्रेडिट नहीं मिलता है ना भाई क्लियर डन ये क्लोज नंबर ए डबल ए और ए बी था बेटा आपका

बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग इधर ध्यान मान लो मान लो मान लो हमने कोई बिजनेस मीटिंग रखी सर हमारे जितने भी डीलर्स थे जितने भी एजेंट सबको बुलाया और उसके लिए हमने खाना भी अरेज कराया फिर भी एक रुपया भी क्रेडिट नहीं मिलेगा कह दिया ना बस कह दिया हैश टेग या हस्बेंड बेटा केस में भी बेटा क्लियर सर सरकार पॉइंट मेरा आपसे ये फूड एंड बेवरेजेस क्या बोला सर फूड एंड बेवरेजेस आउटडोर कैटरिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट हेल्थ सर्विसेज कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज हायरिंग रेंटिंग और लीजिंग ऑफ मोटर वेसल एयरक्राफ्ट सर्विसेज बेटा क्लियर और लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द द्लॉज बेटा एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा पर अगर सेम कैटेगरी ऑफ इनवर्ट सप्लाई टू तो प्रवर्थ द सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई तो क्रेडिट मिल जाएगा है हाँ ना भाई आउटडोर कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिला मान लो क्या नाम सर दर्शन मान लो आपकी शादी है बेटा क्लियर मैं कह रहा हूं इमेजिन करके भी खुश होना चाहिए बेटा कई बार सर <laughs> सर आपकी शादी में खाने का कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिला आउटडोर कैटरिंग का बेटा मैं कहीं बाहर था मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट आपको आउटसोर्स कर दिया बेटा तो आउटडोर कैटरिंग सर्विस देने के लिए मैंने आउटडोर कैटरिंग सर्विस ली तो मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा बेटा हाँ है ना भाई क्लियर फूड एंड बेवरेजेस मैंने परचेज किया मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा पर आपको ये क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा हाँ ना बेटा भले आपके बिजनेस के लिए था बेटा तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा शादी के लिए तो मिलता ही नहीं बेटा वैसे भी बिजनेस के लिए तो भी नहीं मिलता बेटा हा है ना भाई क्लियर सर एक मिनट और इसी में सेकंड पॉइंट क्या है मेंबरशिप ऑफ अ क्लब हेल्थ और फिटनेस सेंटर बेटा मेंबरशिप ऑफ अ क्लब हेल्थ और फिटनेस सेंटर क्रेडिट नहीं मिलेगा क्लियर मैंने अपने एम्प्लॉज को तलवर सर की मेंबरशिप दिलवाई किसी जिमने जिम की मेंबरशिप दिलवाई क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप दिलाई दी सर जो जीएसटी पे गया एक रुपये का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा पर मान लो मैं अपने बिजनेस का ट्रेड एसोसिएशन जो है बेटा

का बिल है चार लाख रुपए का पता नहीं चार दिन में क्या क्या चारा बेटा सर उससे कोई मतलब नहीं है उस उसमें जो जीएसटी पे किया, एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा पर यही अगर आप बिजनेस ले गए होते वहां बेटा क्लियर जैसे हमने इंडिया टूर किया बेटा हा है ना फ्लाइट जो भी था उसका जीएसटी हमको क्रेडिट मिल जाएगा बच्चों होटल में स्टे किया तो दूसरे स्टेट में किया तो होटल का क्रेडिट तो वैसे भी नहीं मिलता बेटा हाँ ना भाई क्लियर पर अगर टूर ऑपरेटर की सर्विस लिए फॉर बिजनेस परपज क्रेडिट अगर एलिजिबल तो आप क्रेडिट ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं पर अगर

हेल्थ के लिए बड़े से बेटा जो लेबर काम करती है उसके लिए गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आपको जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उनके सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा उसके लिए मैंने प्रीमियम पे किया उस उसमें जीएसटी का क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा हाँ है ना भाई क्लियर मान लो हमारी सी एफ एम है बेटा क्या है साहब सी एफ एम है वहां जितने भी आर्टिकल्स रजिस्टर्ड है बेटा वहां जितने भी एम्प्लॉय हमारे काम करते हैं वहां पे सर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया कि इन पे काम का इतना प्रेशर होता है कि इनको साल में चार दिन के लिए आपको गोवा भेजना ही पड़ेगा बेटा सर कितनी खुशी मिल रही थे। देखो थे। सर और उसके लिए मैंने अगर सारे आर्टिकल्स को गोवा भेज दिया बेटा चार दिन के लिए बेटा है हाँ ना भाई वही ऑडिट करके आ बेटा किसकी पता नहीं क्या, है, क्या है। सर अब पॉइंट मेरा आपसे ये कि ऐसे केस में जो जो मैंने एक्सपेंस पे पे किया उस पे जो पे किया उस जीएसटी क्रेडिट मिल जाएगा अगर किसी लोन ऑब्लिकेटेड किया तो पर अगर क्वेश्चन आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे तो समझ समझना नॉर्मल कोर्स में इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा ना भाई क्लियर डन फिर क्लोज में सीओ रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन सर दिमाग खराब हो जाएगा मत सुनना बात को बात से क्लोज में सीओ डी हम पढ़ाते हैं रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन सुना बच्चा ध्यान से एक बार कंस्ट्रक्शन पूरा कनेक्ट करते हुए बढ़ा दूंगा आपको एक बार में जैसे मैंने बताया याद है बेटा वैसे इसकी कहानी पूरी देता हूं कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी बेटा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते कहाँ पे कंस्ट्रक्शन सर्विस में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिट कम मिलेगा कम नहीं मिलेगा दिमाग खराब हो जाता है बेटा पास्ट मिनट लगेंगे दिमाग खराब सुना <laughs> दिमाग खराब कभी नहीं होगा बेटा अब ठीक है मान लो चलिए सर मस्त एग्जाम्पल दू आपको एक <coughs> अंधेरी में मेरा एक लैंड है बेटा कहा अंधेरी अंधेरा नहीं बेटा अंधेरे में नहीं सर अंधेरी में मेरा एक लैंड है हूं तो कर लो कम से कम सर क्या नाम सौरभ सौरभ भाई को मैंने बोला ये मेरा लैंड है बिल्डिंग बनाओ मंगल टावर्स सो फ्लोर का बिल्डिंग है सौ फ्लैट है उसके अंदर सर हर फ्लोर पे एक फ्लैट काम दे दिया ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा है बेटा जिसमें मटेरियल भी इसका है लेबर भी इसका है ये सर्विस कौन सी बेटा दिस इज अक्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बेटा हाँ ना भाई चलिए एक मिनट रुकी गया बेटा एक और सिंपल सा छोटा एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा सेकंड में मान लो सर सर ये क्या है शर्ट मैं किसी टेलर के पास गया बेटा कहा गया टेलर के पास उसको मैंने कपड़ा दिया उसको बोला मेरे लिए शर्ट बनाना है उसने मेरा मेजरमेंट लिया बेटा है ना और शर्ट बना ऐसे ऐसे नहीं किया मैंने पूरा ठीक है सर <laughs> मैं कह रहा हूं जैसा आदमी वैसे सोच बेटा सर <laughs> मैंने ऐसे सर। सर। <laughs> सर। <laughs> सरकार पॉइंट मेरा आपसे ये कि उसने मेजरमेंट लिया और शर्ट स्टिच किया बेटा उसने मेरे से रुपीज फाइन हंड्रेड फॉर द शर्ट अच्छा ये कपड़ा मेरा था बाकी इसमें जो बटन लगा है इसमें जो धागे लगे होंगे बेटा स्टिचिंग के लिए सर वो सब तो उसी के बेटा तो मटेरियल भी उसका है कुछ और लेबर भी उसकी बेटा ये क्या अगेन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज इन रेस्पेक्ट ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अगर मूवेबल है बेटा तो वो क्या होगा रिपेयरिंग सर्विस होगी जॉब वर्क सर्विस होगी सप्लाई सर्विस है बेटा है हाँ ना भाई ठीक सर कई बार क्या जल्दबाजी में हम वर्क काउंटर बोलते थे तो अब आपको ध्यान रहेगा बेटा ओके सर कई सारी मिस्टेक्स क्या होती बेटा जब आपको लगेगा अरे ये तो बहुत सीली मिस्टेक थी सर पर क्या होता है एग्जामिनेशन के अंदर अपना दिमाग इतना कम नहीं करता सर वहां पे क्लियर वहां पे क्या होता है हम इतने प्रेशर में होते हैं कई बार कि जो हमको बहुत नॉर्मल अभी लग रहा है वहां पे लगता है यार ये तो पढ़ा ही नहीं कभी अपन ने क्लियर ऐसा लगता है कई बार इसलिए आपको छोटी छोटी चीजों को भी यहां ध्यान देना है ओके okay, सरकार ध्यान देना लास्ट में सर सर मेरा पॉइंट आपसे ये है मान लो बहुत अच्छा क्या बेटा मान के आपने कि अगर सरकार मान लो मैंने आपसे बिल्डिंग बनवाई मटेरियल भी आपका लेबर भी आपका सर लैंड मेरी थी सर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया बेटा दिस सर्विस इज कॉल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस डाउट लास्ट में सर लास्ट में देखना हाँ, 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 बहुत अच्छा बेटा देखो बिल्डिंग बन रही बेटा उधर भी सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि सरकार अब मिस्टर सौरभ भी कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं बेटा बड़ा कॉन्ट्रेक्टर बेटा सौ सौ करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है सर इसने क्या किया आगे काम सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सर क्या नाम आशीष आशीष भाई को कॉन्ट्रेक्ट किया हमारा सौरभ भाई ने कि यहां बिल्डिंग बनानी नाम क्या है मंगल टावर मटल भी तेरा लेबर भी तेरा पैसा बोल क्लियर इस्तेमाल एटी करोड़ बोला डन बिल्डिंग बिल्डिंग आपको बनानी मटल प्लस लेबर का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया अब अस्सी करोड़ की सर्विस आप दे रहे हो किसको सौरभ को ये क्या आवाज नहीं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है बच्चों हा सर क्लियर ओके अब सौरभ भाई ने क्या किया सॉरी आशीष भाई ने क्या किया बेटा आगे दस दस छोटे पेटी कॉन्ट्रेक्टर से बात करी कि आपको बिल्डिंग बनानी है ये आपको बिल्डिंग का ये वाला पार्ट बनाना आपको ये वाला काम करना 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 सब दस जनों को काम बांट दिया इसने बेटा और उनको बोल दिया क्या ये बिल्डिंग बनाओ और जो मटेरियल चाहिए मेरे को बोल देना मैं ले आशीष भाई ने क्या किया सर क्या नाम ऋषभ भाई रुशब भाई द बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर कौन है सर ये बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर क्या सप्लाई करते बेटा बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट स्टील आयरन जो भी चाहिए सब सप्लाई कर देगा बेटा ये क्लियर अब सर सुनना दस जो पेटी कॉन्ट्रेक्टर थे जिन्होंने

वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सर हमारे सौरभ भाई ने मंगल को सर्विस कौन सी थी बेटा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बेटा हाय ना भाई आवाज ओए क्लियर अच्छा सुनना सुनना जल्दी मत करना बेटा अब सर हमारे आशीष भाई ने दस पेटी कॉन्ट्रैक्टर से जब कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूल की सर्विस ली होगी उन्होंने जीएसटी चार्ज किया होगा बेटा हूं करो रे अब इसके अस्सी करोड़ पे जीएसटी लग रहा है और मान लो सब कॉन्ट्रेक्टर जो थे बेटा वो दस पेटी कॉन्ट्रेक्टर उन्होंने सब मिला के फोर्टी फोर्टी करोड़ का बिल लिखा बेटा तो फोर्टी करोड़ पे जीएसट का बिल दिया इसको इसके अस्सी करोड़ पे जीएसटी लग रहा बताओ क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा सर आवाज आ रही हो क्रेडिट मिल जाएगा अच्छा सप्लाई ऑफ गुड्स थर्टी करोड़ रुपये बेटा याद आया है बेटा अरे ऋषभ भाई ने बिल आ, सर बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई किया था 30 करोड़ का मान लो इसका बिल था बेटा सब मिला के तीस करोड़ पे इसने जीएसटी लगाया इसके 80 करोड़ पे जीएसट लग रहा है बताओ दस का क्रेडिट क्यों मिला याद आ रहेगा बेटा आपको बताओ क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा सर आवाज आ रही हो मिलेगा मतलब हमारे आशीष भाई ने कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूल प्रॉपर्टी की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या वक्स कॉन्ट्रेक्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कंस्ट्रक्शन सर्विस ली या कोई भी गुड्स कोई भी सर्विस ली विच आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूल प्रॉपर्टी इसको क्रेडिट मिलेगा हा भाई आवाज नहीं आ रही सर आशीष भाई ने एटी करोड़ का बिल लिखा उस पर जीएसटी लगाया होगा हमारे सौरभ भाई को बेटा हा भाई सर सौरभ भाई वर्क कॉन्ट्रेक्ट की सर्विस दे रहे मिस्टर मंगल को बेटा सौ करोड़ की आउटवर्ड सप्लाई देने के लिए इसने अस्सी करोड़ का इनवर्ट सप्लाई लिया सो करोड़ पे जीएसटी लगेगा उसके लिए इसने अस्सी करोड़ की इन्वर्ट सप्लाई ली उस पर जीएसटी पे, पे किया बताओ अस्सी करोड़ की वर्क कॉन्ट्रेक्ट सर्विस ली टू टू कंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी और इसने आगे फर्दर वर्क्रक्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सर्विस है बताओ इसको क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर आवाज आ रही यारी क्रेडिट मिलेगा को डाउट इसमें बेटा क्लियर अब सो करोड़ का बिल लिखा किसने सौरभ भाई ने किसको मंगल को मंगल ने क्या बनाया बेटा बिल्डिंग कितने फ्लोर की बेटा सौ फ्लोर की उसमें फैक्ट्री है वर्स सर, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली या कंस्ट्रक्शन ऑफ इम की सर्विसेज ली या सीमेंट स्टील परचेस किया एक रुपए का भी क्रेडिट मंगल को नहीं मिलेगा <coughs> भले ही वो मंगल उस बिल्डिंग को काम ले रहा है ऑफिस एज अ फैक्ट्री एज अ होटल चलो जाना बेटा इस पर कोई जजमेंट चल रहा है बेटा मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है बेटा उससे मेरे को भी मतलब नहीं आपके एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे क्लियर सर जो अभी प्रोविजन आपके लिए अपलीकेबल उसकी बात कर रहा हूं जो के, जो केसेस कोर्ट में चल रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा बेटा आपसे क्लियर सरकार मंगल ने वो सो फ्लोर की बिल्डिंग यूज करी एज ए होटल मंगल ने सो फ्लोर की बिल्डिंग यूज करी एज अ फैक्ट्री एज अ ऑफिस

ऐसा कहने से वाइफ खुश रहती थी बेटा सर नहीं आज आपकी बात बहुत लॉजिकल है सर तो आज ही लॉजिकल थी क्या मैं रोज लॉजिकल होती मैं समझ नहीं पाता हूँ कई बार सर ऐसा बोलना पड़ता है सर अब पॉइंट ये है कि सरकार लॉजिक क्या इसके पीछे का मान लो अच्छा से नहीं मान रहा मान लो माल मैंने वो जो बिल्डिंग बनवाई थी आपसे किसके लिए बनवाई थी बेटा फैक्ट्री मान लो कल को फैक्ट्री बंद कर देता हूं या वो मेरी क्लासेस थी बेटा कल को क्लासेस बंद कर दी तो बिल्डिंग तोड़ दूंगा ना बेटा बिल्डिंग तोड़ दूंगा ना बेटा वो बिल्डिंग बनाई किस बेटा फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री बंद तो बिल्डिंग बंद बिल्डिंग तोड़ दूंगा दूंगा ना मैं। बना दूँगा ना बेटा बेटा मैं बना तो क्या करूंगा बिल्डिंग बेचूंगा बेटा मैं जब मैं बिल्डिंग बेचूंगा दैट इज सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा इस लॉजिक से गवर्नमेंट बोल दिया क्या उस बिल्डिंग अल्टीमेटली जो बिल्डिंग बननी बनने आप फैक्ट्री तरह यूज करो ऑफिस तरफ यूज करो पर अल्टीमेटली दैट इज इमोर प्रॉपर्टी सर कल को आप ऑफिस बंद भी कर दो कुछ भी कर दो वो जो प्रॉपर्टी बेचोगे दैट इज योर इमोल उस उसमें कोई जीएसटी लगेगा नहीं तो उसके कंस्ट्रक्शन में जो भी गुड्स और ऑफिस का भी क्रेडिट नहीं देंगे हाँ ये ना आवाज नहीं आ रही हुई पका डन पॉइंट खत्म होता है अब कोई डाउट अच्छा मान लो वो सो फ्लोर की बिल्डिंग थी ना बेटा उसमें से मैंने सो फ्लैट बुक कर दिए थे बेटा फ्लैट में मैं रहकर करूंगा क्या बेटा कृष्ण भगवान तो है नहीं बेटा सर मैंने उसमें से सर फ्लैट बुक करना चालू कर दिया बेटा अब पॉइंट मेरा आपसे ये है कि आउट ऑफ हंड्रेड फ्लैट सेवेंटी फ्लैट बुक हो गए अंडर कंस्ट्रक्शन थर्टी फ्लैट बुक नहीं हुई मैंने तो सेवनटी फ्लैट जो बुक हो गए है अरे कितने फ्लैट बुक हो गए सर सेवनटी वो सप्लाई सर्विस किसको को बेटा और उसमें से एक फ्लैट बुक किया मैंने किसके लिए आलिया भट्ट के लिए एक कैटरीना कैफ के लिए एक जानवी कपूर के लिए बेटा है हाँ ना भाई क्लियर और देखो बड़ा डिमांड आ रही बेटा फ्लैट्स की सर <laughs> पॉइंट ये कि सर पॉइंटी फ्लैट बुक हो गए अंडर कंस्ट्रक्शन तो सेवनटी फ्लेट का सप्लाई सर्विस थर्टी फ्लैट बुक नहीं हुए बाद में जब बेचूंगा तो सेल ऑफ इमूल बोडी होगा बेटा हा है ना भाई थर्टी फ्लैट पे जीएसटी नहीं लगेगा सेवनटी फ्लैट पे जीएसटी लगेगा बेटा हा है ना भाई अब मैंने सो करोड़ की सर्विसेज ली मिस्टर सौरभ से सो करोड़ पे इसने जीएसटी चार्ज किया पर मेरे सेवेंटी परसेंट पर जीएसट लर्टी परसेंट पे जीएसटी नहीं लग रहा तो रूल फोर्टी थ्री याद आएगा बेटा आपको मेरे को क्रेडिट मिलेगा क्रेडिट नहीं मिलेगा कितना प्रोपोर्शन मिलेगा बेटा सेवेंटी परसेंट मिलेगा पर वो प्रोपोर्शन करते कैसे वो आपके सिलेबस में नहीं आता बच्चों हाँ ना बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोल ब्यूटी रिलेटेड सर ये क्या कोई एक साल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता बेटा ये सालों साल चलता बेटा बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी अलग तरीके पर आपके सिलेबस में नहीं आती पर मैंने फंडा आपको समझा दिया वो समझ में आया कि नहीं आया सर आपको आवाज नहीं आ रही हो तो सर ये क्लोज मैं सी और डी सर ये मैंने पूरा लिंक करके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड समझा दिया आपको आई होप समझ में आया बच्चों आपको आई होप कॉन्ट्रैक्ट जॉब वर्क आई होप कंस्ट्रक्शन इन तीनों में फर्क समझ में आया बच्चों को हाँ ना सर अच्छा एक बात और वो सी में वो सर सेवेंटी फ्लैट मैंने बुक किया बच्चों से एक फ्लैट बुक किया था किसके लिए आलिया भट्ट के लिए एक, जक, एक के लिए एक जानवी कपूर के लिए और पता नहीं जो जो अच्छा लगे आपको बुक कर देना बेटा कोई दिक्कत नहीं है पैसे देना बेटा दो दो करोड़ बेटा ओके सर यार मैंने फ्लैट नंबर 420 बुक किया कैटरीना कैफ के लिए बेटा सर उसने बोला यश मेरे को चार सौ बीस नंबर अच्छा लगता है मैंने कहा तेरे फ्लैट बस फ्लैट नंबर चार सो बीस तीन करोड़ रुपए घर पहुंचा देना क्लियर ओके अब सर मान लो मैंने फ्लैट नंबर चार सौ बीस बुक किया कटरीना कैफ के लिए ये जो फ्लैट बुक किया ये सप्लाई ऑफ सर्विस है इसमें गो डाउट आवाज नहीं आ रही सर ये वर्क कॉन्ट्रेक्टर की कंस्ट्रक्शन सर्विस है सर सर आप मुझे बताओ ओ भाई आप मुझे बताओ सर कैटिना केफ ने मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्या कि मंगल ये मेरी लैंड है बिल्डिंग बना मैंने कहा बिल्डिंग बन रही है फ्लैट बुक कराना था, कराना था, तो कोई बात नहीं चल है हाँ ना भाई वहां लैंड भी मेरी थी लेबर भी, भी मेरा था और मटेरियल भी मेरा था बेटा क्लियर सर उसकी लैंड पे मटेरियल प्लस लेबर वाला काम नहीं करा था मैं बेटा तो दिस इज

एनआरटीपी को बोल दिया क्या कोई गुड्स कोई सर्विस का क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट जो गुड्स इंपोर्ट किया जाए जाएगा बाकी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा पर कैजुअल टैक्स पर्सन को कोई मना नहीं किया बेटा वो तो इंडिया का आदमी ना यार दूसरे स्टेट से आया हुआ है बेटा ये तो आउट ऑफ इंडिया से आके इंडिया में तो मजा रहता है बेटा इसलिए इनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराया एडवांस में टैक्स पे करवाया टैक्स का बेटा हाँ है ना भाई और इनको तुम्हें क्रेडिट भी नहीं मिलेगा ठीक है सर ओके सर नेक्स्ट क्या है सेवेंटी फाइव एच एनी सर गुड्स विच आर लॉस्ट डेस्ट्रोय स्टोलन सर या रिटर्न ऑफ और डिस्पोज ऑफ बाय गिफ्ट और फ्री सैंपल एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलता जो बात हम ऑलरेडी कर चुके बेटा क्लियर एंड लास्ट बोलता है क्या सर क्लोज नंबर आई एनी टैक्स विच इज पेड इन पर्सन ऑफ सेक्शन नंबर सेवेंटी फोर वन टू नाइन और वन थर्टी एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा एक मिनट सेवेंटी फोर वन टू नाइन वन थर्टी के पर्सन में टैक्स पे किया उसका क्रेडिट नहीं मिलता उसका मतलब क्या सर मान लो ब्रेक चाहिए आपको बेटा ब्रेक की जरूरत लग रही है बेटा आपको अच्छे से आवाज नहीं कुछ लोग ऐसा खुल के बात करो सर मेरे से कोई दिक्कत नहीं है अपना अच्छा ये क्लास किसके लिए हो रही है बेटा आपके लिए हो रही है बेटा जो आपको कंफर्टेबल हो वो करेंगे सर ब्रेक चाहिए आपको बेटा नहीं दे रहा सुनो ध्यान से सर पॉइंट ये सर सर अच्छा चलिए ब्रेक सही में चाहिए आपको बेटा नहीं दे रहा सही में पॉइंट मेरा आपसे सेवेंटी फोर वन टू नाइन और वन थर्टी बस दो मिनट दो मिनट दो मिनट दो मिनट उसका दूसरा पॉइंट आएगा बेटा पॉइंट ये मेरा आपसे कि सर। सर, सर 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 सुना 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 सरकार मान लो सर सर क्या नाम करण करण ना सर करण सप्लायर है मंगल रेसिपेंट बेटा हूं कर रहे टेक्स्ट चोरी में नंबर वन क्लियर और सेम हालत ए, ए सर सेम था अपनी भी बेटा सर मैंने इसे कोई गुड्स परचेज किया सर मैंने इसको बोला टैक्स चोरी कर लेगा क्या बोले आह पहली बार मेरे साथ नहीं मिलाया सर सर वर डन पर इसने क्या बोला कंडीशन की बेटा कि कल को अगर पकड़ में आ गया गवर्नमेंट ने पकड़ लिया तो डंडे तो मैं खा लूंगा हो गई दिक्कत नहीं है पर जो टैक्स लगा है वो तेरे को देना पड़ेगा मैंने कहा ठीक है सर अगर गवर्नमेंट पकड़ ले तेरे को तो जो टैक्स तू पे करेगा उसका डेबिट नोट रेस कर देना મે તે કો દે દું હવે મેન બેટા હા એના બેટા ક્લિયર આપણે ચોરી કરી લી બેટા ગવર્નર ને પકડી લે બેટા ડંડે ખકે બહાર આયા બેટા ક્લિયર ਇਸ દ્વારા બહુત લાગી જ આપકો દેખ રે મેન કા ડેબિટ નોટ દે ભરાવટ ડેબિટ નોટ દે દિયા બેટા اسને મેરકો ઉસ ડેબિટ નોટ કે બેસ પે મેરકો ક્રેડિટ નહીં મિલેગા ક્લિયર ઓ દેના ટેક્સ ઇનવોઇસ ચેપ્ટર મે લખાયે આસા કે એની ટેક્સ વિચ ઇઝ પેડ ઇન પર્સન્સ ઓફ સેક્શન નંબર 74 129 ઓર 130 129 યાદ હે બેટા રાસ્તમે ઇવીબી લોના ચાહીએ બેટા આપકે પાસ नहीं था पकड़ ले बेटा 74 फोर फ्रॉड वाला केस है याद है बेटा सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर शो को बेटा 73, 73 मिस्टेक वाला केस है 74 फ्रॉड वाला केस है बेटा याद आया फ्रॉड किया इसने सर और डेबिट नोट रेस करके कस्टमर से टैक्स लिया तो उस डेबिट नोट के बेस में कस्टमर को क्रेडिट नहीं मिलता और टैक्स इन्वेस्ट चैप्टर में लिखा हुआ है कि जब आप वो डेबिट नोट रेस करोगे उसके ऊपर लिखोगे टॉप पे बेटा कि आई इज नॉट अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेबिट नोट वन आप सोचो आप मेरे यहाँ ऑडिट करने आया बेटा आपको क्या पता पड़ेगा कि वो डेबिट नोट फ्रॉड वाला था बेटा है हाँ ना इसलिए उस डेबिट नोट के ऊपर लिखना पड़ता है क्या और उस डेबिट नोट के बेस रेसिपिएंट को नहीं मिलेगा भारत माता की जय ये पूरा खत्म होता है अब बेटा? क्या परचेज किया भाई आपने कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स के परचेज पे आपने जीएसटी पे किया देखो हूं थोड़ी कम हो गई बेटा सर कैपिटल गुड्स के परचेज में आपने जीएसटी पे किया उसका अपना आईटीसी लिया और कुछ टाइम बाद आपने कैपिटल गुड्स को बेच दिया तो याद है सेक्शन नंबर एटीन सब सेक्शन सिक्स क्या बोलता है सर उस कितना टैक्स पे करना पड़ेगा वो कैपिटल गुड्स अब परचेज किया था आपने बेटा उस पर कितना आपने क्रेडिट लिया था माइनस फाइव पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करेंगे रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा वो या फिर

वहा पांच परसेंट पर क्वार्टर लेस करेंगे तो बहुत कम लेगा पूरा क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा बेटा इसलिए वहां बोल दिया क्या? अगर आपने इनको एज ए स्क्रैप बेचा है तो डायरेक्ट उनके ट्रांजेक्शन जीएसटी बनता है, उतना करना है भारत माता की जय क्लियर डन सरकारी था सेक्शन 18 सब सेक्शन सिक्स अब सुनना बात को ध्यान से बड़ा शानदार पॉइंट शुरू हो रहा है बेटा मान लो एक मस्त पॉइंट पढ़ूंगा आपको बेटा चलिए सर क्या ही है ये ब्रांड नेम मंगल वेरी गुड बेटा बहुत भारी बेटा सर ध्यान देना बच्चा अच्छे से मस्त करने करूंगा दिमाग खराब हो जाएगा बेटा सर मान लो मार्कर पे जीएसटी क्या है एग्जेमट है मेरा अच्छा मार्कर एक एग्जाम्पल है सर ये आउटपुट गुड्स आउटुट आउटपुट सर्विस है सबके लिए प्रोविजन सेम बेटा क्लियर मेरा आउटपुट गुड्स आउटपुट सर्विस क्या है बेटा एग्जेम्ट है नॉन टैक्सेबल अल्टीमेटली टैक्स पे नहीं करना अब मुझे बताओ इसको बनाने के लिए मैंने जो भी इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेज किए क्या कोई क्रेडिट मिलेगा बेटा क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा बात खत्म बेटा क्लियर पर एक दिन अचानक एग्जेमेशन विड्रो हो गया नाउ माई गुड्स और सर्विस बिकेम टैक्सेबल तो सर आज के बाद ये जब ये सप्लाई करूंगा तो मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा बेटा क्लियर तो जब भी इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेज किया उसका आईटीसी भी मेरे को मिलेगा पर सर मैं जो ऑलरेडी परचेज कर चुका हूं इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस उसका क्या होगा साहब तो सर मान लो एक्सिमिशन विड्रो हुआ था कब बेटा 14 फेब को बेटा कब हुआ था, था विड्रो 14 फेब से दिस गुड्स बिकेम टैक्सेबल क्लियर तो 13 फेब को जो क्लोजिंग स्टॉक था इनपुट का बेटा क्या बोला सर इनपुट्स का जो क्लोजिंग स्टॉक था थार्टीन फरवरी तो को क्लियर भले वो आपको बेटा सर आईटीसी में आईटीसी मिल जाएगा प्लस जो भी कैपिटल गुड स्टॉक में थर्टीन फाइव को क्लोजिंग स्टॉक बेटा उनका भी क्रेडिट मिल जाएगा पर से क्या बोला जो आपने जीएसटी पे किया था माइनस फाइव परसेंट पर क्वार्टर पार्ट ऑफ क्वार्टर लेस करेंगे रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आईटीसी मिलेगा पर

सर चीजें अगर समझ में आएगी यू ऑल आर इन टू सी ए फाइनल्स सर आपका माइंड इतना मैच्योर्ड है मैं गारंटी से कह रहा हूं गिवन आइडियल सिचुएशन और आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए मैं गारंटी से कह रहा हूं आप जो जवाब देंगे वही बुक में लिखा होगा तो आप सोचे सही सर आप अपना दिमाग तो यूज करिए और आपने अगर आपकी ताकत यूज कर दी सर कोई आपको रोक नहीं पाएगा सर क्लियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये जो बात मैंने कही ना सर सर आप क्या करते हैं अपने आप से ज्यादा विश्वास किस पे रखते हैं बुक्स पे बेटा मैं कह रहा हूं पहले खुद पे भरोसा रखो फिर बुक देखो आप गारंटी सर क्लियर सोच देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए मैं कह रहा हूं नाइनटी नाइन परसेंट केस में तो आपके आंसर अपने आप सही हो जाएंगे सर बिकॉम कैसे पास होते बेटा हम लोग सर कोई बुक पे भरोसा नहीं सारा भरोसा खुद पे बेटा सर सेल्फ कॉन्फिडेंस सरकार कई सारे एग्जाम आप इसे क्लियर करते तो बस वो कॉन्फिडेंस आप यहाँ पे भी रखिए सर देखना कई सारी चीजें तो आपको जो नहीं आती वो भी आ जाएगी सर सर मेरा पॉइंट आपसे ये कि अब मेरे गुड्स क्या हो गए भाई टैक्सेबल अरे अब मेरे गुड्स क्या है टैक्सेबल टैक्सेबल है एंड इफ गुड्स आर तो सर अब जो भी इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेस करूंगा मेरे को सबका क्रेडिट मिल जाएगा हा है ना सर एक दिन अचानक मेरे गुड्स सर्विस बिकेम एग्जेक्ट अब तेरा क्या होगा नहीं नहीं काले नहीं ब्लैक ब्लू ब्लू बेटा सर ब्लू एंड व्हाइट बेटा और लिखते ना सर इसमें तो इसमें ब्लू निकलती है सर तेरा क्या होगा नीलिया सर <laughs> ओ सर पकाया मैंने बेटा तो ऐसा मेरा पकाना चालू हो जाता बेटा अगर आपकी आवाज धीरे आती तो बेटा क्लियर अब आप देख लो क्या करने का बेटा सर तो पॉइंट ये कि अगर मेरे गुड्स और सर्विस क्या हो गए एग्जेम्ड हो गए

कोई बात नहीं वापस बोल था बड़ा प्रोविजन रिविजन भी हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा सर सर मान लो देखो वो पकाने की अंदर से इच्छा चालू हो रही है बेटा सर मान लो ये <coughs> हुई ना बात सर मतलब आप सेल्फिश लोग बेटा सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि अगर असेसी कंपोजिशन स्कीम में है, है सर किसमें रजिस्टर्ड है सर कंपोजिशन इफ द असेसी हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम कंपोजिशन स्कीम मतलब वो केवल एक परसेंट टैक्स पे करा बेटा मैनुफेक्चर हो या ट्रेडर हो रेस्टोरेंट ऑडर ट्रेडिंग में पांच परसें बैठा सर और उसको आई भी चाहिए बेटा लूट ले काम कर क्लियर इसलिए बोल दिया तेरे को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा इसलिए बोल दिया क्या जो भी इनपुट इनपुट कुछ परसेंस क्या कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एक दिन अचानक बच्चा बड़ा हो गया मतलब ही ऑप्टेड आउट फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम रेगुलर स्कीम में आ गया तो ऐसा भी इनपुट स्टॉक में था क्रेडिट मिल जाएगा इनपुट सबरेडी परचेस रेगुलर स्कीम में, में बेटा जो भी नया परचे करेगा सबका क्रेडिट मिल जाएगा बच्चा वापस क्या हो गया छोटा हो गया, में आ गया। अच्छा कंपोजिशन में आना अच्छा, है बेटा आपको सर फर्स्ट अप्रैल से आ सकते हो बेटा आप मिड ऑफ द नहीं आ सकते हा ना भाई सर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो बेटा तो 31 फर्स्ट मार्च को आप डिसाइड कर लीजिए और अप्लाई कर कि मेरे को एक से दोपोजिशन बना आप कंपोज़िशन में आ गए बेटा तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में क्रेडिट रिवर्स जितना बेटा रिमेनिंग क्लियर डन ये पूरा खत्म होता है अब क्लियर समझे मेरी बात कंपोजिशन से बाहर आ गया है कंपोजिशन में आया तो क्या करने का वो बताया मैंने आपको आइए एक लास्ट बात कर लेते हैं अगर एस जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था किसी भी कारण से वो रजिस्टर्ड नहीं था मान लो वो जो गुड्स सप्लाई कर रहा है वो एक्सक्लूसिवली क्या है एग्जेम्ट बेटा और कोई सप्लाई करता ही नहीं बचा वो अल्टीमेटली वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है इफ द एसेसिस इफ द एसेसिस नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी तो जो भी परचेज किया कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि सिक्सटीन हमने पढ़ा हुआ बेटा

क्लियर है अब रजिस्टर्ड जो भी नया करेगा सबका क्रेडिट मिल जाएगा पर असि ने मान लो रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया कैंसिल कर दिया डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया कैंसिल कर दिया कुल मिलाकर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं रहा ही सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन बेटा तो ऐसे के सारे गुड्स से मान हैं उसने खुद ने खुद को सप्लाई कर दिया बेटा याद है बेटा आपको इसलिए सेक्शन ट्वेंटी नाइन सेक्शन फाइव और सिक्स में लिखा मैं यही पढ़ा रहा हूँ आपको और वहां लिखा है क्या सर जो अभी हमने पढ़ा क्या जितना भी इनपुट स्टॉक में है उनका जो क्रेडिट बनता है वो जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में उसमें जो लिया था डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग आई टी डिटी बन बेटा हाँ ना बेटा ये जो आईटीसी है वो या फिर एक्चुअल टैक्स पेबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू या ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स सोल्ड ये मानेंगे सारे गुड्स उसने खुद को ही सप्लाई कर दिया बेटा तो इनके ओपन मार्केट वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है वो विचवर इज हायर इतना पे करना पड़ता है बेटा और उसके बाद भी अगर आईटीसी टीसी बैलेंस बचे तो इट विल लैप्स भारत माता की जय ये पॉइंट खत्म है अब ये सेक्शन में, में कवर था बेटा अलोंग द रूल्स मैंने पढ़ा दिया बेटा समझ में आया कि नहीं आया बस एक पॉइंट और बाकी मजासी जीएसटी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया करवाया ना क्यों करवाया होशियारी अच्छा उस केस में इनपुट का मिलता बेटा हाँ ना भाई ठीक है रजिस्ट्रेशन करा क्यों कराया बेटा दो कारण दो मिनट बताऊंगा दो कारण बेटा दो कारण दो कारण फर्स्ट क्या हो सकता है वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था इसलिए रजिस्ट्रेशन कराया सेकेंड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया पहले कौन सा पढ़ा बेटा लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा ठीक है सर मान लो एस बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन फोर्टीन फरवरी बेटा उसने ऐसा कोई कारनामा किया कि फोर्टीन ही बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन

Clear? सुन। जल्दी मत करना। अगर फेब को था तो सर सबसे पहली बात ये। you are a person. थे, 14 तो ये, आप फेब 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 से से बेटा, बेटा, तो जो जो करेंगे लगेगा पर चिंता मत करो, का क्लोजिंग स्टॉक था कब सर उनका आपको आईटीसी मिल जाएगा जो लास्ट एक साल में परचेस किया वो भी इनपुट का मिल जाएगा बेटा है हाँ ना भाई कोई डाउट और सर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब मिला बेटा पांच मार्च को सर्टिफिकेट कब मिला बेटा पाँच मार्च को तो सर 14 फेब से लेकर 5 मार्च तक जो सप्लाई किया उन पे जीएसटी पे करना पड़ेगा पर सर तब तक आपने टैक्स इन्वेस्ट इश्यू नहीं किए होंगे आपने नॉर्मल इन्वेस्ट इश्यू किए होंगे बेटा तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उसके एक महीने के अंदर आप रिवाइज टैक्स इन्वेस्ट इश्यू कर सकते हो और रिवाइज टैक्स के बेस कस्टमर को क्रेडिट मिल जाएगा और उनका रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा बेटा आपको हा ना भाई अच्छा कितने महीने में एक महीने में यहां पे एक महीना है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तीस दिन का वक्त दिया बेटा ध्यान रखना

क्या आपने थर्टी डेज में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया क्या बेटा तो ऐसे केस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बी ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बेटा मतलब सात अप्रैल इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिल थाम के सुनना मजा आ जाएगा जिंदगी में आपको सर सर सेवेंथ अप्रैल इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अब क्या होगा दिल थाम के सुनेगा सर

सर लेवी वाला सेक्शन में लिखा है क्या सी जी एस टी विल बी लेविड ऑन इंटरस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सेप्ट दारू बेटा क्लियर ऑन दी सर एट एट द द रेट नोटिफाइड गवर्नमेंट ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड इट शेल बी पेबल पर्सन याद है बेटा uh, आपको सिंस यूर पर्सन आप जीएसटी लाइव डी आना चालू गई फोर्टी फेब से मतलब फोर्टीन फेब से छ अप्रैल तक जो आपने सप्लाई किया है उन पर जीएसटी पे करना पड़ेगा सर कोई डाउट कोई डाउट जल्दी नहीं आराम से एक एक बार फोर्टीन फेब से सिक्स अप्रैल तक जो सप्लाई गया उन सब पे जीएसटी पे करना पड़ेगा क्लियर खास बात उन गुड्स के परचेज पे अगर आपने कोई आईटीसी को कोई जीएसटी पे किया था जल्दी मत करना चलो एक उससे पहले एक बात और व्हाट इज योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा तो सर 6 अप्रैल को जो क्लोजिंग स्टॉक था इनपुट का कब उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा और वो भी 6 अप्रैल को जो क्लोजिंग स्टॉक में होगा उसका मिलेगा बेटा सात को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला आपको दैट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा सिक्स अप्रैल को जो क्लोजिंग स्टॉक था इनपुट का जो लास्ट एक साल में परचेज किए लास्ट ईयर की सेवेंथ अप्रैल से लेकर छह अप्रैल तक जो परचेज किए होंगे सर जो स्टॉक में है आपके पास इनपुट केवल उसका क्रेडिट मिल जाएगा बेटा हाँ ना भाई इसका मीनिंग क्या बेटा सर मतलब फोर्टीन फेब से लेकर छे अप्रैल तक जो गुड आप बेच चुके हो बेटा एसी का शुरू था सो पीरियड में चौदह फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में मैं सो एसी पे जीएसटी पे करना पड़ेगा भाई साहब पर वो सो एसी मेरे अप्रैल की क्लोजिंग स्टॉक में नहीं होंगे बेटा तो उन सो एसी के परचेज में जो जीएसटी पे किया एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा हाय ना भाई वो सो एसी के परचेज में जीएसटी पे क्या एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा और खास बात वो सो एसी के लिए आप टैक्स इनवेस्ट भी इश्यू नहीं कर सकते वो सो एसी के लिए आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते कस्टमर से यू कांट इश्यूर टैक्स यू आर रजिस्टर्ड जीएसटी बेटा और खास बात आपने छह अप्रैल से अप्रैल तक 14 लेकर 6 अप्रैल तक जो नॉर्मल बिल इशू किया होगा आप उस उसपे कस्टमर से जीएसटी नहीं ले सकते क्योंकि यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और 7 अप्रैल के बाद आप

सो ऐसे जब बेचे होंगे उस पे जीएसटी पे तो करना है पर कस्टमर से ले नहीं सकता बेटा क्लियर अब कस्टमर को टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता कस्टमर को क्रेडिट भी नहीं मिलेगा मतलब शोरूम बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अच्छा ये तो हुई केवल क्रेडिट की बात ये हुई केवल टैक्स की बात अब सर सेक्शन 122 जो है ना पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस बेटा जिसमें वो 21 ऑफेंसेस लिखे बेटा

बैंड बजा बारात बेटा तीनों हाँ है ना क्लियर शोरूम बंद करने के लिए ऑप्शन नहीं रहेगा इतना भारी पॉइंट है कि 30 दिन में रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं कराया शायद इंपोर्टेंट समझ में आ गई बेटा आपको आज हाँ है ना ये केवल प्रोसीजर नहीं है सर ये केवल कंप्लायंस नहीं है जिंदगी बंद हो जाएगी सर क्लियर अगर तीस दिन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था बेटा

तो 17 से जो सप्लाई करेंगे उसमें जीएसटी लगेगा बेटा तो सिक्सटीन फ़रवरी को जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा जो लास्ट एक साल में परचेज बेटा ना भाई क्लियर माहौल पॉइंट तो है अब क्लियर रजिस्ट्रेशन आईटीसी क्लियर लेवी वाला सेक्शन टैक्सेबल पर्सन क्लियर पेनल्टी वाला पॉइंट समझ में आया है कि नहीं आया सर आवाज यहाँ पक्का माहौल

GST, ITC, 02 के तो मैं पासन कर दूंगा और वहां पर एक सीए और का सर्टिफिकेट चाहिए सर बेटा हाँ ना भाई क्लियर पक्का बच्चों आवाज रही हो और आप आपके जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करके उसको एक्सेप्ट करेंगे तो सारे क्रेडिट आपके उधर पास ऑन हो जाएगी अच्छा कभी अगर डी हुआ क्या बेटा सर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों सॉरी ए बी लिमिटेड

क्लियर पका माहौल सरकार यहां तक समझ में आई बात आपको ये आवाज नहीं आ रही हुए ओके सर ये था क्या अमल की अच्छा चलो मान लो मेरी महाराष्ट्र में एक ब्रांच है बेटा और दूसरी ब्रांच क्या बेटा वो भी महाराष्ट्र में बेटा सर और दोनों का मैंने सिंगल नंबर ले रखा बेटा एक को प्रिंसिपल प्लेस एक को एडिशनल प्लेस पर अब मैं दूसरे प्लेस का भी कह रहा हूं बेटा नया रजिस्ट्रेशन ले रहा बेटा तो, तो अब तक तो एक ही पर्सन थे बेटा थे दोनों एक ही पर्सन थे अब तक बेटा एक ही नंबर था बेटा क्लियर दोनों का सेम लाइब्रेट एक जगह लाइब्रेडी

आवाज आ रही हुई? सर मेरे पास आईटीसी किसका आई जीएसटी का है सी जी एस टी का है एस जीएसटी का है बेटा लाइब्रेडी किसका बेटा तीनों का है बेटा आई का है सी का है एस का है तो सर सबसे पहले आईटीसी कौन सा यूज करना है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आई टीसी बेटा आई जीएसटी का आई टी सी सबसे पहले यूज करूंगा बेटा हा ना सर अब आई जी एस टी का आई टी सी यूज करना है किसके लिए यूज करूंगा बेटा मैं सबसे पहले आई जी एस टी की लाइब्रेड के लिए काम करूंगा बेटा मैं उसके बाद

पता बड़ा इधर सी का एक्स्ट्रा क्रेडिट बच गया और उधर एस की लाइबिटी बच गई बेटा ऐसा ना हो जाए बेटा ऐसा कंसल्टेंसी तो क्लाइंट भाग जाएगा बेटा हा है ना क्लियर समझे मेरी बात ओके तो सर मिनिमम कैश आउटफ्लो उसका आप ध्यान रखिएगा बच्चों ओके सर एस जीएसटी का क्रेडिट बेटा पहले एस में काम आएगा फिर आई में काम आएगा सर सी का सी की लाइब्रेटी में काम आएगा फिर आई जी में काम आएगा बच्चों हाँ ना भाई पर हाँ, अगर आपके पास आई जीएसटी का आई है तो पहले सबसे पहले उसको कंज्यूम करने का बेटा आई जीएसटी आई में फिर सी और एस इन इन एनी एनी ऑर्डर प्रोपोर्शन बेटा अच्छा सी का बेटा सी का पे करने के लिए पहले कौन सा आईटीसी काम आएगा नहीं आई का काम आएगा बेटा पहले आई को कंज्यूम करना बेटा बुराई क्लियर आई का क्रेडिट काम आएगा फिर सी का ऐसा कभी काम नहीं आएगा बेटा सेम वे एस का लाइवी पहले कौन सा आई टीसी काम आएगा आई का उसके बाद पहले आई को कंज्यूम करो आई क्या है आई जे तो मुझे भी पता बेटा पागल <laughs> सर आई जेस किसका रेवेन्यू है <laughs> नहीं है पागल बात मत करना बेटा ना वो सेंट्रल का ना वो स्टेट का एक पार्किंग फंड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है बेटा क्लियर सर बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट होता बेटा सेक्शन नंबर सेवेंटीन एटीन दे रख ना बेटा उसमें आई जेस टी एक्ट में वहां लिखा है कि सर जितना सर फिफ्टी परसेंट तो रेवन्यू डालेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को फिफ्टी उन स्टेट गवर्नमेंट को जहां प्लेस सप्लाई था बेटा तो झगड़ा होगा ना वहां पे बेटा डिवाइड करने में सर इसलिए पहले आई आईजीसी अकाउंट को खाली कर दो बेटा जितना खाली हो गया उतना झगड़ा खत्म बेटा इसलिए आई जी सी आई कंज्यूम करना है बेटा हाँ ना भाई ठीक सर बहुत डेप्थ डेफ मेरी बात करी मैंने बात ये मैनर ऑफ आई टी सी बेटा या ना आवाज नहीं आ रही यही सर जॉब वर्क सेक्शन नंबर नाइनटीन इधर 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 सर सेक्शन नंबर नाइनटीन सेक्शन नंबर वन फोर थ्री वन फोर थ्री मतलब जॉब वर्क वाले प्रोविजंस बेटा क्लियर अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है जो आप सोच रहे हो बेटा क्लियर सर ऐसा कुछ नहीं है सर पढ़ाई अपनी जगह बाकी काम अबे ओ सर ओके सर सर मैं बात की ध्यान से मान लो मैंने कोई इनपुट कैपिटल गुड्स परचेज किया बेटा हूँ करोड़ सर वो परचेज किया मेरे को रिसीव किया मेरे को आईटीसी मिल गया मैंने आईटीसी अवेल कर लिया बेटा फिर वो इनपुट कैपिटल गुड्स को कहा भेजने? जॉब वर्कर क्या भेजने आई कैन सेंड दो चाल विदाउट टैक्स बेटा। हाँ है ना बेटा क्लियर पर अगर मेरे को कोई इनपुट कैपिटल गुड्स डायरेक्ट जॉब वर्कर के भेजने तो मैं भेज सकता हूं बेटा जब उसको रिसीव हो गया मान लेंगे मेरे को रिसीव हो गया है और मेरे को रिसीव हो गया तो आई टीसी ले जॉब अच्छा, वर्कर के गुड्स भेजा है तो कितने टाइम में आ जाना चाहिए बेटा केस ऑफ इनपुट क्लियर एंड कैपिटल थ्री इन अच्छा और कमिश्नर के पास पावर है कि वो रीजनल केस में वन ईयर का टाइम और दे सकता है इनके टू ईर का बेटा? ठीक है अभी जनरली हूँ वन और थ्री बेटा चलेगा बेटा अच्छा वन ईयर थ्री ईयर कब से अगर मेरे यहां से वहां गया है तो जब मैंने रिमूव किया था वहां से वन ईयर थ्री ईयर बेटा

तो कर सकता हूँ बेटा याद है बेटा के बेचा है तो वो भी के अंदर चला जाना चाहिए तो लो फिर हाँ भेज हाँ, को जॉब वर्कर के ही से के बेचना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ बेटा पर वन फोर थ्री याद आया बेटा ये बात वन फोर थ्री में लिखी बेटा आई लव यू हा है ना भाई और वहां लिखा है क्या प्यार कर या ना कर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और वो जॉब वर्कर का प्लेस मेरे को अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा बेटा

वेस्ट स्क्रैप प्रोड्यूस हुआ बेटा अब वो कचरा मेरे यहाँ भेजेगा मेरा कचरा कचरा हो जाएगा फिर मैं बेचूंगा वही से बेच दू अगर जॉब वर्कर ने वही से गुड्स है को, तो ऐसे केस में रजिस्टर्ड तो नहीं तो मैं टैक्स पे कर दूंगा पर मेरे को प्लेस, प्लेस जरूरत नहीं है क्लियर डन अच्छा एक बात और अगर मैंने कोई मोल्ड डाइजिकॉब वर्क बेटा कंज्यूमेबल इन नेचर सिंस दीज आर तो पे ऐसे केस में सर ऐसे केस में वहां पे आई कैन सेंड दूस गुड्स विदाउट एनी कंडीशन ऑफ रिसीविंग बैक गुड्स बेटा वो एक साल तीन साल में नहीं आया चलेगा बेटा बेटा कोई दिक्कत नहीं है हाँ ना भाई पर बाकी गुड्स अगर एक साल और तीन साल में नहीं आई तो ऐसे केस में क्या होगा भाई ऐसे केस में सर जिस दिन मैंने उसको भेजा था उस दिन मान लेंगे कि मैंने सप्लाई कर दिया था बेटा वो तो उस दिन के हिसाब से मेरे को आज टेक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट बेटा हा है ना भाई क्लियर पक्का डन

जॉब वर्क की कहानी बेटा अच्छा सुन रहे जैसे मैंने वो शर्ट बनवाया था बेटा तो उसमें जॉब वर्कर काम कर रहा कुछ का है कुछ गुड्स <hazards> भी उसका जॉब वर्क सर्विस है सप्लाई सर्विस में क्लास करेंगे बच्चों इसको क्लियर ठीक सर अब आप एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है बच्चों ध्यान रखना क्लियर ओके सरकार ये पॉइंट जॉब वर्क का इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आई एस डी क्या होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है मेरे मालिक मान लो मेरा ऑफिस का है मुंबई नरीमन पॉइंट बेटा तक तो नहीं गए बेटा आप पका लंच की जरूरत तो नहीं बेटा आपको है अच्छा भूख लग रही क्या बेटा आपको ज्यादा लग रही है क्या बेटा, बेटा ब्रेक चाहिए अभी बेटा चलो, चलो ब्रेक छोड़ो भूख लग रही ना बेटा आपको ये भूख होनी चाहिए लाइफ में बेटा क्लियर सर भूख नहीं होगी तो जिंदगी कैसे आगे बेटा सर चलिए सर कोई बात नहीं अच्छा सही में भूख लग रही है बेटा ये संघर्ष है <laughs> <laughs> ओके ओके सर कोई बात नहीं कोई बात नहीं आपको जब ब्रेक चाहिए तो बोल देना बेटा <laughs> ओके कोई बात नहीं, नहीं चाहिए तो हो गया दिक्कत है सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है आई सर आई एस डी ऑफिस ऑफ दप्लायर जहां पे इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाईज आर रिसीव्ड जहां पे रिसीवेज इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाईज एंड पेमेंट देर फोर इज मेड देयर फ्रॉम बेटा क्लियर और सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मान लो मेरा ऑफिस का नरीमन पॉइंट बेटा सर वहां पे मैंने इनवर्ट सप्लाई के इनवोसेज लिए बेटा मेरी चार फैक्ट्री है मान लो वो जो नरीमन पॉइंट था वो फैक्ट्री है अपने आप में और मेरा हेड ऑफिस भी बेटा क्लियर अच्छा जरूरी नहीं हेड ऑफिस हो बेटा कोई भी ऑफिस को मैं डिक्लेयर सकता हूँ एज माई आई एस बेटा कोई दिक्कत नहीं बेटा क्लियर अब सर वो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है पर मेरे को अगर वहां पे जो इनपुट सर्विसेज में ले रहा हूं उसका क्रेडिट अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मेरे को उसको सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्लियर चलो मेरी चार फैक्ट्री है वन टू थ्री फोर बस 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 सर चार फैक्ट्री बेटा एक का है मुंबई महाराष्ट्र दूसरी का है गोवा बेटा बहुत अच्छा बेटा सर तीसरी का है बेटा उदयपुर राजस्थान फोर्थ का है दिल्ली ओके चलिए सर चार फैक्ट्री ऑफिस का है नरम पॉइंट में मतलब मुंबई महाराष्ट्र बेटा उसका मैंने आई ए नंबर लिया अब आपने मेरे को सर्विसेज दी उसका बिल लिखा बेटा कंसल्टेंसी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह बेटा दिस वर कॉमन सर्विसेज फॉर एंटायर बिजनेस बच्चों क्लियर अब जो सर्विसेज मैंने ली उसका बिल आपने लिखा होगा आई के नाम पर आई को क्रेडिट मिला बेटा हाँ ना भाई आपने अपना न फाइल किया होगा इसके जी एस सिक्स ए में क्रेडिट आई होगी फिर ये जीएसटर सिक्स फाइल करके क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा अब क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट जो करेगा वो ऑफ द नेक्स्ट मंथ मंथली रिटर्न फाइल करेगा ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक और क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए सारे रेसिमेंट के पास ले जाएगी पर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट जो करेगा कैसे करेगा क्या होगा किस रेशो में करेगा बेटा अब जो सर्विस केवल फैक्ट्री नंबर वन में काम आई क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा केवल फैक्ट्री वन में डिस्ट्रीब्यूट होगा केवल टू में काम पर चारों में काम है तो चारों में डिस्ट्रीब्यूट होगा वन और थ्री में काम आई तो थ्री में ही होगा बेटा पर किस रेशो में होगा सर टर्न ओवर कौन सा टर्न ओवर टर्न ओवर इन दी प्रीवियसियल तो इन द स्टेट था वो हम लेंगे और अगर किसी यूनिट का प्रीवियस फाइनेंशियल का प्रीवियसियल नहीं अवेलेबल है तो वो लास्ट क्वार्टर का टर्न ओवर लेंगे जो चार टर्न ओवर अवेलेबल होगा बेटा हाँ ना भाई उस रेशो में हम ट्रांसफर करेंगे प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्रेडिट को बेटा ना भाई क्लियर ओके अब सर कोई सर्विस वन ओर थ्री में कमे तो वन ओर थ्री में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा वन टू थ्री में काम है तो वन टू थ्री में वन टू थ्री फोर चारों में काम है तो चारों में पर सर किस रेश में होगा हमने बात कर ली पर किस फॉर्म में होगा आई फॉर्म में होगा सी में होगा कैसे होगा कैसे बेटा बात को ध्यान से मान लो मैंने ऑफ सर्विसेज पे सीजीएसटी आईजीएसटी पे क्या हो, हो? जब भी मैं क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं और जो यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं वो यूनिट दूसरे स्टेट में बेटा कहा है हमेशा आईजीएसटी की फॉर्म में ही क्रेडिट पासन होगा क्लियर सर पर अगर जिस यूनिट को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं क्रेडिट वो मेरे खुद के स्टेट में लोकेटेड है तो ऐसे केस में नहीं नहीं जो परचेस बिल पे टैक्स लिखा था वो ही पासन होगा बेटा बिल पे आई जीएस लिखा था तो आईजीएस होगा परचेस बिल पे सीओरएस लिखा था तो सीओरएस ही पास पासन होगा बेटा हाँ ना भाई क्लियर डन अच्छा मैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हूं भाई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं मैं जो क्रेडिट आएगी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा भली वो एलिजिबल क्रेडिट हो या इन एलिजिबल हो मेरे को कंसन नहीं है मैं क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करके सर जी एस सिक्स फाइल कर दूंगा जी एक्स फाइल करके आपकी जीएसटर टू भी मैं क्रेड आएगी बेटा अब आपके लिए वो एलिजिबल क्रेडिट तो ले लेना इन एलिजिबल तो मत लेना बेटा हमें क्या करना बेटा है हाँ ना भाई मैं तो जितने क्रेड है उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अच्छा अब मान लो आपने कभी मेरे को डेबिट नोट रेज किया बेटा क्या रेस किया बेटा तो उसके ओरिजिनल इन्वर्स के बेस पे जो मैंने क्रेडिट पास कर दी थी अब डेबिट नोट का भी पास करना बेटा तो जो ओरिजिनल इन्वर्स का क्रेडिट मैंने पासन किया था जिस रेशियो में मैंने ओरिजिनल इन्वर्स का क्रेडिड पासन किया उसी रेशियो में डेबिट नोट का भी क्रेडिट पासन करूंगा सेम वे आपने मान लो मेरे को क्रेडिट नोट दिया बेटा अब क्रेडिट नोट के बेस में को आईटीसी कम करना बेटा पर मैं क्रेडिट तो ऑलरेडी ऑलरेडीडीडिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं बेटा तो मैं नेगेटिव क्रेडिट क्रेडिड कर दूंगा क्या कर दूंगा सर मैं और सर जिस रेस में ओरिजिनल इन्वर्स का क्रेडिट पासन किया था उसी रेस में उस क्रेडिट नोट का भी नेगेटिव क्रेडिट पासन करूंगा मतलब उस महीने में दूसरी क्रेडिट जो से लेस हो जाएगा अमाउंट रिमेनिंग जाएगा जाएगा आपको और दूसरी और दूसरी कोई क्रेडिट क्रेडिट नहीं तो नेगेटिव क्रेडिट चली जाएगी बेटा आपके पास हाँ है ना भाई और आई क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट तो जो करता है सर उसके लिए आई एस डी इनवर्स इशू करना पड़ेगा उसको क्या इशू करना पड़ेगा बेटा और डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाला मामला था तो आईस डी डेबिट नोट आएसडी क्रेडिट नोट भी इशू था बेटा क्लियर डन भारत माता की जय और से ट्वेंटी वन बोलता है क्या जो क्रेडिट जिसको डिस्ट्रीब्यूट करनी थी उतना बेटा अगर अपने

रूल फोर्टी टू याद आया क्या बच्चों आपको सर अगर मान लो मेरे सप्लाई कुछ टैक्सेबल और कुछ क्या है एग्जेक्ट है मैंने बहुत सारे इनपुट परचेज किए बहुत सारे इनपुट सर्विस परचेज की उस पर जीएसटी पे किया उसका मैंने क्रेडिट लिया पर उसमें से कुछ इनपुट कुछ इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेसली काम आई थी बेटा क्या करेंगे हटा दो बेटा क्रेडिट लेने का नहीं दिमाग खराब करने के नहीं सर कुछ क्रेडिट सेवेंटी फाइव में क्या कर दूंगा बेटा हटा दूंगा कुछ क्रेडिट

पर अगर मैंने जीरो किया तो इसको टैक्सवल सप्लाई मानते हैं तो सर कुछ इनपुट इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवल में काम आया क्रेडिट ले लूंगा जो बच गया वो क्या है कॉमन क्रेडिटा हा भाई जो क्रेडिट बच गया वो क्या है कॉमन क्रेडिट क्या करूंगा उसका बेटा मैं एक बार दो क्रेडिट ले लूंगा फिर

रिवर्स कर दूंगा अल्टीमेटली नेट क्रेडिट बच जाएगी बेटा मेरी हा है ना बेटा अच्छा एक बात और अगर कोई इनपुट और इनपुट सब इस कॉमनली काम आए बिजनेस के लिए कॉमनली काम आए नॉन बिजनेस बेटा तो हाँ नॉन बिजनेस ऑफ दी सी टू जो कॉमन है उसका रिवर्स कर है ना भाई क्लियर पक्का डन सर ये मंथली बेस पे कैलकुलेशन आप करेंगे बेटा हूँ करो सर अब सर मंथली बेस पे कैलकुलेशन आपने किया देश कौन सा बेटा अपना हिंदुस्तान बेटा सर लोग क्या करेंगे जानबूझ के अगर मान लो मैंने जनवरी महीने बहुत सारे इनपुट इनपुट पर बेटा जो अगले छह महीने की एक साथ मैंने परचेजिंग कर लिया बेटा क्रेडिट ले लिया बेटा अब सर मेरी एग्जाम सप्लाई भी सप्लाई भी तो सप्लाई के मैं जनवरी महीने में एग्जाम सप्लाई करूंगा नहीं बेटा ताकि प्रपोशन रिवर्सल करना ही नहीं पड़े मेरे को बेटा क्लियर जो भी एग्जाम के ऑर्डर आए उसको होल्ड किया हुआ फरवरी जैसे ही एक फरवरी सब सप्लाई बेटा एक साथ क्लियर ताकि रिवर्सल कर इसलिए देश कौन सा बेटा हिंदुस्तान सरकार भी कौन सी हिंदुस्तानी सरकार क्लियर और गवर्नमेंट बोल दिया दिमाग खरमत करना मंगल क्या बोल दिया सर दिमाग खराब करना मंगल सर ऐसे केस में जो आपने क्रेडिट लिया है ओ भाई सर आपने हर महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करी होगी बेटा फिर जब ईयर एंड होगा क्या होगा सर तब सितंबर महीने से पहले पहले, पहले आप एनुअल टर्न लेंगे क्या लेंगे सर

जिस वैल्यू पे जिस आपने स्टैंड ड्यूटी पे किया जिस वैल्यू पे आपने स्टैंड ड्यूटी पे किया उसको एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड करेंगे और एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड करेंगे मतलब टोटल सप्लाई में इंक्लूड करेंगे बेटा बेटा है हाँ है ना ना भाई भाई ये तीन सप्लाई वो है जो पर, जो पर पर कुछ भी नहीं एग्जाम मानना है हाँ ना भाई। और में इंक्लूड करेंगे बेटा अब तीन सप्लाई की बात कर रहा हूं जो एग्जाम है पर एग्जाम इंक्लूड नहीं करना फर्स्ट सर अगर क्या आपने कभी किसी को लोन दिया है क्या आपने कभी किसी से लोन लिया

वो इंटरेस्ट एग्जाम सर्विस से फिर भी एग्जाम इंक्लूड नहीं करेंगे अच्छा सुन एग्जाम में इंक्लूड नहीं करेंगे पर नीचे जो टोटल टर्न ना ना उस बेटा उसमें इंक्लूड करेंगे बेटा बेटा सर ड्यूटी क्रेडिट क्या सर जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ना रोड टेप स्कीम बेटा मैंने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया एक करोड़ का उस पर दोनों रोड टेप स्कीम में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इश्य हो गया मतलब दो लाख रुपए का ड्यूटी क्रेड स्क्रिप्ट में इशू हो गया अब वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को मैं यूज कर सकता हूं कभी भी फ्यूचर में मैं इंपोर्ट करूंगा इंपोर्ट दो लाख का यूज़ कर सकता हूं। हाँ ना भाई पर हम तो डोमेस्टिक गुड्स यूज करते हैं सर तो मैं तो इंपोर्ट करता ही नहीं अब वो मेरा दो लाख का क्रेडिट क्या ड्यूटी स्क्रिप्ट क्या काम आएगा तो गवर्नमेंट वाला चिंता मत कर मंगल इस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को आप ओपन मार्केट में बेच सकते हो बेटा कैन सेल द स्क्रिप्ट ऑफ रूपीज टू लेक इन दार्केट अब दो लाख का स्क्रिप्ट मैंने मार्केट में बेचा है तो सर जिसने परचेज किया थोड़ा कम में परचेज किया होगा उसने परचेज किया बेटाटी में जो मैंने परचेज किया उसमें जीएसटी बेटा क्या है सर जीएसटी क्या मालिक एक्जेट पर फोर दर्पज ऑफ रूल फोर्टी टू फोर्टी थ्री इसको एक्जाम इंक्लूड नहीं करना वन एक्सपोर्टर को प्रोपोशनल क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता था बच्चे ियर इसलिए टोटल टाउन में include? नहीं करना. Clear? Total में include हो जाएगा बच्चों। है हाँ है ना सर? सर, एक एक और है, सर। पर वो एक और पर का hey, बेटा क्या काम का है नहीं है और पॉइंट क्या है और क्यों बेटा शिपिंग कंपनी बेटा कौन सर मैं क्या करता हूं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वैसल फ्रॉम इंडिया टू प्लेस और पता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया वॉज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी अपटिल थर्टी सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और तीस सितंबर दो हजार बाईस के बाद उसका एग्जाम एक्सटेंड नहीं किया मतलब फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी टू से वो क्या हो गया बेटा अब वो वैसे भी टैक्स वाले तो एग्जाम तो इंक्लूड होगा ही नहीं ना यार तो यहाँ पे वो पॉइंट अभी भी लिखा है क्या कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया अगर आप कर रहे हो तो वो एग्जाम सप्लाई नहीं करना मैं तो रहा ही नहीं बेटा तो वो तो टैक्सेबल ही बेटा वैसे भी टैक्सेबल में इंक्लूड होगी वो टैक्सेबल में इंक्लूड होगी तो क्रेडिट वैसे भी मिलता है बच्चों है हाँ ना सर क्लियर डन सर ओके अच्छा बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट याद नहीं आ रहा है पर मैंने बोला आप तो समझ में आ गया बेटा ओके कोई बात नहीं सर एक और

इसमें लाइन एक्चुअली एक पैराग्राफ ऊपर ऐड कर दिया एडिटर ने बेटा वो एक लाइन नीचे एक पैराग्राफ नीचे आएगा आपको समझना आप बुक के अंदर चेंज कर देना तो ठीक, ठीक इधर ध्यान सरकार इधर ध्यान इधर ध्यान क्या मान लो खत्म हो गया सर चलो हाँ एक्साइज याद आया बेटा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से, स्टेट एक्साइज ड्यूटी वेट सर सी एस टी अगर ये टैक्स लगे है आपकी सप्लाईज पर तो ये टर्नओवर का पार्ट ये वैल्यू का पार्ट बनते बेटा पर फॉर दी पर्पज ऑफ रूल नंबर फोर्टी टू और रूल नंबर फोर्टी थ्री एक्साइज वेट स्टेट एक्साइज सेंट्रल एक्साइज वेट और सी एस टी ये टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेंगे इसका एक एग्जाम्पल दो बेटा सर मान लो पेट्रोल बेचता हूं बेटा क्या बेचता हूँ बेटा में पेट्रोल पेट्रोल भी क्या लगता है बेटा सेंट्रल एक्साइज लगता है बेटा वेट भी लगता है बेटा क्लियर और मैं साथ में क्या बेचता हूँ बेटा लुब्रिकेट ऑइल लुब्रिकेंट ऑयल इसका जीएसटी बेटा है हाँ ना सर अब सर पेट्रोल जो बेसर पे जीएसटी नहीं है लुब्रिकेंट ऑयल जो बेचना जीएसटी है बेटा क्लियर मेरे को कॉमन कंसल्टेंसी काम आई कॉमन इनपुट कॉमन इनपुट सर्विस काम है अब प्रपोशनड क्रेडिट अगर रिवर्स करना है तो एग्जाम क्या होगा पेट्रोल टर्न में बेटा लुब्रिकेंट ऑयल टैक्स में आएगा बेटा पर एग्जाम निकालते वक्त पेट्रोल पे जो एक्साइज और वेट पे किया है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे जो प्योर वैल्यू है उसी को लेंगे हाँ ना मालिक डन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला रूल जो है बेटा उसमें भी सेम बात कही बेटा कि आई जब डिस्ट्रीब्यूशन करता है आईटीसी का तो सर ऐसे में भी टर्न का पार्ट नहीं बनाना सेंट्रल एक्साइज वेट सी और स्टेट एक्साइज को बच्चा क्लियर ठीक है

फोर्टी थ्री में एक बात हो रहा है 43 में फिर ब्रेक चाहिए बेटा आपको ठीक है सर सर फोर्टी थ्री बेटा हाँ हाँ ब्रेक दे दूंगा अरे ब्रेक तो चाहिए नहीं बेटा आपसे यह चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं ब्रेक दे दूंगा बेटा मैं एक लास्ट पॉइंट सुन लीजिए रूल नंबर फोर्टी थ्री हो भाई मान लो ये क्या है एग्जेम्प्ट ये क्या है टेक्सेबल मार्कर टेक्सेबल मान लो पेंसिल एग्जाम बेटा हूं हूं करो सर कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया दोनों के लिए बेटा मैंने हूं कर क्रेडिट लिया होगा डिवाइड बाय मंथ किया होगा ई एफ चालू कर दिया होगा फिर कुछ टाइम बाद वो मशीन केवल इसमें काम आ रही बेटा केवल टेक्सेबल में काम आ रही बेटा अब क्या रिवर्सल होना चाहिए बेटा क्या करेंगे ई एपो एफ रिवर्स करना बंद कर देंगे बेटा अच्छा क्रेडिट अवेल तो पहले ही कर चुके बेटा पूरा हम बात खत्म तो बेटा हाँ है ना भाई चलिए अच्छा सोचो अब याद बंद करो इसको बेटा दोनों में काम आ रहा है फिर कुछ टाइम बाद मशीन केवल इसमें काम आ रही है अब एक्सक्लूसिवली इसमें काम आ रही है क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए बेटा पर जितना कॉमन काम उसका मिलना चाहिए बेटा तो जितना आपने आई टी लिया था

तीन साल बाद उस मशीन को मैंने इसके लिए भी यूज करना चालू कर दिया बेटा चेंज ऑफ यूज ऑफ द कैपिटल गुड्स काम आ रही थी अब कॉमन काम आ रही है बेटा पहले मशीन केवल इसमें काम काम आ आ रही रही थी अब कॉमन है दिल क्या कहता है बेटा आपका चलो एक काम करते सर एक काम करते थोड़ा सा चेंज करता हूँ पहले एग्जांपल आपका माइंड थोड़ा ओपन हो जाएगा फिर इसको लेकर आऊंगा मान लो कोई मशीन केवल इसमें काम आ रही थी बेटा हूं कर रहे क्रेडिट नहीं लिया था तीन साल बाद मशीन केवल इसमें काम आ रही बेटा इसमें यूज करना बंद कर दिया अब इसके लिए यूज कर रहा हूं बेटा मैं बताओ क्रेडिट मिलना चाहिए मिलना चाहिए सर आवाज नहीं आ रही क्या पूरा मिलना चाहिए जितना टाइम एग्जाम काम उतना नहीं मिलना चाहिए बेटा क्या करेंगे जितना आई टी सी जितना आपने जीएसटी पे किया था बेटा माइनस फाइव परसेंट पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ क्वार्टर सर लेस करूंगा अब रिमेनिंग अमाउंट जो होगा उतना आई टी सी ले लूंगा हा है ना भाई क्लियर डन क्लियर कितना साल बाद बेटा ध्यान दिया ना अगर आपने यहाँ एक साल की लिमिट अप्लाई नहीं होती है। ये हम पढ़ रहे सेक्शन नंबर सेवनटीन ये पढ़ रहे रूल नंबर फोर्टी थ्री हमने जब पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था यह गुड्स पहले एग्जाम था बेटा ये गुड्स पहले और यही अब क्या हो गया टैक्सेबल हो गया तो जितना भी इनपुट स्टॉक में क्रेडिट मिलेगा जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में उसका क्रेडिट मिलेगा पर लास्ट एक साल में जो परचेज किया उसी का क्रेडिट मिलेगा याद आया बच्चा आपको क्लियर दिस इज नॉट द केस हियर एड सर यहाँ पे क्या हो रहा है पहले जब कैपिटल गुड्स परचेज किया था इसके लिए परचेज किया था बेटा अब उस मशीन से मैं ये बनाना चालू कर रहा हूँ बेटा ये गुड्स टेक्सेबल नहीं हुआ है

उस मशीन को मैं दोनों के लिए यूज कर रहा हूं बेटा तीन साल बाद ही मान लो सर या दो साल बाद मान लो तो यारेडा तो तो क्रेडिट ले, ले लो बेटा पहले तो पूरा सिक्स लाख जो जीएसटी पे किया था पूरा ले, ले बेटा फिर डिवाइड कर, कर। क्लियर और फिर फिर उसको कॉमन क्रेड मेट कर दिया और ईपन एफ चालू कर दिया फॉर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ

कॉमन इनपुट कॉमन इनपुट रहे हैं वहां या तो तुम रूल नंबर या फिर तुम्हारे रूल नंबर दिया वो फॉलो कर लो क्लियर पर अगर आपने 38 का किया, तो सारा क्रेडिट ले ले इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल सबका क्रेडिट ले ले और फिफ्टी परसेंट क्या कर दे उसी महीने में रिवर्स कर दे पर हाँ होशियारी अगर कोई इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स नॉन सप्लाई नॉन बिजनेस

पूरा लेके फिफ्टी परसेंट रिवर्स कर देना भारत माता की जय इसी अच्छा सुनो, मैंने के साथ पूरा जितने भी आगे काम आते बेटा बलिड टैक्स इन्वेस्ट का रिवाइज टैक्स इन्वेस्ट हो बेटा बली रजिस्ट्रेशन हो बली रजिस्ट्रेशन की पेनल्टीज हो बेटा क्लियर ये सब भी मैंने कनेक्ट कराया है अब आपको अगर ब्रेक चाहिए तो अब मैं दे सकता हूँ नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं कंटिन्यू कर लेंगे सर क्या करने का बताओ ब्रेक चाहिए सही बेटा कितनी देर का बेटा पंद्रह मिनट का बेटा सर क्यों जहम क्यों वो जुल्म रहे हो सर देर का ब्रेक है सर हाफ एन आवर बहुत हाफ एन आवर सर पक्का अच्छा नीचे जाके कोई बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके बेटा पार्टी वार्टी बना के मत आना रहे क्लियर जो मिले फटाफट उठाया खाया और आ गए बेटा क्लियर चलिए सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद थैंक यू सो मच सर थैंक यू फॉर योर लर्निंग थैंक यू सो मच सर माहौल एक्शन तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स समझ में आ रहा सर तो so, एक बार और से गुड मॉर्निंग देखो सर के रहना पड़ेगा सर लंच हो गया तो क्या हो गया सर सर जब जागे तब सवेरा हाँ है ना सर ओके तो सरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी समझ में आ रहा आराग नहीं आ रहा सर आपको ऐसे मजा नहीं आ रहा सर आ, है कि नहीं आ रहा है वरना मैं भी चेयर पे बैठी बुक खोल दूंगा बताओ इसका मतलब नहीं, इसका नहीं। आपकी पूरी एनर्जी आनी चाहिए सर यस नो? ओके सर इन केस ऑफ जीएसटी सर कंपोजिशन स्कीम अगर आप अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ उससे कम था तो करंट फाइनेंशियर में आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो कंपोजिशन स्कीम अगर आपको आना है तो सर फाइनेंशियल शुरू होने से पहले ही आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को ऑनलाइन कि मेरे को फर्स्ट अप्रैल से क्या काना है कंपोजिशन में आना है अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तभी सर आप अप्लाई कर देना कि मेरे को कंपोजिशन में आना हो तो जिस दिन आप रजिस्टर हुए उस दिन से ही आप कंपोजिशन में आ जाओगे अदरवाइज मिड ऑफ द में आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते अच्छा अगर आपने कंपोजिशन लिया है तो सर जब तक आपका टर्नओवर 1.5 करोड क्रॉस नहीं होता है करंट फाइनेंशियल में तब तक आप कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हो जैसे ही 1.5 करोड क्रॉस हुआ कंपोजिशन से बाहर क्लियर कुछ स्पेसिफाइड जो आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट वहां टनि बैठा सेवेंटी फाइव लैक्स अच्छा अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है, तो वहां पे कुछ कंडीशन से बेटा कंडीशन क्या बेटा सबसे पहली बात यू शुड नॉट बी एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज

क्लियर पर हाँ ना पूरे कंपोजिशन स्कीम क्या बोला सर इंटरेस्ट ब्याज इंटरेस्ट की टर्न को भले वो एग्जाम सप्लाई है सर एग्रीगेट टर्न में टैक्सेबल एग्जाम गुड्स और सर्विस और सब कुछ ऑन होता है बेटा पर इंटरेस्ट की इनकम को इंटरेस्ट की रेवेन्यू को कंपोजिशन स्कीम के पर्पज के लिए कहीं पर भी इंक्लूड नहीं करना कहीं भी मतलब कहीं पर भी नहीं बेटा हाँ ना भाई क्लियर जैसे करोड़ का टर्व देख रहे हो उसमें इंक्लूड नहीं करने का करंट ईय का देख रहे हो उसमें भी इंक्लूड नहीं करने का जैसे आपने देखा ना प्रीवियस ईयर का टर्न इन द स्टेट जो था उसका टेन परसेंट हाई ना भाई प्रीवियस ईयर इयर टर्न मान लो लन करोड़ ट्वेंटी बेटा वन करोड़ ट्वेंटी लैख प्लस टू लाख रुपए का इंटरेस्ट था बेटा तो एक लाख आपका टर्न था बेटा पर फिर भी वन ट्वेंटी का ही टेन आपको करने का बेटा क्लियर वन ट्वेंटी का टेन परसेंट कितना था टेन लेख ट्वेल्ल लेख ट्वेल लेख और फाइव लाख ट्वेल्ल लेख ट्वेल्ल लेख की करंट ईयर में सर्विस हो पर उस ट्वेल लेख में भी इंटरेस्ट को काउंट करने की जरूरत नहीं है क्लियर अच्छा सर सेकंड कंडीशन सर यू शुड नॉट बी एंगेज इन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बहुत बेटा इंटर इंटरसेट कर रहे हो मतलब लंबे लंबे तीन मारो बेटा कंपोजिशन से बाहर इंटर इंटरसेट परचेज करो हमें कोई दिक्कत नहीं इंटर इंटरसेट सप्लाई क्या कंपोजिशन से बाहर सर आप ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू गुड्स सर्विस अपलाई नहीं करनी चाहिए टीसीएस एप्लीकेबल होता है हाँ ना सर। सर था से। बाहर नहीं ले पाएंगे जहां पे जीएसटी लेवी ही नहीं होता है विच आर नॉट लेवे टू जीएसटी जैसे घूम लो और झूम लो हाँ ना भाई दारू और लिकर दारू और पेट्रोलियम गुड्सा है बेटा आपको ये छह गुड्स ऐसे है जिसपे जीएसटी लेवी नहीं होता है अगर वो सप्लाई कर रहे हो आप सर आप कंपोजिशन से बाहर

सर आप सर फॉसिल मिल्स या अर्थ बनी ब्रिक्स बेटा उनसे उनके अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो आप कंपोजिशन से बाहर क्लियर आप ट्रेडर हो चलेगा बेटा आप इनके मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए मैन्युफैक्चर हो तो कंपोजिशन से बाहर ओके सर ये कुछ कंडीशन थी प्लस कुछ कंडीशन में दी हुई है सर आप प्रीवियस ईयर में भी इन आर्ट गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए बेटा क्लियर करंट में तो नहीं होनी चाहिए प्रीवियस में नहीं होनी चाहिए बेटा अच्छा प्रीवियस में आप प्रीय इंटर करते दिक्कत नहीं बेटा करंट में इंटरसेट सप्लाई नहीं होना चाहिए बेटा केवल होवियस का केवल एक ही कंडीशन क्या इन आर्ट गुड्स का मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए सर आपने ऐसा कोई इन्वर्ट सप्लाई लिया है आपने ऐसा कोई इन्वर्ट सप्लाई लिया है जिसमें रिवर्स चार्ज मैक्रीज में थी, तो आपको नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा और उसका आई टीसी भी नहीं मिलता बेटा हाँ बेटा क्लियर समझा मेरी बात ओके okay. आपको दुकान के बाद प्रोमिनेंट प्लेस लिखना पड़ेगा क्या कंपोजिशन पर्सन आपको बिल जो इशू इशू करना वो टैक्स नहीं कर सकते आप आप ऑफ सप्लाई इशू करेंगे आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते कस्टमर से आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा सर बिल के ऊपर लिखना पड़ेगा क्या कंपोजिशन टैक्स पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम कस्टमर ना मालिक क्लियर डन अच्छा अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली क्या बेटा तो टैक्स कितना पे करना मेरे मालिक सर ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना गलती होती है एग्जाम के अंदर अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो अगर आप तो वन परसेंट टैक्स पे करना वन परसेंट किसका सर आपको टर्न ओवर इन द स्टेट का वन परसेंट टैक्स पे करना टर्न ओवर इन द स्टेट मतलब टैक्सेबल हो या हो गुड्स हो या सर्विसेस बेचा Clear? मान लो मैं इसका भी मैन्युफैक्चरर हूं इसका भी मैन्युफैक्चरर ये exam, ये टैक्सल बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों का वन परसेंट टैक्स करना भले एग्जाम गुड्स हो एग्जाम सर्विस हो सर टैक्सवल गुड्स हो टैक्सवल सर्विस सबका वन परसेंट मुझे टैक्स पे करना बेटा पॉइंट फाइव परसेंट सी पॉइंट फाइव परसेंट और इंटरस्टेड तो When saying, Sir, भाई, IGST की गलती नहीं हो बचा हा भाई okay, Sir, <coughs> पर अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम बेटा ब्याज की बेटा तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा उसको इंक्लूड नहीं करने का बेटा पर अगर आप ट्रेडर हो बेटा क्या हो आप ट्रेडर तो केवल इसका टैक्स पे करना वन परसेंट बना भाई क्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज केवल उसका टैक्स पे करना टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है पर अगर आप रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग सर्विस तो ऐसे केस में 5 परसेंट टू पॉइंट फाइव परसेंट सी जीएसटी टू पॉइंट फाइव परसेंट एस 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 जीएसटी किसका अगेर टर्न का टर्व स्टेट का मतलब और सर्विस का आपको फाइव टैक्स पे करना पड़ेगा भारत माता की जय क्लियर समझे मेरी बात ये गुड्स के रिगार्डिंग कंपोजिशन स्कीम के बारे कहीं में बात कही मैंने आपसे आई होप समझ में आया बेटा पॉइंट आपको आवाज नहीं आ रही हुई क्लियर अब सर्विस सप्लायर ने बोला हमने क्या गुनाह किया साहब क्लियर हमारे लिए भी तो कंपोजिशन स्कीम चाहिए इसलिए फिर नोटिफिकेशन टू टू थाउंडीन के थ्रू बाद में इसको लाएन टेन सबसे टू ए के थ्रू एक्ट का अथॉरिटी दिया और सेक्शन टेन सबसे क्या कहता है भाई तो अगर आप सर्विस सप्लायर हो अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो टर्न लिमिट कितना बेटा 50 में पचास लाख अगर प्रेसिड फाइनेशन टर्न पचास लाख है तो करंट में आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो लेना तो कितना बेटा जब तक आपका टर्न पचास लाख रोज नहीं होता तब तक आप कंपोजिशन में रह सकते हो और कंपोजिशन तो में रहता है टैक्स कितना पे करना बेटा सिक्स परसेंट थ्री परसेंट सी थ्री परसेंट एस वॉट हा टोटल स्टेट मतलब टेक्सीबल गुड्स हो एग्जाम गुड्स हो टैक्सीबल सर्विस हो एक्साम सर्विस हो उसका आपको 6% परसेंट टैक्स पे करना पड़ेगा हाँ आप सर्विस कुछ गुड्स भी सप्लाई कर सकते हो गड्स का कोई लिमिट नहीं दे रखा बेटा क्लियर नाउ सर ध्यान 50 लाख की लिमिट काउंट करते वक्त आपको इंटरेस्ट को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है अच्छा एक बात और सर देर आर सम कंडीशन सबसे पहली बात क्या अगर आप सेक्शन नंबर टेन सेक्शन वन वाली कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल थे तो यहां पे आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी ऑब्वियसली सर वहां पॉइंट फाइव करोड़ का लिमिट है बेटा यहाँ पे केवल पचास लाख का है वहाँ एक परसेंट टैक्स है यहाँ पे छह परसेंट टैक्स है पागल हो गया जो इधर आ हो बेटा क्लियर समझ मेरी बात पर अगर आप वहां एलिजिबल नहीं तो यहाँ पे आएंगे अब सर यहाँ पे बाकी कंडीशन क्या जो हमने वहां पढ़ी एब्सोल्युटली सेम कंडीन पे मैं बोलता देता हूं आपसे

क्योंकि जैसे ही 20 लेक तो हो गया, उल, और आपका अरे ट्वेंटी और हो गया 50 लेक, हो गया? 50 लेक हो गया तो से बाहर. में और आपका गया बेटा लेक हो गया हुआ. कितना हुआ तो फर्स्ट ट्वेंटी पे तो टैक्स पे नहीं करना क्योंकि क्लियर थर्टी पे टैक्स पे करेंगे सिक्स परसेंट के हिसाब से टैक्स पे करेंगे भारत माता की जय मतलब वो फर्स्ट ट्वेंटी जो था ना आपका बेटा उस उसमें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं बेटा पर दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ परवर हा भाई क्लियर ये ये डन पूरा स्कीम भी खत्म होता है अब टाइम लगा गया सर मजा आया पॉइंट में डन सर अच्छा आरसीएम के जो बड़े बड़े पॉइंट थे अच्छे से जो टेक्निकल पॉइंट थे मैं पढ़ा चुका हूँ बाकी क्या था सर आरसीएम में कोई खास बात नहीं थी सर जैसे सर रिकवरी एजेंट बैंकिंग कंपनी केस में कौन लाइव होगा बेटा बैंकिंग कंपनी लाइवर होगी बेटा हा ना भाई इंश्योरेंस एजेंट के केस में कौन होगा इंश्योरेंस लाइवर होगी हाँ ना सर ऐसे सिंपल सिंपल कुछ पॉइंट और कोई खास बात नहीं मेन जो टेक्निकल पॉइंट था जहां गलती होती मैं ऑलरेडी आपको सुबह पढ़ा चुका था बेटा हाँ ना भाई नाइन फाइव ओ भाई सुनना ध्यान से नाइन फाइव क्या बोलता है बेटा सर चार सर्विसेज जो नोटिफाई करी गवर्नमेंट ने वो चार सर्विसेज अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू सप्लाई करते हो जहां पर सर विल बी कंसिडर्ड एज इफ

हाँ ना भाई क्लियर सेकेंड सर होटल अकोमोडेशन सर्विसेज पर होटल अकोमोडेशन बोला है क्या अगर होटल वाला खुद लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी में बेटा तो ऐसे केस में नाइन फाइव नहीं लगेगा बेटा होटल वाला खुद टैक्स पे करेगा बेटा सेम पॉइंट कहा के लिए सर हाउस कीपिंग सर्विसेज प्लम्बर कारपेंटर वगैरह याद आया बेटा आपको सर हाउस कीपिंग सर्विसेज अगर आप सप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरे के थ्रू सर ऐसे केस में ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ इज द सप्लायर ऑफ सर्विसेज पर ये नाइन फाइव तभी लगेगा अब अगर हाउस कीपिंग सर्विस सप्लायर खुद लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्लियर पर ये कंडीशन वो ओला ओवर में नहीं थी बेटा ओला ओवर में तो हमेशा ही वो लाइबल होंगे बच्चों हा है ना भाई सेम वे स्विगी जोमेटो बेटा है हाँ ना सर आप रेस्टोरेंट सर्विस दे दो तो बेटा क्या दे रहे हो सर आप रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हो तो ऐसे केस के नाइन फाइव लगेगा बच्चा और स्विगी जोमेटो लाइबल पर ऐसे केस में भली रेस्टोरेंट जीएसटी रजिस्टर्ड हो ना हो वी डोंट केयर स्विगी जोमेटो होंगे बच्चों बच्चो है ना भाई पर उसका एक एक्सेप्शन है अगर आप किसी ऐसे प्रीमाइसिस में लोकेटेड हो जहाँ पे होटल बेटा आप होटल का एक रेस्टोरेंट हो और उस होटल में रूम रेंट जो है अगर एक्सीडिंग 7500 बेटा क्या है साहब कोई भी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन इज एक्सीडिंग रुपीज सेवेंटी मतलब बड़ा होटल है बेटा बड़ा होटल है तो ज, वो जीएसटी कंप्लायंस कर लेगा बच्चे क्लियर तो उसका रेस्टोरेंट भी जीएसटी कर लेगा इसलिए वहाँ पे लगा है, वहाँ जो नहीं नहीं होंगे भारत की जय और एक बात ध्यान बेटा अगर आप अपलाई करो थ्रू कोई भी सर्विसाइव सर? सर? में कवर है तो पूरा ही टैक्स कौन पे करेगा एसीओ पर अगर वो नाइन में कवर नहीं है

हाउस कीपिंग प्लम्बर वाली सर्विसेज रेस्टोरेंट जो ऊपर से वाला रे, रे, रूम रेंट रेंट रूम था बेटा हाँ ना भाई यहाँ पे सर्विसाइव नहीं लग रहा पर अगर पेमेंट मिले अकाउंट में आता है और फिर वो अकाउंट सेटलमेंट करता था यहाँ पर टीसीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट जरूर होंगे बच्चों हा ना मालिक क्लियर डन ओके सरकार यहां तक समझ में आया आपको ये था आपका क्या आरसी वाला पॉइंट और नाइन वाला पॉइंट बेटा अच्छा नाइन बिल्डर के कैसे नोटिफाई किया बेटा बिल्डर अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या बोला सर

75 परसेंट रजिस्टर्ड पर्सन से 25 परसेंट किससे अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो ऐसे केस में शॉर्टफॉल कितना था बेटा 5 परसेंट तो so, 5 परसेंट उन सारी गुड्स और सर्विसेज पे प्रमोटर को रिवर्स चार्ज मैकेजम में टैक्स पे करना पड़ेगा भारत माता की जय ये सेक्शन 94 नाइन भी खत्म होता है अब क्लियर पक्का बचो चलिए सरकार अब बात करता हूं मैं आपसे क्या सर ध्यान देना बेटा

आपका ध्यान इधर हुआ तो मैं पहुंचा दूंगा सर ध्यान इधर बेटा वैसे आपका ध्यान है सर It's really commendable. Superb, सर इट्स रियली कमेंडेबल जबरदस्त माहौल हाँ ना भाई सर अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता सर आप लोग नहीं होते तो मैं भी सर इतना लंबा एक साथ नहीं पढ़ा पाता सर क्योंकि मेरे को जो एनर्जी मिल रही वो आपसे ही मिलती है सर सो थैंक यू फॉर देट सरकार शुरू करेंगे हम पॉइंट ओके okay, सर मेगा लिस्ट सबसे पहली बात अगर डॉक्टर्स ने सर्विसेज दी हॉस्पिटल ने सर्विस दी हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेस जीएसटी बेटा आवाज आ रही नहीं और सर रूम रेंट अगर कोई आ, कोई आ, कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट है बैठा तो जो इन पेशेंट है उसने जो रूम रेंट पे किया है वो भी कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनेगा वो भी हेल्थ केयर सर्विस के जीएसटी नहीं लगेगा पर रूम रेंट अगर एक्सीडेंट रुपीज फाइव थाउजेंड है तो रूम रेंट वाले पोर्शन पे जीएसटी अगर छह हजार पर डे है तो छह हजार टैक्स लग जाएगा बच्चा पर अगर कोई पेशेंट एडमिटेड कहा आईसीयू आईसीसीयू क्लियर सीसीयू या एनआईसीयू बच्चों के लिए जो था बेटा वहां कोई पेशेंट अगर एडमिटेड है तो वहां रूम रेंट कितना भी ऊपर रहे उसे कोई दिक्कत नहीं बेटा जीएसटी नहीं लगेगा भगवान करे आपको ये कभी सर्विस यूज करने की जरूरत ना पड़े डायरेक्ट सर, <laughs> सर ओके, ओके सुनना बात ध्यान से मान लो तक पॉइंट समझना सर आईवीएफ सर प्रेगनेंसी में जब इश्यू होता है बेटा तो आईवीएफ के प्रोसीजर से प्रेगनेंसी की जाती है बेटा तो वो भी एक हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आएगा सर्कुलर आया बेटा और उस पर जो चार्जेस लिए है आईवीएफ सेंटर ने उस पर जीएसटी नहीं लगेगा ओके कोड ब्लड बैंक जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से उसका कोड कनेक्ट होता है बेटा याद करो थ्री बेटा हाँ ना आल इज वेल याद है बेटा क्लियर तो उसकोट में जो ब्लड होता है बेटा वो ब्लड इतना यूजफुल होता है उसको ठीक है वो छोड़ो आप अब उसको स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज एजेंसी ने चार्जेस लिए बेटा सर वो अब टैक्सीबल है बेटा क्या है मालिक टैक्सेबल है पहले एग्जाम हुआ करते थे सर बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट या फैसिलिटी है उसकी सर्विसेज अब क्या हो गए बेटा टैक्सेबल हो गए बेटा हाँ है ना मालिक ठीक सर सर एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस में जो हुआ है सुनना बात को ध्यान से सर अगर मान लो मेरा एक वेयर हाउस है बेटा क्या है साहब जहां जब मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करवाता हूँ बेटा

स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स सर बकरा काटने के लिए पैसा लिया जीएसटी लग जाएगा समझे मेरी बात डन सरकार अच्छा पहले वेयर हाउसिंग वेयर हाउसिंग और स्टोरेज अच्छा सुना वेयर हाउसिंग और स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जाम राइस को अलग से एग्जाम दिया बेटा क्लियर सर सीरियल अनाज पल्सेस दाल अरे ना बेटा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनके वेयर हाउसिंग पे स्टोरेज पे जीएसटी पहले भी एग्जाम था अभी भी एग्जाम है पर नट्स कोपरा हाँ ना जैगरी सर सर कॉफी टी हाँ ना भाई क्लियर इन सबके प्रोसेस्ड फूड है बेटा इन सबके वेयर हाउसिंग और स्टोरेज पर जीएसटी पहले एग्जाम था अब वो विद्रो कर दिया नाउ इट इज टैक्सेबल हाय मालिक ओके सरकार आइए एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज मान लो बहुत अच्छा बेटा सर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन लेना बेटा उस एडमिशन के लिए कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट है बेटा उस एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपने कोई फीस पे किया दैट विल रिमेन एग्जाम फ्रॉम जीएसटी ओके सर मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ते हो बेटा क्या नाम सर

म्यूजिक सर रहा है सर हमारा खुद का ही सर सर हम क्या बजाय है सर सुनना बात ध्यान से तो सर आर्ट और कल्चर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर अगर आप सीख रहे हो सर ध्यान ना उसकी कोचिंग फीस पे जीएसटी पहले एग्जेम था अभी भी है पर अभी तभी एग्जाम होगा अगर इंडिविजुअल से आपने सर्विसेज ली तो बेटा सर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से या कोई पार्टनरशिप फॉर्म है जो आपको आर्ट्स और कल्चर की डांस क्लास वगैरह सिखा रही है बेटा क्लियर स्किल्स मेकिंग बनाना सिखा रहा है बेटा तो उस पर जीएसटी लग जाएगा बच्चों हाँ ना भाई अच्छा स्पोर्ट्स सीखने के बेटा क्या सीखने के बेटा स्पोर्ट्स तो वो तो पहले भी क्या था चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन ट्वेल डबल एवी वाले उनसे अगर आपने सीखा तो ही जीएसटी एग्जाम था अभी भी वही है बेटा है हाँ ना बेटा क्लियर ओके सर टूर ऑपरेटर की बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका बेटा आवाज आ रही है सर वो पार्टली इंडिया पार्टली आउट ऑफ इंडिया आया बड़ा फॉरेन टूरिस्ट क्लियर उसके लिए बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका अच्छा सुनना रे सर सर ये हो गया क्या एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज का पॉइंट भी खत्म हो गया टूर ऑफर वाला सर आपका एजुकेशन वाला भी हो गया सर ओके सर नेक्स्ट पॉइंट समझना ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स रिलेटेड सर्विसेज सर अच्छा ये मुंबई आप रहते हो क्या कभी देखा आपने मुंबई बेटा नहीं बेटा सर सपनों के शहर में कभी नहीं किया बेटा आप बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया जिंदगी के अंदर पागल बना रहे मेरे को आप सर अच्छा आपने कभी गेटवे ऑफ इंडिया देखा बेटा आपने नहीं देखा बेटा आपने कभी भी देखना है आपको बेटा नहीं देखना बेटा मैं कह रहा हूँ जिंदगी में भूख रखो बेटा देखने की भूख रखो अच्छा देखा तो नहीं बेटा आपने कभी जस्ट इमेजिन बेटा कई बार लाइफ में बहुत सारी चीजें जो अपने को नहीं मिली बेटा पर इमेजिन होके खुश होता है बेटा हम उसमें तो सर खुश रहिए बेटा आप सर सरकार बात के ध्यान से होशारी सर गेट ऑफ इंडिया वहां प्राइवेट फेरी चलती बेटा अगर आपको एलिफेंट केस जाना है या वो अलीबाग जाना है हाँ है ना तो वहां पे प्राइवेट फेरी चलती है ना बेटा जब आपसे सौ रुपए दो सौ रुपए जो भी लेती है सर चार्जेस बेटा हाँ है ना भाई तो दैट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विध और विदाउट अकमिंग इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बायसल

वो याद है कि सेवन सिस्टर्स वहाँ बाय एयर गए बेटा सेवन सिस्टर्स और एक ब्रदर सिक्किम और एक डोकरा बाग डोकरा बेटा बाय एयर वहां गए और बाय एयर वहां से आए तो फ्लाइट जीएसटी था अभी भी है इकोनॉमिक क्लास में अगर आप गए तो जीएसटी एग्जाम क्लास या अदर क्लास में गए तो जीएसटी लग जाएगा क्लियर अरे पक्का ओके सर आपको मैं ऑलरेडी एक सर्कुलर बता चुका हूं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड अगर वो माइन होल्डर याद आया बेटा उन्होंने ट्रक की ट्रक रेंट so road, vehicle, पे ले ली बेटा तो दैट इज नॉट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड दैट इज हायरिंग ऑफ मोटर वाहक उस पर जीएसटी लगेगा बच्चों है हाँ ना भाई अच्छा ट्रांसिट गुड्स टू नेपाल और भूटान याद है बेटा आपको सर्विस एसोसिएट विद टू नेपाल और भूटान आर विम फ्रॉम जीएसटी अब नेपाल भूटान कोई गुड्स आपने भेजा उससे रिलेटेड जो भी सर्विस थी उस पर जीएसटी एक्जम था अब वो खाली ट्रक वापस आ रहा अभी आएगा भी तो है बेटा तो खाली ट्रक जो वापस आ रहा है मान लो उसके लिए चार्जेस उसने बिल में अलग से लिखे तो दैट विल ऑल्सो रिमेन एग्जाम फ्रॉम जीएसटी अच्छा इसलिए डिपार्टमेंट ने सर अलग से रेगुलेशन बना रखे रहे कंट्रोल कर लेते बेटा कि जो बाइकल गया वही वापस आ रहा ना बेटा तो उसने अगर अलग से चार्जेस लिया आपसे तो इट विल ऑल्सो रिमेन फ्रॉम जीएसटी ट्रांसिट कार्गो टू और फ्रॉम नेपाल और भूटान ये एक्जीशन जीएसटी काउंसिल के थ्रू क्लेरिफिकेशन क्लियरिफिकेशन इन्होंने एक्सिमिशन दिया बेटा है हाँ ना भाई क्लियर अच्छा टोल चार्जेस बेटा क्या सर टोल चार्ज टोल चार्ज पर जी एस होता है होता बेटा क्लियर पर अगर किसी कार में नेशनल हाईवे पे देखो करो आपने फास्टैग चाहिए है बेटा पर अगर किसी कार में फास्टैग लगा हुआ नहीं है और वो फास्टैग लेने में चला गया तो सो सर मान लो सौ रुपये टोल चार्ज है तो डबल लेंगे बेटा उसे कितना लेंगे टू बेटा तो जो सौ एक्स्ट्रा उससे टोल चार्ज लिया है वो भी क्या है वो भी टोल चार्ज ही है और पूरे टू हंड्रेड जीएसटी नहीं लगेगा इसका एक सर्कुलर पहले भी आता सर ओवरलोडिंग चार्ज ज्यादा है बेटा जो बड़े बड़े होते हैं बेटा उसके लिए एक्स्ट्रा टोल चार्ज देते बेटा तो वो ओवरलोडिंग चार्जेस भी क्या है टोल चार्ज है टोल चार्ज जीएसटी नहीं लगता उसी सर्कुलर को रेफर करके बोला कि दिमाग खराब मत करना मंगल ये टू हंड्रेड जीएसटी नहीं लगेगा फास्टैग नहीं है तो भी जीएसटी नहीं लगे बटा है ना भाई ओके सरकार घर किराए पर लिया रहने के लिए याद आया

क्लियर सर तो ऐसे में जीएसटी अगर उसने लिए तो कमर्शियल लिए तो टैक्स हमेशा लगता है बच्चों है हाँ ना भाई घर किराए लिया रहने के लिए तो जीएसटी नहीं लगेगा बोलो यस सर।, सर होटल अकोमोडेशन पहले सर एक हजार रुपए तक का रूम रेंट हुआ करता था तो उसमें जीएसटी माफ हुआ करता था पर अब जीएसटी लग गया है पर हाँ ध्यान रखना बेटा कोई रिलीजियस प्लेस है बेटा क्या है साहब और उसके प्रेसिंग्स के अंदर कोई अगर रूम रेंट है बेटा कोई रूम बना हुआ उसका रूम, रूम रेंट अगर आपने थाउजेंड रुपीज से कम पे किया नाइन 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 तक पे किया तो इट विल रिमेन एग्जाम क्योंकि इसका जो एग्जाम था वो अलग से दे रखा था वो विद्रो नहीं हुआ बच्चों हाँ ना भाई पर ध्यान ना गलती से भी ये मत सोचना धर्मशालाओं पर जीएसटी एग्जाम बेटा क्योंकि धर्मशाला इज नॉट अ रिलीजियस प्लेस रिलीजियस प्लेस मीन ऑफ प्रेयर वर्शिप रिलेटिंग टू पर्टिकुलर रिलीजन और वगैरह हाँ बेटा क्लियर तो सर रिलीजियस प्लेस प्राइमरली कंडक्ट ऑफ प्रेयर के लिए होता है बेटा पर धर्मशाला प्राइमली रेजिडेंशियल पर्पज की होती है बेटा तो उस उसमें जेस्ट लगेगा भले रूम रेंट कितना भी हो बेटा पर अगर प्रिंसिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस के अंदर रूम रेंट रूम, रेंट रूम बने हुए सर और होता है वो धर्मशाला हो बेटा Clear? हो सकता है धर्मशाला बट एवरी धर्मशाला बेटा है पर डे तो जीएसटी तो नहीं लगेगा बेटा है राजस्थान विद्यार्थी ग्रह सर नाम सुना क्या कभी बेटा या कोई भी हॉस्टल तो ऐसे केस में उस पर जीएसटी लग जाएगा बेटा क्यों क्योंकि सर थाउजेंड रुपी पर डे या उससे कम रूम रेंट था तो जीएसटी पहले एग्जाम था अब नहीं है क्लियर इसलिए हॉस्टल हो पीजी हो धर्मशाला हो अधर्मशाला हो सब पे टैक्स लग गया है बच्चों है हाँ है ना भाई क्लियर डन सर सर सुनना याद क्या बेटा महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रिको इंडस्ट्रियल एरिया बेटा स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हा है ना भाई या एरिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस उसके लिए अगर लॉन्ग टर्म लीज थर्टी ईयर्स और मोर देन थर्टी गौर्� ईयर आपको कोई प्लॉट दिया कोई लैंड दी बेटा तो जो उसका अफ्रंट अमाउंट उस जीएसटी एक्जेमड था अभी भी बेटा अच्छा मान लो मैंने प्लॉट जो लिया बेटा वो कॉर्नर प्लॉट लिया है अब कॉर्नर प्लॉट के लिए उसने मेरे से कोई एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया लोकेशन चार्ज या लोकेशन चार्जेस तो वो भी अपफ्रंट अमाउंट का पार्टी बनेगा वो भी लॉन्ग टर्म लीज में कंसिडर करेंगे और उस पर भी जीएसटी एग्जाम हाँ डन गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज ऑल सर। द सर्विसेज गवर्नमेंट आर एक्ट फ्रॉम जीएसटी ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी आर फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट फॉलोइंग फोर बेटा फर्स्ट सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पहले पहले स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस वो सब हट हडिया रहे हट गया आप क्या लिख दिया बेटा केवल सारी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस को एक बार टैक्स कर दिया बेटा हूं हूं करो सर सेकंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स फिर सर्विस इन रिलेशन टू वैसल एयरक्राफ्ट और फिर उसके अलावा कोई भी सर्विस टू बिजनेस एंड डी टी बेटा हा है हाँ ना भाई क्लियर तो के बाद डिपार्टमेंट पोस्ट वाले बेटा पर डिपार्टमेंट पोस्ट के लिए अलग से एंट्री इंसर्ट करी और बोल दिया क्या दिमाग खरात करना मंगल बोला सर दिमाग करना मंगल सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट पोस्ट सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ़ सर ओ भाई पोस्ट कार्ड इनलैंड लेटर बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट पर ऑर्डिनरी पोस्ट के अंदर एन शुड बी वेइंग लेस देन टेन ग्राम तो सर उसके लिए जो पोस्ट ऑफिस ने चार्ज लिया उस पर जीएसटी बस बाकी सब टेक्सबल बेटा आई रिपीट पोस्ट कार्ड जैसे आपने किसी को पोस्ट कार्ड भेजा बेटा उस केवल हैप्पी हैप्पी दीपावली या न्यू परिपावली लिखना बेटा बाकी लिखोगे ना सब ओपन है बेटा उसका ध्यान रखना सर सुनना बात का ध्यान से सर तो पोस्ट कार्ड की सर्विस पे जीएसटी एग्जाम इन लेटर खत लिखा आपने किसी को बेटा चिट्ठी आई है आई है बेटा जीएसटी माफ है बेटा उस क्लियर पर वो चिट्ठी की अगर आपको जल्दी थी बेटा और आपने स्पीड पोस्ट कर दी बेटा चिट्ठी तो लग गए क्या जीएसटी क्लियर सर सुनना बात की ध्यान से इंडियन लेटर बुक पोस्ट जैसे बुक्स होती है बेटा जैसे हमारी बुक्स भी हम आपको भेजते बेटा तो ओपन बुक अगर आपने भेजी है तो उसको बोलते बुक पोस्ट उस पर जीएसटी और ऑर्डिनरी पोस्ट ऑफ एनवलप्स हैविंग वेट लेस दे

समझा मेरी बात अच्छा नेक्स्ट बात मैं आपको बता चुका हूं एफएसएसएआई बेटा हाँ है ना भाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो लाइसेंस फी एप्लीकेशन फी जो भी चार्ज किया उस पे जीएसटी लग जाएगा सेबी की सारी सर्विस टैक्सेबल बेटा सर जैसे सेबी में सर जो लिस्टेड कंपनी होती है ना बेटा नाम श्रीराम लिस्टेड कंपनी बेटा लिस्टेड कंपनी हो गई इंटरमीडियट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज वगैरह हो गया बेटा इन सब ने जो फीस चार्ज किया जो भी गवर्निंग चार्ज करी ने जीएसटी लग जाएगा बेटा आईआरडी ने जो भी गवर्निंग फी चार्ज करी इंश्योरेंस कंपनी से जीएसटी लग जाएगा बच्चों है हाँ ना मालिक जीएसटी नेटवर्क जो गवर्नमेंट ने कंपनी बना की बेटा उसने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन ट्रेड से कोई फीस चार्ज किया है सर जीएसटी लग जाएगा बच्चों हा ना भाई अरे यो अच्छा सरकार आर्टिकल नंबर टू फोर्थी डब्ल्यू टू फोर्थी जी वाला काम जो म्यूनिसपाली का पंचायत का काम है बेटा हाँ सर

हाँ है ना अब मेरे को जो काम मिला है वो कौन सा मिला है ऐसा काम मिला है जो आर्टिकल नंबर टू फोर थ्री डब्ल्यू ऑफ दी इंडियन में कवर है नाउ आई एम चार्जिंग द फीस टू सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा हाँ बेटा कौन से काम के लिए जो आर्टिकल टू फोर थी डब्ल्यू टू फोर थ्री जी में कवर है तो ऐसे केस में अब एक्शन बेटा सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्मेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन लोकल या टेर अथॉरिटी पर गवर्नमेंट अथॉर्टिटी ऐसा हटा दिया बेटा तो सर अगर मैंने सर्विस दी किसको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेटरी या लोकल लोकल्टी को सर्विस दी मैंने कौन सी डब्ल्यू टू फोर्थ जी वाली उसके लिए फीस चार्ज उसमें जीएसटी नहीं लगेगा अगर वो प्योर लेबर वाला काम है तो बेटा पर अगर मटेरियल प्लस लेबर का काम है बेटा तो उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू तो हमारा सो करोड़ का बेटा तो उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में टोटल वैल्यू का मैक्सिमम पच्चीस परसेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल हो सकता है बेटा तो वैल्यू ऑफ गुड्स इन शुड नॉट एक्सीड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ दोटल कॉन्ट्रेक्ट वैल्यू मतलब पच्चीस करोड़ से ज्यादा वैल्यू का नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल का बेटा है ना बेटा तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा अदरवाइज जीएसटी लग जाएगा बोलो बोले सर अच्छा सुनना जैसे एग्जाम्पल देता मैं आपको बेटा <coughs> ओ सॉरी जैसे स्ट्रीट लाइट बेटा रोड लाइट कभी देखी आपने बेटा नहीं देखी बेटा अभी थोड़ी देर पहले रोड देखी थी आपने बेटा वहां आपने कार वार देखी थी बेटा है ऊपर से देखी थी बेटा क्लियर सुनना बेटा ध्यान से तो कभी कभी रोड के जब जाओगे ना बेटा तो जब बहुत ज्यादा पी रखी होती है बेटा तो सारा जो मिलता है बेटा उन पोल का ही मिलता है बेटा जब लाइट लगी होती है ना बेटा उन्हीं क्या सारा भी आप नीचे सो जाते बेटा हाँ ना कभी आपने देखा हो ना प्रैक्टिकली बेटा नहीं देखा बेटा अरे आपने नहीं देखा हमने आपको देखा बेटा सर <laughs> सर ध्यान से स्ट्रीट लाइट रोड लाइट सर वो मेंटेन करने का काम किसका है म्यूनिसपालिटी का है वो काम मेरे को मिल गया बेटा क्लियर अब मैं रोड साइड में जो स्ट्रीट लाइट लिखी है उसको मेंटेन कर रहा करो जो आर्टिकल टू फोर्थ डब्लू कवर है और वो काम मैं करो मटेरियल प्लस लेबर दोनों का मान लो उसमें बल्ब खराब हो गया वो को रिप्लेस करना बेटा पर तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का टोटल वैल्यू का मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट वैल्यू ऑफ गुड्स इन्वॉल्व बेटा तो उसमें जीएसटी क्या है एग्जाम बेटा हाँ ना अच्छा कौन सा काम आर्टिकल टू फोर्थ का कव है कौन सा काम जी में कवर है वो क्वेश्चन आपको हमेशा देगा बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अच्छा सैनिटेशन कंजर्वेंसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता ना साफ सफाई का काम बेटा ये सब मारे अब सर मैंने वो काम किया लिए आर्मी के लिए बेटा जो देश की सुरक्षा करते बेटा है हाँ ना भाई सर या किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए तो मैंने जो इनको सर्विस दी वो भी गवर्नमेंट को दी बेटा एक तरह से क्लियर तो इट विल आल्सो रिमेन एक्ज फ्रॉम जीएसटी अगर प्योर लेबर का तो एक्सम टो मटल शुड नॉट एक्सइड ट्वेंटी फाइव परसेंट टोटल वैल्यू बेटा है तो हाँ ना भाई? एक सर्किल आपको वाला भी। हाँ भी आई है सरकार आर बी आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल सर्विस प्रोवाइडेड बाई दी आरबीआई आर नाउ टैक्सेबल all services provided to RBI are also taxable sunn rahe services received by RBI केवल एक एग्जम्प्टी पर अपेले अगर आउट ऑफ इंडिया से मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सर्विसेज इनको रिसीव हुई बेटा क्लियर तो एग्जम्प्टी अब क्या होगी बेटा टैक्सेबल पर हाँ सुनो आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है अब RBI नाम पर टैक्स लगा देना बेटा all services provided by RBI भी taxable all services provided to RBI are also taxable और पता है अगर overseeing committee of the RBI

सरकार और मैं फुल अभी नशे में सर सर इनकेस जी सब जीएसटी क्या बोला सर एक शानदार सर्कुलर इशू हुआ एक शानदार पॉइंट इशू हुआ जिसका क्वेश्चन आना मुझे एक्सपेक्टेड है एग्जाम्स एक के अंदर दिल दिन, दिन, दिन थाम के बैठना सर ध्यान से सुनना बात को सर लिक्विडेड डैमेजेस लिक्विडेटेड डैमेजेस सर, ओके okay, सर लिक्विडेटेड डैमेजेस सुना बात को ध्यान से सर अगर आप मान लो आपने कोई आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया बेटा हूं करो रही आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया बेटा मान लो भले रोड भले आपने गवर्नमेंट से लिया किसी भी पर्सन से लिया बेटा क्लियर आपने काम ढंग से परफॉर्म नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स थी बेटा क्या अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे तो ऐसे केस में हम आपसे क्या कर लेंगे सर लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज कर लेंगे सर अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे तो हम आपसे क्या कर लेंगे सर लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज कर लेंगे होता ना सर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया आपने टाइम पे परफॉर्म नहीं किया सही परफॉर्म नहीं किया

अगर किसी पर्सन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया ढंग से सर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया उसके लिए लिक्विड डेमेजेज चार्ज किए बेटा तो क्या फीस दिया मेयरली फ्लो ऑफ मनी केवल पैसा रिसीव होना नॉट मीन की फीस है ऐसा है, नहीं होता है सर इसलिए इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा एट द सेम टाइम मान लो आपने कि लो तोड़ा बेटा ट्रैफिक रूल्स आपने तोड़े बेटा सर पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया बेटा हाँ है ना भाई सर आपने चालान करता ना हजार रुपए का चालान पे किया सर क्या गवर्नमेंट को फीस दी है कानून तोड़ा है उसके लिए फीस लो साहब ऐसा सोचिए आप ध्यान से तो गवर्नमेंट बोला दिस इज नॉट अ अंसिडरेशन एट ऑल एवरी मनी रिसीव बी कंसिडर एज कंसिडरेशन इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्लियर तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा आपने कोई भी काम ढंग से नहीं किया कोई भी पेनल्टी वगैरह लग गई आप पे कोई भी फाइन अगर लग गया तो इट इज नॉट सप्लाई एट ऑल इट इज नॉट एट ऑल इस पर नहीं लगेगा सेम वे मान लो कोई एम्प्लॉयमेंट बोर्ड होता है सर एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड आपने कहीं जॉब ज्वाइन करी बेटा एम्प्लॉय ने बॉन्ड साइन कराया पांच साल का बेटा अगर पांच साल से पहले तोड़ देते हो कॉन्ट्रैक्ट आप पांच साल से पहले अगर आप छोड़ते हो तो आपको पंद्रह लाख रुपए देने पड़ेंगे होता ना सर ऐसा क्लियर तोड़ दिया आपने कॉन्ट्रैक्ट पंद्रह लाख रुपए उसने ले लिए तो क्या आपने फीस दिया है क्या ये रख फीस में जा रहा हूँ नहीं क्लियर सर उसने पंद्रह लाख क्यों लिए क्योंकि उसने आपको ट्रेनिंग दी इतना टाइम समझाया काम सिखाया और एंड टाइम पे उसका काम बिगाड़ के आप जा रहे हो बेटा अब उसको एंड मोमेंट पे सर नया एम्प्लॉय रखना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा सारा अरेंजमेंट वापस करना पड़ेगा सर हा है ना उसका एक कंपनसेशन एक तरह से इट नॉट सप्लाई एट ऑल उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा सर में मान लो आप एक माइनिंग कंपनी बच्चा ये सब सर्कुलर में थे इसलिए बता रहा हूं और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हो होता डायरेट इसका क्वेश्चन क्या जाए एग्जाम में इसलिए सारे एग्जाम्पल भी सुन लो बेटा ताकि वहां आपको सोचना नहीं पड़े यहां सोच लिया तो वहां नहीं सोचना पड़ेगा यानी सोचा सर वहां सोचना पड़ेगा वहां टाइम नहीं मिलता बेटा सोचने का ध्यान रखना एग्जाम में क्लियर एग्जाम में टाइम नहीं होता सोचने का बेटा आप सोच सकते हो आपे बेटा पर वक्त तीन घंटे के मिलता है बेटा अपने को ओके सर तो मान लो आप माइनिंग कंपनी बेटा गवर्नमेंट ने आपको एक लिमिट तक माइनिंग अलाउ किया बेटा और आपने तो पूरा ही खोद डाला बेटा सर क्लियर

अब सुनना कुछ बातें और एट द सेम टाइम फ्लाइट का टिकट बेटा आपने फ्लाइट का टिकट बुक कराया बेटा हूँ तो कर लो कम से कम बेटा या आपने कोई होटल का रूम बुक कराया बेटा या आपने किसी टूर ऑपरेटर से टूर बुक कराया बेटा चार धाम की यात्रा बेटा याद आया बेटा आपको इंतजार कर रहे हैं हम तो बेटा अठारह मई का बेटा बस सर फिर देखो चार धाम पांच धाम सब धाम पूरे करके आएंगे बेटा ऐसा मैंने भी सोचा था बेटा पर कुछ ना हो पाया सर पॉइंट मेरा आपसे ये

आप कई बार देखते हो आपने जो एडवांस अमाउंट दिया वो फोरफिट कर लेते हैं वो लोग वो रिफंड नहीं करते बेटा तो ये कोई फाइन नहीं है ये कोई पेनल्टी नहीं है सर ये क्या है एक तरह से आप देखो टूर ऑपरेटर ने अगर आपका टूर बुक कराया तो आप एंड मोमेंट पे नहीं आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको उसने तो अपना काम कर चुका है वो बेटा अरे भाई आपके लिए पूरा उसने आइटनरी तैयार किया बेटा उसने होटल बुक कराया होगा उसने फ्लाइट टिकट बुक कराया होगा उसने टैक्सी बुक कराई होगी उसने साइट साइड के लोकेशन बुक किए होंगे उन सबको पैसा दे दिया बेटा उसने अब आप नहीं आए तो क्या करेगा बेटा क्लियर वो तो अपना काम कर चुका बेटा क्लियर तो ये क्या है उसे सर्विस चार्ज है बेटा ये उसने आपको फैसिलिटी दी कि ठीक है एंड माउंट भी आप कैंसिल कर सकते हो ऑन पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट तो इट विल बी चार्जेबल टू तो जीएसटी इट्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इसलिए उस पर जीएसटी लगेगा बेटा हाँ ना भाई आज आपने फ्लाइट टिकट बुक कर दिया बेटा सीट बुक कर दी एंड टाइम में आप आए नहीं बेटा अब वो सीट हम किसी और को दे सकते थे ना बेटा यार अब आपने कैंसिल कराया तो वो सीट तो हमारी रहेगी बेटा वैकेंट तो उन्होंने जो चार्जेस लिए वो चार्जेबल टू जीएसटी है उनकी सर्विस सप्लाई होगा और इसको कंपोजिट सप्लाई का पार्ट मानेंगे इट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और ऐसे केस में सर इस पे जीएसटी लगेगा बच्चों हाय ना मालिक आवाज नहीं आ रही हो डन ये सर्कुलर पूरा खत्म होता है अब सर आइए एक बात और सर आपने टीवी चैनल वगैरह देखे होंगे कई सारे गेस्ट एंकर वगैरह बुलाते न्यूज चैनल वाले बेटा

यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सर आइए सर सर अगली बात सर मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट वाला पॉइंट किसका सर इंटरेस्ट मुझे लगता है इस बार एक इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनना चाहिए एग्जाम के अंदर वो मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छा एक बात और पेमेंट और टैक्स के अंदर एक अमेंडमेंट और हुआ अच्छा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कैश रेजर क्या बोला सर सर इलेक्ट्रॉनिक कैश रेजर में आपके सर कुछ बैलेंस है तो किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में अगर एक्स्ट्रा फंड पड़ा है तो आप किसी भी अदर मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में फंड ट्रांसफर कर सकते हो क्लियर और अभी अमेंडमेंट वो ये बोल दिया एक फैसिलिटी और दे दी बेटा कि अगर आपका डिस्टिंग पर्सन है कोई जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है हैविंग द सेम पेन नंबर आप उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश ले और आईजीएसटी से कोई फंड ट्रांसफर सीजीस टी आई जीएसटी में करना चाहते हो तो कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डिस्टिंग पर्सन को भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बेटा हा भाई आवाज नहीं आ रही पर हां खुद की लाइब्रिटी पेंडिंग है बेटा <laughs> और पर्सन को फंड ट्रांसफर कर रहा है सर दिमाग मत करना पहले खुद का टैक्स पे कर बेटा हाँ है ना भाई क्लियर ठीक सर सरकार अब एक तो छोटा सा अमेंडमेंट था सर हो सकता है एक दिमाग आ जाए पर अब जो बात कर रहा हूं बेटा ध्यान से सुना इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की बात कर रहा बच्चा मैं सर यहां पर अच्छा अमेंडमेंट अच्छा हुआ है मस्त पॉइंट है सर और एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम का बेटा ये और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है जिस दिन से जीएसटी आया था फर्स्ट जुलाई 2017 से आया था तब से अमेंडमेंट किया बेटा ये क्लियर इंटरेस्ट सुना रहे हो शारी मान लो आवाज आ रही मान लो माहौल जबरदस्त इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर इन केस ऑफ जीएसटी सेक्शन 550 इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या होता है बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी वेरी गुड बेटा हा एक्चुअली 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 यस परफेक्ट सर आपने बैंक से लोन लिया क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट आपने किसी को लोन दिया क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही अगर आपने गवर्नमेंट का पैसा यूज किया यही अगर आपने गवर्नमेंट के फंड्स यूज किए बेटा तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा क्या इंटरेस्ट तो सर इंटरेस्ट क्या होता है सिंपली अगर हम बात करें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर असेसी डिलेड इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स क्या बोला मालिक इफ दी डिलेड इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स तो क्या लगेगा आवाज नहीं क्या लगेगा साहब इंटरेस्ट इफ दी डिलेड इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स इफ दी डिलेड इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स तो सर जितना पेमेंट उसको करना था टैक्स का तो सर जितना उसने नहीं किया जितना उसने लेट किया उस पर क्या लगेगा इंटरेस्ट और उसके प्रोविजन के ध्यान अच्छा ये जो पढ़ा रहा, रहा ना बेटा इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं था बेटा आई वाले में अमेंडमेंट था पर मैं पूरा ही पढ़ा रहा बच्चा आपको ध्यान मान लो आवाज बेटा जनवरी महीने का रिटर्न जनवरी महीने का रिटर्न कब तक फाइल करना था बेटा ट्वेंटी फेब्रवरी बेटा रिटर्न फाइल करने में अगर आप लेट हो गए अच्छा जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता है वही पेमेंट ऑफ टैक्स का ड्यू डेट होता है बेटा क्लियर थर्टी लेख का था का। का बेटा आपके पास नेट कितना पे करना था बेटा कैश में दस लाख रुपया अगर आप जनवरी महीने का रिटर्न बीस फरवरी को फाइल करना था लेट हो गए और पंद्रह जुलाई को फाइल किया बेटा कब फाइल किया बेटा फिफ्टीन ऑफ जुलाई को बेटा क्लियर फिफ्टीन जुलाई को जब आपने रिटर्न फाइल किया तब टैक्स पे किया एक तरह से बेटा अब भले आपके कैश लेजर में दस लाख रुपए अवेलेबल है भले थर्टी लाख रुपए आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है पर फिर भी पेमेंट ऑफ टैक्स तो नहीं हुआ ये मानेंगे बेटा हाँ ना भाई अब ऐसे केस में फिफ्टीन जुलाई तक 21 फरवरी से कब से सर 21 फरवरी से 15 जुलाई तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18 परसेंट पर नम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से किस अमाउंट पे बेटा नेट टैक्स पेबल इन कैश हा है ना बेटा दैट इज रुपीज टेन लैक्स दस लाख पे आपको क्या करना पड़ेगा सर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हा है ना मालिक डन किस रेट से 18 परसेंट पर सिंपल इंटरेस्ट बेटा हा या ना यस yes या नो क्या समझ टू मान लो जनवरी महीने का रिटर्न आपने फाइल कर दिया बेटा हूं <laughs> करो सर फिर जुलाई में था कि याद आया कि कुछ इन्वेस्ट तो जनवरी महीने के थे वो तो रह गए साफ फाइल करने ही उस पर टैक्स पे, पे करना रह गया अब आपने क्या किया बेटा जून महीने का रिटर्न जब फाइल कर रहे थे बेटा क्लियर जून महीने का रिटर्न फाइल किया जुलाई को बेटा तब आपको याद आ गया तो जून महीने के रिटर्न फाइल करते वक्त आपने वो करके उसका टैक्स पे कर दिया बच्चा हाँ ना भाई लेख की लाइब्रेडी थी बेटा थर्टी लेख का आईटीसी उस टाइम से पढ़ाई बेटा अभी एक्सेस पढ़ाई आपके पास तीस लाख का बैलेंस जनवरी से पढ़ा के बेटा क्लियर नेट टैक्स पेबल कितना है सर टेन लाख रुपए फोर्टी में से तीस लाख का क्रेडिट ले लिया दस लाख पे किया बताओ इंटरेस्ट कितना लगेगा साहब

अच्छा अब बात सुनना नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन फिफ्टी सेक्शन टू अगर क्या बोला सर इफ इफ समझते बेटा इफ का मतलब अगर इंटरेस्ट ओ पंचायती सुनना सर सैंडविट क्रेडिट क्या बोला सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी अगर आपने क्या बोला सर अगर आपने कोई गलत आईटीसी ले लिया बेटा जैसे कोई कार परचेज करी सर आपने अरे क्या परचेस करी मालिक कार और कार का क्रेडिट आपको नहीं मिलता पर आपने क्रेडिट ले लिया बहुत जबरदस्त माहौल कर दिया आपने तो क्लियर सर अब वो कार ही बिजनेस के लिए काम आ रही थी पर आपको बताओ पंचायतिया सर ध्यान दर मेरी तरफ सर, सर आप लोग रिकॉर्ड हो रहे इसके अंदर ध्यान रखना सर और जो भी पर्सन बिना पढ़ाई करते हुए पाया गया सर फांसी की सजा उसको दी जाएगी देखो बेटा सर नहीं 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 सर बिल्कुल भी नहीं सर ऐसा आप सोच सकते हो बेटा पर होगा नहीं सर सर मान लो सेंट क्रेडिट सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको नहीं मिलना था वो आपने ले लिया बेटा रोंग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी अच्छा क्रेडिट लिया ना बेटा आपने तब तक कोई दुख नहीं था बेटा उस क्रेडिट को यूज भी कर लिया होशरी मतलब आपने गवर्नमेंट के फंड्स को यूज किया बेटा और अगर इफ यू आर यूजिंग द गवर्नमेंट फंड ऐसे केस में क्या लगेगा बेटा इंटरेस्ट लगेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेटा सर मान लो आपने टेन लेख का क्रेडिट गलत ले लिया बेटा अवेल कर लिया बेटा जनवरी महीने में सर कब सर जनवरी महीने नहीं नहीं चेंज कर दो बेटा मान लो फोर्टीन फेब को सर अच्छा एग्जाम्पल आपके से लेना पड़ेगा ना सर सर फोर्टीन फेब को आपने क्या किया सर कोई कार परचेज करी और आप बिल्कुल होश में थे नहीं बेटा आपने क्रेडिट ले लिया अब आपने उस कार के परचेज में जो जीएसटी पे किया उसका अगर आपने आईटीसी ले लिया क्लियर पर सर आपको अगले ही महीने एहसास हो गया था बेटा कि 14 फेब को गलती हो गई थी बेटा <laughs> आपको अगले ही महीने एहसास हो गया कि फेब को गलती हो गई थी और आपने क्या किया वो दस लाख का क्रेडिट यूज नहीं किया था सर उससे पहले क्या कर दिया रिवर्स नहीं चाहिए भाई क्लियर अब आप मुझे बताओ सर क्या गवर्नमेंट का कोई फंड आपने यूज किया गया बेटा क्या गवर्नमेंट को कोई टैक्स आपने कम पे किया गया सर आपने क्या गवर्नमेंट का कोई फंड ब्लॉक हुआ क्या सर तो ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी सो अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल किया पर उसको यूज करने से पहले ही क्या कर दिया सर रिवर्स कर दिया तो ऐसे केस में इंटरेस्ट और वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा हा या ना आवाज पर तेरी दीवानगी में ऐसे हुई दीवाने सर वो जो क्रेडिट अपने लिया था उसी महीने में यूज कर लिया बेटा फेबर महीने में क्रेडिट अवेल किया और फेबर में ही यूज कर दिया

फोर्टीन लैस पूरा पे करते बेटा आप क्लियर जबकि आपने पे कितना किया मालिक फोर लैक्स गलत हुआ है सर ये हा है ना सर इसलिए सर अच्छा आपने क्रेडिट कब यूज किया होगा बेटा फेबर महीने का रिटर्न फाइल किया होगा सर आपने कब मार्च में कब ट्वेंटी मार्च या उससे पहले पहले सर मान लो मैंने तो सेवनटीन मार्च को रिटर्न फाइल कर दिया बेटा तो मैं मान लूंगा मार्च को मैंने क्रेडिट यूज कर ली और एटीन मार्च से क्या लग जाएगा मालिक इंटरेस्ट कब तक लगेगा सर जब मैं वो दस लाख रुपए गवर्नमेंट को पे करूंगा तब तक का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ एटीन परसेंट पर नम टी फोर नहीं है पर नम, सिंपल उफ, के साँग से साँग. कितना? अरे कितना 18 परसेंट बच्चों ध्यान रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है विधम फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन क्लियर रेट्रोस्पेक्टिव मालिक क्लियर कितना बेटा 18 परसेंट किस रेट से 18 परसेंट से कब से कब तक तो 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 अठारह मार्च से बेटा कब तक कितने अमाउंट पे टेन लेख पे बेटा हाँ ना जो रोंगली अवेल्ड आईटीसी यूज किया उस अमाउंट हाँ अच्छा एक बात और एक बात और शरी। सर मैंने रिटर्न जो फाइल किया वो कब फाइल करना था मेरे को ट्वेंटी मार्च तक करना था बेटा मैंने कब फाइल किया पच्चीस मार्च को फाइल किया बेटा कब फाइल किया भाई

सर, अच्छा यस निकलने में थोड़ा दिक्कत आ रहा ना बेटा हूं चलेगा बेटा पर चाहिए बेटा है हाँ ना भाई सर मान लो बहुत बढ़िया बेटा माहौल सरकार आपने दस लाख का क्रेडिट रॉन्गली अवेल किया फोर्टीन फ़रवरी को बेटा हूं करो पर फोर्टीन फ़रवरी को जब आपने क्रेडिट लिया दस लाख का क्रेडिट लिया था ओपनिंग बैलेंस फेबर में कुछ भी नहीं था बेटा पच्चीस फरवरी को आपने कुछ और परचेज किया उस पर आपने फाइव लेख का क्रेड और लिया बेटा कितना हो गया बेटा एट द द एंड ऑफ मंथ कितना क्रेड आपके पास बेटा बेटा लाख का क्रेडिट फेब को पच्चीस मार्च को पांच लाख और कितना हो गया बेटा पक्का बेटा बताओ ऐड करके बताओ बेटा पक्का सर फिफ्टीन लेख का क्रेडिट हो गया बेटा आपके पास अच्छा फेबर महीने में आपकी जीएसटी लाइब्रेरी केवल तीन लाख की थी बेटा क्यों कुछ काम किया ही नहीं बेटा आपने तेरी दीवानगी में खोए बेटा सर ब्री लेख का लाइव आया मालिक क्रेडिट कितना बेटा क्या क्या होगा आपने थ्री लेख यूज किया होगा बेटा आपने बैलेंस से बच बच्च गया आपके पास क्वेश्चन आपसे ये है कि ये तीन लाख रुपए जो आपने क्रेडिट यूज किया है कौन सा वाला मानेंगे सही वाला मानेंगे गलत वाला यूज किया पहले मानेंगे पहले ये मानेंगे कि सही वाला जो क्रेडिट था वो आपने यूज किया बेटा क्यों लॉजिक सोचो लॉजिक सोच लेना कभी याद नहीं करना पड़ेगा लाइफ में आपको सोचो अगर आपने फोर्टीन फिफ्ट को गलती नहीं करी होती बेटा कौन सी बेटा वो क्रेडिट लेने वाली बेटा है ना सर अगर आपने फोर्टीन फिफ्ट को वो रॉन्गली अवेल क्रेडिट नहीं लिया होता तो क्या हुआ होता सर तो पांच लाख का क्रेडिट था बेटा आपके पास वैसे भी अब फाइव लाख का क्रेडिट आपके पास था

रॉन्गली सबसे लास्ट में यूज करी ये माना जाएगा और ऐसे केस में उस ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आपने दस लाख को पहले ही रिवर्स कर दिया था तो बेटा क्लियर आवाज नहीं आ रही यही मतलब ये है तो मैं ऐसे बोल दू क्या है? अगर आपका बैलेंस आईटीसी का जुलाई महीने में आपको एहसास होगा कि फेब्रवरी में गलती हो गई थी बेटा जुलाई महीने में एहसास हुआ कि 14 फेब को गलती हुई थी दस लाख का क्रेडिट लेके बेटा पर आपने दस लाख का क्रेडिट रिवर्स किया जुलाई में मिला पर जुलाई महीने तक अगर किसी भी महीने में आपका आईटीसी अकाउंट का बैलेंस दस लाख रुपए कम नहीं हुआ था जुलाई महीने तक जब आपने क्रेडिट रिवर्स की थी बेटा तब तक आपका आईटीसी अकाउंट मिनिमम बैलेंस दस लाख तो मेंटेन था ही था इसका मतलब क्या है बेटा आपने वो दस लाख कभी भी यूज नहीं किए दूसरा क्रेडिट आया दूसरा यूज किया मानेंगे बेटा पर

कब से लगेगा बेटा नहीं नहीं मार्च महीने का रिटर्न कब फाइल किया बेटा अप्रैल को फाइल किया बेटा तो सेवनटीन अप्रैल तो और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ मार्च महीना बेटा बेटा हाँ बेटा ना अर्ली वहां से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा कब तक जब आप पे करेंगे तब तक का बेटा कितने अमाउंट में बेटा दो लाख पे पर मई महीने में मेरा आई टी अकाउंट का बैलेंस सर पांच लाख रह गया बेटा तो तीन लाख पे और इंटरेस्ट चालू हो जाएगा बेटा हा है ना भाई तो जब जब यूज करूंगा तब तब क्रेडिट सर मैंने ये मानेंगे तब से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा बेटा बोलो यस सर मेरे ख्याल से फंडा दिल तक पहुंच गया बेटा अब बताओ मुझे ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ है ये नया रूल इंसर्ट हुआ है आना चाहिए नहीं आना चाहिए एग्जाम के अंदर बस मेरे पास और कोई बेस नहीं बेटा पर हां मैं ये सोचता हूं कि प्रैक्टिकल मार्केट में रोज काम आता है ये पॉइंट प्रैक्टिकल मार्केट में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है सर। आज तक डिपार्टमेंट ट्वेंटी फोर जो गलत था इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन थे ना उसमें भी 24 नहीं था ध्यान से पढ़ा ही नहीं उन्होंने हिंदुस्तान में क्योंकि जीएसटी के अंदर जीएसटीआर टू और जीएसटर थ्री तोबल हुई नहीं बेटा तो मिसमेच तो आता ही नहीं बेटा क्लियर ट्वेंटी फोर तो था इसलिए अमेंडमेंट करके एटीन परसेंट पे बेटा पहले भी नहीं था एक तरह से बेटा क्लियर सर पर हां इंडस्ट्री में बड़ा इंपैक्ट है कि कि नहीं बेटा इसलिए मैं कहता इंपोर्टेंट हो सकता है बच्चों क्लियर इसलिए एग्जाम में आ सकता है इसलिए मैंने बोला बेटा आज मैंने बोला एम्प्लॉयमेंट बोन जब तोड़ते बेटा तो केस में लोग टैक्स लगा रहे बेटा इस पर लिक्विडेड डेमेजे बैंक में चेक बाउंस हो गया बेटा बैंक के चार्ज होते बेटा सारे बैंक चार्ज लगते जीएसटी लगा रहे बेटा क्लियर प्रैक्टिकल मार्केट में इसका बहुत भारी इंपैक्ट है इसलिए मुझे लगता है एग्जाम में आना चाहिए आए नहीं आए मुझे नहीं पता सर क्लियर समझे मेरी बात अब थ्योरी बन क्या है केस बन क्या है न्यूमरिकल बन क्या है एमसीक्यू बन क्या है आने दे जो पूछना है पूछता में दम होना चाहिए सब क्लियर समझे मेरी बात आवाज नहीं आ रही हुई माहौल सरकार पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया सर आइए सर टैक्स इन्वेस्ट चैप्टर की बात करें अगर हम तो सर ई इन्स क्या बोला सर अगर एग्री के टर्न इन एनी ऑफ देंशियर फ्रॉम टू अगर दस करोड़ क्रॉस बेटा कितना बेटा टेन करोड़ तो अगर आप बी टू बी सप्लाई कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो सर बी टू बी सप्लाई या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट के थ्रो क्यू आर कोड जनरेट करना पड़ेगा बेटा है हाँ ना भाई क्लियर समझे मेरी बात बीस करोड़ लिमिट थी दस करोड़ की बेटा है हाँ ना डन और हा पता है जैसे एस की यूनिट बैंकिंग कंपनीज और इन सबको एग्जाम किया ना बेटा सर इंश्योरेंस कंपनी वगैरह को कि सर आपको भले ही आपका टर्नओवर मोर देन टेन करोड़ है फिर भी आपको ई यूनिवर्स के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे तो उन लोगों को अपने बिल पे क्या करना पड़ेगा एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा सर कि हमारे पे ई यूर्स के प्रोविजन एप्लीके हम एग्जाम कमको एग्जाम क्या है इसलिए हमको ई यूनिवर्स इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यह डिक्लेरेशन देना पड़ेगा क्यों क्योंकि आपको पता है कि अगर ई यूनिवर्स का रिक्वायरमेंट है और आपने ई यूनिवर्स के फॉर्म में ई ईनिवर्स इश्यू नहीं किया नॉर्मल बिल इशू कर दिया तो उसको फॉर दी पर्पज ऑफ जीएसटी ही नहीं मानते क्लाइंट कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा तो क्लाइंट बोलता था नहीं नहीं हमको तो इनवॉइस चाहिए बेटा, तो इसलिए उनके लिए लिखवाया कि तुम declaration दे दो परेशान नहीं करे बेटा हाँ ना भाई ठीक सर, सर dynamic QR code, ओ शरी। सर करोड़ है लिमिट है क्रॉस हुआ था तो ऐसे केस में जो भी बी टू सी अपलाई कर रहे हो वहां पे आपको डायनेमिक क्यूआर कोड आपको लगाना पड़ेगा बिल पे और हर डायनेमिक क्यूआर कोड हर इनवर्स लिंक होगा बेटा सो so कस्टमर डायनेमिक क्यूआर कोड डायरेक्ट स्कैन करके वन गो में पेमेंट कर पाए अब वो पेमेंट उस डायनेमिक क्यूआर कोड को यूज करके करे या ना करे वो अलग बात है बेटा ये जस्ट एक फैसिलिटी बेटा हा है ना बेटा हाँ क्लियर डन सर हटाओ सर अच्छा क्रेडिट नोट के केस में मैंने बता दिया आपको टाइम लिमिट टू इशू द क्रेडिट नोट हा है ना भाई कब तक इशू करना समझ में आएगा बच्चे कब तक कब तक बोलना एक बार एक्चुअल था वो मैंने पढ़ा दिया बेटा आइए एक मस्त पॉइंट जो मुझे लगता है कि में भी आना चाहिए बेटा बेटा एक इसका तो बता दू क्या शानदार अरे बता दू क्या मान लो अच्छा जो भी बात मैं बोल रहा हूं एक एक वर्ड पोच रहा नहीं पोच रहा था बेटा पक्का बच्चों क्लियर सर ध्यान रखना ना कोई बुक है ना कुछ कंटेंट है फिर भी एक एक वर्ड यहां सुन रहा है आपको यहां तक पहुँच रहा है बेटा सर ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ये होता है लेवल ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट है अगर आपका लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है तो संभव है क्लियर सर आप में ताकत है आप देख लो सर कब से कब तक आप बैठोगे आपको भी नहीं पता बेटा क्लियर सर <laughs> पर हाँ सर सर पॉसिबल है क्लियर समझे मेरी बात बस आपका डिटर्मिनेशन चाहिए आपका सर जोश चाहिए माहौल एकदम ओके सरकार सुनिए बात को ध्यान से मान लो शानदार पॉइंट है सर पढ़ा दो क्या ओके बोगस बिल ट्रांजेक्शन सीखना बेटा पेनल्टी तो पढ़ लेंगे सर मजा आएगा जिंदगी में आपको सर सर जयेश भाई कर दो तो थे हाँ। नहीं जयेश भाई बेटा क्लियर सर जयेश भाई बाप हूं नहीं करा बेटा कर हाँ आप सर आपके पास एक्स्ट्रा क्रेडिट पड़ा है बेटा मान लो क्लियर आपके पास एक्स्ट्रा क्रेडिट पड़ा है साहब और मेरे पास जीएसटी की बहुत लाइबिलिटी साहब क्लियर सर 199 नाइनटी फीस लिए तो भी जीएसटी पे करना बेटा सर सुन बात करते हैं सर अपने पास जीएसटी की बहुत लाइबिलिटी है उधर बहुत सारा आईटीसी पड़ा है मैंने ऐसे बोला थोड़ा क्रेडिट मेरे को दे देना यार कैसा कर सकते हैं क्या बेटा जैसे एग्जाम में आपके 80 मार्क्स आए इसके 43 मार्क्स आए बेटा सर थोड़े मेरे को <laughs> ना हो पाएगा सर सेम वे सेम वे सर आपके पास एक्स्ट्रा क्रेडिट पड़ा है मेरे पास एक्स्ट्रा लाइबिटी है आप अपना क्रेडिट कभी किसी को पास हो ना नहीं कर सकते ओके मालिक सर देश कौन सा बेटा अपना इतना भारी बेटा समझना देश को बेटा अपने देश को तो क्या देश को लोगों को समझना बेटा देश तो बहुत अच्छा ही है बेटा लोगों का भरोसा नहीं बस सर पालगर हाँ क्या नाम सर सुमुख ये भाई हमारे कंसल्टेंट है बेटा सुनना बात मजा आएगा जिंदगी में आपको बेटा सरकार जयेश भाई इनके क्लाइंट है बेटा सुमुख के जयेश भाई ने इनको बोला मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा क्रेडिट पड़ा है कोई हो तो देखना <laughs> सर <laughs> मे भी इनका क्लाइंट सर मैंने कहा मैंने कहा सुमुख भाई सुमुख सुमुख भाई जीएससी की खूब लाइब्रिटी आती है कहीं से कोई क्रेड का जुगाड़ होता है तो देखना इस ठीक है देखता हूं इसने हम दोनों को देख लिया बेटा सर मैंने कहा जो भी आपको फीस होगा हम देंगे आपको उसने भी इसको बोल दिया बेटा ये अंदर अंदर खुश हो रहा है बेटा लड्डू इसने थोड़े दिन बाद फोन किया कि मंगल क्रेडिट चाहिए क्या बोला हाँ चाहिए एक जुगाड़ है मन बिठा बैठा दे फीस मिल जाएगी तेरे को ओके जयेश भाई को बोला क्रेडिट ट्रांसफर करना है क्या बोला हाँ सर अच्छा कर देंगे सर कोई दिक्कत नहीं सर फीस इसका इसको मिल जाएगा सर अब समझना बेटा पहली बार तो फायदा क्या होगा किसको क्या फायदा है वो समझना पहले आप सर हूं करना था ना बेटा आपको सर वन करोड़ का इसने मेरे को बिल लिखा बेटा उसमें एटीन लेख एटीन परसेंट जीएसटी था बेटा

अब पॉइंट ये कि जयेश भाई सर इसके कस्टमर एंड कंज्यूमर जिनको क्रेडिट की मतलब है नहीं साहब उसने इससे बिल लिए नहीं अब सर एक करोड़ का इसने कैश तो लोगों से ले लिया बेटा एक करोड़ प्लस जीएसटी का बेटा कस्टमर से जीएसटी भी लिया हुआ है सर इसने पर उनको बिल नहीं दिए अब इसने सोचा अब बिल अब भाई ईयर एंड हो रहा है साहब इसको बिल तो फाड़ने पड़ेंगे ना यार या क्वार्टर एंड हो रहा है मंथ एंड हो रहा है सर बिल तो फाड़ने पड़ेंगे सर इसको हर महीने बिल फाड़ना पड़ता बेटा क्यों वन स्टॉक कैसे मैनेज करेगा सर करचेज तो किया जा रहा है सेल नहीं हो रही बेटा

और इसको जो कस्टमर्स ने कैश में पेमेंट किया था बेटा यादा है बेटा वो इसने मेरे को दे दिया बेटा अच्छा इसने एक करोड़ प्लस एटीन लेख का बिल मेरे को लिखा है मैंने इसको एक करोड़ अठारह कर क्लियर अब सर हम दोनों ने क्या किया बेटा नौ परसेंट का नौ परसेंट मेरा बेटा डिवाइड कर लिया बेटा क्योंकि मेरे को ये क्या करेगा एक करोड़ नौ लाख रुपए देगा बेटा कितना देगा भाई एक करोड़ नौ लाख मतलब एक करोड़ तो मेरे ने इसको एक्चुअली पे किया था बेटा वही है एटीन लेख जो मैंने जीएसटी अमाउंट इसको एक्चुअली पे किया

सर एक दिन गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा सर ये ट्रांजेक्शन ट्रेस कर लिया पकड़ लिया और बोल दिया दिमाग खराब मत करना मंगल साहब अब तेरा क्या होगा मान लो अब ये ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया अब यहां पेनल्टी के प्रोविजन क्या कहते हैं बेटा वो पढ़ बेटा। पहले इसकी बात करे गी? मेरी बात करे बेटा मेरी मतलब आप लोग भी यार सर पहले आपकी बेंड में जाओ सर हमारी तो ऐसे ही बजा ही रहा है सर सर चलिए सर कोई बात नहीं जयेश भाई की बात कर लेते पहले हम बेटा मान लो <laughs> सिस्टम से बात करते हैं ना सर मजा आएगा सर आपको मान लो आप सप्लायर हो बेटा मान लो क्या मानना क्या एक्चुअली है ना बेटा यार अब सर सुनना बेटा ध्यान से आपने मेरे को बो, बोगस बिल इशू किया अच्छा, समझ मारा बेटा आपको पॉइंट सर सुनना बेटा सर आपने मेरे को वन करोड़ प्लस एटीन लेकर बिल इशू मुझे लगता है कि आना मुझे लगता है, आना है इसी बार और जब भी और जो भी देखो लॉजिकल आपको कोई भी पेपर अगर बनाता है देखो ही पेपर नहीं बनाता बेटा आईसीआई क्या करता है बेटा कुछ लोगों को देखता है सेलेक्ट करता है बेटा कि ये इंडा टैक्स का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर क्लियर उनको बोलता है पेपर बढ़ाने के लिए सी ए के लिए बेटा जहां तक मैं वो नॉलेज अब सर अब पता है मेरे मैं सब चीज नहीं बोल सकता मैं आपको बेटा सुना बात के ध्यान से अब अच्छा हम लोग पेपर नहीं बना सकते बेटा कभी भी लाइफ में ना हम देख सकते बेटा ठीक है वो मैं क्लियर करता हूँ आपको तो सर नहीं नहीं कभी भी नहीं हो सकता सर लाइफ में हो ही नहीं सकता बेटा वो पॉसिबल ही नहीं है सर कोई कह भी रहा तो पागल बना रहा सर आपको सुनना तो साहब जो इंट्राटेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहा है बेटा जो प्रैक्टिसिंग सी है जो अच्छा काम कर रहे इस फील्ड में आप मुझे बताओ उनके पास अभी हॉट मार्केट में जो चल रहा है उनके पास क्लाइंट होंगे होंगे बेटा उन सब के पास बोगस बिल के क्लाइंट होंगे होंगे बेटा उन सब के पास ये रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट जो यूज किया उनके क्लाइंट होंगे होंगे बेटा क्लियर और वो का वो सर्कुलर या वो का वो अमेंडमेंट वो लोग के अंदर देख लेते उनके दिमाग में फ्रेश ना बेटा यार ये तो बच्चों को आना चाहिए यार पूछते बच्चों से जो सीए बन रहा है उसको आता नहीं आता देखते ना यार तो उस एंगल से मैं कहता हूँ कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बाकी मुझे नहीं पता कि एग्जाम आएगा क्या नहीं आएगा बेटा क्लियर और अच्छा आप भी खुद फील करता हूँ अब सर जयेश भाई अब मैं पहले आपकी बात कर रहा हूं आपने एक करोड़ का बिल लिखा उस पर जीएसटी लिया कितना क्लियर आपने क्या गुनाह किया है आपने बोगस बेटा सबसे पहली बात सर ट्रांजैक्शन के केस में इसने तो मेरे को किया पेनल्टी लगेगा हम पढ़ रहे ध्यान देना तीन चार सेक्शन अपने है, किस पे होता है आएन, सब सेक्शन वन आइन सब सेक्शन है सर सप्लाई ऑफ और बहुत बेटा इसने सप्लाई तो किया ही नहीं लेवी के सेक्शन में आई नहीं रहा है चार्जिंग सेक्शन में आ ही नहीं रहा है इस पर जीएसटी की लाइब्रेरी कोई आई नहीं रही सर जीएसटी की लाइब्रिटी कोई आई नहीं रही सर क्लियर ओके okay. अब जब जीएसटी की इस लाइब्रिटी आई ही नहीं रही तो सेक्शन नंबर सेवेंटी थ्री सेवन याद है बेटा शोक सेवेंटी थ्री सेक्शन लगता है कब मिस्टेक के केस में बेटा लगता है कब फ्रॉड के केस में पर सेवेंटी थ्री हो या सेवेंटी फोर हो ये दोनों लगते कब है शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट शॉर्ट लेवी नॉन लेवी या एरोनियस रिफंड वापस होना बेटा

पर 74 में कवर नहीं हुआ तो सर 73 74 का कोई पेनल्टी नहीं लगेगा अच्छा सेक्शन 91 में कवर नहीं हो रहा है तो जीएसटी लगेगा भी नहीं इसको जीएसटी पे भी नहीं करना पेनल्टी भी पे करने की जरूरत नहीं है 73 74 की बेटा फिर आप बोलोगे सर छोड़ देंगे इसको क्या गुनाह तो क्या है ना सर तो सर हर गुनाह की सजा देर की बेटा सेक्शन नंबर 122 सब वो पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस का चैप्टर याद आया बेटा आपको

सर सेक्शन नंबर वन ट्वेंटी टू सब सेक्शन नंबर वन क्लोज नंबर टू में आप कवर हो गए बच्चे लिखा है क्या अगर आप विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज़ बोथ अगर आप टैक्स इन्वेस्ट इश्यू करते हो सो देट जो रेसिपेंट है वो एरोनियस क्रेडिट ले ले वो इन एलिजिबल क्रेडिट ले, ले, या ले, ले हाँ है ना भाई तो ऐसे केस में आपने ऑफेंस किया है सेक्शन नंबर 122 ट्वेंटी टू सबसेक्शन वन क्लोज नंबर टू का और यहाँ पे योर इंटेंट वाज टू एवर द टैक्स इसलिए हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व क्या बोला सर इज द पेनल्टी चार्जेबल मिस्टर सप्लायर जयेश हाँ है ना भाई टैक्स कितना था बेटा तो एटीन लेख का पेनल्टी आप पे लग गया हो गया कार्यक्रम खत्म बेटा आपका मतलब आप पे 73, 74 का को, कोई पेनल्टी नहीं है आप पे केवल सेक्शन नंबर 122 ट्वेंटी टू सब सबसेक्शन वन क्लोज नंबर टू का पेनल्टी बेटा हाँ ना भाई विच इज 100 परसेंट ऑफ टैक्स इनवॉल्व बेटा हाँ या ना यस yes या नो अब तेरा क्या होगा मंगल इसने क्या किया बेटा इनपुट टैक्स रेट ली बेटा ओ भाई ऐसे बिल के बेस पे क्रेडिट ली

मैंने में क्या किया रॉन्गली अवर्ड आई को यूज कर लिया बेटा और अल्टीमेटली मैंने लाइवली कम पे करी बेटा याद करो 73, 74 बेटा अच्छा 73 तो मिस्टेक नहीं लगता है बेटा हा तो है हाँ ना भाई सर शॉर्ट पेमेंट कवर हो गया फर्स्ट नहीं बेटा मैं तो शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट शॉर्ट लेवी नॉन लेवी और सिर्फ हाँ ना भाई मेरे को गवर्नमेंट को पूरा टैक्स पे करना था पर मैंने पे कितना किया सर कम पे किया अठारह लाख रुपए कम टैक्स पे किया तो शॉर्ट पेमेंट में कवर हो गया और शॉर्ट पेमेंट में अगर मैं कवर हो गया

वो ऑफेंसेस पेनल्टी का फर्स्ट सेक्शन सर जिसमें लिस्ट ऑफ ऑफेंस वन उसमें 7 में ये भी कवर है, कि अगर आपने कोई क्रेडिट लिया विदाउट गुड्स ना मालिक तो सर ऐसे केस में भी हंड्रेड परसेंट ऑफ इज द पेनल्टी बेटा मतलब सेवेंटी फोर नंबर का सेक्शन का हंड्रेड परसेंट टैक्स पेनल्टी लग गया साथ में 122 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 7 का पेनल्टी भी लग गया कितना बेटा 100% टैक्स नोट बेटा पर एकदम अभी-अभी मेरे को सेक्शन नंबर no. 75 याद आया बेटा एक सेक्शन नंबर no. 75 में लिखा है क्या अगर आप पे सेक्शन नंबर 73 या 74 का पेनल्टी लग गया अगर आप पे 73 या 74 का पेनल्टी लग गया तो पूरे एक्ट में किसी और प्रोविजन का कोई पेनल्टी आप पे चार्ज मतलब

कि ये दोनों मरे हमारे क्या करना बेटा क्लियर सर गवर्नमेंट ने इसको पकड़ा बेटा ओ भाई साहब इसने क्या बोला सर मेरी गलती का है क्रेडिट देने वाले वो लेने वाले ये <laughs> मैं तो कहीं कही इन्वॉल्व हुई नहीं इसलिए इसके लिए सेक्शन वन ए अलग से इंसर्ट किया बेटा क्योंकि इसने क्या बोला गवर्नमेंट को ना तो मैं सप्लायर हूं ना में रेसिप न मैंने क्रेडिट दिया है ना मैंने क्रेडिट लिया है है हाँ ना भाई तो इस होशियारी के लिए अलग से सेक्शन नंबर सेक्शन इंसर्ट किया पेनल्टी में और बोला क्या सर जो इन ट्रांजेक्शन के पीछे मास्टर माइंड था बेटा एट हुज सच ट्रांजेक्शन वर पे भी 100% ऑफ टैक्स इन्वाल्डी है ना 100% ऑफ पेनल्टी का अमाउंट बेटा हाँ ना अरे क्लियर तो आप पे भी पेनल्टी लग जाएगा बच्चों हाँ या ना क्लियर हंड्रेड परसेंट बेनिफिट इन वोनल्टी का बेनिफिट रिटर्न किया है तो सर इस पर पे भी पेनल्टी लग जाएगा बच्चों हाँ या ना सर क्लियर डन याद समझ में आया बेटा आपको पॉइंट चलिए सर अगली बात इसी में अभी एक एक लास्ट मिनट और बाकी बेटा मेरा मजा आ जाएगा जीवन में आपको सर एक लास्ट मिनट और सुन लोगे तो सर सर साहब अठारह लाख का पेनल्टी तो हमने पे कर दिया बेटा इसने भी पे कर दिया उसने भी पे कर दिया हम तीनों मिले एक बार बेटा बड़ा दुख हुआ साहब सर अठारह लाख उसके अठारह सबके पेनल्टी लग गई बेटा मैंने कहा यार सुमुख भाई अच्छा नहीं हुआ बोला सर चिंता मत करो इस बार ऐसी प्लानिंग करेंगे कोई पकड़ नहीं पाएगा <laughs> मैंने कहा यार जीएसटी लाइब्रेड बहुत आती है उसने बोला मेरे पास आईटीसी बहुत पढ़ा है कुछ ऐसा सेटिंग जमा जो पकड़ में नहीं आया तो इसने क्या किया सर एक्चुअली क्या मार्केट में बदनाम था ये जयेश भाई कि इसके बिल के बेस पर जिसने क्रेडिट लिया वो गलत लिया होगा साहब तो मैंने कहा तू जयेश भाई के बिल मत दिलवाना मेरे को बोला आपको किसी और पार्टी अभी लाएगा टेंशन मत लो मैंने कहा ठीक है इसने बोला तू मंगल को बिल मत देना मेरा मैंने कहा मैं किसी और पार्टी को बिल दे दूंगा तेरा बस टेंशन मत ले तू इसने क्या किया शेल कंपनी बनाई बेटा डमी कंपनी बेटा क्लियर क्या किया साहब इसने एक शेल कंपनी बनाई डमी कंपनी बनाई साहब जिसका कोई अस्तित्व नहीं था सर हमारे भाई साहब जयेश भाई ने बिल लिखा ये हमारे कंसल्टेंट भाई ने बिल उस शेल कंपनी के नाम पे बनवाया बेटा डमी कंपनी के नाम पे कंपनी का नाम क्या बेटा डमी ठीक है सर

है हाँ ना भाई क्लियर अब ऐसे केस में क्या होगा साँ? क्लियर सर अब ऐसे केस में गवर्नमेंट समझदार बेटा कानून के हाथ लंबे होते बेटा बेटा पकड़ लिया सर और गवर्नमेंट ने इस ट्रांसेक्शन को भी पकड़ लिया अब तेरा क्या होगा सुनना जयेश भाई तेरा क्या होगा बेटा तेरा तो वही वन ट्वेंटी टू सबसे टू हंड्रेड परसेंट टैक्स पेनल्टी लगेगी बेटा मेरा क्या होगा सेक्शन नंबर सेवेंटी फोर का पेनल्टी शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स बेटा है ना भाई क्लियर क्योंकि सर मैंने तो रॉन्ग अवेलमेंट क्रेडिट किया और उसको यूज़ किया अल्टीमेटली बोगस बिल लिया बोगस बिल दिया अच्छा बोगस बिल जो लिया उसके पे क्रेडिट लिया बेटा बोगस बोगस बिल जो दिया सर उसके बेस पे लाइब्रेरी क्रेड हुई बेटा इसकी है हाँ ना भाई और बोगस बिल की के, के लिए बोगस बिल का क्रेडिट लिया बात खत्म बेटा है हाँ ना भाई अच्छा उस डमी कंपनी ने कुछ सप्लाई किया क्या कि बेटा आवाज आ रही ये उस डमी कंपनी ने कोई सप्लाई नहीं किया जब सप्लाई नहीं किया तो लेवी नहीं होगा हा है ना मालिक लेवी नहीं होगा तो लाइब्रेरी की बात आती नहीं बेटा अब लाइब्रेरी नहीं आई तो उसने रॉन्ग क्रेडिट जो यूज करी उसके लिए शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स कुछ हुआ नहीं सर ना शॉर्ट पेमेंट हुआ ना नॉन पेमेंट हुआ ना शॉर्ट लेवी ना नॉन लेवी हुई ना रिफंड हुआ बेटा है हाँ डमी कंपनी में जब लाइब्रीटी नहीं आई थी बेटा जब लेवी नहीं हुआ तो लाइव्रिटी नहीं आएगी लाइब्रेटी नहीं आएगी तो देर इज नोट नो पॉइंट ऑफ एनी पेमेंट ऑफ टैक्स तो उसने तो कुछ पेमेंट नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा हा ना तो वो सेवनटी फोर में कवर नहीं हो रहा सेवेंटी फोर में कवर नहीं हो रहा तो सर, सर हम आगे गए

सेवेंटी फोर में अगर कवर होता तो एक बार ही पेनल्टी लगता क्लियर और सर दूसरे कोई प्रोविजन का में पे नहीं लगता पर सेवेंटी फोर में तो टू हाँ और सेवन का लगेगा भारत माता की जय पूरा ट्रांजेक्शन समझ में आया कि नहीं आया अब बीच में डमी कंपनी दस घुसा दो बेटा उन दस पे क्लोज नंबर टू और क्लोज सेवन का पेनल्टी लगेगा बेटा फर्स्ट जो पर्सन था बेटा उस पे

सरकार सुनना बच्चों ध्यान से सौ करोड़ का बिल लिखा अठारह करोड़ का जीएसटी अठारह करोड़ का क्रेडिट अब क्या होगा पता है अठारह करोड़ का पेनल्टी इस पे अठारह करोड़ का मेरे पे थर्टी सिक्स लेकर डमी डबी का परसेंट बेटा और ये हमारे सुमुख भाई इनपे भी हंड्रेड परसेंट टैक्स नोट बेटा हाँ है ना भाई क्लियर अब ये तो पेनल्टी लग गई बेटा जेल के प्रोविजन भी बेटा याद करो सेक्शन वन थर्टी टू बेटा जेल के प्रोविजन ज्यादा इम्प्रिजनमेंट अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व सर एक्सीडिंग रुपीज फाइव करोड़ है कितना है बेटा तो पांच साल तक की जेल है बेटा मिनिमम सिक्स मंथ बेटा क्लियर अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व सर

क्लियर साल पाँच साल बेटा हाय है ना भाई अंदर ही खेलेंगे बेटा हम <laughs> और सुन और सुन ध्यान से जीएसटी के अंदर जीएसटी के अंदर सारे ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल और अवेलेबल होते बेटा क्या होता है मालिक नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल अच्छा क्या होता है नॉन कोग्निजिबल कॉग्निजेबल बेटा कोग्निजिबल मतलब सीवियर काइंड ऑफ ऑफेंस संगीन अपराध अच्छा आपने किसी का मर्डर तो किया नहीं बेटा यार क्या नॉनिटरी मॉनिटरी ऑफेंसेज बेटा ये इसलिए सारे ऑफेंसेस अंडर जीएसटी क्या है नॉन कॉन्ग्रेजल मतलब बहुत भारी ऑफेंस नहीं है एंड बेलेबल मतलब वहां जमानत हो, वह हो, वह हो सकती है बेटा वहां जमानत हो सकती है बेलेबल ऑफेंस बेटा हा भाई क्लियर पर चार केस में कितने ऑफेंस चार ऑफेंसेस को क्या माना है बेटा मतलब, मतलब वहां पर विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स दी अरेस्ट उस अक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया जाता है फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि इसको जेल में फिट करना है कि क्या करना बेटा हा है ना बेटा और पुलिस वाले नॉर्मली तभी पकड़ते हैं आपको जब अगले तीन चार दिन वर्किंग डे छुट्टी हो बेटा ताकि थोड़ा सेवा का मौका उनको भी मिले कि तुम लूट रहे तो हम क्यों नहीं लूटे आपको बेटा क्लियर अब सुनना एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अभी इतना नहीं सर और चार ऑफेंस कौन कौन से बेटा विच आर कॉन्ग्लेजल एंड नॉन बेलेबल वो चार ऑफेंस कौन कौन से बेटा सुनना अगर आपने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ किया विदाउट इश्यू ऑफ एनी इनवॉइस विद इंटेंट ऑफ इवेंट पेमेंट विदेंट टू इवेंट पेमेंट ऑफ टैक्स सेकेंड आपने इनवाइस इश्यू किया विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ऑफिसर बहुत जयेश भाई थर्ड विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स ऑफ ऑफिसर बहुत आपने सर इन देशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दी लो रॉन्ग आई टी सी लिया हाँ है ना भाई या सर बिना बिल के क्रेडिट ले लिया या केवल बिल के पैसे दोनों कवर है बेटा और लास्ट आपने कस्टमर से टैक्स ले लिया सर और गवर्नमेंट को पे नहीं किया और मोर देन थ्री मंथ एक्सपायर हो चुके हैं ये चारों केस में अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व एक्सीडिंग रुपीज फाइव करोड़ कितना है बेटा इन चारों केस में अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्विंग रूपीज फाइव सी है तो ऐसे केस में दीज फोर ऑफेंसिस आर

इससे आपको 75 भी समझ में आया कि अगर इसमें सेक्शन में, में पेनल्टी लगी तो किसी और में नहीं लगेगी ऑफेंसेस की प्रोविजन भी समझ नहीं आया Done. Done. सरकार, चलो लगे तो एक बात और बताया की बात आई तो सर सेवेंटी थ्री में पेनल्टी कितना बेटा शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट शॉर्टी नॉन लवीर पेनल्टी कितना बेटा टेन परसेंट ऑफ टैक्स एवर इज हायर

सर फिफ्टीन परसेंट ऑफ टैक्स है ना बेटा पर अगर, अगर शो को थर्टी डेज के बेटा तो है हाँ ना भाई पर अगर नहीं माने आप सर आपने केस सर कंटेस्ट किया और अगर आप अल्टीमेटली केस हार गए डिमांड ऑर्डर सर हो गया अब आपने बोला ठीक है अब तो पे कर दो साहब अब आपने तीस दिन के अंदर पे कर दिया डिमांड ऑर्डर सर होने के तीस दिन पे कर दिया तो ऐसे केस में फिफ्टी परसेंट ऑफ टैक्स विल पचास परसेंट पेनल्टी माफ कर देंगे बेटा और उसके बाद भी नहीं माने तो आ जाओ बेटा हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स इज द पेनल्टी हो सकता है अपील में गए बेटा वहां आप केस जीत गए तो अच्छा बात है सर हार गए तो सर अब कुछ ना हो पाएगा अब हंड्रेड परसेंट टैक्स भारत माता की जय आया नहीं आया सर क्लियर डन सर ये मेरे को वो मोटे मोटे प्रोविजन लगे जहां सर एग्जाम्स के लिए भी इंपोर्टेंस हो सकते बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला हो सकते हैं और एग्जामिनेशन के लिए अट्रैक्ट हो सकते हैं आई ट्राइड कि सर वो टॉपिक मैं आपके कवर कर दू रिगार्डिंग जीएसटी बेटा हाँ है ना भाई ना। आइए सरकार कुछ बातें कर लेते हैं रिगार्डिंग कस्टम्स अरे बात कर ले क्या सर अरे समझ में आया कि नहीं आया जीएसटी सर अरे हा है ना सर शुरू करिएगा कस्टम्स ओके सर पानी वानी पीना है बेटा आपको पीलो सर अरे बाहर खा जा रहे ये तो मैंने गलत बोल दिया बेटा यार ओके सर कस्टम्स सुनना बच्चों ध्यान से पानी भरने जा रहे हो क्या सर ओके चाय चाय एक आपको भी चाहिए बेटा चाय जस्ट इमेजिन बेटा सर ओके सर कस्टम शुरू करो बेटा अपना पॉइंट दस मिनट में तो ब्रेक ना हो पाएगा देखो यार आप आ ही नहीं पाएंगे वापस बेटा सर अगर मैंने ब्रेक दिया आप एक बार बाहर निकले तो वापस आने में सर क्योंकि क्या क्लासरूम पूरा फुल है बेटा क्लियर वापस आने में बैठने में उसमें आधा घंटा आपका नहीं जाना बेटा क्लियर और फिर बाहर जाने के बाद वो ला चाहिए चाय पी लेते हैं यार एक बार Clear? तो आपका हो सर। और कोई दिक्कत नहीं। आपको चाहिए दो मिनट के लिए क्लियर ठीक है सर दो मिनट लिए आप भले रोकना तो रोक दीजिए हाँ ये सरकार शुरू करे क्या आर यू रेडी फॉर पावर बैक सेशन सर लास्ट सेशन शुरू कर देगा सर ओके okay, तो सरकार अंडर कस्टम सबसे पहली बात सर कस्टम चार्ज क्यों हुआ सर याद करो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया था आपको सर टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ हा ना भाई सर कस्टम चार्ज हुआ किस दिन चार्ज होगा बेटा कस्टम किस दिन लगेगा जिस दिन वो डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट करेगा डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कब करेगा जब डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा डोमेस्टिक मार्केट में कब जाएगा जब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन क्लियर या फिर हो सकता है सर वेसल या एयरक्राफ्ट बाद में आया बेटा वेसल बाद में आया तो ऐसे केस में जिस दिन एंट्री इनवर्ट बाद में मिला बेटा तो उस दिन डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा बेटा तो इसलिए रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी और वैल्यू क्या था बेटा बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन या ग्रांड ऑफ एंट्री इनवर्ट विच एवर इज लेटर और वैसे और एयरक्राफ्ट और व्हीकल के केस में एंट्री नहीं मिलता है वहां पे इसलिए बोलते हैं क्या डेट ऑफ 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 फाइलिंग बिल एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और अराइवल ऑफ द व्हीकल और एयरक्राफ्ट विच एवर इज लेटर इज द टाइम इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू बेटा ना भाई ओके okay, चलिए सरकार केस ऑफ एक्सपोर्ट रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू क्या होता है साहब सर आपने सर शिपिंग मिल फाइल किया होगा सर फिर उसने परमिशन फॉर एक्सपोर्टेशन दिया होगा अंडर सेक्शन फिफ्टी वन जब परमिशन दिया उसको बोलते क्या लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर क्या बोलते सर? हैं सर दिलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टेरी वैल्यू इनके अगर एक्सपोर्ट पे कस्टम लगता है तो बेटा है ना भाई क्लियर और इन एनी अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी Date for value. हाँ ना ये 15 और था आप क्या? अब सुना से सबसे, सबसे बात करें क्या वैल्यू ऑफ गुड्स अंडर कस्टम बेटा किस वैल्यू पे कस्टम लगता है साहब वो हम बात कर रहे हैं सर सर वैल्यू ऑफ गुड्स अंडर कस्टम्स अरे शुरू करे क्या सर ये शुरुआत की एक दो बातें तो मैंने मोमेंटम बनाने के लिए कर दी ताकि आप माहौल में आ जाओ सर एक बार कस्टम के क्लियर सर अब आ गया आपका फोल्डर खुल गया दिमाग के अंदर किसका कस्टम का सर आइए सरकार शुरू करते क्या कस्टम्स वैल्यूएशन सर शुरू करें अच्छा कुछ समझ में आ रहा है कि जा रहा कितने बेटा बताओ कितने बेटा पास नहीं एक हाथ है बेटा क्या समझ में आ रहा है सर पॉइंट केस ऑफ कस्टम्स क्या बोला सर सरकार सिंगापुर से कोई गुड्स मैंने हिंदुस्तान में इंपोर्ट किया तो सबसे पहली बात कस्टम हिंदुस्तान में लगेगा कि सिंगापुर में लगेगा बेटा सिंगापुर में लगे लगे हमें क्या करना बेटा हम तो इंडिया के रहे ना बेटा तो कहा लगेगा बेटा इंडिया इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसलिए अप टू दी इसलिए अप टू इंडियन पोर्ट ना बेटा सर अरे ये नो क्लियर दैट वैल्यू इज रिलेवेंट फॉर दर्पज ऑफ कस्टम्स ड्यूटी बेटा हा या ना क्लियर सर 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 मान लो ध्यान देन देना बेटा ये क्वेश्चन कंपल्सरी आते बेटा एक क्लियर वैल्यूएशन का बच्चों ध्यान देन देना बेटा इसलिए सबसे सब पहले मैंने उठाया बेटा सरकार मान लो सिंगापुर से गुड्स निकल रहा है बेटा तो वहां के पोर्ट पे गुड्स को लोड कराने तक की कोस्ट को बोलते हैं वहां के वेसल एयरक्राफ्ट पे गुड्स को लोड कराया है सर बोर्डिंग कराया है गुड्स का सर उस कोस्ट को बोलते हैं क्या एफ ओ बी वैल्यू ऑफ द गुड्स फ्री ऑन बोर्ड बेटा हाँ ना बेटा तो सिंगापुर पोर्ट पे गुड्स का बोर्डिंग करा दिया है वहां तक की कोस्ट को बोलते हैं क्या एफ ओ बी वैल्यू ऑफ द गुड्स अब सर ये गुड्स की वैल्यू कहां तक की सिंगापुर की बेटा अरे वहां से यहाँ पे आएगा ना बेटा कैसे आएगा सर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा बेटा ऐसा तो नहीं ना? सर आपला का गुड्स निकल यहाँ से और इंडिया पोस्ट इंडिया आगे ऐसा तो नहीं होता बेटा बेटा कंपलसरी फ्रेट लगेगा वो वैल्यू में इंक्लूड करेंगे बच्चों वहां से यहाँ आएगा तो कंपलसरी इंश्योरेंस होता है तो जो प्रीमियम होगा उसको एड करेंगे बेटा हा मालिक ओके तो सर आर टू कंपल्सरी एडिशन क्या बताइए दो कंपल्सरी एडिशन है मतलब ये तो इंकर किए ही होंगे इसको इंकर किए बिना गुड्स इंडिया में नहीं आ सकता क्लियर और इसको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस पर लगेगा ड्यूटी बेटा हाँ या ना अच्छा अब इसका है बेटा सर अब

सर बाय वेसल आ रहा है बाय सर रोड आ रहा है या बाय एयर आ रहा है बेटा अगर बाय वॉटर या बाय लैंड आ रहा है बाय वेसल या बाय रोड आ रहा है तो ऐसे केस में अरे बाय लैंड या बाय एयर आ रहा है तो एक्चुअल फ्रेट अगर दे रखा है तो वो ऐड कर देना बेटा हाँ है ना भाई और अगर बाय एयर आया है तो फ्रेट ज्यादा लगा होगा बेटा तो पहली बार हिंदुस्तान में फायदा दिया बेटा अपने को पहली बार फायदा दिया एक्चुअल एयर फ्रेट एक्चुअल एयर फ्रेट और ट्वेंटी परसेंट ऑफ दी एवर इज लोअर फायदा देना बेटा अपने को तो कम एड होगा तो कम वैल्यू आएगी कम वैल्यू वैल्यूगी तो कम कस्टम लगेगा बेटा क्लियर तो एक्चुअल और ट्वेंटी इज लोअर इज द अमाउंट ऑफ वोट फ्रेट एयर के केस में बेटा वो एड करेंगे बेटा और हा अगर इफ द एक्चुअल फ्रेट इज नॉट एजस्टल बेटा दे ही नहीं रखा है तो भली बाई एयर ओ वोटर ट्वेंटी परसेंट ऑफ एफ एडेड इन द या ना क्लियर yes. डन अच्छा सुनना हाँ क्या हाँ चाहे या, याद है दो ना मेरे को हाँ हाँ ओके okay. सर सुनना <laughs> सर 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 सुनना ध्यान से <clears throat> इमेजिन गई बेटा है ना सर पॉइंट ये कि अगर ओ भाई सिंगापुर से गुड्स इंडिया में आ रहा है कहा जा रहा है सर सिंगापुर से गुड्स इंडिया में आ रहा है तो जो एक्चुअल फ्रेट चार्ज हुआ है वो अगर नहीं दे रखा तो ऐसे केस में भली भाई एयर हो वोटर हो लैंड हो ट्वेंटी परसेंट ऑफ एफ ओबील फ्लेट का अमाउंट उसको वैल्यू में एड कर देंगे बच्चों हाँ है ना सर अब सुन 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 मान लो इंश्योरेंस इंश्योरेंस की बात करा। मैं आपसे बेटा सर के केस में अगर एक्चुअल नहीं दे रखा तो, तो वन पॉइंट दिमाग खराब करना बेटा क्लियर और ये कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट ये जो मिला के अमाउंट आएगा दिस इज कॉल्ड सी आई एफ और ये जो वैल्यू आएगा उसमें क्या लगेगा सर कस्टम लगेगा सर सी आई एफ इज कोल्ड वैल्यू क्लियर मालिक ओके सर दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सीआईएफ वैल्यू ऑफ दी गुड्स उस पर कस्टम लगेगा मालिक हाँ ना, सर कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट अच्छा ध्यान देना बेटा इंडियन पोर्ट पे गुड्स आ गया पे आ गया सर इंडियन पोर्ट पे गुड्स आ गया सर, या सर वैसल या एयरक्राफ्ट सर वैसलू थैंक यू थैंक यू काका सर इंडियन पोर्ट तक आ गया बच्चों अब इंडियन पोर्ट पर क्या करेंगे उसको अनलोड करेंगे बेटा हूं करो सर वो जो अनलोडिंग एक्सपेंस होगा वो जो हैंडलिंग एक्सपेंस होगा वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होता है क्लियर ध्यान देना बच्चों सर एवरी कॉस्ट ऑफ फ्रेट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंगलोडिंग एंडलिंग टू दी प्लेस इंपोर्टेशन एट दी प्लेस इंपोर्टेशन पे जो अनलोड किया को नहीं करेंगे clear, भगवान सर सर okay, अब मान लो आपने गुड्स को अनलोड किया क्या किया सर अनलोड किया और यहां से ट्रांसशिपमेंट करके कहीं और लगे बेटा होता ना सर मुंबई से कोलकाता लगे बेटा तो अल्टीमेटली कस्टम क्लियरेंस कहा से होगा सर कोलका से होगा पर सर भली कस्टम क्लियरेंस कोलका से हो रहा है या आप कस्टम पोर्ट से गुड्स ले रहे हो इंडलैंड पर ऐसे केस में यहां से मुंबई पोर्ट से जो वहां लगे उसका जो एक्चुअल ट्रांसपोर्ट कोस्ट था या उसका जो इंश्योरेंस था वो कभी भी वैल्यूम इंक्लूड नहीं करेंगे क्लियर डन एक और पॉइंट सर सर कई बार जब गुड्स वैसल से आता बेटा सर

तो ये जो चार्जेस लिए ये भी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट का पार्ट है बेटा किसका पार्ट है सर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट तो वैल्यू में इंक्लूड होती है आपको पता है बच्चों मालिक हाँ ठीक या कोई डाउट यहां तक गलती होती भी नहीं सर अब गलती अगले पॉइंट में होती है बच्चों से। सरकार क्वेश्चन ने क्या दे रहा बेटा आपको एफ ओ क्या दे रहेगा सर FOB. अच्छा चलो क्वेश्चन आपको दे रखा सीआईएफ क्या दे रखा सर और ट्रांसपोर्ट बाय ए बेटा क्या है सर तो पहले क्या करना बेटा रिवर्स कैलकुलेशन करके एफ निकालना बेटा फिर देखना कि जो आपका एक्चुअल ट्रांसपोर्ट कोर्स था वो ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा नहीं था बेटा क्लियर उसके बाद वापस आपसे रिवाइस निकालेगा उसके ऊपर कस्टमर खाना क्या बेटा हाँ है ना बेटा ठीक है हटा ये तो ये बोल दिया मैंने आपको सर अगली बात जो बड़ा अच्छा पॉइंट है मान लो क्वेश्चन आपको एफ नहीं दे रखा बेटा एफओ नहीं दे रखा सर आपको एफओ प्लस इंश्योरेंस दे रखा है सर क्या दे रखा मालिक एफ ओ प्लस इंश्योरेंस दे रखा अलग से इंश्योरेंस का अमाउंट भी नहीं दिया बेटा अच्छा अब आपको फ्रेट नहीं दे रखा बेटा तो फ्रेट कितना होता बेटा ट्वेंटी परसेंट ऑफ एफ ओ अब एफ ओ तो है नहीं बेटा तो एफ ओबी प्लस इंश्योरेंस जो कॉस्ट है उसी का ले लेंगे सेम वे, सर, दे रखा आपको इंश्योरेंस नहीं दे रखा आपको बेटा क्लियर तो वन पॉइंट वन टू फाइव परसेंट ऑफ एफ ओबी प्लस फ्रेट ही प्लस फ्रेट का ही हम ले लेंगे हाँ ना भाई ठीक है ठीक है जल रहा है अंदर भाई सर सुना रोशरी ये चाहिए नहीं तो नेक्स्ट दो घंटे नहीं निकलेंगे सर क्लियर उसके बाद दो घंटे ना बेटा सर पॉइंट मान लो आवाज़ यारी सर बहुत भारी सर जबरदस्त सर आपको क्वेश्चन एफ ओ भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है प्राइस ऑफ द गुड्स एट फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर बेटा क्या दे रखा सर बच्चो बड़ा अच्छा पॉइंट चल रहा है सर सर एक्सपोर्टर कहा का है सिंगापुर का बेटा हूं हूं तो करना पड़ेगा ना सर आपको उसकी फैक्ट्री कहा है बेटा सिंगापुर में बेटा तो उसकी फैक्ट्री तक का कॉस्ट दे रहा है प्राइस ऑफ द गुड्स एट दी ऑफ द एक्सपोर्टर देगा डॉलर वन लेख बेटा क्लियर अब वहां से सिंगापुर पोर्ट तक का कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देगा मान लो डॉलर टू थाउजेंड बेटा कितना देगा बेटा डॉलर टू थाउजेंड फिर सिंगापुर पोर्ट पे लाए उसका बोर्डिंग कराया है वैसल पे बेटा उसका बोर्डिंग कराया वैसल था बेटा था रुपी। था रुपी बेटा बेटा उसका कितना था क्लियर आप मुझे बताओ एफओबी अरे एफओबी क्या होता है भाई ऑन बोर्ड ना बेटा सिंगापुर पोर्ट पे बोर्डिंग कराने कास्ट क्या है बेटा इसका इस केस में वन लेख थ्री थाउजेंड तो एफ ओ बीज वन लेख थ्री थाउजेंड कोई डाउट बेटा इसमें आपको बेटा मैं स्टेप बाई स्टेप समझा रहा हूं आप मारा आपको? आवाज नहीं आ रही सर, मतलब फ्री बोर्ड. सर, पोर्ट पे बोर्डिंग कराने है, एक लाख तीन हजार कैसा एक लाख तीन हजार का फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर का वहां से यहां तक का ट्रांसपोर्ट कोस्ट क्लियर सर वहां पे लोडिंग कराने कास्ट बेटा हा ना भाई अल्टीमेटली गुड्स अब बोर्डिंग हुआ है बेटा ये क्या हो गया बेटा एफ ओ वी वन लेख थ्री थाउजेंड डॉलर बेटा क्लियर अब सुन सुन ना रहे अब सिंगापुर पोर्ट इंडिया आएगा बेटा हूँ <laughs> हूँ कर सर इंश्योरेंस नहीं दे रखा क्या करेंगे वन पॉइंट वन टू फाइव परसेंट ऑफ वन लेख थ्री थाउजेंड बेटा अरे हाँ ना मालिक ऐड कर दिया बेटा अच्छा पर सिंगापुर से लेके अब दिल थाम के सुनना बेटा सिंगापुर से लेके हिंदुस्तान तक जो ट्रांसपोर्ट चार्ज थे वो भी नहीं दे रखे बेटा सिंगापुर से लेकर कहां से बच्चों सिंगापुर से लेकर हिंदुस्तान तक का जो फ्रेट था वो भी नहीं दे रखा सर आपको अब सर आपको पता है सिंगापुर से अगर इंडिया तक का फ्रेट नहीं दे रखा तो सर क्या करते हैं ट्वेंटी परसेंट ऑफ एफओबी एफओबी कितना बेटा वन लेख थ्री थाउजेंड वन लेख थ्री थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट क्या सर ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जल्दी मत करना आप छह क्या है प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन और ये जो बीस हजार छह सौ है ये टोटल एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेके इंपोर्ट तक का ये ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जो है दिस इज द एक्चुअल एक्चुअल कहां के exporter की से कहा से ले लेकर हिंदुस्तान पोर्ट तक बेटा कितना है बेटा उजेंड सिक्स हंड्रेड अब सर एक्सपोर्टर की फैक्ट्री तक का कितना था बता, वन अब में आपने तीन हजार ऑलरेडी जोड़ दिया बेटा अब अगर आप बीस हजार छह सौ और जोड़ दोगे बेटा तो तीन हजार एक तरह से डबल बना दोगे बेटा क्योंकि ये माना गया कि वो तीन हजार रुपए जो सिंगापुर की एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेके सिंगापुर पोर्ट तक का कोस था या वहां पर लोडिंग करने का कोर्स था यह ऑलरेडी प्रिज्यूम किया हुआ है कि ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स में ये इंक्लूडेड है अगर आपने वन लेख थ्री थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स कर दिया तो सर तीन हजार दो बार हो गया बेटा इसलिए क्या करने का बेटा सर आप जब ये कैलकुलेशन करेंगे एफ ओ भी जो निकालेंगे वो इनर कॉलम में करिएगा बेटा इनर कॉलम में एक लाख तीन हजार लिखेगा हा है ना भाई सर फिर आप आउटर कॉलम में जो कैलकुलेशन करते न्यूमेरिकल उसमें प्राइस ऑफ द गुड्स वन लेख लिखेगा बेटा फिर ट्वेंटी परसेंट ऑफ एफ ओ भी जोड़ने का, कितने का? उजेंड सिक्स हंड्रेड अब 20% किसका बेटा एक लाख तीन हजार का बेटा इनको कैलकुलट करी हजार भले प्राइस देगा एक लाख रो बना फिर एफओबी का वन पॉइंट परसेंट याद है बैठा इश्स एक लाख तीन हजार का वन पॉइंट वन टू फाइव परसेंट आपने एड किया अब एक लाख प्लस बीस हजार छह सौ प्लस जो वन पॉइंट वन टू फाइव परसेंट आया बेटा वो अमाउंट जो आएगा दट इज वॉट इज कॉल्ड सी आई एफ और इस पर लगेगा क्या कैश क्लियर कस्टम लगेगा रिलेवेंट डेट ऑफ ड्यूटी क्या होगा बेटा बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजन या ग्रांट ऑफ एंट्री इज लेटर उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी बेटा अच्छा रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा बेटा सीबीआईसी वाला रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का जिस दिन हमने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी अच्छा बिल ऑफ एंट्री भले वेयर हाउसिंग वाली हो या होम कंजन वाली हो जो भी पहले फाइल करी क्लियर उसका रेट ऑफ एक्सचेंज क्लियर

वैल्यू फॉर दर्पज ऑफ सेक्शन थ्री सेवन एंड थ्री नाइन बेटा भाई क्योंकि आपको बताया जीएसटी एक्ट के अंदर भी लिखा हुआ है क्या सर वैल्यू शेल इंक्लूड ऑल्डर जीएसटी वाले टैक्से बेटा हा है बेटा ऐसे सारे टैक्स एड करो उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर लगेगा क्या आई जी एस टी क्लियर डन कोई डाउट ओके सरकार एक बात और ये तो थे आपके कंपल्सरी एडिशन मान लो अब सर दो तीन पॉइंट और दे रखे रिगार्डिंग ऑप्शनल एडिशन अच्छा ऑप्शनल एडिशन जो दे रखे वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको ऐड करना है कि अच्छा अगर आपके पास ऑप्शन होगा कि ऐड करना नहीं करना तो कौन ऐड करेगा बेटा इसलिए पागल बात मत करो बेटा सर आपके पास ये ऑप्शन नहीं कि ऐड करना कि नहीं करना आपके पास ये ऑप्शन है कि वो एक्सपेंस इंकर करना कि नहीं करना अगर वो एक्सपेंस इंकर किए तो तो ऐड करना ही करना है रे क्लियर समझा मेरी बात सर जैसे कमीशन पे टू द एजेंट अगर पे किया तो ऐड करना है नहीं पे किया तो ऐड नहीं करना पर फ्रेट बिना फ्रेट के तो नहीं बेटा और आप आपला आपला नहीं नहीं। हाँ सर इसलिए मतलब तो कुछ भी हो जाए बेटा ऑप्शनल मतलब अगर वो एंकर किए तो ऐड करना नहीं एंकर किए तो ऐड नहीं करना कुछ आ रहा है कि जा रहा है कुछ ही आ रहा है बेटा ये सब कुछ आ रहा है बेटा पक्का ओके माहौल सरकार सुना रहे। ओ भाई मान लो सरकार ऑप्शनलाइजेशन कमीशन पेड टू ऐड करना है एक्सेप्ट बाइंग कमीशन और जब तक क्वेश्चन बाइंग कमीशन वर्ड नहीं लिखे आप सर हमेशा ऐड कर देना बेटा बाइंग कमिशन इज पेड टू एजेंट फॉर रिप्रेजेंटिंग यू आउटसाइड इंडिया इन बाइंग द गुड्स बेटा

जब एग्जाम में पहली बार आया मंगली तो अरे मंगल तो पढ़ाया नहीं रे तूने अरे भाई सर एवरी कमीशन इज एडेड एक्सेप्ट बाइंग कमीशन बात खत्म बच्चों क्लियर भले फॉरेन एजेंट को पे क्या हो इंडियन एजेंट को पे क्या हो फॉरेन करेंसी में पे क्या हो या आई में पे क्या हमें कोई मतलब नहीं है सारे कमीशन एड करने बैठा हाँ ना सर क्लियर सेकंड पैकिंग चार्जेस क्या सर प्राइमरी पैकिंग हो सेकेंडरी पैकिंग हो स्पेशल पैकिंग हो वेरी वेरी स्पेशल पैकिंग हो ड्यूरेबल पैकिंग हो नॉन ड्यूरेबल पैकिंग हो वी डोंट केयर ऐड कर दिमाग मत कर क्लियर थर्ड सर कॉस्ट ऑफ कंटेनर अगर कंटेनर रिटर्नेबल है तो ऐड मत करना नॉन रिटर्नेबल है तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा बनेगा बेटा वो तो क्लियर फोर्थ अगर मैंने कोई रॉ मटेरियल मॉल्स डाइस जिक्स फिक्चर या कोई टूल्स वगैरह इंडिया से फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किए थे तो उसकी फेयर वैल्यू कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा बेटा और अगर मैंने कंसेशन रेट पर सप्लाई किए थे तो जितना कंसेशन दिया वो फेयर वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा बेटा वो ऐड कर देना बेटा

और उस गुड्स में जो प्राइस आपने पे किया उसके अलावा रॉयल्टी और पे किया आपने लाइसेंस फी पे किया ट्रेड मार्ग और इंपोर्ट किया तो एनी रॉयल्टी या लाइसेंस फी विच इज कंडीशन ऑफ गुड्स बिंग सोल्ड इन इंडिया वो रॉयल्टी या लाइसेंस फी भी वैल्यू का पार्ट बनेगा सर ये पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी क्या है सर ये कि इंपोर्ट करने के बाद आप रॉयल्टी पे करते हो सब उसको क्लियर सर फिर भी दिस इज द ओनली एक्सेप्शन सर जो वैल्यू एड होता है बाकी पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी का कोई भी चार्ज अगर इंक्लूड किया हुआ है तो तो उसको वैल्यू में से क्या करना है? Exclude करना एक्सक्लूड बेटा सर ध्यान देना ये वर्ड्स अगर आपको मिल जाए रॉयल्टी या लाइसेंस फी विच इज पेड एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बींग सोल्ड इन इंडिया तो सर वैल्यू में एड कर देना बेटा या आपको वर्ड ये चेंज करके बोलते हैं कि चार्जेस फॉर पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटीज विच इज पेड एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बींग सोल्ड इन इंडिया विच इज पेड एज अ तो वो भी वैल्यू में इंक्लूड कर देना दिमाग खराब मत करना बेटा हा ना भाई क्लियर सर और बोलिए क्या एनी पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट सेल प्रोसिड अगर सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड का कुछ पार्ट में उसको और पे तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा या डायरेक्टली मैं उसको कुछ और डायरेक्टली पे करा वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा ये सब ऑप्शन एडिशन दे बेटा हा है ना भाई अच्छा इसके अलावा कोई भी पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी के चार्जेस चार्जेज देखें बेटा क्या दे देखे मालिक पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी के चार्जेस वो कभी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा चार्जेस फॉर पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स सोल्ड इन इंडिया है ऐड तो कर देना बाकी सारे पोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी के चार्जेस अगर में इंक्लूड किया तो उसको हटाने का का बेटा लेस करने बच्चों हाँ सुन, 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 सुन। बोलेंगे क्या रिवाइज एफ ओबी बेटा और वो जो एफ ओबी आएगा उसका ट्वेंटी परसेंट वन टू फाइव परसेंट बेटा मालिक हटा भारत माता की अभी कोई दिक्कत

रूल नंबर फोर क्या बोलता है उसका आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू देख लो बेटा अच्छा आइडेंटिकल गुड्स मतलब गुड्स विच आर एब्सोल्युटली एप्सोलूटलीस इन अपीयरेंस इन क्वालिटी इन परफॉर्मेंस इन रेपुटेशन वेदर मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेम मैन्युफैक्चरर और सम अदर मैन्युफैक्चरर बट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम कंट्री ऑफ ऑरिजिन शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम कंट्री ऑफ ऑरिजिन उसको बोलते हैं क्या

सिमिलर गुड्स मान लो ये भी मार्कर बेटा क्या है सर मार्कर वो ग्रीन कलर ना क्रोमा हो जाता था इसके अंदर कोई बात नहीं सर जिंदगी में मानने में तो कुछ भी नहीं जा रहा बेटा अपना मान लो ये क्या है मार्कर ये भी क्या है बेटा आवाज नहीं आ रही हो ए? सर सुनना अब ये भी मार्कर ये भी मार्कर बेटा मैंने ये इंपोर्ट किया क्लियर आइडेंटिकल गुड्स ट्रांजेक्शन नहीं मिल रहे हैं तो मैंने क्या देखा बेटा सिमिलर गुड्स सिमिलर गुड्स मतलब तू नहीं तो तू भी चाल से आइडेंटिकल मतलब तू ही चाल से सच्चा प्यार सिमिलर गुड्स मतलब दूसरा अबे ओ सर <laughs> दूसरा प्यार फ्लर्ट कर रहा है सर सर बिल्कुल सही जवाब सर सिमिलर गुड्स मीन द गुड्स विच आर नॉट एब्सोल्युटली बट एप्सोल्यूटलीपेबल केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एंड आर कमर्शियली

अब आइडेंटिकल गुड्स के, के बेटा मेरे तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन को इसलिए बता रहा हूँ आपको बहुत रूल इजी रूल नहीं पर बचा मैं आपको मान लो मैंने नाइन फिफ्टी मार्कर इंपोर्ट किया उसकी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है अब मैंने आइडेंटिकल गुड्स के ट्रांजेक्शन देखे तो सर रूल नंबर फोर में बोला हुआ क्या फोर या फाइव हो सर फोर होते हैं आइडेंटिकल गुड्स वो अवेलेबल तो फाइव सिमिलर गुड्स रूल एकदम से तो रूल नंबर फोर बोलता है क्या कि ट्रांजेक्शन एट द सेम कमर्शियल लेवल एंड इन सेम क्वांटिटी के आपको लेने बेटा ओके okay, मालिक सर अब मैंने 950 मार्कर इंपोर्ट किए सेम गुड्स के ट्रांजेक्शन मिल गए आपने इंपोर्ट किए कितने 50 मार्कर आपने इंपोर्ट किए कितने सर 100 मार्कर्स मैंने कितने इंपोर्ट किए बेटा 950 सर आपने इंपोर्ट किए कितने सर दस हजार मार्कर आपने पंद्रह हजार मारकर बेटा आप मुझे बताओ ये क्या ट्रांजेक्शन एट सेम कमर्शियल लेवल पे है क्या ये कंपेरेबल ट्रांजेक्शन नहीं है दिस आर नो ट्रांजेक्शन एट द सेम कमर्शियल लेवल और सब्सेंशियली सेम क्वांटिटी पर सर आपने सात सौ मार्क इंपोर्ट किया सेवन हंड्रेड आपने एट हंड्रेड मार्कर इंपोर्ट किया थाउजेंड मार्कर इंपोर्ट किया ट्वेल्व हंड्रेड मार्कर इंपोर्ट किए तो आर ट्रांजेक्शन एट सेम कमर्शियल लेवल और सब्सेंशियली सेम क्वांटिटी अच्छा ऐसा कोई प्राइस बेनिफिट्स नहीं बेटा ऐसा कोई क्वांटिटी बेनिफिट्स नहीं बेटा एक आइडली देखना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन लेवल और सेम क्वांटिटी के के कौन कौन बेटा है हाँ ना भाई अब देख समझ में आ गया कि ये चार ट्रांजेक्शन मिल गया बेटा अपने को अब ये मल्टीपल ट्रांजेक्शन है सबके अलग अलग प्राइस है बेटा इनमें से कौन सा लेंगे बेटा ध्यान देना ये बहुत ईजी है सर लोएस्ट वैल्यू विल बी टेकन बहुत सारे लोग गलती क्या करते बेटा नियरस्ट क्वानिटी लेते बेटा जैसे मान लो मैंने नाइन फिफ्टी इंपोर्ट किए किसने ने इंपोर्ट इम्पोर्ट किया बेटा नियरेस्ट क्वांटिटी वो था वो ले बेटा मैं तो कहूँ नाइन फिफ्टी छोड़ सर एक्जैक्टली नाइन फिफ्टी इम्पोर्ट किया किसी और ने तो भी नहीं लेने का बेटा वो जो कम्पेरेबल ट्रांजेक्शन ऑफ असेसमेंट उस पर लगेगा बेटा। हाँ ना भाई? ब, बच्चा बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करके आए हुए बताया क्लियर यहाँ पे क्या किया है सर नियरेस्ट बेटा सेम क्वांटिटी ले लिया हाँ गलती हो जाती है एग्जाम्स के अंदर आप जरूर ध्यान रखिएगा लोएस्ट वैल्यू लेना है जो सिमिलर जो सेम कमर्सल सेम क्वांटिटी के ट्रांजैक्शन उसमें लोएस्ट वैल्यू विल बी टेकन बेटा हाई ना भाई चलिए सर ये थी रिगार्डिंग वैल्यू अच्छा चलिए सर एक बात और मान लो मैंने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया बेटा चले लगे तो बात कर लेते रिगार्डिंग किया बेटा एक्सपोर्ट किया बेटा सर अरे मैंने मार्केट क्या किया सर एक्सपोर्ट और मान लो ये गुड शेड्यूल टू मे कवर और इसे पे, इस पे, कस्टमरी इस कस्ट, इस लगता है बेटा एक्सपोर्ट ऑफ बेटा क्लियर सर क्वेश्चन दे रखा क्या एफ ओ बी एफ ओ बी दे रखा मान लो रुपीज वन डॉलर वन लेख जो भी दे रखा सर डॉलर वन लेख चलो कोई फ्रेट नहीं दे रखा कोई इंश्योरेंस नहीं दे रखा है बताओ वैल्यू क्या होगा अरे एफ ओ बी वन लेख है फ्रेट इंश्योरेंस नहीं दे रखा तो क्या करेंगे सर ट्वेंटी परसेंट ऑफ एफ ओ बी याद आया बेटा आपको है। Sir, वन पॉइंट वन टू फाइव परसेंट ऑफ एफ ओ बी इंश्योरेंस इज में खैक सर वन लेख की वैल्यू है मेरे मालिक अरे एक्सपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट इंडिया से मान लो आप कहा एक्सपोर्ट कर रहे हो चाइना तो चिंगचोंग में आपको जीएसटी पे करना कस्टम पे करना कि यहां इंडिया में पे करना है बेटा चिंगचोंग जाके पे करना है खाक <laughs> सर कोई ना कोई विदेशी है बेटा बेटा सर अरे भाई हम हिंदुस्तान का कस्टम एक पड़ रहे हिंदुस्तान का टैक्स पट रहे, रहे बेटा हिंदुस्तान में लगेगा भाई तो हिंदुस्तान पोर्ट पे वैल्यू लगेगा ना सर आप हिंदुस्तान पोर्ट की वैल्यू की बात करो सर और सर एफ अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इंडियन पोर्ट की वैल्यू क्या है बेटा एफ बेटा क्लियर सो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एफ ओ बी वैल्यू गुड्स क्वेश्चन था चार मार्क का सर इतना इजी क्वेश्चन पता है बहुत सारे लोग तो इसलिए गलत करके आ गए इतना इजी नहीं हो सकता है। <laughs> कुछ तो है दया कुछ तो गड़बड़ है <laughs> सर एक्चुअल क्वेश्चन था बेटा ये बुक में भी दे देगा आपको सर सर कंप्यूट द अमाउंट दफ कस्टमेंट बेटा बस इतना सा क्वेश्चन बेटा डॉलर वन लेख भी रखा बेटा क्लियर बस रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ ड्यूटी का अलग अलग डेट रेट देखा बेटा अच्छा रेट ऑफ एक्सचेंज जिस दिन हमने शिपिंग बिल फाइल किया दैट इज द रिलवेंट फॉर द रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ ड्यूटी जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला बेटा हाई ना लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर बेटा हा ना भाई दट इज द डेट रिलेवेंट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी बेटा मानो एप्लीकेबल रेट था बेटा रेट ऑफ एक्सचेंज जो भी था सर छोड़ो उसको आप सर तो वन लेख रुपयी है मान लो सर कितना आएगा भाई क्या करेंगे बेटा मत करना बेटा ये सोशल वेलफेयर सर चार्ज इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगता है बच्चों एक्सपोर्ट पे नहीं लगता अगर वहां पे अगर आपने सोशल वेलफेयर किया तो आपका वेलफेयर खत्म क्लियर <laughs> सोशल वेलफेयर सरचार्ज केवल इंपोर्ट पर लगता है भाई सोशल वेलफेयर सरचार्ज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे नहीं लगता बच्चों ओके चलो सर अच्छा यहां मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ माइन्यूट मिस्टेक है सर जिसपे हमारा ध्यान नहीं जाता बच्चों क्लियर और वहां मार्क्स मार्क्स जाते आप इतनी मेहनत करते हो आपके नहीं कहना चाहिए बच्चों इसलिए मैं बता रहा हूँ आपसे क्लियर आप हंसी मजाक में मस्त लाइट माहौल से आप समझे कि कहाँ कहाँ गलती होती है जो अपने, अपने को नहीं करना बेटा ऐसा नहीं कि सर हिंदुस्तान के अंदर कोई सी एफ एल का स्टूडेंट होगा जो कस्टम का वैल्यूशन पढ़ के नहीं गया क्या क्या हाँ ना पर सबके क्वेश्चन सही क्यों नहीं होते बेटा क्लियर ये कुछ मिस्टेक हम कर लेते हैं बच्चो क्लियर उसका हमको ध्यान रखना बच्चों हाँ ना मालिक क्लियर डन सरकार ये वैल्यूशन रिगार्डिंग जितनी बातें थी खत्म होती है अब अच्छा सर सर सर, सर।, सर। yes, पता है मान लो मैंने गुड्स इंपोर्ट किया डॉलर लाख में बेटा हूं हूं कर रहे ये मेरी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी पर वो एक्सपोर्टर मेरे को गुड्स भेजने में दो महीने लेट हो गया बहुत डाटा मैंने उसको पर मीन हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड मार्केट में ये गुड्स का डिमांड इतना बढ़ गया था कि इसकी मार्केट प्राइस वन लेख्टी थाउजेंड हो गई थी बेटा कितनी पर उसने मेरे से बेचारा ने एक लाख ही लिया बेटा क्लियर तो सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वन लेख मार्केट प्राइस था वन फिफ्टी सर आपने वन लेख ही पे किया उसके अलावा कुछ और पे नहीं किया आप और वो रिलेटेड नहीं है बताओ वैल्यू क्या होगा साहब लेख ही होगा बेटा अग्रवाल इंडस्ट्री लिमिटेड के केस में आया बेटा ये वाला चलिए पर सर लालच आ गया दिमाग में उसके सप्लायर के उसने बोला नहीं मार्केट प्राइस चेंज हो गया तो चेंज करना पड़ेगा साहब और सर प्राइस क्वेश्चन है थाउजेंड है, का बेटा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था कितने का वन लेख का सर मार्केट प्राइस कितना था बेटा वन फिफ्टी चेंज प्राइस क्या है या नेगोशिएटेड प्राइस क्या है वन ट्वेंटी सर बताइए कस्टम कितना लगेगा सर वन ट्वेंटी अब बताया गया बेटा जब ये बैकपैक के नाम से एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में बेटा बुक में दे रखा मैंने आपको मिला होगा सर एग्जाम में जब पहली बार ये क्वेश्चन आया बेटा अच्छे अच्छे लोग हिल गए बेटा उसके अंदर क्यों बस डायरेक्ट सोल्व करने लगे क्वेश्चन का आंसर लिखने सोचा ही नहीं कि मार्केट प्राइस क्या होता है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है रीनेगोशिएटेड प्राइस या चेंज प्राइस क्या होता है बेटा वहां सोचा ही नहीं कि वैल्यू का मतलब क्या होता सर हाँ आज हमने मॉर्निंग बात करी थी क्या वैल्यू का मतलब क्या है जिस प्राइस पे ट्रांजेक्शन हो गया भले लॉस पे हुआ प्रॉफिट पे हुआ डोंट केयर

करो सर मस्त बात बताने वाला हूं सर मस्त बता दूंगी आपको शानदार चलो सर मान लो मैंने कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में इम्पोर्ट किया सर क्या किया डॉलर वन लेक में इंपोर्ट किया हूं करो गुड्स अभी आ रहा है बेटा कब से देख रही मेरे मार्केट तक नहीं आया सर सुन <laughs> मैं देख रहा हूं गुस्सा क्यों करी इतनी मेरे तो अच्छे से बैठी थी सर पॉइंट यह सर मैंने डॉलर वन लेक में कोई गुड्स इंपोर्ट किया गुड्स अभी आ रहा है गुड्स अभी हाईसी में बेटा गुड्स चलो हाईसी का मतलब क्या होता बेटा एरिया बियॉन्ड इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स इज कॉल्ड हाईसी अच्छा इंडियन टेरिटोरियल वाटर मतलब 12 नॉटिकल माइल वैसे मेरा हिंदुस्तान कहा था कि आपका हिंदुस्तान कहां तक हुआ है दो सौ माइल तक हिंदुस्तान है बेटा क्लियर टू हंड्रेड तक हिंदुस्तान फैला हुआ है उसके ऊपर का आसमान की जमीन भी हमारी है सर पर हा, taxation, 12 nautical को हाँ फॉर दी के डेफिनेशन डाला हुआ है इंडियन है ना भाई और पता है सेक्शन कस्टम्स वो बोलता है टाइम ऑफ इंपोर्टेशन गुड्स इनटू इंडिया क्या बोलता सर वैल्यू ऑफ गुड्स इज रिलेवेंट एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इनटू इंडिया इंपोर्ट इम्पोर्ट बि गुड्स एंटर द इंडियन ट्रेड रॉयल वॉटर्स ठीक है सर अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ बेटा मैं अपना मान लो गुड्स आ रहा है सर मैंने वन करोड़ में इंपोर्ट किया कितने में इंपोर्ट किया सर गुड्स अभी हाई सी में बेटा कहा मालिक हाई सी में गुड्स क्या है सर अभी हाई सी में और गुड्स मैंने आपको बेच दिया सौरभ भाई को बेच दिया कितने में वन पॉइंट फाइव सी आर में बेटा क्लियर सौरभ भाई भी कम नहीं सर सौरभ भाई ने ये गुड्स सर क्या नाम

अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि हाई सी सेल जब होता है तो जो लास्ट हाई सी सेल का ट्रांजेक्शन होगा दैट इज द वैल्यू रिलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम अब इसको याद मत करो लॉजिकल समझ में आया ना बेटा आपको देखो लॉजिकल समझोगे ना सर याद नहीं करना पड़ेगा सर आप तो रट लो तो सर लास्ट हाई सी सेल का ट्रांजेक्शन जो था वो वैल्यू लेनी बेटा अब लास्ट था कि फर्स्ट था भूल जाता एग्जाम में बेटा लॉजिक समझ में आ गया ना सर कि वैल्यू कब होगा सर जब कस्टम इम्पोर्ट बि वन गुड्स एंटर द इंडियन टेटल वॉटर बेटा और फोर्टीन वन में क्या बोला है कि वैल्यू इज रेलेवेंट एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन इंडिया इंपोर्ट बिगन वैन गुड्स एंटर द इंडियन ट्रेटल वॉर उस टाइम पे वैल्यू कितना था बेटा दैट्स इट क्लियर अब लास्ट याद नहीं करना पड़ेगा ना सर आपको लॉजिक चीजों को सोल्व करो याद मत करो सर ये जो है ना बड़ा छोटा ही है बेटा अपना इतना लोड डालोगे सर पागल हो जाए हम लोग क्लियर चीजों को सोल्व करो याद मत करो सर हाँ है ना भाई आइए सर सर पॉइंट क्या मेरा सर ये मीत भाई भी कम नहीं भाई साहब क्या क्या सोचने बताए इन गुड्स को कस्टम बोनेड वेयर हाउस में स्टोर करवा दिया सर गुड्स अभी क्या है बेटा कस्टम बोनेड वेयर हाउस में और इन्होंने गुड्स हमारे दोस्त क्या नाम सर करण भाई को बेच दिया कितने में थ्री सी में बेटा क्लियर सर इन्होंने दो करोड़ में खरीदा कस्टम बोनेड वेयर हाउस में रखवाया और तीन करोड़ में करण भाई को बेच दिया क्लियर अब मुझे बताओ कस्टम क्लियरेंस कराने कौन आएगा बेटा करण भाई आएंगे सर ओनरशिप डॉक्यूमेंट लेके आएंगे बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे याद करो फंडा वैल्यू गुड्स इन टू इंडिया के टाइम था बेटा तो ऑल्डो करण भाई ने गुड्स परचेज किया कितने में पर इंपोर्ट कितने में हुआ है साहब ये माना जाएगा कि इंपोर्ट तो दो करोड़ में हुआ साहब कस्टम किस में लगता है इंपोर्ट लगता है और सर करोड़ पे कस्टम लगेगा बेटा है हाँ ना मालिक क्लियर डन अब आई जी एस टी की बात से बेटा ध्यान देना बेटा यहां तक समझ में आया ना बेटा आपको दो करोड़ रुपए कस्टम लगेगा प्लस सोशल वेलफेयर सर चार्ज मान लो आवाज ही नहीं सर बहुत अच्छा किया क्या बेटा मान के अपने जीवन में सर सर पता है नहीं बता बताओ बेटा स्थिति में आया बेटा सर टेक्निकली अगर आईजीएसटी एक्ट को पढ़ेंगे आप तो मैंने वन सीआर में इंपोर्ट किया आपको 1.5 सीआर में बेचा आपने इनको टू सीआर में बेचा और आपने इनको थ्री सीआर में बेचा ये तीनों इंटरस्टेट सप्लाई की डेफिनेशन में आते हैं तीनों आईजीएसटी के लेवी के स्कोप में आ जाते हैं मतलब मैंने वन पॉइंट फाइव सीआर में बेचा लग गया आई इसने टू सीआर में बेचा लग गया आई इसने तीन करोड़ में बेचा लग गया आई और जब ये मेरे करण भाई कस्टम क्लियरेंस कराने आएंगे बेटा करण भाई इस लास्ट बाहर ना बेटा जो वेयर हाउस में, में बेटा बैठा तो करो रे तब जब ये कस्टम क्लियरेंस कराएगा तो हमने सर चार्जिंग सेक्शन सेक्शन फाइव सब सेक्शन का एक प्रोवाइज हो पड़ा हुआ बेटा वहां क्या बोलते हैं सर एट द टाइम ऑफ कस्टम क्लियरेंस कस्टम जब लगता है उसके साथ में आई भी लगेगा मतलब एक काम करो लूट लो बेटा वन पॉइंट फाइव सीआर फिर टू सीआर फिर थ्री सीआर पे ऑलरेडी आई जीएसट पे कर चुके अच्छा आई मिल गया होगा सबको बेटा पर तीन करोड़ पे तो आई जीएसटी पे कर दिया बेटा फिर कस्टम क्लियर कराएगा तब कस्टम पे करेगा उसके बाद में आई और पे कर देगा इसीलिए शेड्यूल थ्री के अंदर ये सारे ट्रांजेक्शन कवर कर दिए और शेड्यूल थ्री के अंदर क्या बोल दिया अगर मैंने हाईसी में कोई गुड्स बेचा तो इज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस उस सर जीएसटी नहीं लगेगा अगर हमने अपने कस्टमोन वेराउस में कोई गुड्स को स्टोर करवाया कहा स्टोर कराया सर तो सर कस्टमर एंड में अगर आपने गुड्स को बेचा है सर बिफोर गेटिंग गुड्स क्लियर फॉर होम कंजन तो सर उसको भी सप्लाई के स्कोप से बाहर कर दिया दट इज्लाई सर्विस शेड्यूल में कवर कर दिया भारत माता की जय यहां तक मजा आया आया कि नहीं है, सर क्लियर? अब आता है क्या वन पॉइंट फाइव सी आर टू सी आर और थ्री सीआर इस पर तो आईजीएसटी नहीं लगेगा बेटा पर जब मेरे करण भाई सर कस्टम क्लियरेंस कराने आएंगे कस्टम क्लियरेंस कराने आएंगे तब गवर्नमेंट को आईजीएसटी चाहिए ना बेटा यार हाँ है ना अच्छा गवर्नमेंट ने इसको में कवर किया तो अपनी रेवेन्यू लॉस करने के लिए नहीं बेटा ऑपरेशनली इसमें दिक्कत नहीं है इसलिए बेटा तो इसलिए जब सेक्शन सेवन गवर्नमेंट और एट ए, हायर। एट बोलता है क्या जो वैल्यू ऑफ गुड्स दो करोड़ याद है बेटा आवाज अरे कस्टम टैरिफ एक्ट का सेक्शन थ्री हायर

अरे दो करोड़ का बीस परसेंट कितना होता है सर चालीस लाख रुपए कितना हो गया भाई फोर्टी लैक्स प्लस एनी अदर सम समेबल अंडर एनी अदर लो फॉर द टाइमिंग इन फोर्स उसके एग्जाम्पल सोशल वेलफेयर सर चार्ज कितना है बेटा टेन परसेंट ऑफ वोट फोर्टी लैक्स कितना होता मालिक फोर लैक्स हा है ना सर फोर्टी लैख का टेन परसेंट कितना हो गया बेटा फोर लैक्स तो टू करोड़ फोर्टी फोर लेकर आ गया बेटा ये तीनों एड किया तो टू करोड़ फोर्टी लेख फोर्टी फोर गया ज द वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग आई जी एस टी एस एट अब सेक्शन एट ए बोलता है अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करने के बाद जितने में बेचा होगा एट ए बेटा और अगर उसको बेचने के बाद किसी को वापस बेचा बेटा मान लो आपने इसको बेचा वेर हाउस में गुड्स में वेर हाउस में, में आपने इसको और बेच दिया बेटा

टेन और थ्री टेन है is और वैसे भी हमको बताया क्या जिस वैल्यू पे जीएसटी लगता है उसी पे क्या लगता है जीएसटी कंपनेशन सेस माहौल अरे माहौल जो तो है नहीं जब तक शानदार हाँ है ना सर तो ये हाई सी सेल का ट्रांजेक्शन ये वेराउस वाला ट्रांजेक्शन समझ में आया कि नहीं आया किस वैल्यू पे थ्री सब लगेगा थी किस वैल्यू पे थ्री नाइन लगेगा और किस वैल्यू पे कस्टम लगेगा भारत माता की जय हो रहा नहीं हो रहा सर

पता है आपको सुन रहे ध्यान से बेटा ये आईपैड भी बेचारा सोच रहा है कि लाया है क्यों मंगल सर कुछ चीजें होती लाइफ में वो सोचते रहते बेटा बस वो सोच सोच खुश होते है। होगा तेरा नंबर आएगा सर सुनना बात को ध्यान से नहीं आएगा बेटा मान लो पता है आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया

सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो पढ़ाई मेरे को लग रही ना सर जबरदस्त माहौल एकदम क्योंकि सर मतलब आप लोग टस से मस्त नहीं इधर से उधर बेटा, और सर जगह ही नहीं हिलने की सर पूरा पैक है सर कैसे मिलेंगे पर पॉइंट क्या है लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, लेवल ऑफ इंटरेस्ट सर ऐसा मैंने हर सिटी में बोला बेटा सर ऐसा <laughs> <laughs> अच्छा लगता ना सर अंदर से सर सर एंड सर नहीं नहीं रियली कमेंडेबल योर लेवल ऑफ एनर्जी और जो आप यू uh, नो uh, you know, जिस uh, उम्मीद से आप मुझे देख रहे हो प्रोविजन सुन रहे हो सर uh, उससे मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़िया थी सर सो इवन पता है मुझे भी मज़ा आ रहा है सर एक्चुअली सही बता रहा मैं कि आप लोग तो सर आपने मेरे को कई लोगों ने कहा कि सर हम तो आप तक वीडियो क्लासेस में आपको देखा है सर आपको आज हमने पहली बार देखा पर कम से कम आपने मेरे को वीडियो क्लास में देखा सर मैं तो आपको देख ही भी नहीं रहा हूँ सर जो मेरे को कितना मजा आ रहा होगा सर हाँ सो इवन आई एम इट सो सर ध्यान so so, सर, सर, से ये कस्टम की बातें भी कर रहा हूं जीएसटी uh, में जो जो मेरे को लगा कि लगावेंट है इंपॉर्टेंट है कनेक्ट करना वो वो लग लगभग सब पढ़ा दिया कस्टम भी कर देंगे सर ध्यान से सुनना बात को सर मान लो मैंने कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया क्या क्या सर कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया वेयर हाउस में स्टोर किया दर इज टाइम कितना वन ईयर हा अगर किसी हंड्रेड परसेंट ईओ यू

एक्सटेंशन छोड़ो बेटा कब से जिस दिन परमिशन फॉर वेयर हाउसिंग मिला है साहब ओ बच्चो क्वेश्चन बनता है बेटा देना देना आपको परमिशन फॉर वेयर हाउस मिली कब फोर्टीन फिफ्ट को बेटा आपने एक्चुअली वेर हाउस में रखवाया कब सेन फेब्रवरी को बेटा क्योंकि बेटा सर अब मेरा पॉइंट आपसे कब से काउंट करेंगे भाई

रिमूव नहीं किया फ्रॉम वेयर हाउस विद इन नाइनटी डेज विद इन नाइनटी डेज फ्रॉम द डेट वेन यू गोट परमिशन फॉर वेयर हाउसिंग नाइनटी फर्स्ट डे से इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट पर नम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से सर कितना बेटा आवाज यारी मालिक 15 परसेंट पर नम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कब से नाइनटी फर्स्ट डे से कब तक

मान लो आपने गुड्स एक्सपोर्ट कर दी बेटा अरे वेयर हाउस में था बेटा क्लियर आपने छह महीने बाद गुड्स को क्या कर दिया एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट में कस्टम कितना बेटा जीरो क्योंकि गुड्स कस्टम क्लियर हो ही नहीं रहा बेटा डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स जा ही नहीं रहा कस्टम तो लगेगा नहीं बेटा वही से क्या कर दिया आपने एक्सपोर्ट दर इज नो पॉइंट ऑफ एनी कस्टम कस्टम नहीं तो नाइन फर्स्ट डे से इंटरेस्ट तो लगेगा किस पर लगेगा जीरो पे लगेगा जीरो पे कितना होता बेटा जीरो बेटा है ना भाई मान लो एक पॉइंट समझ में बेटा ये अच्छा नाइन्टी फर्स्ट डे कब से बेटा

क्लियर जो भी बात करनी थी आपने कल लिया बेटा फिर आप नेक्स्ट डे मिले बेटा नेक्स्ट डे क्या बोलोगे आप हम परसों मिले थे बेटा छोड़ के भाग जाएगी बेटा ध्यान रखना सर ये बाहूला आदमी हाँ बेटा सी ये पढ़ पढ़ के बुक्स में घुस गया बेटा ये क्लियर सर एक दिन ही तो हुआ है सर तो फोर्टीन फेब से फिफ्टीन फेब कितना दिन हुआ सर वन डे तो फोर्टीन फेब को इंक्लूड किया गया बेटा आपने तो कौन से डे को इंक्लूड करना है कौन से को नहीं करना है इतना दिमाग लगाना मत बेटा आप फाइव को काउंट नहीं करना बेटा फोर्टीन से फिफ्टीन एक दिन होगा बच्चों हाई ना भाई तो सर मैं क्या करता हूं नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए फेबर महीना मान लो लीप ईयर नहीं है बेटा ट्वेंटी डेज का बेटा तो ट्वेंटी से फोर्टीन को काउंट करने का नहीं बेटा क्लियर तो ट्वेंटी हटा दिया कितना बेटा फोर्टीन फिर मार्च में कितने दिन आएंगे बेटा थर्टी वन फिर अप्रैल में थर्टी फिर, फिर अब देख ला बेटा क्या थर्टी वन प्लस थर्टी कितना हो गया 61. 61 प्लस 14 कितना हो चुका है सेवेंटी फाइव ऑलरेडी हो गए तो सर पंद्रह दिन और एड कर दो बेटा कितना हो गया तो पंद्रह मई आ गया बेटा पंद्रह मई लास्ट डे ऑफ डेज बेटा तो सर सोलह मई फर्स्ट डे हो जाएगा जब इंटरेस्ट लगेगा बेटा मान लो मई को आपने रिमूव किया बेटा तो एक दिन का लास्ट परमिटेड डे वेयरहाउसिंग मान लो एक्सपायर हो रहा था कब अच्छा भली लॉ के अंदर एक साल दे रखा है पर मान लो कभी कमिश्नर

चार महीने परमिटेड ऑफ एक्सपायर हो गया उससे पहले आपने रिमूव नहीं किया बेटा अच्छा मान तो पता है में हैं। तो सर जिस दिन आप वेयरहाउस से रिमूव करोगे जिस दिन आप एक्स बोन बिलो ट्वेंटी फोर होम कंजम्पशन फाइल करोगे उस दिन का जो रेट ऑफ ड्यूटी होगा उस रेट भाई पर लास्ट परमिटेड ऑफ जून बेटा और आप कई ऑक्यूपाइड थे बेटा क्लियर सर और आप आए कब 20 जून को आया बेटा 20 जून को आपने बिलो होम फाइल किया बताओ किस रेट से कस्टमर लगेगा बेटा सर 13 जून को रेट ऑफ कस्टम था 20 परसेंट और सर 20 जून को हो गया 10 परसेंट किस रेट से कस्टमर लगेगा बेटा 20 परसेंट लगेगा बच्चों सर ध्यान देना बच्चों सर

जून तो उस दिन की जो रेट होगी उस रेट से कस्टम लग जाएगा ट्वेंटी बच्चों हाँ को भले रेट जब आपने रेट था उस दिन? 10. मैं तो कर रहा हूं परसेंट भी हो गया सर। हायर नहीं है सर। जो लास्ट परमिटेड डे वेर हाउसिंग का परमिटेड डे जो था उस दिन जो रेट होगी वो रेट लग जाएगी बच्चा हाँ ना अगर उससे पहले रिमूव दिया तो जो आपने रिमूव किया एक्स बॉन्ड बिलो ऑफ एंट्री फॉर होम कंज्यूमश फैल किया उस दिन रेट लगेगी बच्चों नो पक्का हटा सरकार सर ये वेयर हाउसिंग अमेंडमेंट पॉइंट खत्म होता है अब समझ में आया बेटा जिसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं बच्चा हाँ है ना सर आइए एक दो बातें और कर लेता बेटा मान लो आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया बेटा हूं हूं करो रे और किसी भी कारण से ये किसी भी कारण जो मैंने बोला ना बेटा ये बहुत भारी वर्ड है बेटा बाय एनी रीजन मेरे को गुड्स नहीं चाहिए बेटा मेरे को गुड्स नहीं चाहिए

गुड्स नहीं चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो रेल के लिए सर आप टाइटल ऑफ द गुड्स ट्रांसफर कर सकते हो इन फेवर ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और अगर आपने टाइटल ट्रांसफर कर दिया तो ऐसे केस में नो कस्टम्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड और कस्टम पे कर दिया अगर आपने एडवांस में तो रिफंड मिल जाएगा बट रेमिशन ऑफ ड्यूटी पर हाँ बाय एनी रीजन अगर गुड्स नहीं चाहिए सर आप क्या कर सकते हो रेमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो बच्चों हाँ है ना बेटा पर हाँ प्रोविजन दे रहा क्या सर अगर कोई ऑफेंस किया हुआ है तो ऑफेंडेड गुड्स के लिए रेस्पेक्ट में कभी भी रेमिशन अलाउ नहीं होता अच्छा एक बात और सर आप रेलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो पर कब बेटा हा बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पन क्लियर भले ही गुड्स डिफेक्टिव नहीं है बेटा पेटी पेक माल एकदम शानदार है मूड चेंज हो गया बेटा कर दे क्यों अरे ये तो गिफ्ट करो ना कस्टम गुड गुड्स आप यार कस्टम को क्या लॉस इस है इसमें सर यार

चलिए सर एक बात और बेटा अगला स्टेप बेटा बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजन आप रेमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो तो बच्चों या तो समझ में आया बेटा आपको पॉइंट चलिए सर अगली बात मान लो मैंने गुड्स इंपोर्ट किया बेटा हूं हूं तो करो कम से कम कस्टम पोर्ट पे गुड्स आ गया बेटा मैंने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर दिया गुड्स को रिमूव कर दिया फॉर होम कंजम्पशन जैसे ही गुड्स फैक्ट्री पहुंचा सर जैसे ही बॉक्स खोला ओ हो हो जो मंगाया वो तो आया ही नहीं कपड़े मंगाए थे बड़ों के छोटे के आगे बेटा कोशिश करी पहनने की बेटा ना हो पाए क्या करेंगे रिटर्न बेटा एक्सपोर्ट की पॉलिसी है एक बार जो माल बेच दिया उसके बाद वापस नहीं लिया जाएगा पैसे की बात तो करना ही मत सर पता है दुख क्या होगा बेटा मान लो दस करोड़ का माल था बेटा यही गुड्स अगर आपने चेक कर लिया था कस्टम पोर्ट पे बिफोर रिमूवल फॉर होम होमशन मान लो उस ट्वेंटी का दो करोड़ रुपए कस्टम आप पे कर दिया बेटा सर यही अगर आपने कस्टम पोर्ट पे चेक कर लिया होता तो वहीं पे आप रेलिंग अप्लाई कर देते बेटा दस करोड़ जो डुबार डुबा दो करोड़ तो बचाते कम से कम आपके बेटा तो दुख ज्यादा किसका होगा बेटा कस्टम ड्यूटी का बेटा दो करोड़ का बेटा तो अगली बार जब माल आएगा तो अपने एम्प्लॉय अपने लेबर को क्या बोलोगे बेटा कस्टम पोर्ट पर बैठ जाना बेटा पूरा माल खोलना एक एक बॉक्स ओपन करना सर चेक करना पूरा माल फैला देना कस्टम बोर्ड पे साहब एक भी कुछ डिफेक्टिव है तो तुमको डिफेक्टिव कर दूंगा मैं है हाँ ना और सर डिफेक्टिव हो तो के लिए अप्लाई कर देना हा है ना भाई सर क्या मतलब रहा बेटा क्या हिंदुस्तान में एक ही इंपोर्टर है क्या इसलिए सेक्शन में ट्वेंटी ए आया ट्वेंटी सिक्स ए पहले नहीं था बेटा ये दस बारह साल पहले इंसर्ट किया बेटा और बोल दिया क्या कि चिंता मत कर मंगल क्या बोला सर हाँ हम चिंता करते नहीं हमारे साथ वो है तो सर हम क्यों चिंता करें सर सर और बोल दिया गवर्नमेंट क्या सेक्शन 26 ए बना के गुड्स को क्लियर भी करा दिया फॉर होम कंजम्पशन और उसके बाद इफ गुड्स आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव और नोट एज पर स्पेसिफिकेशन इफ गुड्स आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव या नोट एज पर स्पेसिफिकेशन तो ऐसे केस में सर आप जिस दिन आपने क्लियर कराया फॉर होम कंजम्पशन बेटा क्लियर सर उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो बेटा रेमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो विद इन थर्टी डेज विद इन डेज पर ये कंडीशन क्या है बेटा गुड्स आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव या बोटो इस पर स्पेसिफिकेशन तो ही आपको रेमिशन अलाउ होगा वरना ना रेमिशन अलाउ नहीं होगा पर अगर लेट हो होगा तो कमीशन आपको तीन महीने का टाइम और दे सकता है बच्चों क्लियर तो यहां तो आप उस केस में सर रेमिशन के लिए अप्लाई कर दो

आओ बच्चो। ये से रिलेटेड बात कर ली प्लस मैंने रेमिशन की रिगार्डिंग और बात कर ली बैठा चल एक दो बात और करता हूँ सर ड्यूटी ड्रॉबैक क्या बात है सर मान लो आपने कोई गुड्स इम्पोर्ट किया हूँ करो सर मैंने मार्कर इम्पोर्ट किया गलत पढ़ा दूंगा तो लास्ट में कंफ्यूज कर दूंगा तो सर, से। मान लो मैंने मार्कर इंपोर्ट किया सेल्फिश लोग सर आपको ऐसा लगता है मैं दूंगा मैं गलत पढ़ा पढ़ा बेटा सर मैंने गुड्स को क्लियर clear... अच्छा नहीं नहीं इंपोर्ट नहीं, नहीं। किया, किया और उसको इंपोर्ट करके में स्टोर करवा दिया बेटा क्या कोई कस्टम पे किया कब पे करूंगा जब रिमूव करूंगा फॉर होम कंजम्पशन

मैंने गुड्स को क्लियर करा दिया फॉर होम कंजन कस्टम पे कर दिया बेटा अब एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया साहब अब वही मार्कर मैंने क्या कर दिया एक्सपोर्ट कर दिया बेटा अब सर आप मुझे बताओ कस्टम चार्ज क्यों हुआ टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स डोमेस्टिक गुड्स क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कर रहा है अब आप मुझे बताओ वो डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कर रहा है क्या वो तो एक्सपोर्ट हो गया बेटा वापस से क्लियर तो जो कस्टम पे किया था वो पे नहीं होना चाहिए बेटा क्लियर उसका मेरे को क्या मिल जाएगा रिफंड रिफंड दैट इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक

कितना 98 परसेंट ड्रोबिक मिलेगा पढ़ा पर आपने यूज़ किया और फिर एक्सपोर्ट किया तो ऐसे केस में ड्रोबिक मिलेगा पर थोड़ा कम मिलेगा कितना कम 95 85 75 60 75 रिदम टूट गया रिदम टूट गया 95 85 75 70 65 60 लड्डू 3 6 9 12 15 18 18 प्लस मंथ है बेटा 18 प्लस क्या है सर सर जिस दिन आपने क्लियर कराया था फॉर होम कंजम्पशन, वहां से लेके जब आपने वापस से शिपिंग बिल फाइल किया फॉर एक्सपोर्टेशन बेटा ये पीरियड अगर टू थ्री मंथ है बेटा तो नाइनटी फाइव परसेंट ये मोर देन थ्री मंथ अपी फाइव परसेंट सर टू नाइन मंथ तो 75 12 तो 70 15 तो मंथ के अंदर एक्सपोर्ट किया तो और एटीन मंथ के बाद अगर आपने एक्सपोर्ट किया यूज करने के बाद तो बाबा जी का रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा सर थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व और एटीन प्लस बेटा क्लियर डबल जीरो मतलब मिनिमम एग्जीशन या फिर तो एग्जाम देने का ही नहीं या फिर मिनिमम का बेटा हाई ना भाई माहौल सर सर पर अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किया था फॉर योर पर्सनल या प्राइवेट यूज बेटा या कोई मोटर कार इंपोर्ट करी अच्छा विदाउट यूज अगर एक्सपोर्ट किया था तो नाइन एट परसेंट नहीं बेटा यूज करके फिर एक्सपोर्ट किया है तो ऐसे केस में सर कितना रुपये मिलेगा यूज करके एक्सपोर्ट किया तो यहां परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दे रखा है क्या दे रखा मालिक परसेंटेज ऑफ रिडक्शन फोर थ्री टू पॉइंट फाइव परसेंट टू परसेंट पर क्वार्टर या क्वार्टर बेटा पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द्वार्टर फर्स्ट ईयर में रिडक्शन बेटा थर्ड या quarter, और उसके बाद किया तो ड्रो बैक नहीं मिलेगा बेटा हा भाई सरकार मान लो आपने दो साल यूज किया और फिर एक्सपोर्ट किया बेटा क्लियर सर कितना मिलेगा इसके साथ यूज करके पर्सनल या कोई मोटर मोटरकार इम्पोर्ट करी थी उसको यूज करके फिर एक्सपोर्ट किया कितना डॉप मिलेगा सर सर ध्यान देना बेटा दो साल के बाद एक्सपोर्ट करता है तो परमिशन लेने के बाद आपको ड्रॉप मिलता है बेटा तो सर आपको परमिशन मिल गई बेटा अब बताओ सर फर्स्ट ईयर में तो फोर परसेंट पर क्वार्टर बेटा कितना हो गया सिक्सटीन परसेंट सेकेंड ईयर में थ्री परसेंट थ्री इंटू फोर कितना बेटा ट्वेल्व तो ट्वेंटी एट परसेंट लेस करना है बेटा तो सेवेंटी टू परसेंट आपको क्या मिल जाएगा बच्चों ड्रॉबैक मिल जाएगा बच्चों बच्चो ना भाई डन क्लियर अच्छा एक बात और सर यहाँ पे क्वार्टर कैसे काउंट करने बेटा जनवरी फरवरी मार्च बेटा ऐसे नहीं बेटा ओके डेट वाइज बेटा जिस दिन आपने क्लियर कराया फॉर होम कंजन वहां से जिस दिन हमने शिपिंग बिल फाइल किया एक्सपोर्ट के लिए बेटा वो पूरा काउंट करेंगे मतलब 14 फेब को अगर आपने इंपोर्ट किया फॉर होम कंजप्शन बेटा क्लियर किया फॉर होम कंजम्पन तो 14 फेब से एक क्वार्टर कब खत्म होगा बेटा 13 मई बेटा थर्टीन ऑफ मई नोट थर्टी तो फर्स्ट मार्च बच्चा हाँ ना भाई ऐसे काउंट करेंगे लास्ट में अगर पार्ट ऑफ़ तो अच्छा पर मान लो ये चार गुड्स कितनी गुड्स चार ये चार में से कोई गुड्स अगर आपने इंपोर्ट की यूज किया और फिर एक्सपोर्ट किया तो बाबा जी का टुल्लु एक रुपए का भी ड्रॉबेक नहीं मिलेगा फर्स्ट क्या कपड़े

और फिर एक्सपोर्ट किया नो विल बी अलाउड पर हां रहे कपड़े देखते ही पागल मत तो जाना बेटा अरे हो गए बहुत सारे बच्चे पे कपड़े इंपोर्ट किए विदाउट यूज एक्सपोर्ट किया वेयरिंग अप्रैल इंपोर्ट किए विदाउट यूज आपने क्या कर दिया एक्सपोर्ट ड्रॉबेक मिलेगा कि मिलेगा सर नाइनटी एट परसेंट ड्रोबेक मिलेगा भाई दिस वॉज देशन सी है फाइनल बेटा हाँ बहुत सारे लोग लिख के आगे गया ड्रॉबैक नहीं मिलेगा उनको भी नहीं मिला बेटा फिर बाद में सर मतलब मैं आपको बता रहा हूं बच्चों क्या समझना बच्चों आप समझो बच्चों हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं, पर वो होने की वजह से उनकी बारीकियों दे पा रहे बेटा और एग्जाम में क्वेश्चन वो बारीकियों का आता है बेटा आपने टॉपिक भले ही सारे कवर कर लिए तो आप मान के चलो कि एक ने एक पॉइंट वो कॉर्नर आने वाले आने वाला हर टॉपिक का बेटा इसलिए छोड़ने की कोशिश नहीं कर सकते हैं बच्चा और फास्ट के चक्कर में ये माइनर पॉइंट नहीं छोड़ सकते बच्चों हम लोग क्लियर तो सरकार मैंने कोशिश किया बेटा आपकी आपसे जहां जहां मिस्टेक हो सकती है जितने जितने टेक्निकल पॉइंट है उन सबको कनेक्ट करने की कोशिश करी बेटा यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सर हाँ है ना सर सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या सर केस ऑफ जीएसटी हाँ वो साले जहन में वसी ना जीएसटी सर चक्कर केस ऑफ कस्टम्स सरकार अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया और उसी को एक्सपोर्ट किया

करोड़ के मार्केट अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो बेटा तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या किया ऑल इंडस्ट्री रेट क्या बोला सर industry. पूरी इंडस्ट्री के लिए बोल दिया क्या जो भी मार्केट एक्सपोर्ट करेगा वन करोड़ एक्सपोर्ट पे दो करोड़ का दो लाख रुपए का कस्टम पे क्या इनपुट बेटा तो टू परसेंट द रेट ऑफ कस्टम टू परसेंट इज द रेट ऑफ ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक तो दो परसेंट मैंने एक एक्साम्पल दिया बेटा आपको क्लियर ऐसे गवर्नमेंट ने क्या किया सर वो सारे गुड्स जो जनरली इंडिया से एक्सपोर्ट होती है उन सबके लिए ऑल इंडस्ट्री रेट का शेड्यूल इशू कर दिया और बोल दिया आप जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका एक परसेंटेज आपको क्या मिल जाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक पर सर क्या नाम सर हरप्रीत सिंह हरप्रीत जी सर मान लो सर गलत पढ़ दूंगा ध्यान बेटा

और उसने एक्चुअली इसके इनपुट पे कस्टम पे किया था लाख रुपए बेटा अब इसने भी वन सीआर के जब मार्कर्स एक्सपोर्ट किए सीआर का टू परसेंट जो ऑल रेट है वो कितना होता बेटा दो लाख रुपए इसको गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या ले दो लाख का रिफंड ले जा जाने बोला मेरे को नहीं चाहिए मैंने एक्चुअली कितना पे किया साहब थ्री लाख रुपये तीन लाख का रिफंड चाहिए क्लियर तो वहां गवर्नमेंट बोला नाराज मत होना अगर आपने जो एक्चुअल कस्टम पे किया है उसका

पटी तो पटी नहीं तो कौन सही बेटा नहीं तो राखी सही बेटा हाँ है ना भाई भाई मिलना तो ऑल इंडस्ट्री तो ही है सर एक्स्ट्रा मिल गया तो ठीक है अपने है क्या नुकसान बेटा इसलिए गवर्नमेंट ने पांच साल पहले किया बेटा क्लियर और गवर्नमेंट ने बोला क्या दिमाग मंगल एक्सेप्टेर यू अप्लाइड फॉर ऑल इंडस्ट्रेड यू बेटा लॉजिक बेटा आपको क्लियर सर ताकि वही सीरियस जो लोग हैं जिनको एक्चुअली

सर एसीडीसी को पावर दिया क्यों फर्दर तीन महीने का टाइम और दे सकता है बेटा थ्री प्लस थ्री मतलब सिक्स मंथ हो गया बेटा उसमें भी आपने अप्लाई नहीं किया तो कमिश्नर के पास पावर है कि वो फर्दर एक्सटेंशन दे सकता है फर्दर आपको डिले को कंटिन्यू कर सकता है फर्दर फर्द फीस कितना डबल दो ऑफ एफओबी और दो हजार रुपए पर एसडीसी और पावर की हो जाए तो इसकी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है अगर उनको लगता है कि रीजनेबल रीजन नहीं था तो बेटा हा ना भाई ठीक है अब अपने स्पेशल ब्रांड के लिए अप्लाई कर दिया आप गवर्नमेंट स्टडी करेगा बेटा अब स्टडी करने में टाइम लगेगा ना उनको यार और ये तो भाई साहब ऐसे है जिनको ऑल इंडस्टेट तो मिलना ही था बेटा वो तो इनको कम लग रहा है इसलिए इन्होंने स्पेशल के लिए अप्लाई किया इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला हम आगे हम आपको आगे, हो, आगे होके हम आपको प्रोविजनल ड्रॉबैक देंगे बेटा कुछ अमाउंट का क्या देंगे साहब आपको अप्लाई करनी करने हम आगे होके प्रोविजनल ड्रॉबैक देंगे और अगर आपको लगता है कि जो प्रोविजनल ड्रॉबैक आपको मिला है वो कम मिला है आपको एक्स्ट्रा प्रोविजनल ड्रॉबैक चाहिए तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा और उसके बाद एक्स्ट्रा प्रोविजनल ड्रॉबैक अगर उनको लगता है तो वो दे देंगे बेटा आपको क्लियर और कल को जब फाइनल असेसमेंट हुआ और सर पता पड़ा कि स्पेशल इनके लिए होना ही नहीं चाहिए बेटा या होना चाहिए जो भी था गैस बेटा उसको कंपेयर करेंगे से जो भी प्लस माइनस होगा वो एडजस्ट कर देंगे बेटा बोलो बोला सर क्लियर डन अब सर मान लो आवाज आ रही यही सर क्या नाम दर्शिल सर आज तक हिंदुस्तान से मार्कर एक्सपोर्ट हुए ये बोलता है क्या मैं इन सबको मिटाऊंगा मैं डस्टर एक्सपोर्ट करूंगा साहब सर बोलता है क्या मैं इन सब को मिटाऊंगा मैं डस्टर एक्सपोर्ट करूंगा हिंदुस्तान से पहली बार डस्टर एक्सपोर्ट हो रहा है भाई के लिए अप्लाई किया गवर्नमेंट ने ऑल इंडस्ट्री रेट का शेड्यूल चेक किया इसमें तो गुड्स इस का नाम था ही नहीं इसको तो तुझा क्या ड्रॉबैक नहीं देंगे इसको बेटा तो पहली बार अगर किसी गुड्स के लिए रेट ऑफ ड्रॉबैक फिक्स करेंगे तो उसको बोलते हैं क्या ब्रांड रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक जिसके लिए ऑल इंडस्ट्रेड डिटरमाइंड नहीं है अब ऐसे केस में आपको अप्लाई करना है वो सेम प्रोसीजर बेटा विद इन थ्री मंथ जिस दिन आपने परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला उसके तीन महीने में अप्लाई कर सकते हो लेट हो गया तो वो एसीडीसी तीन महीने का फॉर कमिश्नर फर दर सिक्स मंथ बेटा है ना भाई पर हाँ अगर आपको यहाँ पे ड्रॉबैक जल्दी चाहिए तो प्रोविजनल ड्रॉबैक अप्लाई कर सकते हो पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा आगे होकर नहीं देंगे बेटा हम क्लियर और ऐसे केस में आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा और फिर आपको प्रोविजनल ड्रॉबैक मिलेगा बच्चों ना भाई और फिर फाइनल जब असेसमेंट होगा उसके बाद प्लस माइनस जो भी होगा दैट विल बी एडजस्टेड भारत माता की जय समझ में आ रहा कि जा रहा है आवाज आ रही तो ऑल इंडस्ट रेट ब्रांडेड स्पेशल ब्रांडेड समझ में आया डन सर 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 अच्छा अब ऑल इंडस्ट्री रेट के लिए गवर्नमेंट को पावर की वो चाहे तो कभी भी गवर्नमेंट चेंज भी कर सकता है हैविंग टू मार्केट कंडीशन बेटा कभी लगता है कि नहीं इनपुट्स पर रेट ऑफ कस्टम हायर हो गया या लोअर हो गया तो ऑल इंडस्ट्री रेट का रेट गवर्नमेंट चेंज भी तो कर सकता है बच्चों यार अब कभी ऑल इंडस्ट्री रेट का रेट चेंज हो गया तो रिलेवेंट रेट फॉर रेट ऑफ ड्रॉबैक क्या होगा साहब क्लियर वही जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्ट का कैसे बेटा अरे किसका कैसे बेटा एक्सपोर्ट का तो जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्टेशन मिला लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर सेक्शन वाला उस दिन जो रेट रेट ऑफ ड्रॉबैक होगा दैट इज दिलवन फॉर दर्पज ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक बेटा बोलो यस सर माहौल हा है ना मालिक डन सरकार और अगर बाय पोस्ट आपने एक्सपोर्ट किया है बाय पोस्ट अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो जिस दिन आपने सर पार्सल

सर ए, ए, ए एक मिनट एक मिनट सर तीन चार जगह इंटरेस्ट की बात दे रखी है कस्टम के अंदर और तीनों चार जगह कुछ अतरंगी बात ही कर रखी है कहीं पे क्या है कहीं पे क्या है अगर मेरे को दस मिनट का टाइम आप दोगे तो मैं सब इंटरेस्ट की बात जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं उस लेवल तक पढ़ा दूंगा बेटा चलेगा सर आपको ध्यान <coughs> देना बेटा जहां जहां कस्टम में पूरे इंटरेस्ट की बात है वहां वहां खत्म कर दूंगा बेटा आपके लिए बार सर ड्रॉबैक ओ भाई ड्यूटी ड्रॉबैक मान लो पूरे कस्टम में क्या बोले सर माहौल तो बन रहा है सर पूरे कस्टम में जहां पे भी रिफंड की बात आती है अगर आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया एंड इफ यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड आपने आपकी जब एप्लीकेशन सबमिट कर दी है पूरे कस्टम की बात 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 जनरल मैं मैं ड्रॉबैक ड्रॉबैक की नहीं आपसे पूरे कस्टम के के अंदर आपने जब सॉरी रिफंड लिए अप्लाई किया यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड जिस दिन आपने अप्लाई किया उसके तीन महीने में रिफंड नहीं मिला कितने में सर गवर्नमेंट ने तीन महीने में रिफंड नहीं दिया तो गवर्नमेंट विल पे द इंटरेस्ट आफ्टर द पीरियड ऑफ थ्री मंथ एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज डेज के हिसाब से बेटा बेटा करो और यही जीएसटी जीएसटी में रेटो, में दिया कितना हा है ना भाई क्लियर डन सर अच्छा सर ये जनरल बात बताई मैंने आपको जनरल बात बेटा पर पता है ड्यूटी ड्रॉबैक अच्छा ड्रॉबैक किसको मिलता है बेटा एक्सपोर्टर को बेटा हाँ है ना तो गवर्नमेंट ने बोल रखा है क्या अगर किसी एक्सपोर्टर ने ड्रॉबैक के लिए अप्लाई किया तो जिस दिन उसकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई वैलिड एप्लीकेशन बेटा सर उसके एक महीने में रिफंड नहीं मिला उसको कितने महीने में सर तो विद इन वन मंथ अगर आपको रिफंड नहीं मिला है तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वन मंथ गवर्नमेंट विल हैव टू पे द द इंटरेस्ट इंटरेस्ट एट रेट ऑफ ऑफ पर सिंपल नंबर डेज के हिसाब से बेटा बोलो गोले सर कितना टाइम मिला बेटा वन मंथ ड्रॉबैक लिए वन मंथ जनरली कितना है तीन महीना बेटा सेकंड केस मान लो आपको आपने ड्रॉबैक किया आपको ड्रॉबैक मिल गया बेटा सर सर आपने ड्रॉबैक अप्लाई किया आपको ड्रॉबैक मिल गया फिर बाद में गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि बहुत बड़ी गलती होगी बेटा कि आपको ड्रॉबैक नहीं देना चाहता या हो सकता है सर आपको एक्सेस ड्रॉबैक मिल गया या हो सकता है सर विद इन द टाइम लिमिट अलाउड बाय अंडर फेमा आपका एक्सचेंज रियलाइज नहीं हुआ बेटा और आपने वो इंश्योरेंस कवरेज नहीं ले रखा था बेटा है हाँ ना तो ऐसे केस में सर जितना फॉरन करेंसी रियलाइज नहीं हुआ आपका उतना प्रपोशनड आपको क्या करना पड़ेगा ड्रॉबैक अमाउंट गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा बेटा करो सर मान लो फोर्टीन फेब को आपको ड्रॉबैक मिल गया था बेटा कब फोर्टीन फेब को क्लियर सर आपने एक्सपोर्ट किया और आरबी टाइम लिमिट के पैसा नहीं आया आपने इसी, इसी इंश्योरेंस कवरेज भी नहीं ले रखा था सर फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं हुआ गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा आपसे ड्रॉबैक डिमांड वापस कर लिया बेटा हाँ है ना भाई मान लो मान लो 14 नवंबर को बेटा कब बेटा 14 नवंबर को डिमांड ऑर्डर इश्यू हो गया कि हमारा ड्रॉबैक वापस दो हूं हु, करो सर अगर उसके दो महीने में जिस दिन डिमांड ऑर्डर सर हुआ उसके दो महीने में अगर आपने ड्रॉपैक अमाउंट दे दिया तो ठीक है दो महीने में नहीं दिया तो आपका केस रिकवरी सेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा पर सुन रहे होशियारी तो दो महीने में पे कर या मत कर जिस दिन आपको ड्रॉपैक मिला था फोर्टीन फेब को मिला था बेटा फिफ्टीन फेवरी से इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा मतलब दो महीने का रिलायंस केवल रिकवरी सेल में ट्रांसफर करने के लिए बेटा बहुत सारे लोग क्या सोचते सर दो महीने में पे करते तो इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा ना बेटा इंटरेस्ट तो

सर सुनना बचा से बुक्स में ही नहीं बेटा टॉपिक जब मिलेगा तब तक तो खत्म ध्यान ध्यान मैं कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूं बेटा आपको है ना बेटा ये वो चीजें है सर जो नॉर्मली हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते बच्चों क्लियर ये वो टॉपिक से जो हम पढ़ तो लेते हैं पर आंख बंद सोचते जो होगा एग्जाम में देखेंगे बेटा लास्ट में क्या होता है यहां भी इंटरेस्ट पढ़ लिया यहां भी पढ़ लिया यहां भी पढ़ लिया यहां भी पढ़ लिया अब पढ़ा तो है अब जो होगा देखेंगे आगे बेटा ये होता है या आपकी जगह में भी होता तो मेरे के साथ भी ऐसे होता था बेटा क्लियर सुनना बच्चों ध्यान से मान लो प्रोविजनल असेसमेंट बेटा मैंने कोई गुड्स सेक्शन में बेटा, बेटा बेटा। में बेटा सर ध्यान देना बेटा चेक मत करना बेटा क्योंकि मुझे पता आपको नहीं पता बेटा सर <laughs> सर सुनना चेक मत कर बेटा तू मेरा पॉपर करवाएगी सर इतनी देर से इतने सारे प्रोविजन मैंने बढ़ाया बेटा वो भी क्यों बढ़ाया मैंने बताया सर मेरे को पता आपको नहीं पता है बेटा <laughs> जो बोला सही है सर सर अरे नहीं सब सही बढ़ाया वो सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि मान लो बहुत अच्छा बेटा मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया

सरकार मान लो प्रोविजनल असेसमेंट करा और अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी बता रहा हूं बेटा भले रेट ऑफ ड्यूटी में कोई इशू था वैल्यूशन में इशू था अल्टीमेटली कस्टम ड्यूटी का अमाउंट आया कितना रुपीजेंड बेटा कितना है मालिक वन थाउजेंड यह प्रोविजनल का अमाउंट है मैंने प्रोविजनल असेसमेंट का अमाउंट पे कर दिया गुड्स रिमूव कर दिए फॉर होम कंजम्पशन बच्चों हूं हूं करो सर अच्छा प्रोविजनल असेसमेंट हुआ मान लो कब फोर्टीन फेब्रवरी को बेटा क्लियर फाइनल बाद में करेंगे एक बार फेब को ओके क्लियर असेसमेंट की बात कर रहा हूं बेटा कस्टम की बेटा सर अब 14 फेब को प्रोविजनल असेसमेंट हो गया कितने में हुआ मालिक थाउज़ेंड में हुआ आपने कस्टम पे किया और गुड्स को रिमूव कर दिया फॉर होम कंजम्पशन बेटा सुनना बेटा ये तो बाद में भी साफ हो जाएगा सर सर सुनना बात को ध्यान से मान लो प्रोविजनल असेसमेंट हुआ 14 फरवरी को कितने में ₹1000 में 1000 पे आपने कस्टम पे कर दिया गुड्स को लेकर फॉर होम कंजम्पशन अब वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रिक्वायर्ड थे वो आपने आ, आपने आपने सबमिट कर दिए जो भी सर मान लो आपके सैंपल ड्रॉ करके आपके मतलब जो गुड्स आपने इंपोर्ट उसके सैंपल सैंपल बेटा बेटा है ना सर ड्रॉ करके लेबोरेटरी में टेस्टिंग ले के लिए उसकी रिपोर्ट आ गई बेटा उसके बेस पर एच एस कोड निकल गया बेटा या जो भी इशू था वो क्लियर हो गया बेटा कुल मिला के सर फाइनल असेसमेंट हो गया फाइनल असेसमेंट हो गया पच्चीस मई को फाइनल असेसमेंट हुआ बेटा क्लियर कितने में हुआ सर कितने में हुआ सर थाउजेंड में हुआ सर तो मैंने कहा थाउजेंड था, था, लगेगा सर वाह माल बेटा कस्टम आपने ऑलरेडी पे कर दिया There is no point difference amount of custom बात तो बेटा बोला yes no, पर मान लो होता कितने में? में आपने पे कितना क्या बेटा अब कितना पे करना है टू हंड्रेड और पे करना बेटा हाँ ना भाई क्लियर yes. अच्छा आपने टू हंड्रेड कब पे करना बेटा नहीं टू कब पे करना है भाई फाइनल का मई को बेटा उसके बाद कभी भी पे कर दो बच्चा आपने पे किया क्लियर कब पे किया बेटा पंद्रह जून को पे किया है बेटा कब पे किया भाई पंद्रह जून को अब जून को जो आपने टू हंड्रेड पे किया होगा वो अलोंग विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सर इंटरेस्ट रेट इज फिफ्टीन परसेंट पर नम किस पे लगेगा सर दो सौ पे लगेगा बेटा कब से लगेगा सर एक फरवरी से बेटा कब से लगेगा सर फर्स्ट फेब्रवरी महीने में आपने प्रोविजनल सस्पेंड कराया उस महीने की एक तारीख से लेकर जून को पे किया जनरली yes, हम कॉमन सेंस सोचेंगे तो पंद्रह फरवरी से लगेगा इंटरेस्ट बेटा पर प्रोविजन में अगर क्या हुआ है तो इवन सुप्रीम कोर्ट के नॉट गो दो लो, sir, मैं आपको ये दोन एक साथ पढ़ा रहा हूं आपको क्लियर कब से बच्चो फर्स्ट से सर भले अट्ठाईस फरवरी को प्रोविजनल प्रोविजनलेंट होता तो भी एक फरवरी से लगता है इंटरेस्ट बेटा क्लियर सेकंड केस मान लो फाइनल असेसमेंट हुआ कितने में सर सेवन हंड्रेड में सर कितने में सर सेवन हंड्रेड में आपने कितना पे किया बेटा थाउजेंड तीन सौ क्या मिलेगा रिफंड दैट रिफंड इज सब्जेक्ट टू ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट मान लो आपने प्रूव कर दिया कि आपने ही बर्डन बोन किया और आपको रिफंड मिलना चाहिए बेटा हूँ करो सर अब सर आपको सात सौ का क्या मिलेगा सॉरी तीन सौ क्या मिलेगा रिफंड

उसके एक साल में रिफंड के लिए अप्लाई कर तो, जीएसटी में दो साल का टाइम है रिफंड के लिए बेटा कितना है? का आपने दस को अक्टूबर को अप्लाई किया रिफंड के लिए बेटा गवर्नमेंट रिफंड कब बेटा आपकी बार उससे वो ऑफिसर अच्छा था बेटा मोदी सरकार का फर्क तो, ही है, वो तो बात, वो मेरा बीजेपी कांग्रेस का इलेवेंथ अक्टूबर को क्या मिल गया भाई आवाज नहीं आ रही सर पता है थ्री हंड्रेड का आपको रिफंड मिल गया बेटा क्या यहां कोई गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करेगी बेटा हाँ अब सुन ध्यान से मेरी बात सर भले आपको नेक्स्ट डे रिफंड मिल गया बेटा जिस दिन फाइनल असेसमेंट हुआ था कब हुआ था बेटा पच्चीस मई

सेकेंड थिंग लेट अप्लाई करो बेटा कौन सा पंद्रह परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा 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 इससे अच्छा मेरे को देना दे मैं 8 दे आपको interest. <laughs> हाँ ना? Clear? Done. Point है अप्लाई हाँ, कि किया उसके तीन महीने में रिफंड नहीं मिला तो क्या इंटरेस्ट बेटा यार यहां तो का बेटा वहां से तीन महीने में रिफंड नहीं मिला तो इंटरेस्ट बता रही है बच्चा हा ना भाई Clear, done. ये के भी की बात खत्म होती है. अब हाँ ना? और नॉर्मली पूरे कस्टम्स एक्ट में अगर आपने के लिए अप्लाई किया है, जिसने अपने किया उसके तीन महीने में अगर रिफंड नहीं मिला तो तीन महीने बाद द इंटरेस्ट रेट ऑफ सिक्स डन चलो सर पूरे कस्टम्स एक्ट में नॉर्मली अगर कस्टम पे करना आपको बेटा सर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजन फाइल कर दिया बेटा सर असेसमेंट हो गया भाई हाई ना सर जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो उस दिन कस्टम पे करना पड़ता है आपको बेटा क्लियर और अगर आपने लेट हो गए तो नेक्स्ट डे से क्या लग जाता है इंटरेस्ट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ ऑफ पर सिंपल नंबर डेज के के हिसाब से बेटा बेटा कस्टम अंदर हाँ ना भाई क्लियर डन अब इंटरेस्ट जीएसटी का भी कनेक्ट कर दूंगे बेटा यहाँ पे अरे कर क्या सर अच्छा जीएसटी में इंटरेस्ट में आपसे ऑलरेडी बात कर चुका बेटा कि सर मंथली पे करना पड़ता है जीएसटी बेटा आपको हूं हूं करो सर अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न

पहली बात तो कस्टमर में रिफंड के लिए अप्लाई करने का एक साल का टाइम कितना है का पे कितना है दो साल का अब जीएसटी में अगर आपने रिफंड के लिए अंदर अगर गवर्नमेंट ने आपको रिफंड नहीं दिया तो सिक्सटी फर्स्ट डेज पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर नम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से फ्रॉम सिक्सटी फर्स्ट डे ऑन दल टू यू बेटा हाँ ना सर पर दिल थाम के सुनना बेटा पर एक केस जीएसटी के अंदर देखा है जहां बोला क्या अगर मान लो किसी एस को एस ने रिफंड के लिए अप्लाई किया क्यों क्योंकि एजुकेटिंग ऑथोरिटी ने उसके फेवर में ऑर्डर पास किया या किसी अथॉरिटी ने या ट्रिब्यूनल के केस जीत गया और उसकी वजह से रिफंड मिलना चाहिए साठ दिन हो गए डिपार्टमेंट ने रिफंड नहीं दिया तो सिक्सटी डे से डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ नाइन परसेंट पर नाम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बेटा भाई मतलब परसेंट टू एनी ऑर्डर ऑफ एनी

सर्विस एक्सरसाइज में भी थ्री मंथ का टाइम था बेटा गवर्नमेंट को यहां कितना है 60 days का सर काम जल्दी करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को भी बेटा है जीएसटी का होली वो कस्टम का हो भली कहीं का भी बेटा हाँ ना सर चलिए सरकार ड्यूटी टॉपिक भी बढ़ा दिया प्रोविजनल बढ़ा दिया सर वेयर हाउसिंग भी पढ़ लिया वैल्यूएशन भी पढ़ लिया लो सर बैगेज की बात भी मैं आपसे सर बैगेज मान लो आउट ऑफ इंडिया से कोई पैसेंजर इंडिया में आ रहा है सर इफ द पैसेंजर इज अराइविंग फ्रॉम एनी कंट्री अदर देन नेपाल भूटान म्यांमार अदर देन नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहा है तो ऐसे केस में कितना एग्जामेशन बेटा सुन 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 डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन कैटेगरी ऑफ द पैसेंजर अगर सुनना सुनना अगर टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन है बेटा क्या है सर है. तो सर 15 अच्छा यूज पर्सनल इफेक्ट यस ट्रेवल्स ऑनियर यस प्लस 15,000 के अदर आर्टिकल्स भी अलाउड है फ्री ऑफ ड्यूटी बेटा हा है ना भाई क्लियर सर यूज पर्सनल इफेक्ट अलग से ट्रेवल्स ओनियर अलग से उसको पंद्रह हजार में इंक्लूड नहीं करना प्लस पंद्रह हजार के अदर आर्टिकल बेटा हाँ ना भाई पर एनी अदर कैटेगरी ऑफ पैसेंजर है

सर इन मतलब अपू इस तो ऐसे केस में उसके केवल यूज पर्सनल इफेक्ट जो है वही अलाउ होंगे बाकी ट्रेवल्स ऑन बाहर की कोई निशानी निशानी वो खुद बेटा सर अदर आर्टिकल उसके लिए कोई भी एग्जाम नहीं मिलेगा बेटा हाँ ना भाई क्लियर डन पर उसके जो यूज पर्सनल इफेक्ट है बेटा वो तो अलाउड होंगे विदाउट एनी कस्टमी बेटा ना भाई पर अगर यही पैसेंजर आ रहा होता कहा से नेपाल भूटान और म्यांमार से तो कोई भी कैटेगरी ऑफ पर्सन हो फॉरेन ओरिजिन का हो इंडियन ओरिजिन का हो कुछ भी हो भाई फिफ्टीन थाउजेंड बेटा कितना क्लियर सर इधर ध्यान कितना बेटा वन फाइव अच्छा आपके पास अगर राममन चार्ट बुक है अगर तो वहां पे क्या से एरर हो गया बेटा वो ऊपर वाला नीचे कॉपी किया तो पचास हजार दिया बेटा उसने क्लियर राममन चार्ट बुक में पंद्रह हजार कर देना बेटा इसको ओके चलिए सर इधर ध्यान समरी वगैरह सबको सही बेटा इधर ध्यान इधर ध्यान सरकार कोई भी टेगरी बेटा वन फाइव फिफ्टीन थाउजेंड का एक्सिबिशन मिलेगा बेटा प्लस पर्सनल इफेक्ट प्लस ट्रेवल्स हाँ पर अगर यूज पर्सनल ड्यूटी बाकी बाहर से दो चॉकलेट भी लेके आया बेटा वही खड़े खड़े खालना नहीं तो कस्टम पे करना पड़ेगा सर क्लियर डन और अगर इन्फेंट अगर आया है तो अगेन यूज पर्सनल इफेक्ट अलाउड है उसके अलावा जो भी कुछ लाया कस्टम पे करना पड़ेगा बेटा हाई ना भाई चलिए सर सर मान लो सर आउट ऑफ इंडिया से चार पांच दोस्त गए थे बेटा कहाँ गए बेटा चार दोस्त गोवा क्या आउट ऑफ इंडिया क्या है आतंकवादी अब तक तो हम बोलते कश्मीर हमारा था हमारा है हमारा रहेगा सर गोवा तो ऑब्वियसली हमारा है हमारा था और हमारा ही रहेगा सरकार थाईलैंड बेटा <laughs> बैंकॉक बहुत अच्छा बेटा वेरी गुड बेटा सर, एक बार करना वीडियो वाला। सर, <laughs> सर, गए बेटा, चार बेटा।, सर, सुनना बेटा से फिफ्टी फिफ्टी थाउंडी ना भाई आदत ने म्यांमार बेटा क्लियर वहां से कोई पैसेंजर वो जो चार दोस्त है उसमें से मान लो किसी एक, एक, एक पैसेंजर को एक पर्सन को वहां पे कोई गुड्स पसंद आ गए बेटा वो साथ में ले आया बेटा गुड्स गुड्स आइटम नहीं बोला है <laughs> सर ओके 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 सर अब सर वो गुड्स थी एक लाख अस्सी हजार की बेटा अब बाकी तीन दोस्त कुछ भी लेके नहीं आया बेटा तो सर यहां पे कस्टम पोर्ट पे जब आए तब क्या बोलते 50, 50, 50, 50. दो लाख का, तो का तो एक लाख अस्सी हजार मिल जाएगा नहीं दिस कैन नॉट बी क्लब टुगेदर फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे केन एटी माइनस फिफ्टी वन थर्टी पे आपको कस्टम पे करना पड़ेगा थर्टी फाइव परसेंट रेट ऑफ कस्टमी प्लस सोशल वेलफेयर टेन परसेंट हाई ना भाई डन क्लियर प्लस अगर आपकी एज मोर देन एटीन ईयर है तो ऐसे केस में लैपटॉप भी अलाउड है आप नया बाहर से ला सकते हो कोई कस्टम पे ज़रूरत नहीं है अच्छा ये हमने पंद्रह हजार और पचास हजार जो पढ़ा सर भले रूल नंबर थ्री था या रूल नंबर फोर था सरकार ये पंद्रह हजार और पचास हजार का जो आपको एग्जिमिशन मिलेगा ये एक्सिमिशन अलाउड नहीं है इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स विच आर कव वन एक्सर वन में जो गुड्स कवर है उसके लिए कोई exemption? नहीं मिलता है सर मतलब क्या है सर जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है दो कॉलम बनाने बेटा एक तो एलिजिबल फॉर और एक इन एलिजिबल फॉर एक्जिमिशन बेटा क्लियर एलिजिबल फॉर एक्जिमिशन जो है उस पे तो पंद्रह हजार पचास हजार का बेनिफिट आपको मिल जाएगा रिमेनिंग टेक्स पे करना पड़ेगा जो इन एलिजिबल बेटा जो शेड जो एनेक्सर वन में कवर उस पर फायर फायर आर्म्स एक्सेडिंग फिफ्टी दारू बेटा दो लीटर बेटा हाँ है ना सर नहीं ऐसा नहीं लिखा बेटा एल्को लिकर और वाइन इन एक्सेस ऑफ टू लीटर इज कवर्ड इन वन बेटा मान लो सर क्या नाम है सर रवि सर ये बाहर गया बेटा वाह एक ही गुड्स पसंद है बेटा इसको सूट के बेटा पांच लीटर दारू बेटा अंदर क्लियर अच्छा दस हजार रुपए पर लीटर की दारू थी बेटा ये पांच लीटर मतलब पचास हजार की दारू लिया है बेटा ये क्लियर अब ये बैंक को गया था बेटा पचास हजार का दारू लिया है बेटा के के लिए eligible video exemption के लिए पर फिर भी सर 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 में में क्या कवर कवर है है नहीं गलत मत बेटा। जल्दी मत करो करो बेटा बेटा जल्दी और मतलब साहब ये लोग गलती करते बेटा ऐसा नहीं बोलना दो लीटर अलाउड है दो लीटर एलिजिबल फॉर एग्जामिशन बेटा अच्छा मैं आपको बता बेटा, वो जगह जहां गलती होती है दो लीटर क्या है एलिजिबल फॉर एग्जामिशन है एग्जाम नहीं है दो लीटर अलाउड नहीं है ऐसा नहीं लिखा बेटा सर अच्छा मैं तो कह रहा हूं पांच लीटर पूरा अलाउड है बेटा ये टेंकर भर के लिए आया बेटा <laughs> अब टेंकर मतलब कमर्शियल यूज नहीं बेटा तो जोश जोश से बोलिया बेटा मैं। बोट ले आया बेटा है ना सर पूरा ही उभर के <laughs> सर तो अलाउड तो है भाई मना नहीं किया पर गवर्नमेंट क्या बोलती है

एलिजिबल की लिस्ट में आ गया बेटा कोई और गुड्स लेके नहीं आया पचास हजार तक एक्स को वैसे ही मिलता है बेटा तो सर इसको कोई कस्टम पे नहीं करना बेटा पर रिमेनिंग थर्टी थाउज पे कस्टम पे करना पड़ेगा कंपलसरी बच्चों इसको हाँ है ना बेटा क्लियर सर को सिगरेट्स इन एक्सेस ऑफ हंड्रेड स्टिक्स बेटा हंड्रेड बॉक्स नहीं बेटा पता बड़ा जैकेट खोला सब <laughs> सर सर ना सिगरेट इन एक्सेस ऑफ हंड्रेड स्टिक्स बेटा एक बॉक्स में कितना था बेटा सर काउंट ही नहीं करते डायरेक्टर सर क्लियर सर ये तो क्या बॉक्स सर, <laughs> सर, के साइड से फाड़ती दस भी होते हम दस एक साथ भी थे बेटा सर पॉइंट ये कि मान लो सर फिर क्या लिखा है एलसीडी टीवी और प्लाज्मा बेटा एंड प्लाज्मा टेलीविजन प्लाज्मा चढ़ाते खून की बात नहीं कर रहा बेटा और लास्ट क्या बेटा गोल्ड और ज्वेलरी गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म आता है ना ज्वेलरी बेटा क्लियर तो सरकार ये लेके अगर आप आए हो तो ऐसे केस में वो अनेक वन में कवर है और अनेक में कवर तो पूरा कस्टम लग जाएगा बेटा उस पर और पता है खास बात सर इन सारी गुड्स पर जैसे सिगरेट्स इन एक्सेसिक्स टोबेकोन ट्वेंटी बेटा कितना रेट ऑफ कस्टर टेन परसेंट सोशल वेलफेयर सर चार्ज क्या सर क्लियर इतना कस्टम पे करना करना पड़ेगा दो हजार विच आर इन एलिजिबल फॉर एक्शन भाई और नॉर्मल जो आपने एलिजिबल फॉर एक्जीशन पचास हजार या पंद्रह करेगा जितना क्रॉस किया उस पर थर्टी फाइव परसेंट सोशल वेलफेयर सर चार्ज अच्छा रूल नंबर बोलता है क्या एडिशनल फॉर ज्वेलरी जेंटलमैन पैसेंजर हो या लेडी पैसेंजर बेटा लेडी पैसेंजर के लिए फोर्टी ग्रामी ज्वेलरी और वन इज लोअर जेंटलमैन पैसेंजर के लिए ट्वेंटी ग्राम और फिफ्टी थाउजेंड इज लोअर पर सुन ये एडिशनल एग्जीशन फॉर ज्वेलरी इफ ईयर सुन बेटा नवंबर को, को वाइफ को डाउट हुआ बेटा कुछ ना कुछ हुआ बेटा सर मिसेज अयर भी वहां पहुंच गए थर्टी फर्स्ट मार्च को दोनों इंडिया आ गए बेटा साहब उसको लगा मैं इंडिया से बाहर नहीं रह पाऊंगा थर्टी फर्स्ट मार्च को दोनों आ गए बेटा आप सुनना बच्चे ध्यान से सर वाइफ मिसिज अयर कब गई थी बेटा 14 नवंबर आ कब गई बेटा 31 मार्च उसको एडिशनल एग्जीमिशन फॉर ज्वेलरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा पर हमारा भैया बेटा मिस्टर अय्यर सर याद है बेटा वो कितना एग्जीमिशन ले सकते बेटा ज्वेलरी के लिए बेटा 20 ग्राम और पचास हजार इज लोअर अच्छा ये एडिशनल एग्जीमिशन बेटा नॉर्मल जो एग्जीमिशन रूल में फोर फाइव का बेटा क्लियर वो तो है ही, ही उनके लिए बेटा क्लियर समझे मेरी बात हाँ ना भाई क्लियर डन सर तो वो भले मंगलसूत्र क्लियर पचास हजार तक की ज्वेलरी इतना टाइम बाहर रहा है अब इंडिया में वापस आ रहा है तो सर यूज हाउस आर्टिकल बेटा अरे घर के सामान क्लियर वो भी तो अलाउ होने चाहिए बेटा इसलिए अलग से रूल दिया और वहां बोल दिया क्या सर एडिशनल एग्जीशन फॉर यूज हाउस आर्टिकल्स बोल दिया क्या अगर अप टू सिक्स मंथ बाहर रहे बेटा कितना <coughs> सॉरी सर अप टू मोर देन थ्री मंथ अप अपू सिक्स बाहर रहे सिक्सटी थाउजेंड तक हाउस होल्ड आर्टिकल बेटा आपको सर मोर देन सिक्स एक साल एक लाख रुपए और मोर देन वन ईयर अप टू अपू टूर्स रहे तो कितना टू लाख तक के आर्टिकल्स अलाउड है और मोर देन टू ईयर रहेगा बेटा तो फाइव लाख तक के बेनिफिट आपको ले सकते हो यूज पर्सनल आर्टिकल्स का बेटा हाँ ना भाई करेंसी के लिए रेफर करिए फेमा बेटा क्लियर डन बेटा हाई ना भाई ये बेगेसी कहानी भी खत्म होती है अब हाँ या ना आवाज ये सर एक पॉइंट और बढ़ाता अगर मान लो कोई गुड्स अगर मान लो कोई गुड्स आपने आउट ऑफ इंडिया भेजा रिपेयर लिए बेटा न्यूमेरिकल बनता है सर इसका भी सर अगर आपने कोई गुड्स कोई मशीन मान लो आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करी बेटा कोई मशीन आपने आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करी हूं करो सर वेरी गुड बेटा इंपोर्ट करिए सर आप मशीन को यूज करो कुछ टाइम बाद मशीन क्या हो गई खराब हो गई आपने वारंटी में था बेटा मशीन बाहर भेज दी बेटा आपने क्लियर अब मशीन वारंटी में रिपेयर होकर वापस इंडिया में आ रही है तो जब मशीन आ रही है वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया बेटा पर क्या पूरी मशीन पे कस्टम वापस लगा देंगे बेटा नहीं पर फेयर कोर्स ऑफ रिपेयरिंग दिल थाम के सुना बेटा क्या बोला सर <coughs> वो मशीन रिपेयरिंग होकर वापस आ विद इन थ्री ईयर्स प्लस एक्सटेंशन आउट बाई डिपार्टमेंट विदाउट चेंज ऑफ एनी ओनरशिप क्लियर ओनरशिप भी द सेम एंड गुड्स की वही होनी चाहिए बेटा आना चाहिए रिपेयरिंग होने के बाद तो ऐसे केस में fair cost of repairing. क्या बोला मालिक ऑफ रिपेयरिंग बेटा हाँ बेटा प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज लाने ले लेने का खर्चा क्लियर इस अमाउंट में क्या लगेगा बेटा ड्यूटी लगेगा बेटा क्लियर वापस रिपीट करता बच्चा में सर फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग क्या बोला सर इंक्लूडिंग

लाख रुपए ट लाख रुपए हो गया बेटा इस ट्वेल्व पे कस्टम लगेगा कस्टम का अमाउंट जाएगा उस सोशल वेलफेयर चर्चा लगेगा ये ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा क्या लगेगा आईजीएसटी थ्री सेवन बेटा भारत माता की जय, यस या नो अरे हा ना भाई क्लियर ये भी प्रोविजन खत्म होता है अब और, और क्या बढ़ना है सर खत्म सर मोर रिफंड का फॉमर बता दू सर मैं तो सर मोरलेस कस्टम समझ में समझना बेटा आपको ये अच्छा जनरल प्रोविजंस प्रोविजन कस्टम उसके मेन मेन पॉइंट पढ़ा दिया बेटा आपको सर आपका ये ऑफ ड्यूटीज में की पर लगता है बेटा वो मैंने आपको समझा दिया बच्चों ना सर फिर हमने वैल्युशन पूरा पटाला बेटा देन ड्यूटी रोबिक पूरा पटाला हमने सर वेयर हाउसिंग पूरा पटाला लगभग लगभग सर हमने न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन बताया बेटा पूरे इंटरेस्ट की बात जहा आती वो हमने कर ली सर अरे हा ना सर क्लियर तो मोरलैस कस्टम के मैक्सिमम प्रोविजन आपके कवर हो गए आइए सरकार अब लास्ट एक पॉइंट और लेते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट पे है सर जीएसटी लगभग मोटा मोटी हमने मैक्सिमम पॉइंट कवर कर लिए कस्टम कवर हो गया सर हाँ है ना सर क्या बोल रहे का फॉर्मूला समझना है सर आपको जीएसटी वाला रिफंड का ये लो सर सुनना बात को मान लो इन केस ऑफ जीएसटी अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सर गारंटी अगर पलक भी झपकी हो तो आपकी लंच के बाद भी क्लियर सर इन केस क्या बोला सर इन केस जीरो रेटेड सप्लाई कुछ ज्यादा रहा है क्या जाओ जीएसटी में जाओ जीएसटी में जाओ जीएसटी में जाओ जीरो सप्लाई ऑफ़ गुड्स और सर्विस और बहुत अगर आपने कोई गुड्स और सर्विस और बहुत सप्लाई किया किसको एस ई जेड की यूनिट को या डेवलपर को ये अगर आपने कोई गुड्स सर्विस और बहुत क्या किया आपने एक्सपोर्ट किया है तो उसको बोलते क्या जेड ई आर ओ सर जीरो जेड ई आर ओ एग्जाम वाला जीरो नहीं बेटा जेड ई आर ओ जीरो रेटेड सप्लाई अरे क्लियर जीरो रेटेड सप्लाई उसको बोलते बेटा ओके okay, मालिक अब जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स गुड्सर तो बहुत अगर हम आई जीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर सेवन पढ़ेंगे सर सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन फाइव के अकॉर्डिंग इंटरस्टेट सप्लाई क्या बेटा वो इंटरस्टेट सप्लाई है अब इंटरस्टेट सप्लाई भी क्या लगता है मालिक आईजीएसटी यस एंड नो पर सर एक्सपोर्टर को बोल दिया बेटा

जीएसटी विदाउट एनी पर फिर भी उसको सर टेक्सल सप्लाई बोलते हैं याद आया है बेटा आपको भले आपने एग्जाम गुड्स किया हो क्या सप्लाई किया सर आपने या एग्जाम सर्विस एक्सपोर्ट करिए बेटा या जीरो सप्लाई करिए उसको भी टेक्सल सप्लाई मानते हो उसमें आई टी मिलता है याद आया बच्चों आपको ठीक है तो मैंने ऐसी बता दिया बेटा अब सर मान लो जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ऑफिसर के केस में आपने आईजीसी पे करने वाला ऑप्शन लिया बेटा आपने बोर्ड एलियडीस है ना नहीं किया तो जो आईजीसी पे किया उसका आपको क्या मिल जाएगा भाई रिफंड मिल जाएगा कुछ नहीं सिंपल प्रोसेसर आप क्या करेंगे सर सर इधर से जीएसटी पे करेंगे बेटा हूं हूं करो सर आईजीएसटी पे करोगे अपना जीएसटर वन फाइल करोगे अपना जीएसटर थ्री भी फाइल करोगे गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दोगे सर उधर से शिपिंग बिल फाइल किया होगा आपने एक्सपोर्ट के लिए बेटा अरे आपने एक्सपोर्ट के लिए क्या फाइल किया होगा सर शिपिंग बिल और बाय रोड अगर आपने भेजा एक्सपोर्ट किया है तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया होगा सर आपने वहां से कस्टम का डिपार्टमेंट का डेटा सर जीएसटी से मैच होगा बेटा क्लियर कि साहब आपने जीएसटी पे किया हुआ बेटा इस पे और वो गुड्स एक्चुअली एक्सपोर्ट हो चुका बच्चों बच्चो हूं करो सर तो ऑटोमेटिक क्या होगा साहब आपका आईजीएससी का रिफंड प्रोसेस हो जाएगा क्लियर और वो आईजीएसटी जो आपने पे किया वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा बोले सर पर अगर आपने बॉन्ड या एलईडी साइन किया अगर आपने बॉन्ड या एलईडी साइन किया तो ऐसे केस में यू कैन

वहां से दो साल में अप्लाई करो सर सर्विस कंप्लीट भी, भी हो जाना चाहिए सर विचव लेटर हाँ जनवरी महीने की बात करो मैं आपसे तो जनवरी महीने में कितना पेमेंट रिसीव हुआ इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्टेड क्या बोला सर जनवरी महीने में कितना पेमेंट रिसीव हुआ इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्टेड प्लस वस्

सर्विसेज एक्सपोर्टेड बेटा माइनस वो पेमेंट जो रिसीव हो गया पर सर्विसेज तक कंप्लीट नहीं हुई प्लस वो पेमेंट जो पहले आ गया था पर सर्विस में टर्न हो रहा है मतलब कुल मिला के सर्विसेज कंप्लीट भी हो जाना चाहिए प्लस पेमेंट भी जाना चाहिए बेटा हाँ ना सर ओके okay, हो गया साहब ये एक्सपोर्ट सर्विस का डेफिनेशन हो गया बेटा अब साहब मान लो मैं कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करता हूं बेटा कुछ गुड्स क्या करता बेटा और कुछ गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में बेचता बेटा हम्म तो जो गुड्स में एक्सपोर्ट कर रहा हूं जो गुड्स में एक्सपोर्ट कर रहा हूं ओ भाई जो गुड्स में एक्सपोर्ट कर रहा हूं ओ भाई अभी ठीक है सर जो गुड्स में एक्सपोर्ट कर रहा हूं उसी में जो इनपुट इनपुट सर्विस काम आया उसी का रिफंड मिलेगा ना यार जो डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स सप्लाई कर रहा हूं सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं भाई साहब उसमें जो इनपुट इनपुट सर्विस काम आया उसका क्रेडिट ले लो क्रेडिट यूज कर लो एक्सेस क्रेडिट बचा तो उसका रिफंड तो कभी आएगा ही नहीं बेटा है हाँ ना भाई पर सर मैं तो कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूं कुछ लोकल मार्केट डी में ट्रांसफर करता हूं तो ऐसे केस में कुछ का रिफंड मिलेगा बेटा मेरे को वो कुछ कितना होगा सर प्रपोशनेट सिंपल

जनवरी महीने में मैंने कितना इनपुट इनपुट सर्विस का क्रेडिट अवेल किया क्लियर अच्छा माइनस कर देना इसमें से नेट माइनस कर देना अगर कोई रिफंड आप ऑलरेडी सर रोल रूल नम एन रूल फोर ए या फोर बी में ले चुके हो तो वहां रिफंड ले दिया है, बार बार देंगे लूट लो काम करो सर इसलिए उस आईटीसी को रिप्लेस कर देना बच्चा हाँ अरे उधर रिफंड ले इधर मिलेगा क्या वापस में सर नहीं तो सर नेट आई मतलब क्या हो गया बेटा टोटल अवेल द रेलेवेंट रेलेवेंट पीरियड पीरियड मतलब हमारे एग्जाम जनवरी महीना था बेटा आप चाहो तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून छह महीने के लिए अप्लाई करो रिफंड मैं दिक्कत नहीं सर क्लियर जो भी रिलेवेंट पीरियड के लिए आप रिफंड के लिए अप्लाई करो उस पीरियड में इनपुट और इनपुट सर्विस का क्रेडिट कितना अवेल किया माइनस वो क्रेडिट जो आपने रिफंड ऑलरेडी ले चुके अंडर नंबर लेर ए और फोर बी क्लियर लेस कर दिया बेटा ये आ गया आपका नेट आई बेटा हूं करो सर अब जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस का टर्वर डिवाइडल टर्न ओवर बेटा अच्छा टोटल टर्न में क्या आएगा बेटा

सप्लाई अगर एक्सपोर्ट किया तो टेक्सबल हो गया बेटा वैसे भी पर नॉर्मली मान लो लोन बेटा क्या है एक्सपोर्ट किया बेटा जो पेन मैंने डोमेस्टिक मार्केट में, तो में, में, में क्या उसके लिए आईटीसी मिलेगा बेटा तो मैंने आईटीसी अवेल भी किया था क्या बेटा जब आईटीसी अवेल ही नहीं किया तो उसको में क्यों इंक्लूड करूंगा बेटा मैं इसलिए एग्जाम सप्लाई जो लोकल मार्केट में उसको टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे बेटा हाँ ना भाई और उस टर्न में से वो टर्न लेस करना जिसका आप रिफंडोर ए और सबल नंबर फोर बी हाँ है ना ये 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 आ गया क्या? Total adjusted turnover, clear? अब सर और जो आएगा ये proportion करना ये proportion करने के बाद मान लो कितना रुपी कितना बेटा? बेटा? लाख लाख का एलोकेट हो गया किसके लिए बेटा जीरो के लिए नाउ यू कैन क्लेम द रिफंड अप टू रुपीज टू लाख कितने का रिफंड ले सकते हो बेटा आप मेरे को एक बात और करनी बेटा जल्दी बोलो कितने का रिफंड अप्लाई कर सकते हो सर पर जनवरी महीने की बात कर रहा हूं बेटा मैं जनवरी महीने में जब में रिफंड की बात कर रहा हूं तो सर यह कितना है बेटा दो लाख रुपया पर जनवरी महीने का जो हमने क्लोजिंग बैलेंस देखा आईटीसी का वो खुद ही एक लाख अस्सी हजार था बेटा मतलब बीस हजार आपका आईटीसी यूज आ चुका है आपकी टैक्सेबल सप्लाई के लिए बेटा जो डोमेस्टिक मार्केट में लाइब्रीटी थी बेटा उसके लिए बीस हजार आप काम ले चुके हो बेटा क्लियर तो मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा बेटा वन मिलेगा ना सर आपको अच्छा आई टी सी 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 अकाउंट में बैलेंस होता कितना टू फिफ्टी तो कितना मिलता बेटा टू लैक अच्छा अब जनवरी महीने के रिफंड के लिए अप्लाई किया आपने जरूरी जनवरी में अप्लाई कर दे बेटा दो साल में कभी भी कर सकते बेटा हमने जून महीने में रिफंड के लिए अप्लाई किया अब जून महीने में दो लाख के लिए अप्लाई कर रहा हूं जब जून महीने में रिफंड के लिए अप्लाई किया उस दिन मेरे आई टी सी अकाउंट बैलेंस कितना बेटा वन फिफ्टी बेटा कितना बेटा अब आई टी सी अकाउंट में बैलेंस ही वन फिफ्टी है दो लाख के रिफंड कैसे अप्लाई कर देगा रोशहरी तू इसका मतलब क्या बेटा पचास हजार का आईटीसी जनवरी महीने का था वो कई और काम आ चुका चुँँ, बेटा अरे काम आ गया तो अच्छी बात है ना यार उतनी लाइब्रेट ने कम पे कर दी रिमेनिंग का रिफंड अप्लाई कर देना इसलिए बताए फॉर्मुला दे रखा बेटा लोकल क्या विचवरी लोअर वाला बेटा कि ये मैक्सिमम रिफंड का जो फॉर्मुला हमने पढ़ा था बेटा उससे रिफंड कमाउटा दो लाख रुपए बेटा या जिस रिलेवेंट पीरियड पेरियड की रिफंड के लिए अप्लाई करो उस रिलेवेंट पीरियड के लास्ट में

जीएसटी वाला invoice, उसमें जो वैल्यू किया लोअर उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का वैल्यू बेटा है हाँ ना भाई अब वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का वैल्यू मान लो आया कितना बेटा वन लैख कितना है साहब वन लैख पर अगर यही गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में आप अगर आप बेचते यही गुड्स अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में बेचते तो कितने में बेचते बेटा मान लो फिफ्टी थाउजेंड में सर कितने में सर पचास हजार में तो सर जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स के टर्नओवर में क्या काउंट करेंगे जो डोमेस्टिक मार्केट में आप बेचते हैं उसका वन पॉइंट फाइव टाइम कर लो बेटा आप पचास हजार इंटू वन पॉइंट फाइव क्या होगा बेटा सेवेंटी फाइव बेटा तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड और वन लैग विचवर इज लोअर इतना ही हम टर्नओवर लेंगे जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स का बच्चा है हाँ ना भाई क्योंकि अल्टीमेटली टर्न के बेस में रिफंड ले रहे हो बेटा अब ये मार्केट मैंने एक्सपोर्ट किया ये मार्केट डोमेस्टिक मार्केट में बेचा बेटा अब सर इनपुट तो कॉमन काम है ना दोनों में यार जितना इनपुट इसमें काम आया उतना इसमें काम आएगा सब अब टर्नओवर के बेस में रिफंड लेंगे तो एक्सपोर्ट का टर्नओवर का ज्यादा है ही गुड्सो पचास हजार में बिक रहा है वही गुड्स अगर आपने एक लाख में एक्सपोर्ट किया तो आपको रिफंड डबल मिल जाएगा सर इसलिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइज किया था लॉकडाउन के टाइम में बेटा क्लियर दिमाग चलाना बेटा उनका क्लियर और वह बोला क्या कि 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ दी लाइक गुड्स इफ सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट और एक्चुअल वैल्यू ऑफ ऑफ एफओ वैल्यू एक्सपोर्ट एफ एवर इज लोअर वो हम लेंगे क्या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का वैल्यू बेटा वैल् है ना भाई क्लियर डन सरकार यह था क्या आपका और जुरटर सप्लाई के केस के में गुड से केस में अगर सब रूल नंबर फोर और फोर बी का अगर आप रिफंड ले चुके तो उसको गुड्स टर्नओवर से, से लेकर बेटा हाँ ना भाई हटा जेरेटर सप्लाई का पूरा टॉपिक खत्म होता है अब एक लास्ट बात कर लेता हूं आपसे क्या इनवर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर सेम फॉर्मूला सेम बातें सर इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर बेटा क्या होता है इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर बेटा क्या होता है मान लो, मान लो सर मेरा आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस दिल थाम के के के, दिल दिल थाम थाम क्या बोला सर? आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस पर रेट ऑफ टैक्स कम है बेटा एज कंपेयर टू रेट ऑफ टैक्स ऑन माय इनपुट्स यहां यहाँ पे केवल इनपुट देखने का बेटा इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स नहीं देखने का क्या देखने का मालिक अच्छा इनपुट पर रेट अगर हायर है और मैं तो कह रहा हूं मेरा दस इनपुट काम आता है उसमें से एक इनपुट रेट हायर बेटा तो भी माई केस इज फिट फॉर ड्यूटी स्ट्रक्चर बेटा हाय ना मालिक ओके अच्छा इनपुट इनपुट सर्विस गुड्स नहीं बेटा क्लियर सर अगर मेरे इनपुट पर रेट ऑफ टैक्स हायर है और मेरा आउटपुट गुड्स आउटपुट सर्विस कम है तो ऐसे केस में केस इज फिट फॉर इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर केस में अगर मेरा केस फिट हो रहा है तो ऐसे केस में मेरे को प्रपोशनरी रिफंड मिलेगा सर जब मोदी सरकार ने ये जीएसटी लॉन्च किया तब तो सर कई सारी गुड्स और सर्विस पर रेट ऑफ टैक्स कम किया तो गवर्नमेंट क्या बोला सर इनपुट टैक्स रेड का चेन हमने बहुत स्मूथ कर दिया भाई साहब अब हमने बोला हमारा आउटपुट सप्लाई पर रेट ऑफ टैक्स मान लो पांच परसेंट और, और आई टी से ज्यादा मिलता मान लो हमको बेटा और मेरे इनपुट रेट कितना बेटा अठारह परसेंट अब इनपुट में टैक्स पे किया अठारह परसेंट उसका मैंने आई टी सी लिया बेटा मेरे रेट ऑफ टैक्स आउटपुट पर कितना बेटा परसेंट उसकी वजह से मेरी लाइब्रिटी कम आती अब मेरा सी बसता है बेटा लेके आया गवर्नमेंट और वहां बोला क्या चिंता मत कर मंगल क्या बोला सर चिंता मत कर मंगल ये जो एक्सएसआईटीसी तेरे पास बचता है उसका रिफंड अलाउ कर देंगे पर केवल इनपुट का के रिफंड अलाउ करेंगे बेटा करो सर क्लियर अब इसका फॉर्मुला भी समझ ले बेटा अब हम आवाज यार, नहीं देखो यार सा। सा। ऐसे में नहीं बढ़ाऊ सर सर लास्ट मिनट सर अगले पांच मिनट बैठा ध्यान रखना सर बाद में आप आपके रास्ते में अपने अबे ओ सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि मान लो यार मेरा एक ही गुड्स होता बेटा एक ही आउटवर्ड सप्लाई होता सर ये कबूतर बोल रहा हूं मैंने तुमको नहीं बोला हूं इनको बोला है सर सुनना ध्यान से ये ठीक है इनके बेटा वन लगे नहीं बेटा इनके तो सर <laughs> पूरा जीएसटी पढ़ लिया बेटा सर सुनना बात को ध्यान से हूँ सर मान लो सरकार मैंने एक ही गुड्स बनाया है मार्कर मार्कर पर रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा फाइव परसेंट लिए जो इनपुट का हमारा प्लास्टिक कैलकुलेशन करूंगा एक ही आउटपुट गुड्स बेटा मान लो मेरे आउटपुट गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स कितना अच्छा, बेटा फाइव परसेंट वन करोड़ का मैंने सेल किया कितना पांच लाख का बेटा उस रिलेवेंट पीरियड में मैंने आईटीसी इनपुट पर वो कितना कितना है बेटा अच्छा, लेक सारे मिला के अच्छा। कुछ इनपुट पांच बेटा कुछ इनपुट ट्वेल्व थे कुछ, कुछ एग्जाम भी थे 18 लेक था हाँ ना भाई तो सर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड जिस पीरियड की बात कर रहा हूं, उस मैंने कितना इनपुट परचेज किया उन सारे इनपुट का मिला के कितना मैंने आईटीसी लिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड बेटा क्लियर वो होता है नेट आईटीसी बेटा क्या होता है कितना बेटा एटीन लेख मेरे आउटपुट गुड्स पे जो रेट ऑफ टैक्स है कितना है अच्छा मेरी आउटपुट सर्विस भी होती है बेटा आई एम मैं मान लो जॉब वर्क करूँ कपड़ों का बेटा क्लियर रेट ऑफ टैक्स कितना मान लो फाइव परसेंट बेटा सारा आईटीसी मिलता है बेटा पर आईटीसी टी पे मेरे सेल पे रेट कितना बेटा फाइव परसेंट अब सर एक करोड़ के सेल पे मेरा लाइबरी कितना बेटा पांच लाख रुपए बेटा अब पांच लाख का आईटीसी कितना बेटा एटीन लेख क्या करूंगा बेटा मैं थर्टीन लेख का क्या ले लूंगा भाई अच्छा एटीन लेख का आई लिया पहले क्या करूंगा बेटा अरे लाइब्रीडीडी पे भी तो करूंगा खुद की बेटा क्लियर फाइल एक की लाइब्रेरी पे करी बैलेंस कितना बचे बेटा थर्टीन लेख तो मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा बेटा थर्टीन लेख बेटा हाँ ना मालिक डन ये तो सिंपल एक समझा दे मैंने सिस्टम क्या होता है पर पर क्या बोला सर पर सर मैं ये गुड सप्लाई करता हूं ये ड्यूटी स्ट्रक्चर में कवर होता है पर मान लो स्पिरिट टैक्स कितना बेटा फाइव ये भी सप्लाई करता हूं इस पर कितना बेटा ये टैक्स वाले बेटा मान ले कितना रेट बेटा 18 परसेंट और जितने भी इनपुट काम है सब कितना बेटा 18 मान लो तो सर दिस केस इज नॉट फिट फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बट दिस केस इज फिट फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बेटा हाँ ना भाई अब ऐसे केस में कितना रिफंड मिलेगा प्रपोशन मिलेगा ना यार क्लियर तो so, कैसे करूंगा प्रपोशन बेटा जैसे जीरो रेट सप्लाई में क्या वैसे कर लो सर अभी बेटा क्या करूंगा बेटा टर्न ऑफ दी सप्लाईज जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाली सप्लाई बेटा मतलब टर्न ऑफ दिस बेटा रिलेवेंट डेट रिलेवेंट पीरियड बेटा जनवरी महीने के लिए रिफंड के लिए कर किसके लिए अप्लाई अप्लाई कर कर रहा रहा हूं हूं किसके सर करूं जनवरी महीने के लिए तो जनवरी महीने में मैंने इसका सप्लाई कितना किया क्लियर डिवाइड बाय टोटल टर्न ओवर बेटा जनवरी महीने का टोटल टर्न ओवर मेरा मार्कर और पेन का कितना है बेटा करो सर क्लियर मल्टीप्लाई बाय टोटल इनपुट्स का क्रेडिट कितना लिया मैंने भले वो इनपुट इसमें काम आया या?

क्लियर सर इसका टर्न था कितना बेटा बेटा? कितना था चारिय तो टोटल टर्न कितना हो गया बेटा बहुत अच्छा बेटा वेरी गुड बेटा सर तो इसका टर्न कितना बेटा वन सी आर डिवाइड बाय टू सी आर मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी लेटा बेटा है ना भाई तो दस लाख का आईटीसी एलोकेट हो गया इसके लिए बेटा ये दस लाख का आई टीसी एलोकेट हुआ है खुद की लाइब्रिटी भी तो है सर क्लियर अब इसका टर्न होता है पांच परसेंट रेट ऑफ टैक्स बेटा क्लियर कितना होता है अब फाइव लैख इस पर टैक्स पे करना है अब इसका आईटीसी एलोकेट कितना बेटा टेन लैख का तो फाइव लैख यूज कर लेंगे बैलेंस पांच लाख का क्या मिल जाएगा रिफंड बैलेंस पांच लैख इज एलिजिबल फॉर रिफंड बेटा अब वो पांच लाख मान लो मेरी इस सप्लाई में काम आ रहा है बेटा तो ले ले बेटा हमें क्या दिक्कत है बेटा क्लियर जब जिस पीरियड में मैं रिफंड के लिए अप्लाई कराऊ उस पीरियड में मान लो वो आईटीसी किसी और सप्लाई में काम आ गया तो ठीक है ना सर वो याद है विच्च बेटा। क्लियर उतना रिफंड मिल जाएगा इस के हिसाब से आप एलिजिबल कितने के लिए फाइव लाख के लिए बेटा पर देश कौन सा बेटा हिंदुस्तान या लोगों ने बोला ओ मोदी जी हमारी तो इनपुट सर्विस भी तो है हमारी इनपुट सर्विस भी तो है पर उन्होंने बोला इनपुट सर्विस का रिफंड नहीं मिला दिमाग खराब मत करना बेटा उसका रिफंड चाहिए भी नहीं मेरे को पर आप एक दिमाग लगा बात करो मेरे से आप इस पर रेटोटैक्स कितना बेटा आवाज आ रही इसके लिए इनपुट का इसमें लाइब्रेड कितनी बेटा, बेटा? फाइव लेख एक करोड़ का दो मिनट लगेंगे बेटा दिमाग चलेगा थोड़ा सा बेटा मैथ्स का पॉइंट है सर।, सर सर वन करोड़ का टन और इस पर रेटोटैक्स कितना बेटा फाइव परसेंट रेट लाइब्रेडी कितनी सर पांच लाख की बेटा आईटीसी कितना बेटा अब आईटीसी का दस लाख का जो आईटीसी मेरा वो तो इनपुट का आई टी सी है ना सर अब आप क्या कर रहे हो मेरे को इनपुट का रिफंड मिलता है इनपुट सर्विस कैपिटल रिफंड नहीं मिलता है सर कैपिटल तो छोड़ दो सर कभी नहीं मिलता सर पर इनपुट सर्विस का तो मिलता है बेटा मेरे को पर आप इनपुट सर्विस का रिफंड नहीं दे रहे हो मेरे को साहब मत दो बस पर मैं इनपुट सर्विस की आईटीसी पहले यूज करूंगा इसको पे करने के लिए हाँ है ना इसका पांच लाख का लाइव बेटा मेरे पास हूं हूं करना पड़ेगा सर

तो मेरा इनपुट सर्विस का क्रेडिट क्या दिया आपने क्यों दिया सर लूट लो एक काम करो मेरे को तो क्लियर इसलिए मोदी जी ने बात समझी बेटा कि बात तो सही है पर बोला कि तू तो ज्यादा दिमाग खराब मत कर थोड़ा कर हवा में मत बेटा और बोला क्या इस लाइबिटी कितनी सर आवाज नहीं रो अग्रिड कि पूरा इनपुट यूज नहीं करना चाहिए इनपुट सर्विस भी कमाना चाहिए तो ठीक है प्रपोशन यूज कर ले सर इनपुट का क्रेडिट कितना बेटा तेरे पास इसके लिए दस लाख का इनपुट सर्विस इसके लिए कितना है बेटा थ्री लाख का हा है ना तो टोटल सर या ऐसे कर लो सर आपके पास टोटल आई कितना था बीस लाख का बेटा टोटल आई टी ऑल इनपुट कितना था सर बीस लाख का और मान लो दस सर फिगर थोड़ा चेंज करता हूं बीस लाख का टोटल इनपुट टोटल क्रेडिट ऑन इनपुट था बेटा हा है ना भाई पांच लाख का आई टी सी इनपुट सर्विस का बेटा सब मिला के बेटा क्लियर तो टोटल क्रेडिट कितना बेटा मेरा पच्चीस लाख का बच्चा तो मोदी जी ने बोला सर देख

क्लियर अब पांच लाख में से एक लाख तो यूज आएगा क्या इनपुट सर्विस से क्रेडिट और चार लाख का क्रेडिट कमाएगा बेटा इनपुट्स का तो इसके लिए आईटीसी कितना एलोकेट इनपुट का बेटा दस लाख का बेटा अरे दस लाख का आई इसके लिए एलोकेट हुआ था बेटा दस लाख में से चार लाख का इनपुट का क्रेडिट कमाया इसके लिए आईबीडी पे करने के लिए बेटा बैलेंस कितना बेटा छह लाख का रिफंड मिल जाएगा भारत माता की जय क्लियर पहले कितना मिल रहा था सर पांच का मिल रहा था अब कितना मिलेगा का बेटा क्लियर तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसकी जो लायबिलिटी पे करना है आपको, इसकी पे करने के लिए, इन्पूर्ट और एग्जाम्पल में, में छह लाख आपको रिफंड मिल जाएगा इसी के साथ भारत माता की रिफंड के फॉर्मुला में जो चेंज हुआ था वो भी खत्म होता है अब चलिए एक बात और बेटा लास्ट बात बेटा सर्कुलर था बेटा एक मान लो ये क्या है ये जब परचेस किया तब इसमें रेट ऑफ टैक्स थी परसेंट बेटा हूं हूं कर बेटा मैं इसका ट्रेडिंग करता हूं बेटा क्या करता हूं बेटा और जब बेचने लगा तब रेट ऑफ टैक्स कम हुगी। कितनी टैक्सेंट बेटा 5 बेटा purchase पे पे के हिसाब से 5 के हिसाब से मेरे पास एक्स आई टीसी बच रहा है बेटा। तो दिस इज नॉट अ केस फॉर ड्यूटी स्ट्रक्चर क्लियर ये यह ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए केस फिट नहीं है क्योंकि सेम गुड्स से बेटा है इसके अंदर पर हां यही अगर किसी कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी के नोटिफिकेशन की वजह से इस परसेंट सेल रेट ट्वेल्व परसेंट बेटा पर किसी कंसेशन रेट के हिसाब से मेरे नोटिफिकेशन तो की वजह से पॉइंट वन परसेंट टैक्स पे करना जैसे याद है मैं अगर ये गुड सप्लाई करूंगा इसको एक्सपोर्टर को और इसको डायरेक्ट क्या कर रहा है बेटा एक्सपोर्ट कर रहा है तो इस्पेक्ट एक्सल रेट ऑफ टैक्स पॉइंट पे करना। हाँ ना भाई क्लियर अब मैं पॉइंट वन परसेंट टैक्स पे कर कितना अब उसकी वजह से अगर एक्सेस बचता है तो यस दिस इज अ केस फॉर ये सर्कुलर गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया इसी के साथ भारत माता की जय इसी के साथ रिफंड की बात भी खत्म होती है अब इसी के साथ इंडिया टेक्स का मैराथन सर यही पे समाप्ति की तरफ बढ़ गया है सब और आई होप ये दिन आपके लिए यूजफुल रहा होगा आई होप माहौल बना होगा आई होप सिस्टम समझ में आया होगा आई होप पूरा जीएसटी आपके एंड पे कनेक्ट हुआ होगा आई होप कस्टम्स और जीएसटी एक साथ आपको समझ में आया होगा आई होप सर जीएसटी और कस्टम्स के जितने भी थे वो इंटरकनेक्ट हो गए होंगे भारत माता की जय थैंक यू सो मच माहौल बनाइए खुश रहिए, <laughs> thank थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच और सर uh, uh, सही कह रहा मैं आपसे दिल से कह रहा हूं मैं आपसे अगर आप नहीं होते तो सर मैं इस स्पीड से इस मोमेंटम से इस माहौल के साथ इस जोश के साथ शायद नहीं पढ़ा पाता क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो आप लोगों की बेटा थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट अच्छे से पढ़े एक सेल्फी ले, ले बेटा आपके साथ भारत माता की भारत माता की ये जोश बना रहना चाहिए क्योंकि सर लाइफ जो है ये सर हमको एक बार मिली है सर ध्यान रखना ये काश करके अगर अपने लाइफ दी काश ये होता तो शायद कुछ ना हो पाएगा इसलिए सर हाउस जोश डन सर थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट माहौल वंदे वन डे सर ऑल द बेस्ट सर कीप योर स्माइल ऑलवेज एंड सर कीप स्माइलिंग ऑलवेज क्योंकि सर ध्यान देना बेटा अगर आप खुश होकर जीते हो तो भगवान आपको शक्ति देता है बेटा क्लियर ये आठ घंटे मैंने नहीं पढ़ाया ये शायद भगवान ने शक्ति दी हम पढ़ा पाए सर क्लियर थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट